जीडीपी डी एस्टिमेशन इन इंडिया अभी रिसेंट में 7.8 परसेंट का रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ इंडिया ने रिकॉर्ड किया है और ये जून अप्रैल जून पीरियड ऑफ 2023 के लिए है एक्चुअल में क्या है कि जो जीडीपी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं अलग अलग क्वार्टर्स की करते हैं जैसे क्यू हो गया क्यू हो गया क्यू हो गया क्यू हो गया अलग अलग क्वार्टर्स में होती है जी को कैलकुलेट करने या फिर बोल सकते हैं कि जी के नंबर को बदलने के लिए दो तरीके हो सकते हैं एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्ट और दूसरी होती है जो हमारी होती है इन्फ्लेशन को लेकर के या सिंपल बोल सकते हैं कि सब्सिडीज़ को हम लोग काउंट करा करके कैसे करते हैं अब इन दोनों के लिए हम लोगों को जरा पहले बेसिक्स डिस्कस करना पड़ेगा तो चलिए पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस जीडीपी बेसिक्स में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग जितना रिलेवेंट पार्ट है इस न्यूज़ से रिलेटेड और थोड़ा सा कुछ अगल बगल की जो बातें हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो कहानी यहाँ पर जो चल रही है वो है जीडीपी को लेकर के जीडीपी डी दैट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये निकाला जाता है रिलीज़ किया जाता है सी के द्वारा ये जो सी है ये ऑर्गेनाइजेशन है मॉस्पी के अंतर्गत मॉस्पी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अब अभी जो रिसेंट डेटा निकल कर के आया है उसमें ये ग्राफ में देखने को पता चल रहा है कि 2012-13 से लेकर के अगर हम लोग 2016-17 तक के डेटा को अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा जी है वो लगातार ग्रोथ शो किया है एक चीज़ समझना है यहाँ पर एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जी और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ़ जी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जी अब जी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी जी नॉर्मली किस तरीके से ग्रो कर रही है यानी मान लेते हैं कि कभी ये 5.5 है फिर यह आगे बढ़ कर के मान लेते हैं कि सिक्स पॉइंट फोर हो जा रही है फिर बढ़ कर के सेवन पॉइंट फोर हो जा रही है फिर इसी तरीके से बढ़ कर के मान लेते हैं एट होती है एट पॉइंट थ्री हो जाती है तो लगातार यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है इनफैक्ट देट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये फाइव पॉइंट फाइव से हो सकता है अगले साल सीधे बारह आ जाए हो सकता है अगले साल सीधे सोलह हो जाए ठीक है तो यानी जी डी पी ग्रोथ में हमें एक स्टीडी स्टीडी स्टीडली इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है यानी कि एक शार्प इंक्रीज़ देखने को हमें मिल सकता है लेकिन वही रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें यानी कि पुराना यानी कि मान लेते हैं 6.4 पॉइंट फोर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 5.5 अगर ये रेट निकालेंगे रेट मतलब किस तेजी से जी आगे बढ़ रही है तो कभी ये आपको शार्प नहीं देखने को मिलेगा पहली चीज़ तो शार्प नहीं देखने को मिलेगा दूसरी चीज़ यहां पर कोई फिक्स पैटर्न देखने को हमें नहीं मिलेगा ये जिग जैक रहेगी हो सकता है कि कभी ये इंक्रीज शो करे हो सकता है कि कभी ये डिक्लाइन शो करे लेकिन डिक्लाइन शो करने का मतलब ये नहीं है कि जी ग्रोथ नहीं हो रही है जी ग्रोथ होगी बट दट इज अ पॉसिबिलिटी दैट रेट ऑफ ग्रोथ मे बी डिक्लाइनिंग रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है वो डिक्लाइन कर रहा हो यह हमें यहाँ पर पैटर्न एक देखने को मिल सकती है तो बस ये ध्यान रखना है कि जो जीडीपी ग्रोथ है और दूसरा रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ दो अलग अलग चीज़ें हैं एक्चुअली हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन की आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जीडीपी ग्रोथ या कोई एक टर्म दे देगा इन्फ्लेशन ग्रोथ और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है और दूसरा है रेट ऑफ एलिमेंट इन दोनों पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो और बेटर तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि बातें क्या चल रही हैं खैर तो जीडीपी के कुछ बेसिक्स के बारे में यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि जो कंसिस्टेंट ट्रेंड होती है वो बहुत रेयर होती है ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसिस्टेंट ट्रेंड होती है ये हमें बहुत रेयर देखने को मिलती है लेकिन ये देखने को मिली थी 2012-13 से लेकर के 2016-17 के बीच में जीडीपी में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला है उसके बाद भी ग्रोथ है बट जीडीपी डी स्लो डाउन देखने को मिली है यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो स्लो डाउन हुई है एक तो ये चीज़ है दूसरी चीज के बारे में अगर बात किया जाए अभी जो न्यूज़ में इनफैक्ट बात की गई है कि जी का जो कैलकुलेशन होता है इस जी के कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हमें एक आ, मतलब कुछ खामियां देखने को मिलती है और इस इसी खामियों को देखते हुए अल्टीमेटली जी कैलकुलेट करने की बात कही गई थी 2015 इकोनॉमिक सर्वे के दौरान में ही तो आखिर में जी और जो जी है इन दोनों में क्या डिफरेंस है किस तरीके से कैलकुलेट होता है इन सब के बारे में समझते हैं तीन और चीज़ें यहां पर सामने आएंगी। एक आएंगी जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेशन दूसरी होती है जिसे हम लोग बेसिक कॉस्ट पर कैलकुलेशन बोलेंगे और तीसरी होती है जिसे हम लोग मार्केट कॉस्ट पर या मार्केट प्राइस पर हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन करना तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं जीडीपी क्या है जीवीए क्या है इसको जरा समझते हैं और उसके पहले थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं अब बैकग्राउंड देखने के लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में मान लेते हैं कि मुझे बनाना है कोई एक स्कूटर ठीक है मान लेते हैं स्कूटर बनाना है तो इस स्कूटर को बनाने के लिए मान लेते हैं कि ओला एस वन ले लेते हैं ओला कंपनी है या अपना एस वन कोई एक स्कूटर बनाती है ठीक इसको बनाने के लिए इस कंपनी को बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जैसे शुरुआत में इनको ज़रूरत होगी लिथियम बैटरी की एक बैटरी की ज़रूरत है जिसको ये लोग इस्तेमाल करेंगे स्कूटर बनाने में इसके अलावा स्कूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी स्कूटर के पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्लस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो इन सब चीज़ों की बेसिक नीड होगी जो इस पहले कंपनी को बेसिक रिक्वायरमेंट है ठीक इस बेसिक रिक्वायरमेंट को जब ये लोग लेकर के आएंगे गद्दी सीट कवर फलाना धमाका जितनी भी ये सब चीज़ें लेकर के आएंगे अब इसके बाद से ये कंपनी असेंबल करने का काम करेगी अब ये असेंबल करने का काम करेगी ठीक असेंबल किया यानी कि यहां पर इन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन कर लिया यहां पर इन्होंने कुछ अपना वैल्यू एडिशन किया वैल्यू एडिशन करने के बाद इन्होंने अपना स्कूटर तैयार कर लिया ठीक है स्कूटर तैयार हो गया अब स्कूटर डायरेक्ट तो सेल हो नहीं रहा है ये अब जो भी अलग अलग सिटीज़ में ओला का जो भी फ्रेंचाइजी लेके रखा होगा या मान लेते हैं कि कोई एक ककड़ा मकड़म दुकान वाला है मान लेते हैं कि कोई एबीसी दुकान वाला है अब ये क्या करेगा ओला वालों से स्कूटर ले लेगा परचेस कर लेगा और ओला एस वन अपने शोरूम में ले आकर के टांग देगा अब यहाँ पर जो कुछ सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे ये जो कम मतलब दुकान वाला है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो इसका भी अपना वैल्यू एडिशन हो गया अब वैल्यू एडिशन होने के बाद में यहाँ पर फाइनल प्राइस के रूप में अब यहाँ पर कंज्यूमर को जो भी ओला एस वन बाइक है वो मिलना शुरू हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर जरा देखिएगा यहाँ पर जो ओला एस वन बाइक मिलनी शुरू हुई है यहाँ पर ये चीज़ जो बेसिक चीजें हैं ये हो गई इसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये चुटुर पुटुर की चीज़ें हैं जिसके बिना चीज़ें शुरू नहीं हो सकती हैं इस चुटुर पुटुर की चीज़ों को ही बोला जाता है फैक्टर दीज आर द फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच दिस कंपनी विल क्रिएट द असेट तो ये बन गया फैक्टर और जिस कॉस्ट पे लिया जाएगा उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट अब ये कंपनी ने असेंबल किया है असेंबल करने के बाद में इन्होंने अपना बेसिक प्रोटोटाइप या बेसिक प्रोडक्ट इन्होंने अपना रेडी कर लिया है बेसिक प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं बेसिक कॉस्ट पर चीज़ों को लेकर के आना और तीसरा है जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं कंज्यूमर को तो इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट कॉस्ट मार्केट कॉस्ट अब आखिर में चीज़ें हुई क्या हैं फैक्टर कॉस्ट में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद में बेसिक बनेगा बेसिक कॉस्ट और बेसिक कॉस्ट में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद में आपका मार्केट कॉस्ट बनेगी फैक्टर कॉस्ट से बेसिक कॉस्ट में बेसिकली यहां पर किया क्या गया है यहां पर किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन यहां पर किया गया है प्रोडक्शन और बेसिक से मार्केट में क्या किया गया है यहां पर जो भी चीज़ें हुई हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर में हुई है प्रोडक्ट ऑलरेडी यहां पर बन चुका है प्रोडक्ट इस लेवल तक ऑलरेडी बन चुका है तो अब जो कुछ भी हो रहा है वो प्रोडक्ट के ऊपर में हो रहा है अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो कंपनी है ओला एस ही इनफैक्ट जो मान लेते हैं कंपनी है इस कंपनी को अपना जो भी वेयर हाउस है उस वेयर हाउस को इस्टैब्लिश करने के लिए वेयर हाउस को इस्टैब्लिश करने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी इस ज़मीन को लेकर के अल्टीमेटली इस ज़मीन का अपना टैक्स देना पड़ा होगा तो यहाँ पर इनको अपना टैक्स देना पड़ा होगा सरकार को पहली चीज़ दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पन किए होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ा होगा प्लस साथ में सरकार को अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा होगा कारपोरेशन टैक्स होती है फैक्ट्री टैक्स होती है एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत तरीके की टैक्स होती है तो इस दौरान में इनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़े और इस टैक्स को बोलेंगे प्रोडक्शन टैक्स लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सरकार कहती है कि भैया ऐसा है आप आओ मैं आपको जमीन पर कुछ सब्सिडी दूंगा तो यहां पर टैक्स तो दिया गया लेकिन साथ साथ में सरकार ने कहा कुछ मैं आपको छूट दूंगा जैसे इनफैक्ट अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी पीएलआई स्कीम्स होती हैं प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी तो प्रोडक्शन लिंक्ड जितनी भी चीजें होंगी उस पर कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा जिसे सब्सिडी भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे भी कहा जाता है कि मैं आपको कुछ सब्सिडी दे दूंगा तो यानी टैक्स के साथ साथ यहां पर कुछ सब्सिडी भी दी जा रही है तो अब यहां पर टैक्स जो फैक्ट्री वाले को भरना पड़ेगा सब्सिडी उतना नहीं भरना पड़ेगा तो अल्टीमेटली कितना भरना पड़ रहा है कितना पैसा देना पड़ रहा है टैक्स माइनस सब्सिडी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बेसिक कॉस्ट में जो फैक्टर कॉस्ट है उसका फैक्ट्री जो एक्स्ट्रा दिया यानी कि टैक्स माइनस सब्सिडी ये इतना पैसा इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है ये जोड़ दिया जाएगा ठीक अब यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर में भी कई सारे टैक्स लगते हैं जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लग जाएगा यहाँ पर जैसे मान लेते हैं जीएसटी लग गया तो टैक्स बढ़ गया प्लस इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा तो ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा यहाँ पर मतलब पैसा जुड़ जाएगा तो कई सारे यहां पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे किसके ऊपर में में बेसिक कॉस्ट के ऊपर तो मार्केट का मतलब क्या हुआ सब कुछ यानी कि जो भी आपका बेसिक कॉस्ट पे चीजें निकल आई हैं प्लस उसमें से जो टैक्स लगा माइनस सरकार जो सब्सिडी दी इसको हम लोग बोल देंगे कि वो बन गया मार्केट कॉस्ट के ऊपर में अब यहां पर थोड़ा सा एक कैलकुलेशन एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से अब क्लैरिटी आ जाएगी समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाना है ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़िए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है पिज़्ज़ा <coughs> बनाना है ठीक है पिज़्ज़ा बनाना है पिज़्ज़ा की जो कंपनी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मान लेते हैं कि डोमिनोज को ही ले लेते हैं अब डोमिनोज को पहले चीज़ें प्रोक्योर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले जो फ्लोर होता है बेसिकली आटा बोल सकते हैं हिंदी में बात करते हैं आटा ले, ले लेते हैं आटा या मैदा जो भी चीज़ें हैं ठीक है मैदा की ज़रूरत होगी प्लस तेल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है प्लस ओवन की ज़रूरत पड़ेगी प्लस एक ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो इन सब चीज़ों को इन्होंने खरीदा पहले ख़रीदा मान लेते हैं दस रुपये किलो पे ये मिल गया ठीक है दस रुपये पर मतलब ठीक है दस रुपये के जी पर मिल गया तेल मान लेते हैं कि सौ रुपये के जी पर मिल रहा मतलब लीटर पे मिल रहा है ओवन मान लेते हैं कि दस हज़ार रुपये का मिल गया ठीक है लैंड ऐसे ही मान लेते हैं कि कितना दस हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से मान लेते हैं ठीक है पर डे के हिसाब से तो ये सब सब कुछ जोड़ देंगे मान लेते हैं जोड़ करके टोटल जो खर्चा आ रहा है वो एक लाख रुपये आया एक लाख रुपये आया ये एक लाख रुपए बन गया जो फैक्टर कॉस्ट है ये फैक्टर कॉस्ट है बन गया एक लाख रुपए किसको मान लेते हैं कि डोमिनोज का कोई यहां पर दिस इज डोमिनोज को यहां पर जो भी फैक्ट्री है वहां पर आ गया अब डोमिनोज फैक्ट्री ने ऑलरेडी एक लाख रुपए पे कर दिया ऑलरेडी पे कर दिया इन सब चीजों को खरीदने के नाम पर ठीक यानी बन गया ये फैक्टर कॉस्ट अब ये आगे चीज़ों को बढ़ाएगा यानी यहाँ पर यह अपना वैल्यू एडिशन करेंगे वैल्यू एडिशन करने का मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली एक लाख रुपए ऑलरेडी जो दिया जा चुका है वो आगे वसूला जाएगा प्लस साथ ही साथ में इन्होंने जो बेकिंग की है यानी पिज्ज़ा बनाया है बेस वगैरह बनाया है तमाम चीज़ें बनाई हैं बेकिंग किया है इन्होंने बेकिंग करने का मान लेते हैं कि जो भी मंथली चार्ज आ रहा है वो पचास हजार आ रहा है टोटल कॉस्ट बन गई वन लाख रुपए अब ये अल्टीमेटली जो भी इनके स्टोर्स हैं उस स्टोर्स में भेज दिए जाएंगे स्टोर्स में भेजने के बाद में अब यहाँ पर स्टोर वाले प्रोडक्ट के ऊपर में जो भी टैक्स लगा जैसे फैट टैक्स एक लगती है जो लग्जरी आइटम या जो भी चीज़ें लगी उसके ऊपर में लगा तो यहाँ पर टैक्स वैक्स लगा करके मान लेते हैं कि दो लाख रुपए में फाइनली ये सर्व कर दिया जा रहा है प्लस और भी खर्चे हैं इलेक्ट्रिसिटी फल वगैरह फलाना भ्रमा तो ये जो बन गया ये फैक्टर कॉस्ट हो गया ये जो बन गया ये बेसिक कॉस्ट हो गई और इसी तरीके से ये जो बन गया ये बन गया आपका मार्केट कॉस्ट दिस इज मार्केट कॉस्ट आई थिंक आप चीजें आराम से आप लोग लिख सकेंगे हर एक लेवल पर आपने क्या किया है हर एक लेवल पर आपने यहाँ पर वैल्यू एडिशन का, का काम किया है दिस इज वैल्यू एडिशन का आपने यहाँ पर काम किया है तो जो जीडीपी होती है जीडीपी ये इज इक्वल्स टू जी जो भी आपने वैल्यू एडिशन किया है जो भी आपने हर एक लेवल पर वैल्यू एडिशन किया है प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी ये बन जाएगी आपकी पूरा फॉर्मूला जी का अब मान लेते हैं कि जी आपको चाहिए एट मार्केट कॉस्ट मान लेते हैं आपको मार्केट कॉस्ट पर चाहिए तो मार्केट कॉस्ट पर अगर चाहिए तो जी पहले तो ऐड हो रहा ही हो रहा है प्लस साथ में आपको क्या चाहिए जी के साथ में आपको चाहिए जो भी आपकी प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी ठीक ये आपका ऐड हो गया यानी अब आपका बन गया ये टोटल जो वैल्यू है ये बन गई आपकी बेसिक कॉस्ट पर ये बन गई बेसिक कॉस्ट पर ठीक ये तो हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट दिस इज फैक्टर कॉस्ट यहां पर बन गया बेसिक कॉस्ट अब इसमें एक्स्ट्रा में प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी जब मैं जोड़ दूंगा तो ये एक्स्ट्रा जो निकल करके आएगा ये बन जाएगा आपका मार्केट कॉस्ट पर तो ये फॉर्मूला बन जाता है जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीवीए प्लस बेसिक कॉस्ट प्लस मार्केट कॉस्ट अगर मान लेते हैं ये लिख देता है यहाँ पर केवल के फैक्टर कॉस्ट पर चाहिए तो मुझे ये एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी वही चीज़ यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे बात समझ में आ गई क्या चीज़ है कैन यू डू द कैलकुलेशन नाउ चीज़ें आप की जा सकती हैं कैलकुलेशन वगैरह तो यहाँ से चीज़ें आप निकाल करके बहुत आराम से कर सकते हैं एक तो ये हो गया जो कैलकुलेशन की सारी चीज़ें हैं तो ये फैक्टर कॉस्ट क्या है बेसिक कॉस्ट क्या है मार्केट कॉस्ट क्या है बातें क्लियर हो गई होंगी अब जरा आगे बढ़ते हैं अब जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो भी बड़ा अनोखा है एक तरीका होता है अभी इनफैक्ट हम लोग मैगजीन में ही डिस्कस कर लेंगे डोंट वरी यहाँ पर थ्री मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन को लेकर के तीन मेथड्स होते हैं इनकम होती है एक्सपेंडिचर होती है प्रोडक्शन होती है अलग अलग तरीके से होती है सबकी वैल्यू अलग होती है हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्सपेंडिचर वाले पे मेनली करते हैं अब मान लेते हैं कि जो जीडीपी है जीडीपी को कंपेयर कैसे करेंगे कंपेयर कैसे करेंगे जैसे जीडीपी ग्रोथ वगैरह के बारे में हम लोग जो बात करते हैं तो कंपेयर कैसे करें मान लेते हैं किसी एक साल 2016-17 के दौरान में हमारे पास में मान लेते हैं कि 100 पिज्ज़ा बना था 100 पिज्ज़ा बना ठीक सबकी कॉस्ट कितने पे बनी मान लेते हैं कि दस रुपए कॉस्ट पर बनी है तो टोटल यहां पर प्रोडक्शन कितना हुआ एक हज़ार रुपये का हुआ ठीक टोटल ये एक हज़ार रुपये का यहां पर प्रोडक्शन कर लिया गया है यानी कि जी कितनी हो गई जी हो गई आपकी एक हज़ार रुपए दैट्स एट अगले साल 2016-17 के दौरान में जो पिज़्ज़ा बने हैं वो 100 पिज़्ज़ा ही मान लेते हैं कि बना और ये अब बारह रुपए पर हो गया है तो टोटल कॉस्ट कितनी आई टोटल कॉस्ट आ गई आपकी बारह सौ रुपये कायदे से क्या हम लोग बोल सकते हैं दो सौ रुपये का इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है किस में जी में जी में लेकिन ये जो इंक्रीज़ है क्या कहीं पर भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है क्या नहीं क्या हुआ है रेट बढ़ गया है यानी आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है अगर मान लेते हैं इस सौ पिज़्ज़ा का दाम पिछले पिछले साल के हिसाब से ही लगाएं तो सेम आएगा वही एक हज़ार रुपये आएगा मान लेते हैं कि इस 2016 17 में ही मान लेते हैं कि 2016 17 में बजाय रेट बढ़ने के रेट वही रहती दस ही रुपए रहती लेकिन हम लोग आ, मतलब सौ पिज़्ज़ा की जगह पर 120 पिज़्ज़ा बनाने लगते तो दाम कितना हो जाता 1200 हो जाता लेकिन इस बार हमने बीस पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा बनाए हैं ये हुआ रियल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी हमने यहां पर अपने प्रोडक्शन को अपने मैन्यूफेक्चरिंग को ही इनहेंस किया है बढ़ाया है तो दिस शुड बी द रियल रियल ग्रोथ न कि इन्फ्लेशन और इसी चीज को देखने के लिए हम लोग दो तरीके की जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन के कारण से हमारी जीडीपी बढ़ रही है या फिर सच में प्रोडक्शन के कारण से बढ़ रही है क्योंकि कायदे से ये वाली चीज हमें फोकस करनी है तो इसके लिए दो तरीके की जीडीपी निकलती है एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जी और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रियल जी रियल जी रियल मतलब जो रियल फिगर बताएगी यानी रियल फिगर किस पे बताएगी जो कांस्टेंट कांस्टेंट रेट पर होगा कांस्टेंट रेट मतलब कि दस रुपए यहाँ पर भी है तो दस ही रुपए के हिसाब से ही हम लोगों को देखना रहेगा यानी मेनली हमें प्रोडक्शन चेक करनी है तो रियल जी ये रियल प्रोडक्शन को बताती है रियल प्रोडक्शन को ठीक है यानी कि कॉन्स्टेंट प्राइस पर देखेंगे जिसपे आप कंपेयर कर रहे हैं क्रॉस आप सेम रख देंगे बाकी ठीक है नॉमिनल का मतलब होता है जो आप उस समय की प्राइस होती है उस समय की प्राइस का मतलब जो भी उस समय का करंट प्राइस है उसके हिसाब से हम लोगों को देखना होता है यहाँ से हम लोग कायदे से इन्फ्लेशन को चेक कर पाते इन्फ्लेशन और इसीलिए इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है डीफ्लेटर डिफ्लेटर दैट इज़ नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल अब ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू मोर देन वन है दैट मींस इन्फ्लेशन है सीधी सी बात है इन्फ्लेशन है तो ये चीज़ होती है जो हम लोग डिफ्लेटर के बेसिस पर जी डी डिफ्लेटर इसको बोला जाता है जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली वी कैन कैलकुलेट दैट वॉट इज द इन्फ्लेशन इन द मार्केट इन्फ्लेशन मार्केट में क्या है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं ये बात समझ में आ गई एक और जो सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है जी में रियल में मतलब रिसेंट में कुछ चेंजेस किए गए थे ये जो चेंजेस किए गए हैं मेनली किए गए थे 2015 में तो एक कंपैरिजन को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है जैसे एक कंपैरिजन यहां पर ये है बेस ईयर को लेकर के अब जो बेस ईयर है पहले जो दो हज़ार चार पाँच हुआ करता था पहले दो हज़ार चार पाँच हुआ करता था उस चीज़ को बदल करके हम लोगों ने दो हज़ार ग्यारह बारह कर दिया है ताकि रियल फिगर देखने को मिले पहला ये चेंज किया गया था दूसरा चेंज किया गया है सिस्टम ऑफ जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये इंटरनेशनल फैक्टर होती है इंटरनेशनल बेसिस पर होती है इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ये जो एस एन ए पहले पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते थे फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग इसको फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करते थे लेकिन अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बेसिक प्राइस पर दिस इज़ बेसिक प्राइस या इसको बोल सकते हैं बेसिक कॉस्ट पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट के ऊपर में टैक्स लग रहा है या जो प्रोडक्ट के ऊपर में जो सब्सिडी मिल रही है उसको हम लोग कैलकुलेट करके तब देखते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि मान लेते हैं सपोज़ मान लेते हैं यहीं पर देखिए जी कहां गया यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं मान लेते हैं कि जी में अगर आपने फैक्टर कॉस्ट पर ही चीज़ों को देखा तो जो आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं जो आपकी आटा मैदा इन सब चीज़ों पर वैल्यूज़ हैं आप उसी को केवल और केवल कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी तो आपका और एक्स्ट्रा सरकार जो है वो पुश कर रही है किस थ्रू किसके थ्रू पुश कर रही है कुछ यहाँ पर सब्सिडीज़ वगैरह दे करके सरकार यहाँ पर पैसा पुश कर रही है प्लस साथ में टैक्सेस के थ्रू पैसा यहाँ पर ड्रेन किया जा रहा है तो इन दोनों को भी ले लेंगे अगर तब जा कर के हमें रियल फिगर पता चलेगी अब देखिए जो इकॉनमी होती है जो इकॉनमी होती है इकॉनमी में ये होता है हमारा रियल इकॉनमी ये होता है रियल इकॉनमी इस रियल इकॉनमी में कौन कौन होती है इसमें होती है आम जनता पब्लिक दूसरी होती है यहाँ पर सरकार तीसरी होती है यहाँ पर बैंक्स ठीक है और गवर्नमेंट कहने से मतलब जितने मेरे पी वगैरह हैं उन सब की बात यहाँ पर की जा रही है प्लस जो एग्जीक्यूटिव है आर जो होता है वो इसके बाहर होता है तो इसी वजह से जो भी इकॉनमी की चीज़ें होती हैं वो हम लोग इन सारी चीज़ों को देख करके करते हैं तो मेनली बेसिक प्राइस इसीलिए रखा गया ताकि जो भी प्रोडक्ट टैक्स या सब्सिडीज़ वगैरह दी जा रही हैं उनको हम लोग काउंट में ला सकें तीसरी चीज़ है कि पहले जो हम लोग जी कैलकुलेशन या जो भी चीज़ें देखते थे जो भी डेटा वगैरह लिया जाता था उस डेटा को हम लोग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर लेते थे जहाँ पर दो लाख कंपनी का डेटा मिलता है अब हम लोगों ने एम सी ए ट्वेंटी वन के डेटा को यूज करते हैं जो पाँच लाख कंपनियों के काम पाँच लाख इंडस्ट्रीज के डेटा को यूज़ करता है इसका ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है बस ये समझिए कि डेटा की जो अब रियलिटी है वो अब हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिली है इसके अलावा पहले हम लेबर इनपुट मेथड यूज़ करते थे लेबर इनपुट मेथड लेकिन अब हम लोग इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड यूज करते हैं दिस इज इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड इसका मतलब क्या चीज़ है इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग सारे लेबर को समझते थे कि वो रोबोट है यानी हर एक बंदे की कैपासीटी सबकी सेम है लेकिन अब इफेक्टिव ले लिया गया मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है इट मे हैव चेंज्ड यहाँ पर हमें कुछ चेंज भी देखने को मिल सकता है सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं है इसलिए हम लोग डिफरेंट तरीके से इसको देखते हैं तो दिस इज़ द मेन थिंग यह आप लोगों को देखना था जो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया एक लास्ट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनमी को लेकर के सो दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकॉनमी अब प्राइमरली हमारे पास जो इकॉनमी में चीज़ें होती हैं वो तीन तरीके की चीज़ें होती हैं एक होती है जो हमारी मेन एग्रीकल्चर है दिस इज़ एग्रीकल्चर दूसरी है जो हमारी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर होती है दिस इज़ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरी होती है जो हमारी सर्विसेज सेक्टर है एग्रीकल्चर का टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में 18 प्रतिशत है उन्नीस सौ रिफॉर्म होने के बाद में लगातार ये गिरते जा रहा है कारण कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होता है मैनुफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में चले आ रहे हैं क्योंकि एल का मतलब क्या है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल प्लेयर्स अब इंडिया में आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया में अब ज़्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और सर्विसेज की तरफ लोग मूव करेंगे इंडस्ट्रीज में यहां पर देखेंगे तो यहां पर टोटल चार चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं एक है जो हमारा माइनिंग uh, सेक्टर है दिस इज आवर माइनिंग सेक्टर माइनिंग सेक्टर का जो परसेंटेज है वो दो परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है दूसरा है हमारा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का परसेंटेज है चौदह परसेंट फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी गैसेस वगैरह को लेकर के इलेक्ट्रिसिटी हो गया गैस हो गया इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ढाई परसेंट है और फिर लास्ट में आती है हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारा परसेंटेज है नाइन परसेंट अब देखिए ऑटोमेटिकली आप लोग गैस भी कर सकते हैं ज़्यादातर क्या होती है मैनुफैक्चरिंग बड़ी चीज़ है बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैनुफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा इन द मतलब इन दिस सेक्टर जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको इंडस्ट्रीज बना दे रहे हैं मैनुफैक्चरिंग लिख रखा मैंने इंडस्ट्री लिख दे रहे हैं अब दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन में लेबर बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शन है कि बहुत ज़्यादा होगा अब माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी गैस का रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू माइनिंग और ये जो ट्रेंड है यह आप लोगों को याद रखना है इंपॉर्टेंट है दिस इज़ इंपॉर्टेंट सर्विसेज सेक्टर में आए यहां पर तो तीन चार चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है अच्छा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन साढ़े सत्ताईस परसेंट है इसका ठीक है अट्ठारह परसेंट एग्रीकल्चर का है जो बचा हुआ है सर्विसेज का है सर्विसेज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा है साढ़े चौवन परसेंट बहुत ज़्यादा है अब यहां पर क्या है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आ जाती है आप लोग देख ही रहे हैं हर चीज़ में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होती है तो परसेंटेज अच्छा खासा होना चाहिए दिस इज़ एटीन परसेंट दूसरा आता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज है हर रोज क्रेडिट कार्ड का बिल क्रेडिट कार्ड की चीज़ें आ जाती हैं तो इसका परसेंटेज है लगभग लगभग साढ़े बाईस परसेंट इसमें रियल इस्टेट भी आता है रियल इस्टेट भी आता है और लास्ट में आपकी आ जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सो दिस इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका परसेंटेज है फोर्टीन तो ये भी आप लोगों को ट्रेंड जो है थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं तो बेसिक्स यहाँ पर कंप्लीट होता है मैगजीन के ऊपर में ज़रा आते हैं अब देखिए बेसिक से डिस्कस करने के बाद में अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक जो हमारा टैक्सेस है और दूसरा हो गया जो हमारी सब्सिडीज़ है अब देखिए टैक्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि टैक्स रोज रोज आप बदलते रहेंगे लेकिन सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डीले जरूर कर सकते हैं आपने सब्सिडी को डीले किया ये वैल्यू मान लेते हैं कि दस थी अब घट करके मान लेते हैं दो रह गई तो अब माइनस करने वाली वैल्यू कम हो गई यानी मान लेते हैं कि सपोज टैक्स जो है वो पचास है दस के साथ में वैल्यू आती चालीस दो के साथ में वैल्यू आ रही है अड़तालीस जीडीपी बढ़ गया कैसे बढ़ गया केवल हमने डिले किया इस वजह से तो सब्सिडी के कारण से किस तरीके से डिले हो मतलब किस तरीके से जीडीपी के नंबर बढ़ सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है मतलब क्वार्टर्स जो होते हैं हम अपने हाथ से सब्सिडीज़ को चेंज करेंगे चाहे हम क्वार्टर वन में दें चाहे क्वार्टर फोर में दें क्या दिक्कत है साल भर में देना है कभी तो इससे हमारा जो जीडीपी का क्वार्टर ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने में मिलती है और इसे आप पॉलिटिक्स बहुत अच्छी खेल सकते हैं इलेक्शन ईयर है वैसे भी बहुत आराम से पॉलिटिक्स वगैरह में काम कर सकते हैं अब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एक बार जरा मैगजीन को गो थ्रू कर लेते हैं जैसे जी जो होती है दो तरीके की होती है रियल और नॉमिनल इसकी जो वैल्यू मतलब ये जो कैलकुलेशन होती है मॉस्पी के द्वारा की जाती है और ये जो हमारा सी है यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये डेटा रिलीज करता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ होती है डिस्कस कर लिया है जी कैलकुलेशन तीन तरीके की है प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने जो जो वैल्यू एड की है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्शन जितनी प्रोडक्श इस मतलब परचेज करने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यानी इनकम की जरूरत पड़ेगी वो बन जाएगा इनकम अप्रोच और वही चीज़ खर्च करने के नाम पर जब हो जाती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपेंडिचर तीनों ही कैलकुलेशन में वैल्यूज जो निकल करके आती हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को हमें मिल जाते हैं तो बेस ईयर अभी रिवाइज करके 2011 हज़ार कर ही दिया गया है स्ट्रक्चरल चेंजेस कई सारे किए ही गए हैं जो 2015 के दौरान में चेंजेस किए गए थे अभी हम लोगों ने इनफैक्ट कंपैरिजन ही किया था एस एन ए का जो अब हम लोग कैलकुलेशन लेकर के आ रहे हैं यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग की जो बात लेकर के आ रहे हैं वो अब इंटरनेशनल गाइडलाइन पर हो चुकी है अभी क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जी को कैलकुलेट करने में पहली चीज कि जो डेटा आ रहा है वो बहुत ही आउटडेटेड डेटा देखने को मिल रही है दूसरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे मान लेते हैं जो हमारा डोमेस्टिक वर्क है ये डोमेस्टिक वर्क तो काउंट में आ ही नहीं रहा है प्लस साथ में जैसे इनफॉर्मल बहुत सारे वर्क्स होते हैं वो इनफॉर्मल वर्क भी काउंट में नहीं आ रहा है जैसे मेहंदी लगाना या फिर डांस क्लासेस कोचिंग क्लासेस ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनफॉर्मल वे में चली जा रही है होम ट्यूशंस इसके अलावा ये तो हम लोगों ने बात करी लिया हाउस होल्ड वर्क वगैरह जो होती है वो चीज़ एक्सक्लूजन है इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे इसलिए जो रियल जीडीपी ऐसा कहा जाता है कि रियल जीडीपी अभी हम लोग अट्ठारह से बीस परसेंट जो जी का कैलकुलेशन है वो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो एक्सक्लूडेड हो रही है उसके कारण से है तो हम लोग धीरे धीरे इसीलिए मैक्सिमम फॉर्मलाइजेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क है उसको हम लोग फॉर्मलाइज़ कर लें इसीलिए डोमेस्टिक वर्क हर चीज़ के लिए इनफैक्ट स्टार्टअप कल्चर में देखेंगे हर चीज़ के लिए अर्बन क्लैप वगैरह देखिए नई स्टार्टअप आई है वो यही अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज कर रही है तो जीडीपी कभी भी मेजरमेंट का डेवलपमेंट का कभी भी सही मार्कर नहीं बना है क्यों उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर जितने भी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उसको ये नहीं देखता है जैसे क्राइम हो गया पोल्यूशन हो गया इनिक्वालिटीज़ हो गई इसको कभी ये काउंटिंग में नहीं लेता है दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फैमिली बॉन्डिंग इन सब चीज़ों को भी नहीं देखता है जीडीपी प्योरली इकोनॉमिक्स के कैलकुलेशन पर बेस्ड है वो पर कैपिटा चीज़ों को नहीं देखता है पर कैपिटा वर्जन में नहीं देखता ओवरऑल देखता है और यही दिक्कत है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अमीर हैं जो रिच पर्सनस हैं वो लगातार रिच होते जा रहे हैं और यही जीडीपी को आगे ग्रोथ दिखा रहे हैं लेकिन जो पुअर है जिनकी संख्या मोर देन नाइन्टी परसेंट है ये लोग और पुअर होते आ रहे हैं लेकिन इनका परसेंटेज जीडीपी में दिख नहीं रहा है क्यों क्योंकि रिच ऑलरेडी और रिचर होते आ रहे हैं तो जी हमेशा इंडिया को दिखाएगा इंडिया के कभी भी बंदों को नहीं दिखाएगा यानी कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के जो सिटीज़न है उनको नहीं कभी दिखाएगा इसीलिए हम डेवलपमेंट के नाम पर अलग अलग चीज़ों को देखते हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा सो जीडीपी कभी भी सोशल एलिमेंट को नहीं देखेगा ये निगेटिव रहती है अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया जैसे ट्रेन है ट्रेन लड़ गई क्रैश हो गया नया ट्रेन बना नया ट्रेन बना तो जी में जाकर के कैलकुलेट हो गया बट एक्चुअल में वो तो एक रिप्लेसमेंट था एक ट्रेन लड़ी भी तो है उसको आप घटाओ भी तो तो ये मेन चीज़ होती है बाकी सोशल एस्पेक्ट का तो नॉन इंक्लूजन है ही मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी रिसेंट में नीति आयोग ने जैसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये यू के द्वारा भी निकाला जाता है और इसी तरीके से नीति आयोग ने भी अब इंडिया में अपना मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने की बात कही गई है अब यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आखिर में चीज़ें होती क्या क्या हैं मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो यू से थोड़ा अलग है यू जो निकालती है वो ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स निकालती है जिसमें दस इंडिकेटर होते हैं अब यहाँ पर ये जो आ, मतलब यू वाला डेटा है ये बताया है कि जो मैक्सिमम पुअर हैं यानी टू थर्ड ऑफ ऑल द पुअर वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं जैसे मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन अगर मान लेते हैं पूरे वर्ल्ड की सपोज़ Uh, कितना बना दे हज़ार बिलियन बना लेते हैं चलिए हज़ार बिलियन अब, अब, अब नंबर तो बहुत ही कम है लेकिन ठीक है जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं थाउजेंड बिलियन है तो इसका टू थर्ड यानी कि सिक्स 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 बिलियन ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हैं, दे आर पुअर और बाकी लो इनकम कंट्रीज़ में है तो ये कहीं ना कहीं जो होता है डेटा को दिखा रहा है कि जितने भी मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्रीज़ है दे आर फेसिंग हाई एक्सट्रीम वर्जन ऑफ पॉवर्टी ठीक है ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है इसी चीज़ को देख करके अब इंडिया ने नीति आयोग ने अपना खुद का भी एक खुद का मल्टी मल्टीडमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है जिसमें दस इंडिकेटर जो यू वाले हैं उसके अलावा दो एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड किए हैं एक है बैंक अकाउंट और दूसरा है मैटरनल हेल्थ अब तीन डायमेंशन पर मेन काम होती है हेल्थ को लेकर के एजुकेशन को लेकर के और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर के अब तीन है तो सबके वन बाई थ्री वन बाई थ्री परसेंटेज हो ही जाएंगे जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं तीन चीज़ों में एक न्यूट्रिशन होती है दूसरा चाइल्ड एंड एडलसेंस मोर्टैलिटी होती है और तीसरी होती है मैटरनल हेल्थ यही एक्स्ट्रा चीज है जो हमें ध्यान देखनी होती है अब न्यूट्रिशन में यही चीज़ है कि अगर कोई पर्सन कोई एक सिंगल मेंबर घर में अगर अनडरनॉर्ज un -nour, है तो वो मान लिया जाएगा न्यूट्रिशन में वो पिछड़ा है यानी हेल्थ के सेक्टर में कम है पोवर्टी का शिकार है अगर मान लेते हैं बॉडी माइंड इंडेक्स बी एम आई वुमेन की या फिर मैन की अट्ठारह दशमलव पाँच से कम है तो मान लिया जाएगा कि अगेन ये पोवर्टी का शिकार है कोई भी बच्चा अगर मान लेते हैं अंडर नॉरेस्ड है पाँच साल से कम का अगर बच्चा है अंडर नॉरेस्ड है पुअर्टी का शिकार माना जाएगा चाइल्ड एंड एडलेसेंस इसी तरीके से है मैटरनल हेल्थ है एजुकेशन में स्कूल ऑफ uh, मतलब ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग कुकिंग फ्यूल को देखते हैं सैनिटेशन को ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउसिंग असेट्स एंड बैंक अकाउंट ये सात चीज़ों को हम लोग देखते हैं इसके डिटेल के बारे में देखिए कोई जरूरत नहीं है ये बस आप पैरामीटर जरूर ध्यान रखिएगा पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें इसमें जो हम लोग पुअर परफॉर्म कर रहे हैं वो कुकिंग फ्यूल में हम लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इंडेक्स ख़राब होने के पीछे मेन कारण यही हमें देखने को मिल रहा है अब रिपोर्ट में आखिर क्या निकल कर के आया रिपोर्ट में ये निकल कर के आ रहा है कि जो पोवर्टी है उसका जो हेड काउंट है यानी कि जितने भी बंदे पोवर्टी के शिकार हैं प्राइमा फेसी उसमें हमें एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिल रहा है दिस इज इंपॉर्टेंट स्टीप डिक्लाइन इन पोवर्टी हमें देखने को मिली है पहले मतलब ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन सेवन हुआ करती थी अब ये घट करके इलेवन पॉइंट टू थ्री परसेंटेज हो गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ट्वेंटी फोर पॉइंट एट टू करोड़ इंडियंस जो हैं वो बाहर निकाले जा चुके हैं इनफैक्ट ना सिर्फ केवल और केवल हेड काउंट बल्कि जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है ये भी काफ़ी तेजी से डिक्लाइन किया है इसके अलावा जो पेस ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है वो काफ़ी तेज रहा है 2015-16 से लेकर के 2019-20 के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है बस थोड़ा सा पैटर्न आप लोग देखते रहिएगा किस किस स्टेट में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूवमेंट कहाँ देखने को मिली है उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान यहाँ पर सबसे तेज़ी से हमें रिडक्शन देखने को मिला है बारह इंडिकेटर हैं उसमें से कौन सी चीज़ें पुअर हैं एक तो हम लोगों ने बात कर ही लिया कुकिंग फ्यूल और दूसरा हाउसिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा पर मतलब यही वो कारण है जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो होता है लोग पॉवर्टी के ज़्यादा शिकार हमें देखने को मिल रहे हैं बाकी लोवेस्ट डिप्रिवेशन हमें देखने को मिली है चाइल्ड एंड एडलेसेंस मोर्टैलिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक अकाउंट वाले इलाके में इंडिया जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसको भी हम लोग काफ़ी तेजी से मतलब उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं मल्टी डिमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं अकायर फॉस्टर मॉडल जरूरत नहीं है इसके बारे में पढ़ने की बस नाम ध्यान रखिएगा अगर मान लेते हैं अकायर फॉस्टर मॉडल किससे रिलेटेड है तो आप बोल देंगे इट इज़ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए ये सब तरीके लेकर के आए जाते हैं पहला जो मल्टीमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया था 2021 में निकाला गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर के बेसिस पर निकाला गया था अंडर द गवर्नमेंट ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी होती है इस चीज़ को निकालने के लिए बाकी यहाँ पर सब इंडेसिज वगैरह हैं कि हेड काउंट रेशियो हाउ आर पीपल प्योर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और ये सब चीज़ें हैं ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेन जो इंपॉर्टेंट था वहाँ पर ये हमारा की रिपोर्ट्स ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है बाकी जो मेथड्स वगैरह हैं ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़े से ध्यान रखना है और पैरामीटर्स मेनली इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आर्टिकल इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लेकर के इससे पहले क्या होता था कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जो भी पैसा होता था वो हाथ में पकड़ाया जाता था तो जो भी जमींदार वर्ग है जो मतलब प्रभावशाली है इन्फ्लुन्शियल है मजबूत है वो मारपीट करके पैसे ले लेता था तो जो गरीब है वो पैसे पा नहीं पाता था अब इसके लिए कर दिया गया कि ऐसा है डीबीटी डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जाएगा चाहे पेंशन हो चाहे मनरेगा का मजदूरी हो या फिर किसी भी तरीके की आ, सैलरी हो तो यहाँ पर होता है मेनली कैश ट्रांसफ़र अलग अलग स्कीमें जैसे मनरेगा एन या फिर पहल ये अलग अलग हो गया इन काइंड ट्रांसफ़र होती है गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को देती है तो भी इंटरमीडियरी एजेंसी के थ्रू दे दिया जाता है पी हो गया बाकी जो ट्रांसफर्स होते हैं ये भी जो होते हैं मतलब इसी डी के थ्रू ही होते हैं अब डी के थ्रू ये कहा गया है कि बहुत अच्छा खासा जो पैसा है वो ट्रांसफर किया गया है हमारे लिए ये कंटेक्सट इंपॉर्टेंट नहीं है डी का मतलब ये होता है कि हम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और जो पिल्फ्रेज होती है मतलब जो लीकेज होती है उसको हम लोगों ने दूर किया है 2013 के दौरान से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था नोडल एजेंसी इसकी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होती है और ये पी के थ्रू अल्टीमेटली पैसा जाता है इनफैक्ट आप लोग पी के थ्रू मतलब इसकी वेबसाइट होती है इसको ओपन करके देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पेमेंट्स वगैरह की गई है उसका ट्रांसफ़र अमाउंट भी देख सकते हैं प्रॉपर सब कुछ आता है नाम आएगा किस दिन बैंक में गया है किस दिन इसकी डिस्पोसमेंट हुई है कितना अमाउंट है कब तक ये आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा सब कुछ बताया जाता है यहाँ पर पी जो सैलरीज़ वगैरह भी होती हैं आप पी एफ पर चेक कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो यहाँ से चीज़ें पता लग जाती हैं अब यहां पर डीबीटी के लिए देखिए आधार इज नॉट मैंडेटरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी आया था इस पर कि आधार इज़ नॉट मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम्स हालांकि आधार एक्ट इसी पर बनाया ही गया था सो so ये चीज़ है बाकी डीबीटी के लिए कुछ की इनाबलर्स हैं जैसे जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं जनधन आधार मोबाइल जिसके थ्रू अल्टीमेटली पहचान की जा सकती है बिजनेस करस्पॉन्डेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जो डोर पे मतलब वही है बंदे होते हैं जा कर के बताते हैं पेमेंट बैंक होती है और मोबाइल मनी होती है कैशलेस ट्रांजेक्शन वगैरह होती है तो ये चीज़ है कि इैबलर्स को लेकर के अगेन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो यही थी कि ये जो डी बी टी स्कीम है वो किस तरीके से काम करती है आई थिंक यही बहुत होगा तो होगा अदरवाइज आई डोंट थिंक इस पर कोई खास क्वेश्चन बनने की कोई संभावना भी है लास्ट आर्टिकल आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं ये बात आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे जैसे मान लेते हैं कि गाँव की कुछ महिलाएँ हैं इन लोगों ने कहा कि चलो ऐसा एक काम करते हैं हम लोग अपने अपने घर में पापड़ तो बनाते ही हैं अब एक काम करते हैं मार्केट में बेचा भी जाएगा तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं सौ रुपये में लेते आऊँगी इन्होंने कहा ठीक है दो में लेते आऊँगी इन्होंने कहा कि पाँच में लेते आऊँगी इन्होंने कहा कि मेरे पास दस ही रुपये सब मिला करके अपना जो होता है पापड़ का आइटम लेकर के पापड़ बेचे अब जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट था वैसा इन लोगों को प्रॉफिट चला गया तो ये बन गया एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सेवी संस्थाएँ स्वयं इसलिए क्योंकि किसी ने इनको पैसा दिया नहीं इन्होंने जो कुछ यूज़ किया वो अपने पैसे से ही यूज़ किया तो ये बन गई सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार ने फिर इसको इस चीज़ को देखा कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके अब इनको बैंक से फंड भी दिए जाते हैं चाहे वो ग्रुप में आइए या इंडिविजुअली आइए सबको पैसा भी दिया जाता है इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है उद्यम इसी का नाम है उद्यम आंतरप्रनीरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरप्रीनियोरशिप आंट्रप्रनोरशिप पे हम लोग कभी और बात करेंगे सो so, ग्राउंड uh, पे अगर देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें इनफैक्ट देखने को मिलेंगी इनफैक्ट आई हैव सम एक्सपीरियंसेस विद रिस्पेक्ट टू दिस आंट्रप्रन्यरशिप गांव वगैरह में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं समूह के कई लोग होते हैं कोऑपरेटिव्स के उसके बारे में कभी डिस्कस कर लेंगे कभी टाइम मिलेगा या फिर कभी होगा तो बात कर लेंगे फिलहाल जरा इस पर बात करते हैं अभी हुआ क्या है कि दो करोड़ महिलाओं को अंडर लखपति दीदी की स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइज लगाने के लिए इनक्रेज किया जा रहा है लखपति दीदी आखिर में क्या है लखपति दीदी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट की हुई स्कीम है जहां पर जो भी ग्राँव की जो भी एस एच वुमेन है उनको एक लाख रुपए एक साल में कमाने के लिए प्रेरित किया जाएगा यहां पर वुमेन लेड डेवलपमेंट की जाएगी और एक्टिविटीज़ यही है कि प्लम्बिंग का काम करना या फिर एल ई बल्ब मेकिंग ऑपरेशन रिपेयरिंग ड्रोन इन सब चीज़ों के बारे में वुमेन को ट्रेन किया जाएगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है अन दीदी की जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि इसको जो है ध्यान रखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है फाइनेंशियली इंटरमीडियरी कमिटीज़ होती हैं दस बारह या दस बीस जो भी लोकल वुमेन होती हैं वॉल्टियर नेचर पर होती हैं अब इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे जीज हैं एटी एट परसेंट जो है वुमेन ओन्ड है तो ये भी आपके लिए ध्यान रखना है कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस एच जीज आर कंट्रोल्ड बाई वुमेन तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगी मेनली कुंब केरल में जैसे स्कीम है जीविका बिहार में महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में अलूम लद्दाख में ये सब कुछ एस एच जीज हैं और इनफैक्ट इसका आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं सक्सेस स्टोरीज मतलब कैप्चर uh, की गई हैं और एक दो को देख सकते हैं बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलेगा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा दिमाग में चढ़ भी जाएगा बाकी यहाँ पर मेन होती है ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका मेन सिग्निफिकेंस क्या है पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है इनफॉर्मल वर्क को आप फॉर्मलाइज कर सकते हैं वुमेन का इम्पावरमेंट होता है कैपेसिटी बिल्डिंग होती है पॉवर्टी दूर की जा सकती है इनकम और बढ़ाई जा सकती है और बाकी इनफॉर्मल जो है उसको हम लोग फॉर्मलाइज कर सकते ही हैं कई सारे स्कीम ले आई गई हैं जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ठीक है जिस जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है इसके अलावा स्वीप है दैट इज स्टार्टअप विलेज अंतरप्रन्यरशिप प्रोग्राम महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वुमनिया प्रोग्राम दिस इज इंपॉर्टेंट वुमनिया प्रोग्राम ठीक है जेम पोर्टल से जो भी महिला काम कर रही है उस जेम पोर्टल से जो भी एस एच काम कर रही है उससे प्रोक्योर किया जाएगा ये वुमनिया प्रोग्राम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है स्कीम्स ये आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं है तो आई डोंट आई एम नॉट गोइंग इन इट नेक्स्ट वन इज एस एच जी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी रिसेंट में बैंक लोन दिया है कितने का दिया है ज़रूरत नहीं है बस ये दिया गया है एस एच जीज को और यही एस एच जी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट के बारे में दिखा रहा है कि पहले एस को कोई रिकोगनाइज नहीं करता था इंडिविजुअली अगर आप जाएँ लोन जो भी मॉडगेज रखेंगे कोई रखेंगे उसके बेसिस पर लोन मिलता था लेकिन अब एस एच को लोन मिल रहा है एस जीज अपने रिकॉग्नाइज हो रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है किसके थ्रू दिया जा रहा है ये पैसा दिया जा रहा है नाबार्ड के थ्रू नाबार्ड क्या है नाबार्ड जो भी रूरल आर होती हैं उनको एक तरीके से फंड करने की एजेंसी होती है इनका मेन काम होता है जो भी रूरल फाइनेंसिंग है इस रूरल फाइनेंसिंग एंड री को ये करें तो इसीलिए माइक्रो फाइनेंसिंग जो की जा रही है वो नाबार्ड के द्वारा मेनली की जा रही है कंपोनेंट कई सारे हैं जैसे कि बैंक ब्रांच मैनेजर्स को सेंसिटाइज किया जाएगा बैंक सखी वगैरह बनाई जाएंगी जो भी रूरल रीजनल बैंक हैं तो ये सब चीज़ें हैं बाकी कुछ खास है नहीं यहाँ पर ये फेज़ वाइज अलग अलग डेवलपमेंट की गई थी बट आई डोंट थिंक कि इस पर कोई खास क्वेश्चन वगैरह बनने की बात है नेक्स्ट वन इज माइक्रो फाइनेंसिंग इन इंडिया माइक्रो फाइनेंसिंग अगर देखें तो एक रिपोर्ट निकाली गई थी माइक्रो मैटर माइक्रो व्यू को लेकर के यह माइक्रो फाइनेंसिंग नेटवर्क को दिखाता माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब यही है कि माइक्रोस्कोपिक uh, लेवल पर जब चीजों को दिया जाता है ठीक है तो उसको बन जाते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इस फाइनेंसिंग को करने के लिए एनबीएफसीज वगैरह भी होती हैं दैट इज नॉन बैंक फाइनेंशियल कमेटी मेन काम होता है जो भी लो इनकम के इंडिविजुअल हैं उनको पैसा देना उनकी सीड फंडिंग एक तरीके से करना इसको बोल देते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब चीज़ें की जाती हैं अब कुछ यहाँ पर फाइंडिंग्स आई हैं इस रिपोर्ट में अगर देखें ये इम्पोर्टेंट फाइंडिंग आप लोगों के लिए होगा एक तो पहला ये है कि यहाँ पर जो एन हैं जो माइक्रो फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं फॉलोड बाई बैंक दे आर रेगुलेटेड दे आर अमंग्स अदर रेगुलेटेड एंटिटीज ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइक्रो क्रेडिट पहुंचा रहे हैं इसके कारण से जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो डिक्रीज हुआ है यानी कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो सक्सेस हो रही है लोग जो भी पैसा ले रहे हैं वो रिटर्न भी कर रहे हैं जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है उसका परसेंटेज जो शेयर है वो गिरा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये दो फैक्ट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है स्टेट फाइनेंसेस रिसेंट में अभी आर ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी के नाम से अब देखिए अगर स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ रहेगी या नेक्स्ट चैप्टर में भी इनफैक्ट हम लोग बात करने वाले हैं लेबर सर्वे जितने भी सर्वे या जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह की चीज़ें आ रही हैं आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जहां पर भी इम्प्रूवड वर्जन का स्टेटमेंट दिखेगा उसे आप जनरली करेक्ट मान करके चलिएगा हालांकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेकिन एक आ, अगर एक गेस मार्क करना हो तो गेस करने के लिए दिस वुड बी द बेस्ट वे फॉर दिस ईयर इस साल के लिए जो जितने भी नंबर्स आए हैं काफी इंप्रूवड आए हैं तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं लेकिन उससे पहले जरा पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए बेसिक्स में हम लोग बात करेंगे पहले स्टेट फाइनेंस के ऊपर में इनफैक्ट मैगजीन में भी आरबीआई की रिपोर्ट दिखाई गई है उसकी जो डिटेल्स है उसको हम लोग हालांकि मैगजीन में डिस्कस कर लेंगे अभी हम लोग जरा बात कर लेते हैं कुछ कुछ डेटा को भी ले लेंगे मैगजीन के और बेसिक्स को मेन डिस्कशन करते हैं तो स्टेट फाइनेंस के ऊपर में यहाँ पर सबसे पहले बात बताई गई है कि अभी जो फिजिकल डेफिसिट चल रही है यानी कि जो हमारा घाटा चल रहा है वो चल रहा है अभी हाल फिलहाल में लगभग लगभग 2.8 परसेंट ऑफ जीडीपी। अब ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2.8 परसेंट कहीं 8 परसेंट नौ परसेंट इस तरीके से लिख दिया जाएगा केवल आपको भ्रमित करने के लिए तो 2.8 परसेंट यह हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी हाल फिलहाल में चल रहा है और इट हैज़ शोन द इम्प्रूवमेंट ये अभी इंप्रूवमेंट शो किया है और इंप्रूवमेंट कैसे शो किया है ये शो किया है इन द रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट जो रिवेन्यू डेफिसिट है ये रिवेन्यू डेफिसिट बेसिकली हमारा रिड्यूस हुआ है जिसके कारण से अल्टीमेटली हमारे फिजिकल डेफिसिट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है अगर सारा ही इनफैक्ट डेटा देख लिया जाए तो जो रिवेन्यू डेफिसिट है ये रिवेन्यू डेफिसिट लगभग लगभग जीरो के आसपास है तो आप बोल सकते हैं कि ये नियर जीरो हमारा पहुंच गया है और ये एक इंप्रूवमेंट शो किया है ये एक इंप्रूवमेंट शो किया है दूसरा है जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भी करीब करीब 2.9 परसेंट ऑफ जीडीपी ये डेटा 2.9 परसेंट ऑफ जीडीपी ये शो कर रहा है और ये भी इंप्रूवमेंट शो किया हुआ है तीसरी चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो तो डेप्ट टू जो जीडीपी रेशियो है यह हमारा ट्वेंटी सेवन पॉइंट ऑफ जी डी पी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और इसने भी इंप्रूवमेंट शो की है ये तो हो गया वो डेटा जो हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है हालांकि इसकी जो डिटेल्स है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं अब जैसे स्टेट के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टेट के हाथ में अगर फिजिकल डेफिसिट को सही करना है तो एक तरीका होता है जहां पर यह अपना जो रिवेन्यू साइड है रिवेन्यू साइड कहने का मतलब जो इसका टैक्स साइड है ये टैक्स साइड को सही कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकम आती है प्राइमरली वो यहीं से ही आती है लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है जहां पर आप जो नॉन रिवेन्यू साइड है इसको भी इंप्रूव करके कहीं ना कहीं अपने फिजिकल डेफिसिट को सही कर सकते हैं अब जैसे एक बार बात ही कर लेते हैं हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होता है ये बेसिकली दो चीजों पर होता है एक होता है जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और दूसरी होती है जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है अब इन दोनों में ही एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट और दूसरी होती है जो हमारी एक्सपेंडिचर होती है इसी तरीके से यहाँ पर भी होती है रिसिप्ट होती है और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर होती है तो अब जैसे रिवेन्यू में जो रिसिप्ट साइड है रिसिप्ट साइड में प्राइमरली जो हमें आ, मिलता है पैसा वो मिलता है टैक्स से मेनली टैक्स से और जो एक रिसिप्ट के अलावा जो एक नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होती है दिस इज़ नॉन टैक्स रिवेन्यू ये जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होती है ये आती है जब हम पीएसयूज के बेटरमेंट कर लेते हैं जो हमारी पीएसयूज हैं इसको हम लोग और इफ़ेक्टिव तरीके से अगर चलाने लग जाए यानी कि इसका जो खर्चा है वो कम कर लें या फिर जो माइनिंग की जा रही है माइनिंग से जो भी रॉयल्टी निकल करके आ रही है ये रॉयल्टी हमारी बढ़ करके मिले या फिर इसी तरीके से जो भी हमारे पास में पब्लिक अम्यूनिटीज के चार्जेस हैं पब्लिक अम्यूनिटीज जैसे बिजली हो गया पानी हो गया इसका अगर चार्ज हमें बढ़ करके मिले तो भी हम लोगों का जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा और इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी एक और चीज़ यहां पर जो आप लोगों को देखना है वो है टैक्स बायसी टैक्स बायंसी का सीधा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन टैक्स चेंज इन टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी परसेंटेज चेंज इन जीडीपी अब जीडीपी भी हमारी बढ़ रही है और टैक्स भी हमारा बढ़ रहा है तो टैक्स इन केस अगर इंक्रीज करती है तो दिस इज अ गुड साइन और ये बेसिकली बता रहा है अभी हाल फिलहाल में जो बता रहा है This is because of GST. GST हमारा काफी बढ़ गया है जिसके कारण से अल्टीमेटली जो हमारी टैक्स बायसी है ये भी इंक्रीज की है तो तीन चार टर्म्स के बारे में यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया जो कि शुरू में हम लोगों ने फिजिकल डेफिसिट रिवेन्यू डेफिसिट या फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन सब चीजों के डेटा को लेकर के डिस्कशन किया और आगे हम लोगों ने बात किया है जो हमारे टैक्स बायसी के बारे में है जीडीपी रेशियो है वो भी अच्छा हुआ यानी कि उसका नंबर जो है वो डिक्लाइन कर गया है ये थर्टी हो मतलब थर्टी वन परसेंट से साढ़े सत्ताईस परसेंट हो गया है और ये कहीं ना कहीं फिजिकल कंसोलिडेशन को और मजबूत कर रहा है दो अब देखिए जो हमारा डेप टू जी रेशियो है इसको हमें धीरे धीरे करके कम भी लेकर के आना है स्टेट की जो कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है यानी कि जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट टू द जी डी रेशियो ये है ये भी हमारे डिक्लाइन की है यानी कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो भी गिरते जा रहा है और ये 4.1 से गिर करके 2.8 परसेंट तक आ गया है यहां पर भी हमें एक अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है तो कुल मिलाकर के जहां जहां पर भी आप अच्छा नंबर देखने को मिले यानी इंप्रूवमेंट देखने को मिले वो आपका आंसर करेक्ट होगा इसी तरीके से टैक्स बायंसी के बारे में भी बताया गया है कि जो टैक्स बायंसी है वो जीएसटी के आने के बाद से काफी अच्छी हो गई है टैक्स बायंसी मतलब परसेंटेज चेंज इन जो टैक्स है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी जो हम लोगों ने अभी बेसिक्स में भी बात कर रखा है अब यहां पर एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन है बेसिकली ये एक्ट है तो एफ आरबीएम का जो एक्ट है पूरा एक्ट ही हम लोग जरा फटाफट डिस्कस ही कर लेते हैं दो बातों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एस्केप क्लॉज क्या चीज होती है और दूसरी डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है क्या रखना है क्या चीज है एफ आरबीएम के कुछ बेसिक्स को जरा हम लोग बात कर लेते हैं दो हजार तीन के दौरान में जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इस दौरान में ही इसीलिए एफ आर बी एम एक्ट लेकर के आया गया था और इस एक्ट ने यह बताया कि देखो ऐसा है कि हमें 2008 तक शुरू शुरू में ये, ये मतलब टारगेट्स लिए गए थे कि 2008 तक हमें जो रिवेन्यू डेफिसिट है इसको हमें ज़ीरो कर लेना है और दूसरा जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो हमें तीन परसेंट के आसपास रखना है ठीक हालांकि ये अचीव नहीं हो पाया तो अचीव जब नहीं हो पाता था तो आगे कुछ नई कमिटीज़ बनाई दी जाती थी कि भैया बताओ आगे क्या करना है और इसी दौरान में 2017 में अल्टीमेटली हमें एन के सिंह कमेटी इसी तरीके से बनाई गई एन के सिंह कमेटी बनाई गई इस कमेटी ने भी अपना रिकमेंडेशन दिया इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि देखो ऐसा है जितना भी जनरल डेप्ट है ठीक है जितना भी जनरल डेप्ट है यह हमें 60 परसेंट से ज्यादा 60 परसेंट ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होने देना है और इस 60 परसेंट में 40 परसेंट जो होना चाहिए वो सेंटर का होना चाहिए और जो बचा हुआ ट्वेंटी परसेंट है वो स्टेट्स का होना चाहिए अब आप लोगों से सवाल है अब ये बताइए याद करिए रिकॉल करिए कि हमारा जनरल डेप्ट कितना चल रहा है कुछ याद आ रहा है हम लोगों ने बात किया था एट्टी थ्री परसेंट के आसपास थ्री तो परसेंट एक्चुअल में हमारा डेप्ट है जनरल डेप्ट और इसको हम लोगों को लेकर के आना था सिक्सटी परसेंट के अंडर में अब देखिए ये जो एफ आर बी एम एक्ट बनाया गया है चूंकि ये फुलफिल तो नहीं हो पा रहा है तो क्या फुलफिल नहीं हो पाने के कारण से क्या कोई पेनाल्टी या किसी तरीके का पनिशमेंट या किसी तरीके का कोई मेजर्स होता है क्या तो आंसर इज नो यहां देर इज नो लाइबिलिटी ये जस्ट एक गाइडलाइन के तौर पे है जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वैसे ही जस्ट एक गाइडलाइंस के तौर पर है कि आपको इस तरीके से चीज़ों को रखना है ताकि आपकी इकोनमी बढ़िया तरीके से बनी रहेगी लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है और ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रहे हो सकता है कोविड टाइप की कोई चीज़ आ जाए तो इस कोविड टाइप की कोई चीज आए तो इसके लिए बनाया गया है कि स्केप क्लॉज दिस इज स्केप क्लॉज क्या आखिर में मान लेते हैं कि कोई कलामिटी आ जाती है या कुछ आ जाता है कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो आखिर में क्या हम लोग कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें हम लोग स्केप क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे एक तो यह है कि अगर मान लेते हैं कि कोई वॉर या कोई पैंडमिक या इस तरीके का कोई भी दिक्कत आ जाती है इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है तो उस साल को बुलाया गया कि चलो ठीक है दिस इज स्केप ईयर ये स्केप ईयर मान लिया जाएगा दूसरा होता है कि मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर ही आपका कोलैप्स कर कर गया, एग्री कर गया, एग्रीकल्चर कोलैप्स या फिर मान लेते हैं किसी तरीके की कोई डिजास्टर आ रखी है तो अगर मान लेते हैं इस तरीके की कंडीशन होती है जहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ गया है तो भी माना जाएगा स्केप क्लॉज हो गया है या फिर मान लेते हैं कि आ, किसी एक क्वार्टर में ठीक है किसी एक क्वार्टर में चार क्वार्टर के एवरेज का तीन परसेंट कम निकल करके अगर आता है तो भी माना जाएगा कि वो स्केप क्लॉज के अंतर्गत आ जा रहा है तो आखिर में स्केप क्लॉज के अंतर्गत आया है तो इससे होगा क्या इससे होगा ये कि जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है उसमें हम पॉइंट से और लो जा सकते हैं यानी कि साढ़े तीन परसेंट के आसपास आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो भी आपने टारगेट लिया है उसका थोड़ा सा और हम लोग कर सकते हैं लेकिन इन केस अगर गवर्नमेंट फेल होती है टू अचीव दिस इज नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार कहेगी इस साल नहीं तो अगले साल सही अगले साल हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा इस तरीके से चीजें चलती आती हैं। अब जो एफ आर बी एम है या फिर जो एफ आर बी एम है ये बेसिकली चार तरीके के पॉलिसी स्टेटमेंट बोलता है निकालने को एक होती है जो हमारी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट होती है दिस इज फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट दूसरी होती है जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क निकलती है और दूसरी होती है मतलब तीसरी होती है जो हमारी मीडियम टर्म दिस इज आवर मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर निकलती है और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी निकलती है तो ये चार तरीके के बेसिकली रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं इस एफआरबीएम के अंतर्गत जिससे हमारा पूरा रूपरेखा सारी चीजें यहाँ पर निकल करके अगला टॉपिक है हमारा स्टेट के कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख करके स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी रिसेंट में बढ़ाया गया है और एक नई स्कीम निकाली गई है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी तो पहले जरा हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं

कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि आपको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के लिए ऑब्वियसली पैसा दे दिया जाएगा लेकिन फ्यूचर में उसका टोल टैक्स और तमाम तरीके से पैसा रिटर्न में आएगा तो ये बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लेते हैं कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपने लगाया ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो गया इनफैक्ट अगर आप पर्सनल लेवल पर देखिए तो आपने कार खरीदी मान लेते हैं तो कार खरीदी तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट तुरंत तुरंत लग गया लेकिन इन फ्यूचर उसका रिटर्न आएगा इन योर कन्वीनियंस तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चली जाती हैं अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आ, मतलब इसमें सरकारों को हेल्प दी जाती है जैसे एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है जो सेंटर के द्वारा किया जाता है चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की भी सरकारें अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं तो अब यहां पर इनके पास अपना खुद का बजट होता है जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली ये लोग असेट क्रिएशन करते हैं सिमिलरली स्टेट के पास भी अपना बजट होता है जो कि क्रिएशन के द्वारा किया जाता है अब जैसे मान लेते हैं स्टेट ने कोई अपना बजट लगाया वो बजट मान लेते हैं कि इतना बड़ा है ठीक है मान लेते हैं कि यहां पर फिफ्टी करोड़ का ये बजट मान लेते हैं बना करके रखे हैं फिफ्टी करोड़ में से हो सकता है कि दस करोड़ रुपया सेंटर के द्वारा पैसा इनको दिया जाए और ये जो दिया जाएगा ये ग्रांट के फॉर्मेट में दिया जाता है न कि लोन के फॉर्मेट में तो अब यहां पर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो दिस इज कैपेक्स को अगर देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो गया एक तो हो गया जो सेंटर ने अपना किया है प्लस दूसरा सेंटर ने ग्रांट भी दिया है टू द स्टेट्स ग्रांट टू स्टेट्स ये भी दिया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कायदे से हम लोग केवल इसको मानते हैं दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये दोनों टर्म को मिला करके बोला जाता है इफेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जो भी सेंटर अपना कैपेक्स खर्च की उसके अलावा जो ग्रांट दिया गया है स्टेट्स को उन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अब इसी तरीके से कुछ स्पेशल असिस्टेंस और दिए जाते हैं स्टेट्स को तो दिस इज स्पेशल असिस्टेंस दिए जाते हैं जरा ध्यान से पढ़ना है ये जो स्पेशल असिस्टेंस दिया जा रहा है ये दो हजार से दिया जा रहा है दो हजार से अब दो हजार के दौरान में अगर देखेंगे तो इस दौरान में कोविड भी आ रखा था लेकिन ध्यान आपको रखना है इसका कोविड से कोई भी लेना देना नहीं है ये एक स्पेशल असिस्टेंस है जो कि ग्रांट के फॉर्मेट में स्टेट्स को दी जा रही है और ये पचास सॉरी नॉट ग्रांट पचास साल के लोन के फॉर्मेट में दी जा रही है फिफ्टी ईयर लोन के फॉर्मेट में ये दी जा रही है लेकिन बस यहां पर पॉइंट ये है कि ये इंटरेस्ट फ्री रहेगा इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा जो भी इसका प्रिंसिपल अमाउंट है जो मूलधन है केवल वही रिटर्न करना पड़ेगा स्टेट्स को लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है शर्त ये है टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इस स्पेशल असिस्टेंस के द्वारा दिए गए पैसे को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही राज्य सरकारें खर्च कर सकती हैं कहीं और नहीं खर्च कर सकती हैं तो क्या यह कोविड से रिलेटेड कोई काम है नहीं कोविड से रिलेटेड कोई काम नहीं है दिस स्पेशल फंड इज फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मतलब uh, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है केवल और केवल उसको करने के लिए दिया गया है और यह दो हजार से स्टार्ट किया गया था यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमारे यहां पर काफी ज्यादा महत्व है काफी ज्यादा हमारे यहां ही नहीं अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में ही काफी ज्यादा महत्व होता है जैसे मान लेते हैं सपोज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी और उस फैक्ट्री के लिए सबसे पहले लैंड की जरूरत पड़ेगी सिमिलरली इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर कुछ छोटे मोटे और भी इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्राउडिंग वगैरह के लिए प्लस यहाँ पर फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी लाइसेंसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो अब लैंड के लिए सरकार पहले से अपना लैंड एक्विजिशन करके रखेगी अब जो लैंड एक्विजिशन करेगी दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में आ गया सिमिलरली इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या तो रिन्यूएबल एनर्जी होगा या फिर मान लेते हैं कि आपका न्यूक्लियर होगा ठीक है कोल से हम लोग नॉर्मली नहीं बनाते हैं तो ये भी क्या हो गया एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया इंडस्ट्रीज इसी तरीके से जो भी सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी वो भी एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू रीपे दिस तो होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को इकोनमी में बढ़ा करके अगर खर्च किया गया तो इससे फायदा ये होगा कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं वो देखेंगी कि यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है तो जब इस चीज को देखेंगे तो बाहर के इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली दे विल कम टू द इंडिया या जो भी कंट्री ये कर रही है उस कंट्री में आएंगी और अल्टीमेटली यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी अब ये इन्वेस्टमेंट अपना एफ या फिर एफ के फॉर्मेट में अपना यहां पर आएगा इससे बाहर के जो लोग होते हैं उनको अच्छा खासा अट्रैक्शन मिलता है तो इस पूरे इवेंट को बोलते हैं क्राउडिंग इन आपने क्राउड को बुला लिया क्राउडिंग इन आपने किया है कि बाहर के जो लोग हैं वो आ रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा यहां पर आ रही है अब जितना ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएशन होगी और इंप्लॉयमेंट क्रिएशन होने पर क्या होगा आम जनता को सैलरी मिलेगी लोगों के पास में पैसे आएंगे और इस तरीके से इकॉनमी का जो पहिया होगा वो आगे की ओर में बढ़ता जाएगा लेकिन यहां पर एक दिक्कत भी है दिक्कत ये है अगर मान लेते हैं कि सरकार इन सारी चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए बाहर से लोन ले रही है और लोन मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया यानी कि फिजिकल डेफिसिट इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट के आसपास चला गया जो ग्रीस वाली कांड हुई थी वैसा कुछ चला गया तो अल्टीमेटली यहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी आ जाएगा और इनफैक्ट कहीं ना कहीं करेंसी जो होगी वो डिवेल्युएट कर जाती है करेंसी क्रैश कर जाती है तो इस कारण से जो इंडस्ट्रीज पहले इन सारी चीजों को देख करके अट्रैक्ट हो रही थी वो इकॉनमी के इतना रिजिलियंट होने के कारण से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करेंगी क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा यहां पर रिजिलियंट इकोनॉमी चल रही है चूंकि फिजकल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो फिजकल डेफिसिट को कम करने के लिए महंगाई को कम करने के लिए अल्टीमेटली टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं तो टैक्सेस वगैरह बढ़ जाएंगे लोगों के पास में पैसा कम पहुंचेगा अट्रैक्शन नहीं आएगा इंडस्ट्रीज भी बाहर निकलने की फिर कोशिश करना शुरू कर देंगी और यही कारण है कि क्राउडिंग इन अच्छी बात होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से लेकिन वही हो सकता है कि ये हमारा क्राउडिंग आउट भी इवेंट हो सकती है तो क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट के होने में फ़र्क बस ये है कि जो आपका फिजिकल डिफिसिट है इसको आपको बैलेंस करके रखना होता है और इस बैलेंस करने के लिए ही 2003 में अल्टीमेटली हमारे पास एक एफ आर बी एम एक्ट लाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू अल्टीमेटली इस कैपिटल एक्सपेंडिचर इस इकोनॉमी और हमारी जो स्टेबल इकॉनॉमी है इस स्टेबल इकॉनमी को बनाने की कोशिश की जाती है अब ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके बेसिक्स के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है इसमें कुछ और पार्ट भी दिए गए हैं जैसे पार्ट टू में दिया गया इंसेंटिव फॉर स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स जितनी भी पुरानी व्हीकल्स हैं उनको किस तरीके से स्क्रैप करना है यानी कि उसको मतलब एक तरीके से जो कबाड़ में बेचना है वो किस तरीके से बेचना है दूसरा अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म के बारे में है अर्बन लोकल फॉर जो बॉडीज है उनके फाइनेंसिंग रिफॉर्म के बारे में है हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल विद इन द पुलिस स्टेशन एरिया हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन हो गया चिल्ड्रेन एंड एडलसेंस लाइब्रेरी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट में जो हमारी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फंड है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है तो ये कुछ आठ पार्ट्स हैं जो कि इस पूरी मतलब सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर के बनाई जा रही है अब आखिर में क्या हमें कैपेक्स में ट्रेंड देखने को मिल रही है जो कैपेक्स में ट्रेंड हमें देखने को मिल रही है हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है यहाँ पर कुछ ट्रेंड के बारे में बात किया गया है अगेन यहां पर भी जो नंबर्स होंगे वो आपको अच्छे अच्छे नंबर यानी कि जो भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो आप एग्जाम में मार्क करिएगा नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अब अभी रिसेंट में कैपिटल जो एक्सपेंडिचर में ग्रोथ है वो सेम रही है लेकिन लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो इसमें ग्रोथ देखने को मिली है लगभग लगभग ट्वेंटी की जो कि अगेन एक अच्छा नंबर है एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स की हैं ये अब सब्सिडी से राइज कर गए हैं और काफ़ी तेजी से आगे की ओर में बढ़ते आ रहे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग दे कैपिटल इन स्लोली कैपेक्स ऑल्सो नोन नज जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते हैं ये अल्टीमेटली असट क्रिएशन में जाती है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं अभी हाल फिलहाल में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्होंने अपनी एक स्टडी की थी और उसमें अपना टारगेट एरिया 76 परसेंट ऑफ टोटल कैपेक्स टारगेट रखा है इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द जीडीपी रेशियो ये हमारी इंप्रूव हो रही है यानी कि जितना भी जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है उसका मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं और ये चीज काफी अच्छी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारा क्राउडिंग इन का फंडा लेकर के आता है दिस इज गुड फॉर द असेट क्रिएशन एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनमी अब यहां पर सेंटर जो है स्टेट को कैपेक्स इंक्रीज करने के लिए अलग अलग तरीके से सपोर्ट भी कर रही है जैसे अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट यहां पर टैक्स रिवोल्यूशन को अर्ली रिलीज कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एक फिजिकल स्टिमुलस है यानी कि स्टेट को जो एक सहायता है जो मिलने वाला पैसा है वो जल्दी से मिले और अल्टीमेटली यहां पर चीजों को जल्दी से किया जाए अगला द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेगुलेटेड स्टेट बोरोइंग अंडर आर्टिकल 293। नाइनटी यहां पर यह बोला गया है कि स्टेट वाले अगर एक बार कर्जा ले लेते हैं तो फिर दूसरी बार नहीं ले सकते हैं तो बार बार नहीं ले इसके लिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं ऑफ बजट लाइबिलिटीज लेकर के आते हैं तो ये चीज भी एक पॉइंट है नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है ये भी हमारी कैपिटल इंसेंटिव को बढ़ाती है सरकार ने रोक दिया है अब इसको स्टॉप कर दिया है जितने भी फोर्टीन सेक्टर की चीजें हैं बस इन्हीं सब चीजों पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पब्लिक डेप्ट को लेकर के है अभी हाल फिलहाल में आईएमएफ ने बताया है कि जो इंडिया का पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है ये इंक्रीज किया है 81 परसेंट से 84 परसेंट एंड बैक टू 81 परसेंट ये हो गया यानी कि पहले 81 से 84 गया फिर 81 पे वापस आ गया है तो पब्लिक डेप्ट जो होती है वो दो तरीके की होती है एक होती है इंटरनल एप दूसरी होती है एक्सटर्नल ऐप इंटरनल में मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं नॉन मार्केटेबल में ट्रेजरी बिल इंटरमीडिएट यानी कि चौदह दिन का जो ट्रेजरी बिल होता है उसको मतलब दे आर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसके अलावा स्मॉल सेविंग के अंतर्गत जो होती हैं जो एक्सटर्नल डेप्ट होती है जो बाहर से एजेंसियां, मतलब कि पैसा लेती हैं जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लेना आई से पैसा ले लेना या फिर जो आ, मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है बाहर से एक्सटर्नली जब लिया जाता है तो उसको बोल देते हैं कि वो एक्सटर्नल डेप्ट के तौर पर बन जाता है मैक्सिमम जो हमारा है वो हमारा इंटरनल डेप्ट है मैक्सिमम मार्केटेबल है मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में आती है इसके बेसिक्स को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि और आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में गवर्नमेंट डेप्ट के बारे में जरा कुछ बेसिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जो हमारा गवर्नमेंट डेप्ट है ठीक है नॉर्मली हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट के ही बारे में बात करते हैं तो मान लेते हैं कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेप्ट है वो हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं जैसे एक होती है जो हमारी पब्लिक डेप्ट के फॉर्मेट में होती है सो दिस इज पब्लिक डेप्ट के फॉर्मेट में हो गई जनरल पब्लिक से हमने लेकर के रखा हुआ है दूसरी होती है जो हमारी अदर लाइबिलिटीज के फॉर्मेट में होती है दिस इज अदर लाइबिलिटीज के फॉर्मेट में होती है और एक तीसरी भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ ठीक है यस नॉट नॉट ऑफ ऑफ बजट्री दिस इज ऑफ बजट जो डेप्ट होती है ये बड़ा ही प्रीमियम है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ये भी हमारे मैगजीन में अभी अभी दिया हुआ है इसके बारे में भी अभी बात करते हैं कई बार इसको हम लोग एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स भी बोल देते हैं दिस इज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स अब जरा वन बाई वन करके समझते हैं पहले तीनों को ही जो हमारा पब्लिक डेप्थ है यह हमारा दो तरीके से निकल करके आता है या तो आप पब्लिकली मतलब कंट्री के अंदर से लीजिए यानी कि इंटरनली लीजिए या फिर आप बाहर से लीजिए यानी कि एक्सटर्नली लीजिए मतलब कि इंडिया के बाहर से लीजिए फॉरेन से लीजिए जो इंटरनल में भी होता है ये दो तरीके का होता है एक होता है कि जो भी आपने लोन लिया है डेप्ट लिया है वो मार्केटेबल है मार्केटेबल का मतलब मार्केट में उसको बेचा खरीदा जा सकता है और दूसरा होता है जो नॉन मार्केटेबल होती है नॉन मार्केटेबल जो मार्केटेबल होती हैं उसमें से आती हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसे हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं या फिर इसी तरीके से ट्रेजरी बिल्स आती हैं या फिर इसी तरीके से कैश मैनेजमेंट बिल्स होती हैं दिस इज कैश मैनेजमेंट बिल्स होती हैं अभी इन सबों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और एक्सटर्नल होती है जो बाहर से निकल करके आ रही है जो नॉन मार्केटेबल होती है इसमें से आती हैं जो हमारी 14 डे की ट्रेजरी बिल होती है ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है और दूसरी होती हैं जो स्पेशल असिस्टेंस के तौर पे निकल करके आती हैं या इसी को बोल सकते हैं स्पेशल सिक्योरिटीज जो किसी स्पेशल काम के लिए निकाली जाती है जैसे स्मॉल सेविंग्स वगैरह हो गई इन सब चीज़ों को लेकर के आती हैं दूसरी होती हैं जो अदर लाइबिलिटीज़ के फॉर्मेट में आती हैं ये जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं इसमें होता है स्मॉल सेविंग्स जैसे हमारी स्मॉल सेविंग्स वगैरह हो गई या फिर जो स्मॉल सेविंग फंड होती है एन बोलते हैं इसको नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के फॉर्मेट में आ जाती है या फिर जो पीएफ होती है प्रोविडेंट फंड वगैरह हो जाती है स्टेट की प्रोविडेंट फंड होती है या फिर कोई स्पेशल सिक्योरिटी वगैरह के फॉर्मेट में लाई जा सकती है तीसरा होता है जो हमारा ऑफ बजट बोरोइंग होती है इसको अभी हम लोग नेक्स्ट uh, uh, मतलब बेसिक्स में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस हैज बीन कवर्ड अन डिफरेंट टॉपिक या अलग टॉपिक में ही डिस्कस किया गया है तो अब जरा देखिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट uh, के डेप्ट में अगर हम लोग देखें तो प्राइमरली इन तीनों में इस तीन में वन टू एंड थ्री में ज्यादातर जो मतलब हमारा डेप्ट है वो पब्लिक डेप्ट है और इस पब्लिक डेप्ट में भी अगर हम लोग देखें तो इंटरनल डेप्ट ज्यादा है बजाय कि एक्सटर्नल डेप्ट और इंटरनल डेप्ट में भी सबसे ज्यादा मार्केटेबल डेप्ट है अब इसका थोड़ा सा डेटा भी देख लेते हैं अगर हम लोग देखें जो हमारा जनरल डेप्ट है जनरल डेप्ट का मतलब जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों का डेप्ट निकल करके आता है यह हमारा डेप्ट करीब करीब एट्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ मतलब 83.3 पी है एसेंट ऑफ मतलब जी डी पी समझिएगा हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारा जो आ, डेप्ट चल रहा है वो 10 परसेंट है बट ये 83.3 परसेंट है जीडीपी का जीडीपी का बहुत बड़ा अमाउंट हमारा डेप्ट में जा रहा है हम लोग बहुत ज्यादा कर्जे में है इनफैक्ट अगर इसमें हम लोग सेंटर का परसेंटेज देखें तो सेंटर का परसेंटेज हमारा लगभग लगभग सिक्सटी परसेंट है इसमें और स्टेट का परसेंटेज काफी कम है मतलब यहां पर देख सकते हैं तेईस परसेंट के आसपास यहां पर निकल करके आ रहा है इनफैक्ट इस सेंट्रल में भी बात करें तो चूंकि यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि इंटरनल हमारा ज्यादातर है इंटरनल में भी अगर हम लोग देखें तो सेंट यहां पर सिक्सटी में भी अगर हम लोग देखें तो मेनली डोमेस्टिक करेंसी में हमारा नाइनटी डोमेस्टिक करेंसी में है दिस इज अंडर डोमेस्टिक करेंसी में हमारा निकल करके आ रहा है और इनफैक्ट अगर फॉरेन वाला बात करें तो कितना आया फॉरेन वाला एक्सटर्नल मतलब ये हो गया आपका 95 परसेंट और ये हो गया आपका लगभग लगभग 5 परसेंट के आसपास इसको बोल सकते हैं और इस 5 परसेंट में भी अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट के फॉर्मेट में है इसमें कितना डॉलर में है तो ये हमारा टोटल जो डॉलर में निकल करके आ रहा है वो कुछ फिफ्टी के आसपास डॉलर में है बाकी इसके अलावा 45 परसेंट अदर करेंसीज में हमें देखने को मिल जाती है एक्चुअली इसलिए हम लोग इतना डिटेल में बात कर रहे हैं ये सब ये मैं लिख दे रहा हूं आगे डॉलर क्योंकि इस पर एक सवाल पूछा गया था उसमें सवाल में ये था पास्ट ईयर में कि ऑल द फॉरन डेप्ट आर इन डॉलर ठीक है तो वो स्टेटमेंट गलत थी क्योंकि फिफ्टी डॉलर में है बाकी हमारी दूसरी करेंसीज में भी हमें देखने को मिल जाती हैं सो दिस इज थिंग ये आपको ध्यान रखनी है जो चीजों को Uh, हमारे पास ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट के जो डेप्ट वगैरह हैं वो इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती हैं एक्सटर्नल डेप्ट में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल फॉर द बेसिक अब देखिए यहां पर मोर ऑन द न्यूज़ में यही चीज़ लिखी गई है कि जो आई के आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली यही बताते हैं कि किस तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है इंडिया की ग्रोथ आगे मतलब आने वाले टाइम में काफी स्ट्रांग ग्रोथ मानी जा रही है माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों ही फॉर्मेट में अगर हम लोग देखते हैं तो पब्लिक डेप्ट बेसिकली एक लाइबिलिटीज के फॉर्मेट में होती है और ये जो लाइबिलिटीज होती है आर्टिकल नंबर 292 के अंतर्गत ये सारी चीजों को लिखा भी गया है प्रेजेंट में अगर बात करें 57.1 परसेंट ऑफ द जीडीपी अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक डेप्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है तो जो नंबर हम लोगों ने बेसिक्स के दौरान में डिस्कस किए हैं उन नंबर्स को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सब चीज़ें उतना ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कुछ खास है नहीं अब यहाँ पर देखिए जो हमारा हाई पब्लिक डेप्ट होता है उसके पीछे का क्या कारण है उसके क्या इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट के बारे में डिस्कस किया है यही मेन चीज यहाँ पर लिखा गया है कि फिजिकल स्टेबिलेस मिलता है कहीं ना कहीं कोविड पैंडेमिक या फिर अगर मान लेते हैं कि कोई स्लो डाउन हो जाती है तो सरकार इकोनमी का जो पहिया उसको आगे बढ़ा देती है इन्वेस्टमेंट करने से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होते हैं साथ ही साथ बाहर के जो लोग होते हैं एक्सटर्नल प्लेयर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं वो लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं रिवेन्यू स्ट्रीम्स आती हैं जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आगे बढ़ते जाते हैं और बाकी जो इंटरेस्ट डेप्ट वगैरह होती है उसकी कॉस्ट भी घटते जाती है लेकिन एक और चांस होता है कि कहीं ना कहीं इसका हमें निगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है जो फिजिकल रिसोर्स होते हैं लिमिटेड तो कहीं ना कहीं इसकी भी हमें इमर्जिंग प्रायोरिटीज बनानी पड़ जाती हैं प्लस इसके अलावा क्राउडिंग इफेक्ट भी हमें देखने देखने को को मिल मिल जाता है crowding out effect देखने को मिल जाती है क्राउडिंग आउट इफेक्ट जाती अब देखिए एक और बात हम लोग जरा कर लेते हैं बेसिक्स में एक हमारी होती है जो इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट निकाली जाती है जो डेप्ट रिपोर्ट निकाली जाती है ये निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और यहां पर प्राइमरली जितना भी एक्सटर्नल डेप्ट वगैरह होता है वो सब दिखाया जाता है अगर हम इंडिया के अंदर अगर बात करें तो जैसे बजट निकाला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक है हम लोग करेंसी रिस्क या इसी को बोल सकते हैं, हम लो आखिर में ये क्या चीज है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या चीज है मान लेते हैं कि आपने एक रुपए आपके पास में थे ठीक है मान लेते हैं एक रुपए थे और मान लेते हैं सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक एक डॉलर में मान लेते हैं कि हंड्रेड रुपीज हो रखे हैं ऐसे बयासी तिरासी है आई थिंक चौरासी के आसपास है लेकिन कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि एक डॉलर में सौ रुपए आते हैं ठीक अब आपके पास में कितने रुपए हैं आपके पास में एक हजार रुपए हैं यानी कि आपके पास में कितना डॉलर है तो आपके पास में दस डॉलर है ठीक लेकिन आपको जरूरत है हंड्रेड डॉलर की तो नाइन्टी डॉलर आप क्या करेंगे किसी से उधार ले लेंगे ठीक यानी कि आप कर्जे में आ गए हैं यानी कि आप डेप्ट में आ चुके हैं अब आपको ये नाइन्टी डॉलर रिटर्न करना है ठीक है नाइन्टी डॉलर रिटर्न करेंगे अगर ये डॉलर अगले मान लेते हैं कि पांच साल में आपको रिटर्न करना है अब जैसे मान लेते हैं ऐसा तो है नहीं कि ये जो डॉलर की वैल्यू है वो हमेशा एक जैसी बनी रहेगी डॉलर की वैल्यू आज की डेट में मान लेते हैं कि एक डॉलर में हंड्रेड रुपीज है ठीक है एक ऑप्शन है कि एक डॉलर में आपकी जो वैल्यू हो वो घट करके नाइनटी रुपीज हो जाए एक और ऑप्शन है कि एक डॉलर में वैल्यू बढ़कर के एक सौ दस रुपए हो जाए ठीक अब अगर आप यही सेम चीज 90 डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो नाइन्टी डॉलर का मतलब हो गया कि आपने नौ हजार रुपए मान लेते हैं कि उधार में ले रखे थे जो आपको रिटर्न करने थे अब लेकिन चूंकि यहां पर डॉलर की डॉलर मतलब कि हमारा जो रुपया है वो एप्रिशिएट कर गया यानी कि अच्छा हो गया तो पर पर 90, into 90 यानि कि कि आपको आपको रिटर्न करना पड़ेगा यानि कि आपको यहाँ पर 900 का फायदा हो गया गया ये फायदा हो गया। लेकिन एक और यानि 900, 900 का आपको भी हो सकता है तो ये जो रिजिलियंसी होती है या ये जो फ्लोटिंग मार्केट होती है ये फ्लोटिंग मार्केट बेसिकली हमारे यहाँ के इसी को बोलते हैं हम लोग फॉरेक्स रिस्क यानी कि बाहर से अगर आपने डेप्ट लिया तो एक चांस हो सकता है कि हमारी करेंसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये हमें नुकसानदेह भी हो सकती है हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है ऐसी कोई बात नहीं है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जो हमारा डेप्ट था गवर्नमेंट डेप्ट तो वहां पर जो भी हमारा पब्लिक डेप्ट है ध्यान रखना है कि जो पब्लिक डेप्ट है जितने भी डेप्ट हम लोग लेते हैं वो फ्लोटिंग पे नहीं लेते हैं हम लोग फिक्स्ड पे लेते हैं हम लोग फिक्स्ड जो भी रेट रहता है ठीक है या इंटरेस्ट रेट बोलिए या जो भी बोलिए वो फिक्स रेट पर लेते हैं ताकि इस तरीके की जो रिस्क है वो हमें ना फेस करने पड़े तो ये थी हमारी जो मतलब करेंसी रिस्क के बारे में क्या क्या चीजें हैं एक और पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कशन कर रखा है ऑफ बजट बॉरोइंग के बारे में जरा ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में ये जो ऑफ बजट बॉरोइंग है ये क्या चीज है देखिए एक तो होता है कि बजट में आपका सारा जितना भी कच्चा चिट्ठा होता है वो निकल करके आ जाता है मतलब यहां पर जो भी आपकी फिजिकल डेफिसिट है वो सब निकल करके आ जाती है अब फिजिकल डेफिसिट में अगर आपने लोन ले रखा है ठीक है तो वो ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ा देगा लेकिन आपको तो बजट अच्छा भी दिखाना है मतलब अपने नंबर जो होंगे वो अच्छे भी दिखाने हैं तो एक चांस होता है कि फिजिकल डेफिसिट को डिस्टर्ब किए बिना ठीक है उस साल के लिए बात कर रहा हूं मैं उस साल के लिए मान लेते हैं कि 2024-25 के लिए अगर बात कर लेते हैं मान लेते हैं 2024-25 इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन ईयर के लिए यहां पर हमें इकोनॉमी को बढ़िया दिखाना यानी कि फिजकल डेफिसिट को दिखाना है कि ये लगातार गिर रही है तो हम क्या करेंगे कि ऑफ बजट बोरोइंग कर लेंगे यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि देखो भैया ऐसा है कि बाहर से जो पब्लिक कंपनीज हैं पीएसयूज हो गई या फिर कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह हो गई इन लोगों को बोलाएगा कि आप एक काम करो फॉरन से आप कुछ लोन उठा लो कुछ लोन उठा लो ठीक है तो लोन जो बाहर से उठाया जाता है या फिर मान लेते हैं कि जो पीएसयूज हैं इनके द्वारा जो उठाया जाएगा प्राइमरली पीएसयूज ही होंगी प्राइवेट नहीं पीएसयूज होंगी या फिर मान लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही हो गई अगर ये बाहर से अपना मान लेते हैं कि लोन उठाती हैं तो इनको पैसा मिल गया ठीक है पैसा मिल गया सरकार ने चूंकि पैसा नहीं उठाया था इसलिए फिजिकल डेफिसिट में उस साल वो नहीं दिखेगा इन फ्यूचर हो सकता है 2025-26 में आ करके सरकार को अपने बजट से इस लोन को भरपाई करने के लिए मतलब पैसा देना पड़ेगा लेकिन इलेक्शन तो हो गया आपके नंबर्स तो अब कोई दिक्कत नहीं इनकेस अगर फिजिकल डेफिसिट आगे जा करके बढ़ता भी है तो नो प्रॉब्लम अब तो हमें अगले पांच साल पर जा करके ना चुनाव वाला मुद्दा देखना है अगले पांच साल बाद जा करके ना चीजों को दिखाना है कि क्या चीज है तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं जहां पर पीएसयूज या गवर्नमेंट एंटिटी अल्टीमेटली टेक लोन फ्रॉम द फॉरेन जो भी कंट्री है उससे अगर लोन ले लेती है और ये इससे हमारा उस साल के फिजकल डिफिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरीके की चीज को बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है बेसिकली ये लोन लिया जाता है जो भी हमारे गवर्नमेंट एंटिटीज हो गई या जो पी एस यूज हैं ये ले, ले लेती हैं दूसरा फिजकल डेफिसिट में इसका काउंट नहीं होता है उंटेड ये काउंट नहीं किया जाता है तीसरा बजट में भी ऑब्वियसली ये काउंटिंग नहीं होती है तो बजट में भी ये नॉट काउंटेड चला जाता है लेकिन ये डेप्ट में काउंट होती है ये में, के ये में गवर्नमेंट के काउंट होती है क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाकर के गवर्नमेंट को ही तो इसे बियर करना रहेगा और जो जो रीपेमेंट रहेगी रीपेमेंट अल्टीमेटली हमें फ्यूचर के जो बजट्स हैं उस फ्यूचर के बजट्स में हमें ये देखने को मिलेगा तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं फिजिकल डेफिसिट के जो नंबर्स होते हैं उनको अच्छा दिखाने के लिए ही प्राइमरली किया जाता है अभी जो वर्ल्ड बैंक ने अपना एक्सटर्नल जारी किया है उसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आई डोंट थिंक इस पर कोई दिक्कत आनी चाहिए ऑफ बजट बोरिंग्स के बेसिक्स हम लोगों ने देख ही लिए थे अब यहां पर देखिए जो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली ऑफ बजट बोरोइंग को ही लेकर के इंडियन गवर्नमेंट की चीजों को लेकर के क्या चीज़ होता है ऑफ बजट बोरोइंग बेसिकली बजट में जो चीज़ रिफ्लेक्ट ना करे उसके लिए बाहर से हम लोग जो लोन लेते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो ऑफ बजट बोरोइंग हो जाती है ये उस समय के फिजिकल इंडिकेटर को एक बड़े अच्छे कैलकुलेशन के तौर पर दिखाता है यानी कि ये जो ऑफ बजटिंग के कारण से जो सरकार के ऊपर में फिजिकल डेफिसिट आ सकती थी वो नहीं आई और इस कारण से फिजिकल इंडिकेटर में उसका मेंशन देखने को नहीं मिलता तो नंबर काफ़ी अच्छे दिखने लगते हैं अब इससे रीजन क्या है यही सब चीजें फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को बाईपास करना यानी कि चीजें दिखेंगे नहीं एफ एक्ट के दूसरा चूंकि आर्टिकल 293 में हमारे पास में लिमिटेशन होती है बोरो करने की इसलिए ऑफशोर ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है इसके थ्रू पैसा ब, आ, मतलब आ, ले लिया जाता है इसके अलावा इसके जो इंप्लीकेशन होते हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं कई बार डेप ट्रैप में भी गवर्नमेंट फंस गई है जैसे ग्रीस में इस तरीके की प्रॉब्लम हो चुकी है वेनेजुएला में भी सेम यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी श्रीलंका में भी इनफैक्ट सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी तो ये सब चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को ये छिपाता है और ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में अगर बात किया जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट में बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती है एक होती है करंट की और दूसरी होती है कैपिटल की करंट का मतलब ये होता है जहां पर आपको विजिबल चीजें देखने को मिलती हैं जैसे क्रूड ऑयल हो गया कार हो गया या जितने भी आपकी इम्पोर्ट वाली चीजें होती हैं दिस इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली चीजें दूसरी होती, जो होती है जो इनविजिबल्स होती हैं जैसे सर्विसेज हम देख नहीं सकते हैं या फिर मान लेते हैं इंटरेस्ट डिविडेंड जो पैसा आता है जैसे मान लेते हैं कभी जैसे इंडिया ने मान लेते हैं कि लोन लिया वर्ल्ड बैंक से तो जितना लोन लिया सो लोन लिया लेकिन उसका ब्याज भी तो आपको चुकाना है तो ये बन जाता है आपका इंटरेस्ट जो आपको हर साल चुकाना होता है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड इसके अलावा रेमेटांस का या डोनेशन का या जो गिफ्ट होते हैं ये भी हमारे पास में पैसे आते और जाते दोनों ही रहते हैं सिमिलरली इसी तरीके से कैपिटल होती है बैंक जो एन का है या फिर जो लोन सरकार ने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू ले रखा है या जो इन्वेस्टमेंट्स होती है एफ या फिर एफ इसके फॉर्मेट में तो ये तो बेसिक्स हो गया आई थिंक बेसिक्स आप लोगों को क्लियर होगा इसके बारे में अब ये हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये वाइडन हो गया है ये पहले 9.2 बिलियन था अब ये 1. मतलब 1.3 बिलियन से ये 9.2 बिलियन के पास में करंट अकाउंट डेफिसिट ये वाइडन हो गया है कहीं ना कहीं इट हैज डिक्लाइंड टू 1 परसेंट ऑफ द जीडीपी इन क्वार्टर नंबर टू ये कुछ खास है नहीं बस आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट वाला नंबर दिखाना है करंट अकाउंट डेफिसिट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहानी की चीज़ों को बताता है यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और जो कैपिटल वाले असेट्स होते हैं इन सभी को आपस में कैलकुलेट करना होता है करेंट अकाउंट दो चीज़ों को दिखाता है एक होती है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज में हो और दूसरी होती है जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली रेजिडेंट के द्वारा की जाती है जो कि अल्टीमेटली फ्यूचर में रिटर्न करनी पड़ती है जैसे रेमिटांस हो गया या गिफ्ट हो गया या ग्रांट के फॉर्मेट में हो जाता है सिमिलरली इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट भी होती है जो बड़ा अमाउंट होता है और तुरंत पैसा आपको नहीं देना होता है आखिर में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है उसके पीछे का रीज़न क्या है एक तो ट्रेड डेफिसिट है यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम है इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है इस वजह से हम लोग निगेटिव साइड में है यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट वो डेफिसिट में है दूसरा सर्विस रिसिप्ट डिक्लाइन अब रिसेंट में क्या है कि जो सर्विस वाले सेक्टर है हमारे वो रिसेंट में थोड़ी सी मंदी शो कर रहे हैं इसमें तमाम तरीके की प्रॉब्लम हुई है जैसे कि कंप्यूटर का एक्सपोर्ट होना ट्रैवल का एक्सपोर्ट होना बिजनेस सर्विसेज का एक्सपोर्ट होना यह भी रिसेंट में रिड्यूस कर गया है कम कर गया है इस वजह से हमारे पास में उतने डॉलर्स नहीं आ रहे हैं इसके अलावा ऑयल की प्राइस का दाम बढ़ गया है बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सर्विसेज हैं या रिमेटांसेज हैं वो भी रिसेंट में काफ़ी ज्यादा इम्पैक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ ग्लोबल ग्रोथ ही उसकी स्लो हो गई है इसके अलावा एफ में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला उतनी ज्यादा एफ आई नहीं है क्या क्या दिक्कतें हैं कई तरीके की दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं जैसे पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतने ज्यादा लोग आएंगे नहीं जो पैसा यहाँ पर इंडिया में डालें और इस वजह से हमारा जो कैपिटल फ्लो है वो भी लिमिटेड हो जाएगा कम हो जाएगा दूसरा एक्सचेंज रेट हमारा जो रुपए के मतलब डॉलर के रिस्पेक्ट में जो रुपए की वैल्यू है वो भी मतलब दिन ब दिन जो होती है वो बदलती रहती है करंट अकाउंट डिफिजिट अगर लंबे समय तक मान लेते हैं कि बढ़ता रहा तो अल्टीमेटली हमें जो करेंसी होती है उसको डिवैल्यूएट करनी पड़ जाती है इसके अलावा इन्फ्लेशन का हमें केस देखने को मिल जाता है और पेमेंट की इम्बैलेंसेस हमेशा बनी पड़ी जाती है जैसे श्रीलंका में क्राइसिस हुई थी ग्रीस में क्राइसिस हुई है फिर वेनेजुएला में क्राइसिस हुई थी तो इस तरीके की तमाम क्राइसिस हमें अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिल जाती है अगला टॉपिक है डेटेड सिक्योरिटीज को लेकर के अभी हाल फिलहाल में सरकार ने एक 50 ईयर का एक डेटेड सिक्योरिटी निकाला है तो इसके जरा बेसिक्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देख लेते हैं कुछ देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आखिर क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीके का बॉन्ड होता है तो बॉन्ड क्या होता है बॉन्ड एक तरीके का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड एक तरीके का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू सरकार लोगों से पब्लिक से पैसा उधार लेती है अब जो यहां पर पैसा उधार लेने का तरीका जो होता है वो बॉन्ड पेपर टाइप का होता है क्या होता है इसमें इसमें होता यह है कि सरकार जो गवर्नमेंट है वो अपना बॉन्ड पेपर लॉन्च करेगी लॉन्च करने के दौरान में इसकी होती है एक फेस वैल्यू फेस वैल्यू मान लेते हैं लिखा रहेगा सौ रुपए में और सौ रुपए दस साल के लिए मान लीजिए निकाला गया इसका मतलब पैतालीस रुपए मान लीजिए आप आज दे रहे हैं पैंतालीस रुपए आप दे रहे हैं ठीक है तो दस साल बाद दस साल के बाद आप सरकार को सेम पेपर वापस करके सौ रुपए ले सकते हैं वापस मतलब ऐसा समझिए कि आ, दिस इज यू मान लेते हैं आप हैं और यहां पर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट है गवर्नमेंट कही मुझे पैसे की जरूरत है तो आपको आपने बोला मेरे पास पैसे हैं कोई दिक्कत नहीं है सरकार कही कि देखो ऐसा है दस साल के बाद में मैं आपको सौ रुपए दूंगा सौ रुपए मैं आपको दूंगा लेकिन अभी आप पैतालीस रुपए मुझे दे दो तो पैतालीस रुपए देकर के दस साल के बाद में आपने सौ रुपए इससे ले लिए हैं तो पैतालीस रुपए दस साल के बाद में सौ रुपए अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको बन जा रहा है अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू क्या होती है तो फेस वैल्यू इज दिस जो पेपर के ऊपर में लिखा रहेगा इसको बोलते हैं फेस वैल्यू दूसरी होती है जो ईल्ड होती है ईल्ड का मतलब होता है जिस परसेंटेज से आपको मुनाफा हो रहा है उसको बोलते हैं ईल्ड अब यहां पर जरा देखिएगा अगर मान लेते हैं कि आपने सपोज पचास रुपए के हिसाब से मान लीजिए आपने खरीदा बॉन्ड का पेपर और सौ रुपए आपको रिटर्न मिलने हैं ठीक है सौ रुपए आपको रिटर्न मिलने हैं और यह मान लेते हैं कि मिलते हैं आपको आ, दस दस साल के बाद में मान लेते हैं मिल रहे हैं तो यहां पर आपका कुछ मान लेते हैं एक्स परसेंटेज हुआ ठीक है अगर मान लेते हैं पैंतालीस रुपए के हिसाब से आपने अगर बेचा ठीक है सौ रुपए आपको फिर से मिले दस साल के बाद में तो ऑब्वियसली यह कुछ वाई परसेंटेज हो जाएगा तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो आपकी बॉन्ड वैल्यू है या ये जो प्राइजेस हैं इस प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे प्राइस जितना कम रहेगा क्या हम बोल सकते हैं इल्ड उतनी ही ज्यादा आपको मिल रही है भाई सीधी सी बात है सौ रुपए सौ रुपए दोनों में मिल रहे हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है एक्स की वैल्यू रिलेटिवली कम होगी वाई की वैल्यू से तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड का प्राइस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इल्ड की प्राइस यानी कि प्राइस जितनी कम रहेगी इल्ड उतनी ही ज्यादा रहेगी तो एक छोटा सा फॉर्मूला है बेसिकली फार्मूला क्या है ये कैलकुलेशन ही है जो आप आराम से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या चीज़ है एक्चुअली एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इस वजह से इसको ध्यान रखना है अब ये जो बॉन्ड होती है जो सरकार देती है वो अलग अलग तरीके की होती है एक होती है जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्मेट में होती है दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसे हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटी भी बोलते हैं ये जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती हैं दे आर ट्रेडेबल ये सब ट्रेडेबल होती हैं अब ये जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती हैं अगर मान लेते हैं कि ये एक साल से कम की हैं तो इसको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है अगर मान लेते हैं एक साल से ज्यादा की है तो इसको सेंट्रल भी निकाल सकती है और स्टेट वाले भी निकाल सकते हैं तो दोनों लोग ही निकाल सकते हैं सेंट्रल वाले जो निकालते हैं उसके लिए अलग अलग नाम है जैसे कि जैसे कि आपका गिल्ट एज सिक्योरिटी दिस इज गिल्ट एज सिक्योरिटी एक होती है दूसरी इसी तरीके से ट्रेजरी बिल होती है इसी तरीके से आपके पास में और आ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट की भी चीजें आ जाती हैं बॉन्ड के फॉर्मेट में अब ये जो बॉन्ड होती है वो तीन तरीके की होती है एक होती है जिसको बोलते हैं जीरो दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कूपन बॉन्ड दिस इज कूपन बॉन्ड और तीसरी होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड दिस इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या है इन तीनों का मतलब जीरो का मतलब ये है कि भैया आज के डेट में आप पचास रुपए में बॉन्ड खरीद लो दस साल बाद सीधे आप मेरे से मिलना और सौ रुपए लेकर के जाना इसको बोलते हैं जीरो कूपन मतलब बीच में आपको कभी आना नहीं है कूपन बॉन्ड का मतलब यह है कि पचास रुपए आपने दिए सौ रुपए आपको मिलना है लेकिन दस साल पे आप हर साल मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस हर दस साल पे जाकर आकर के आप बीस रुपए मेरे से बीस रुपए का कूपन कलेक्ट करते रहना इसको हो गया कूपन बेस्ड हर साल मतलब एक टाइम ऑब्वियसली लिखा रहेगा हर साल का कोई जरूरत नहीं होता है आपको बीच बीच में आकर के कूपन कलेक्ट कर लेना है फ्लोटिंग का मतलब यह होता है कि बीच में आकर के आपके पास में कुछ एक परसेंटेज बताया जाएगा उस परसेंट पर आपको रिटर्न दिया जाएगा यानी कि कूपन आपको दिए जाएंगे तो ये तीन तरीके का हमारे पास में बॉन्ड के फॉर्मेट में चीजें हो जाती हैं तो जीरो कूपन हो गया ठीक है दूसरा होता है ट्रेजरी के फॉर्मेट मतलब ये जो हमारा कूपन बॉन्ड के फॉर्मेट में और इसी तरीके से फ्लोटिंग बॉन्ड भी आ जाती है तो ये अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं क्या जो एनआरआईज वगैरह होते हैं क्या वो इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं यस बिल्कुल खरीद सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती है टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह होते हैं लेकिन यस बिल्कुल खरीद सकते हैं इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है क्या बात समझ में आ गई क्या चीजें अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो डेड सिक्योरिटीज है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है ट्रेजरी बिल क्या होते हैं कैश मैनेजमेंट बिल क्या होते हैं या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं आई थिंक ये सारी बातें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीजें हैं अब देखिए जो भी हमारे पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ई कुबेर ये आरबीआई के द्वारा निकाला गया है यहां पर मतलब इसकी बोली लगती है यहीं से सारी चीज़ें जो भी फेस वैल्यू वगैरह होती है वो यहीं से डिसाइड हो पाती है सब लोग इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिविजुअल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एनबीएफसी प्राइवेट बंदा एटसेट्रा 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 आर बी में ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू अल्टीमेटली जो भी इन्फ्लेशन है उसकी लिक्विडिटी को और उसको एडजस्ट करने की बातों को करता रहता है इस पर सवाल तमाम पास्ट ईयर में क्वेश्चन भी आए हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन की सीरीज हम लोग मोस्ट बॉली थर्सडे से स्टार्ट करेंगे तो जो भी पास्ट ईयर की चीज़ें हैं उसको हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे उसके जो भी पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे जो एक्सपेक्टेड और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स होंगे जो रिपीट होते रहते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के आखिर में रिस्क क्या क्या चीज़ें होती हैं पहली बात मार्केट रिस्क होती है कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती हैं हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होती अगर मार्केट क्रैश हुई तो ये हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रैश हो सकती हैं लेकिन क्रैश होने का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली इस पैसे को देगी नहीं गवर्नमेंट तो हमेशा पैसे को देगी लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू होती है ये फेस वैल्यू का ट्रेड जो होगा वो कहीं ना कहीं आ, कम हो जाता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है फिर इसके अलावा री इन्वेस्टमेंट रिस्क को लेकर के होती है फ्यूचर में ये जो कूपन पेमेंट्स वगैरह होते हैं इसको लेकर के क्या और कितने लोग इंटरेस्ट शो करेंगे उस पर डिपेंड कर जाता है बाकी लिक्विडिटी रिस्क भी रहती है अब ये बॉन्ड इल्ड क्या चीज़ होती है ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया है अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज जी अब जीएसटी अभी हाल फिलहाल में जो ऑनलाइन गेमिंग और जो बेटिंग एक्ट्स वगैरह है उनके ऊपर में भी लगना शुरू हो गई है कुछ हमारे पास में बेसिक्स है जीएसटी को लेकर के उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 279 ए में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है और ये जो जीएसटी काउंसिल है ये डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली कितना किस जीएसटी स्लैब में कौन कौन आने वाले हैं जो हमारे पास में जीएसटी स्लैब होती है वो अलग अलग तरीके की होती है जैसे एक होती है जो हमारी ज़ीरो परसेंट है सिमिलरली इसी तरीके से पाँच परसेंट बारह परसेंट अट्ठारह परसेंट और अट्ठाईस परसेंट यह हमारे पास में अलग अलग स्लैब होती है तो ज़ीरो परसेंट पाँच परसेंट बारह परसेंट अट्ठारह परसेंट एंड अट्ठाईस परसेंट अब देखिए रिसेंट में एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू न्यूट्रल रेट जरा ध्यान से समझना है दिस इज रिवेन्यू न्यूट्रल रेट वॉट इज दिस न्यू रिवेन्यू न्यूट्रल रेट हो क्या रहा है कहा यह जा रहा है कि देखो ऐसा है कि जो अलग अलग तरीके का जीएसटी है यह बड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है क्योंकि हर समय कभी पराठे पर अट्ठारह परसेंट लग जा रहा है तो रोटी पर बारह परसेंट लग रहा है कभी कच्चे अंडे पे पांच परसेंट लग रहा है तो वही जो है बॉयल्ड अंडा उस पर बारह परसेंट लग जा रहा है तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो क्यों नहीं इसको हम लोग एक सिंगल जी बना देते हैं ऐसा कहा जा रहा है कि पंद्रह परसेंट के आसपास जो वैट जैसे लगता था साढ़े चौदह परसेंट वैसे ही पंद्रह के आसपास हम लोग एक सिंगल जीएसटी बना सकते हैं और इसी का नाम दिया गया है रिवेन्यू न्यूट्रल रेट बात समझ में आ गई सिंगल जीएसटी जो सिंगल रेट ऑफ जीएसटी जो होती है जिस टैक्स रिवेन्यू पर गवर्नमेंट अल्टीमेटली uh, मतलब कलेक्ट uh, करेगी उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू न्यूट्रल रेट तो ये चीज है जो आप लोगों को अभी देखने को मिल रही है अब जरा यहां पर हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं जैसे जीएसटी काउंसिल में तीन बातों पर बहुत ही क्लियर व्यू था पहला व्यू ये था कि जो एल्कोहल है इसको हम लोग कभी भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं लेकर के आएंगे दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है कि इसको हम लोग लेकर के तो आएंगे लेकिन अभी नहीं इन फ्यूचर ठीक है एल्कोहल को कभी नहीं लेकर के आएंगे नेवर का केस है इलेक्ट्रिसिटी में लेकर के आएंगे लेकिन इन फ्यूचर लेकर के आएंगे बाकी इसके अलावा जो टोबैको वगैरह वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर में टैक्स मतलब कि जो जीएसटी है वो जीएसटी लगता है उसके ऊपर में कोई दिक्कत नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास में जो आ, मतलब आ, पेट्रोलियम वगैरह होती है तो जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह होती है ये गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल है इट विल डिसाइड कि कब इसके ऊपर में लगने वाला है तो तीन चीजों के बारे में आप लोग देख लीजिएगा एल्कोहल कभी नहीं बाकी इन दोनों जीएसटी मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी है इसके ऊपर में लगेगा लेकिन अभी नहीं बाद में सरकार बताएगी कि कब लगेगा उसके बाद अल्टीमेटली चीजें डिसाइड होंगी अभी क्या हुआ है कि जो पचासवीं जीएसटी काउंसिल हुई है उसमें बोल दिया गया है कि 28 परसेंट ऑनलाइन गेमिंग या फिर जो हाउसिंग मतलब हॉर्स रेसिंग है कसिनो इसके ऊपर में ये टैक्स लगेगा जो टैक्स रेट 28 परसेंट का यहां पर लगाया गया है ये एंट्री लेवल पर लगाया गया है इसके बाद से जितना आप बेट करेंगे जैसे मान लेते हैं सौ रुपए पर आपने बेट किया तो सौ रुपए का मान लेते हैं कि दस परसेंट दस रुपए जो है वो प्लेटफॉर्म ले लिया जैसे एम हो गया या फिर और भी तमाम है ना माई इलेवन सर्कल हो गया दस परसेंट ये लोग ले लेते थे बाकी नाइन्टी परसेंट जो था वो गेमिंग पे लगता था अब क्या हुआ है कि इस दस परसेंट पर भी जीएसटी लगेगा ये नाइन्टी परसेंट पर भी जीएसटी लगेगा दोनों पर ही जीएसटी लगेगा इनफैक्ट जो भी आप विनिंग किए जो भी आप चीज जीते सौ रुपये लगा करके मान लेते हैं आपने एक हजार रुपये जीत लिया तो एक हजार का थर्टी परसेंट आपका टीडीएस कट जाएगा टैक्स रिडक्शन एज सोर्स यहीं पर कट जाएगा यानी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे आपके अकाउंट में आएंगे यहां पर सात सौ रुपए तीन सौ रुपये आपका टीडीएस कट गया ये टी डी एस आप बाद में क्लेम करेंगे ऐसा क्यों किया गया उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं हम देखिए कई बार क्या होता है यहां पर समझते हैं कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं कि दो पार्टी है ये पार्टी है और मान लेते हैं कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है ठीक है अब यहां पर मान लेते हैं कि इस बंदे ने सौ रुपए लगाया और खेला और खेलने के बाद में मान लेते हैं कि एक हजार रुपये इसने जीत गया एक हजार रुपए को जीतने के बाद में अब इस बंदे की जिम्मेदारी कायदे से होनी चाहिए कि एक हजार रुपये जितना भी इसका टैक्स बना है वो सरकार को पे कर दे सरकार को पे कर दे लेकिन अब चूंकि जनता जो लोग हैं वो टैक्स की चोरी करते हैं तो सरकार ने ये कहा एक काम करो प्लेटफॉर्म वाले भाई आप एक काम करो आप इनको 70% के परसेंट केवल क्लेम, क्लेम करेगा कि मेरा जो टैक्स है वो नहीं कटना चाहिए क्योंकि मैं स्लैब में नहीं आ रहा हूं तो मैं ये तीस वाली चीज वापस कर दूंगा इनको ऑन द जब भी आई टी भरा जाएगा तब तो इसको बोलते हैं टी सोर्स पर ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये सोर्स है यहां सोर्स पर ही कट जाएगा बाद में थर्टी परसेंट को अल्टीमेटली ये बंदा क्लेम करेगा जब आई भरा जाएगा तो आई भरना एक तो दो चीज हो गया एक तो आई जब आप भरेंगे तो आप अपनी सारी इनकम को खुद ही शो कर देंगे दूसरा यहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्रॉस चेक कर लेंगे कि हाँ ठीक है बंदे ने इतना कमाया इतना इनका टैक्स हुआ इतना इनको डिडक्ट करके दे देना है दूसरी चीज एक और यहां पर निकल करके आ रही है ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स को लेकर के अब जैसे मान लेते हैं ऑफ की दो बातों को यहां पर जरा समझ लेते हैं एक है मान लेते हैं कि ये इंडिया का पोर्ट है ठीक है ये इंडिया का पोर्ट है कोई बाहर की कंपनी है ये ओशियन के थ्रू अल्टीमेटली लेकर के आ रही है चीजों को अब ये मान लेते हैं कि ये ऑफ हो गया ठीक है यहां पर लेकर के आ रही है तो सरकार कहती थी ऑफ पर भी मैं जीएसटी लूंगा और यहां पोर्ट पे आने के बाद फिर से जीएसटी लूंगा तो ये तो डबल हो गया दो बार हो गया ये तो लेकर के आ रहा है फिर अल्टीमेटली यहां पर फिर दे रहा है कोर्ट में मैटर पहुंचा है और यह कहा गया कि ऑफशोर के दौरान में जो जीएसटी लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इ लीगल आप नहीं लगा सकते हैं जब आप पोर्ट पे लगा रहे हैं तो यू कैन टेक जीएसटी एट वन टाइम ओनली ये चीज ध्यान रखिएगा दो में ही इस पर जजमेंट आई हुई है इसलिए यह चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अब ऑनलाइन गेमिंग दो तरीके की है गेम ऑफ स्किल है गेम ऑफ चांस है गेम ऑफ चांस का मतलब वही है कि जहां पर आप अपना लक वाइज खेलते हैं और गेम ऑफ स्किल का मतलब जहां पर आप प्लेयर के एक्सपर्टाइज़ और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके चीज़ों को किया जाता है बाकी जीएसटी के बारे में आई थिंक आपको चीज़ें पता ही हैं जीएसटी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है सी जी होती है एस जी होती है और आई जी होती है आई थिंक इसके बारे में चीज़ें आप लोगों को पता होंगी जैसे मान लेते हैं कि जो एस जी होती है जैसे मान लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है ठीक है मान लेते हैं यूपी है और यहाँ पर मान लेते हैं कि अमूल कंपनी काम कर रही है तो अमूल कंपनी यहाँ पर मान लेते हैं कि नौ परसेंट यहाँ पर कोई टैक्स बन रहा है ठीक है नौ परसेंट टैक्स बन रहा है चलिए नौ परसेंट कोई टैक्स नहीं होता है बारह परसेंट टैक्स मान लेते हैं बन रहा है तो ये छह परसेंट यूपी गवर्नमेंट को दे देगी बचा हुआ जो छह परसेंट है वो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा इसको बोलते हैं हम लोग छह परसेंट एस जी एस टी छह परसेंट सी जी एस टी तो ये तरीका होता है बाकी आई जी एस टी भी इसी तरीके से इंटर स्टेट को चला जाता है दो अलग अलग फॉर्मेट में जीएसटी की आखिर में जरूरत क्या है पहली बात ये एक सिंगल नेशनल मार्केट बन जाएगा इससे दूसरा टैक्सेशन रिजीम की जो कॉम्प्लिकेटेडनेस है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी टैक्स का जो कैस इफेक्ट होता है वो खत्म किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लोग बढ़ाएंगे और टैक्स कलेक्शन का जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ेगा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटी ड्यूरिंग द कोविड ये काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हुई थी और ये डायरेक्ट टैक्स से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हुआ था जीएसटी का ये एक समय ऐसा आया था जहां पर जीएसटी डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा कलेक्शन करके दी थी कुछ यहां पर छोटी मोटी बॉडीज है जैसे जीएसटी हैं नेटवर्क जीएसटी नेटवर्क एक नॉन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है शुरू में एक प्राइवेट बॉडी के फंड फॉर्मेट में था इक्यावन परसेंट लेकिन अभी क्या हुआ है ये प्योरली गवर्नमेंट हो गई है हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट हो गई है और यहां पर फिफ्टी परसेंट यूनियन गवर्नमेंट का है फिफ्टी परसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी का है इसमें शेयर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर मान लेते हैं किसी को कोई दिक्कत होती है जीएसटी से रिलेटेड तो सबसे पहले जो वहां की अथॉरिटी याड ज्वाइनिंग अथॉरिटी इसको बोलते हैं वहां पर जाकर के कंप्लेन करेगा जजमेंट को अल्टीमेटली आप चैलेंज कर सकते हैं जो अपीलेट अथॉरिटी होगी अपील करके अपीलेट अथॉरिटी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो यही वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है जहां पर आप चैलेंज कर सकते हैं हालांकि इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की चीज को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ये जो जीएसटी एक्ट है यानी कि जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये एक बॉडी है सेंट्रल जीएसटी एक्ट दो के अंतर्गत इसको बनाई गई है जो कि सेकेंड अपील बनेगा देखिए अपील और ये सेकेंड अपील बन रही है तो सेकेंड अपील बन रही है इन फॉर्मेट ऑफ द जो भी ग्रीवांस होगी जो भी दिक्कतें आएंगी उसको लेकर के ठीक है तो ये मेन चीज है बाकी इस पर कुछ खास ये सब चीजें बेकार की हैं कोई खास मतलब नहीं है जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल नंबर 279 ए में इसका मेंशन किया गया है बाकी इसके चेयरपर्सन के रूप में फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं बाकी इसके अलावा अलग अलग मिनिस्टर्स भी होते हैं सेंटर का इसमें शेयर थर्टी थ्री परसेंट होता है बाकी थ्री फोर्थ मेजोरिटी जो होती है मेंबर की जब रहेगी तभी जाकर के अल्टीमेटली यहाँ पर कोई डिसीजन लिया जाएगा थ्री फोर्थ का मतलब पचहत्तर परसेंट अब ये बताइए छाछठ परसेंट ही केवल और केवल स्टेट के पास में है तैंतीस परसेंट स्टेट मतलब कि सेंट्रल के हाथ में है तो कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टेट वाले खाली और खाली डिसीजन ले सके तो सेंटर की यहाँ पर हामी भरनी ज़रूरी हो जाती है तभी जाकर के कोई डिसीजन हम लोग ले पाते हैं नेक्स्ट वन इज वाइडनिंग टैक्स बेस टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आई भरने के लिए कहिए आई जब हम भरेंगे तो उससे ऐसा नहीं है कि टैक्स बेस बढ़ जाएगा लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन सही मिलना शुरू हो जाएगी इन्फॉर्मेशन सही मिलना शुरू हो जाएगी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए पहले इन्फॉर्मेशन मिलना और आई भरवाना ज़्यादा जरूरी है तो अभी सरकार ने कुछ नए तरीके लेकर के आए हैं जैसे कि बैंक अकाउंट से आधार और पैन कार्ड को लिंक कर दिया गया है टी के कुछ नए कोड लेकर के आए हैं नए डेटा सोर्सेज लेकर के आए गए हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो कि एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है और इस पर यूपीएससी ने आई थिंक 2015 में शायद क्वेश्चन एक पूछा हुआ था एक बार आप लोग देखिएगा बाकी पी एफ सीरीज में हम लोग इसको डिस्कस ही करेंगे कि क्या चीज़ है जो टैक्स टू जी रेशियो होता है इसमें टैक्स रिवेन्यू को टैक्स रिवेन्यू मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला करके कंट्री के जी के साथ में शेयर देखा जाता है अब देखिए टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो होता है ये अगर बढ़ा तो अच्छी बात मानी जाती है इंक्रीज़ करना इज अ गुड सिंबल सो डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो में इंडिकेट अ स्लोइंग इकोमी ग्रोथ दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यही दो का इनफैक्ट क्वेश्चन भी था कि डिक्रीज इन टैक्स टू जी रेशियो में डिक्लाइन मतलब कि स्लो डाउन दिखा सकता है इसलिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होना चाहिए लेकिन बहुत ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए नॉर्मल नॉर्मल तरीके से होना चाहिए इसके अलावा इनकम टैक्स की रिटर्न जो होती है काफ़ी मतलब बढ़ गई है ये लाइन इंपॉर्टेंट है जेम्स विल्सन पहले आदमी थे जिन्होंने आ, पहला फाइनेंस मिनिस्टर थे इन्होंने अपना मतलब कि इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना है ये हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए टैक्स शुरू शुरू में अठारह सौ के बीच में लगता था कुछ खास था नहीं इनफैक्ट कुछ भी नहीं है ये इंपॉर्टेंट है कुछ की स्टैट्स के बारे में यहां पर बोला गया है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी रिसेंट में बढ़ा है ठीक है दूसरा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ा है डायरेक्ट टैक्स बायसी भी हाईएस्ट रही है सो ये तीन लाइन सुपर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए अभी जो लो टैक्स बेस है हमारे यहां पर क्यों लो टैक्स है मतलब छह परसेंट केवल और केवल टैक्स बेस में आता है मैक्सिमम लोग क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं टैक्स एग्जामेशन एग्रीकल्चर को दिया गया है इसके अलावा लिटिगेशन बहुत ज्यादा है टेक्निकल एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज भी जो होते हैं उसकी कमी है जिसके कारण से हम लोग टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते हैं नेक्स्ट वन लास्ट वन दिस इज एंजल टैक्स एंजल टैक्स अभी रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ एंजल टैक्सेशन को लेकर के कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं एंजल टैक्स 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसका मतलब होता है कि जो भी टैक्स लगाया जाएगा कैपिटल्स के ऊपर में ये un, मतलब टैक्स लेविड ऑन कैपिटल रेस्ड बाई अनलिस्टेड कंपनी जो भी अनलिस्टेड कंपनीज है जो भी कैपिटल रेस की उनके ऊपर में जो भी टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टैक्स एंजल टैक्स इनका मेन काम यह होता है कि जो भी आ, मतलब जनरेशन एंड यूज ऑफ अनअकाउंटेड मनी जो भी आ रही है उसके ऊपर में भी हम लोग टैक्स लगा सकें एक लास्ट यहां पर टॉपिक है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को लेकर के मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक नया ड्राफ्ट पॉलिसी निकाला है पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कुछ यहाँ पर बातें कही गई हैं कोर स्टैटिक्स ये एक इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं इसके अलावा जो भी इट इज़ मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू कलेक्ट एंड डिजिमिनेट एट ऑल लेवल प्रिस्क्राइब डेफिनीशन होती है सब चीज़ें कुछ खास है नहीं चाहे तो आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का, का काम करती हैं बस यही मतलब टैक्स कलेक्शन का मतलब कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन का, का काम करती हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है मैं आपको बोलूंगा एक बार इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो भी बता सकते हैं लेकिन मोस्ट इसमें कुछ है नहीं कुछ डिस्कस करने को भी नहीं है बस एक बार रीड कर लीजिएगा लेबर फोर्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अपना रिलीज किया इस सर्वे में ये देखने को मिल रहा है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ गई है और ये जो इंक्रीज है लगभग लगभग दो परसेंट का देखने को हमें मिल रहा है से बढ़ करके हो गई है इसमें मेल में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है एज कंपेयर टू फीमेल इनफैक्ट जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर टू में ही हम लोगों ने बात किया था कि अब अगर गेस वर्क करना होगा तो जितने भी सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है वो सब बड़े इंप्रूव्ड वर्जन की आ रही हैं तो जहां पर भी आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिले जहां पर भी लगे कि हाँ ये वाला लाइन जो है इंप्रूवमेंट दिखा रहा है तो वो मान के चलिए वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी दूसरा जब भी आपको गेस वर्क करना होगा तो आप हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब लगा करके ही देखिएगा अब जैसे ये ग्रोथ है नेशनल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इसका रेट जो है 55 परसेंट से ये बढ़कर के 58 परसेंट के आसपास है जो 3 परसेंट का इंक्रीज दिखा रहा है अब ये 3 परसेंट का इंक्रीज गेस करने के लिए एक तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ को देख सकते हैं कि 2.1 परसेंट के आसपास में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है तो एक फिगर जो होता है वो ठीक ठीक सा फिगर है कि हाँ देर इज अ चांस कि हाँ ये लोग जो है वो लेबर फोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे दूसरी चीज अब जरा गिग इकॉनमी का इकॉनमी का एक तरीके से कह लीजिए कि जमाना आ गया है तो ज़्यादातर लोग इस गिग इकॉनमी में चले गए हैं और इस वजह से इस इस कारण से भी एक हमें पार्टिसिपेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा लेकिन अगेन ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा ये उतना योग जितना लेबर फोर्स अल्टीमेटली वर्क फोर्स में एंटर कर रहा है तो गैस करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा देखिए यह जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के बारे में देखें तो यहां पर तीन मेन ऑर्गेनाइजेशन है एक है जो हमारा एनएसओ है एनएसओ का मतलब यही हमारा नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसे हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंतर्गत रखते हैं दूसरी यहाँ पर जो हमारे पास में डिपार्टमेंट आती है वो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का विंग जो प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करती है इसमें हमारे पास में कुछ स्कीम्स आ जाती हैं जैसे एम पी लैड स्कीम जो एम पी लोग होते हैं उनको पाँच साल के लिए जो पैसा दिया जाता है इसके अलावा ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम हो गए इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हो गई तीसरा जो विंग है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो स्टैटिस्टिक्स पे और जो भी डेटा रिलेटेड काम होता है वो यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है ये तो हम लोगों ने देख लिया जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्टीमेटली काम करती है अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है उसी को लेकर के अब जरा पहले हम लोग डेफिनीशन देख लेते हैं कि आखिर में डेफिनीशन क्या क्या यहाँ पर दी जा रही है सबसे पहली डेफिनेशन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को लेकर के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये है कि वो बंदे जो इम्प्लॉयड हैं प्लस साथ साथ में अनएम्प्लॉयड भी हैं अनएम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो काम की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं पा रहा है और इसको आप जब डिवाइड कर देंगे हर तरीके के लोगों के साथ में जैसे एम्प्लॉयड लोग जो हैं या फिर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर जो लोग लेबर फोर्स में है ही नहीं नॉट इन लेबर फोर्स तो ये आपको दे देगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि हमारे पास तीन तरीके के लोग होते हैं एक होते हैं जो इंप्लॉयड होते हैं दूसरे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं और एक होते हैं जो लेबर फोर्स में आ ही नहीं रहे हैं तो ये एक तरीके से देखिए तो काइंड ऑफ टोटल पॉपुलेशन आपकी बन गई है और उसमें से जो भी आपका पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं उसको बोल देते हैं हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो ये हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दूसरी है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन एस्पेक्ट ये जो वर्कर पॉपुलेशन एस्पेक्ट है इसको बोलते हैं जो भी इंप्लॉयड लोग हैं यानी वर्किंग लोग हैं इंप्लॉयड डिवाइडेड बाई इंप्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड प्लस पर्सन नॉट इन लेबर फोर्स यानी कि यही हमारी टोटल पॉपुलेशन ही हो गई यह हमारी टोटल पॉपुलेशन हो गई तो ये वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो हो गया या फिर बोल सकते हैं जो भी वर्किंग क्लास लोग हैं वो यहां पर आ जाते हैं अनएम्प्लॉयड में कौन हो जाएगा अनएम्प्लॉयड का मतलब जो भी अनएम्प्लॉयड बंदा है यानी अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय जो एम्प्लॉयड है प्लस अनएम्प्लॉयड जो है इन दोनों को लिया जाएगा ठीक है तो ये मेन आपको डेफिनीशन जो है वो ध्यान रखनी है कि आखिर में क्या क्या यहां पर डेफिनीशन के फॉर्मेट में चीजें देखने को हमें मिल रही हैं अब थोड़ा सा इसकी की फाइंडिंग्स को भी देख लेते हैं जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी हम लोगों ने बढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि करीब करीब तीन परसेंट से हमें इंक्रीज ये देखने को मिल रहा है तो टोटल अगर देखेंगे तो उनचास दशमलव आठ परसेंट दो हजार सत्रह अट्ठारह में थी यहां पर हमें ट्रेंड देखने को मिल रही है कि यहां पर यह इंक्रीज देखने को करीब करीब नौ परसेंट से इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है दूसरा है रूरल एरिया अब इस टोटल में हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो ठीक है कहां पर हमें बढ़ा है क्या रूरल एरिया में बढ़ा है यस रूरल एरिया में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है और रिलेटिवली ज्यादा बढ़ा है करीब 10 परसेंट के आसपास हमें रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है अर्बन एरिया में यस yes, बिल्कुल यहां पर भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है लेकिन चूंकि यहां पर उतने ज्यादा वर्क नहीं है इसलिए उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है करीब तीन चार से बढ़ा है अगर मेल में देखें तो क्या यह बढ़ा है बिल्कुल बढ़ा है तीन परसेंट के आसपास यहां पर भी बढ़ा है और साथ में जो फीमेल्स हैं फीमेल का भी परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ा है फीमेल का जो परसेंटेज है वो रिलेटिवली ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू मेल सो यहां से एक चीज ये देखने को मिल रही है कि टोटल में जितना परसेंट देखने को मिल रहा है वो रूरल में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया वुमेन का ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल का तो ये आपको जो पैटर्न है वो ध्यान रखना है दूसरा है हमारा वर्किंग जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है ये जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है ये टोटल 46% परसेंट से बढ़ करके छप्पन प्रतिशत हो गया है इसमें अब यहाँ पर डेटा नहीं दिया गया है इसके बारे में जरा देख लेते हैं इसमें जो रूरल का परसेंटेज है वो रिलेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमारा अर्बन एरिया है तो रूरल का यहाँ पर भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है वर्किंग में वर्किंग में ज़्यादा लोग आ रहे हैं जो हमारा अनएम्प्लॉयड रेट है अनएम्प्लॉयड रेट अगर देखेंगे तो वो घटा है और घटना भी चाहिए सरकार तो चाहेगी ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटे यानी वो कह देंगे कि हमने रोजगार पैदा किया है तो एक अच्छा फिगर है कि हाँ यहाँ पर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये घटा है अगर ये बात करें कि कहाँ पर ज़्यादा घटा है तो अर्बन एरिया में ज़्यादा घटा है एज़ कंपेयर टू रूरल एरिया तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया में ज़्यादा घटा है एज कंपेयर टू रूरल एरिया एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं जैसे गिगी इकॉनमी है अब ज़्यादातर लोग या तो जोमैटो स्विगी वगैरह में लग गए हैं या किसी न किसी काम में लग ही गए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा वर्किंग या फिर अनएम्प्लॉयड रेट है अनएम्प्लॉयड रेट अब गिरा है और अर्बन एरिया में ज़्यादा गिरा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एरिया मतलब कि रूरल एरिया अब एक और चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास में दो तरीके का सर्वे लिया जाता है एक होता है जो करंट वीकली स्टेटस होती है और दूसरी होती है जो होती है यूजुअल स्टेटस करंट वीकली स्टेटस का मतलब ये हो गया कि जो आपका वीकली टाइम पे मतलब कि एक तरीके से हर तीन महीने पर लिया जाता है हर तीन महीने पर लिया जाता है और जो हमारा यूजुअल होता है ये यूजुअल एनुअल बेसिस पर लिया जाता है तो अब जरा ये बताइए शहर का एरिया है तो शहर के एरिया में क्या हम हर तीन महीने पर ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि आसानी से चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं तो हर तीन महीने पे शहर का जो एरिया होता है अर्बन एरिया जो होता है वहाँ पर हम हर मतलब कि सी डब्ल्यू जो एस है यानी कि करेंट वीकली स्टेटस है हर तीन महीने पे भी लेते हैं और एनुअल बेसिस पर भी लेते हैं वहीं अगर रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया में केवल और केवल एनुअल बेसिस पर ही चीज़ें ली जाती हैं तो यूजुअल स्टेटस एंड सी डब्ल्यू एस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया एनुअली लेकिन तीन महीने पर केवल अर्बन एरिया में हम लोग करंट वीकली स्टेटस देखते रहते हैं और उसी के बेसिस पर अल्टीमेटली हम डिसाइड करते हैं कि आखिर में क्या हमारा चल रहा है बात समझ में आ रही है क्या चीज़ है एक और चीज़ जो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इनफैक्ट ये बात बताई भी गई है कि अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर सैलरीड क्लास सैलरीड क्लास ज़्यादा कहाँ आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में ऑब्वियसली अर्बन एरिया में आपको सैलरी क्लास के लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया और अगर मान लेते हैं हम लोग कैजुअल लेबर के बारे में बात किया जाए तो कैज़ुअल लेबर हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा अगेन रूरल एरिया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है बात समझ में आ गई क्या है अब यहां पर जेंडर पे गैप को लेकर के भी पीरियोडिक जो हमारा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है इसने क्या बोला है इसने ये चीज बोली है जेंडर को लेकर के यानी कि मेल और फीमेल के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर यह कहा गया है कि जो मेल है मेल का यहां पर इनफैक्ट मैं लिख दे रहा हूं मेल का अगर हम लोग बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है एज़ compared टू फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो भी ज़्यादा है एज compared टू मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है एज़ compared टू फीमेल और पैसे जो कमा रहे हैं वो भी ज़्यादा है तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं उसमें 50 परसेंट ज़्यादा आदमी है एज़ compared टू जो रेगुलर वेज होते हैं दूसरी चीज़ मैन जो है वो ज़्यादा कमा रहा है ज़्यादा कमा रहा है एज़ कंपेयर टू फीमेल मेल की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर है वो ज्यादा कमा रही है एज कंपेयर टू वुमेन टू पॉइंट एट टाइम्स ज्यादा कमा रही है हालांकि डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है बस आप ये समझिएगा ज़्यादा कमा रही है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया का बढ़ा है लेकिन जो अर्बन एरिया है उसका ज्यादा बढ़ा है समझ में आया अर्बन की जो वुमेन है वो ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू रूरल वुमेन हालांकि बढ़ा दोनों में ही है ये बात ध्यान रखनी है कि बढ़ा दोनों में है लेकिन अर्बन एरिया का रिलेटिवली ज्यादा बढ़ा है नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को लेकर के नोबेल प्राइज अभी रिसेंट में क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया था यहां पर इन्होंने किया क्या है क्लॉडिया गोल्डिन ने बेसिकली फीमेल के लेबर फोर्स को लेकर के अपना एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है 2023 का इकोनॉमिक्स रिपोर्ट इनको दिया गया है और इनका जो मेन वर्क है वो है वुमेन का लेबर फोर्स मार्केट आउटकम अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो फीमेल और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिल रहा है ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जैसे कि कोई भी यहाँ पर फीमेल का पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट और इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा कोई खास हिस्टोरिकल रिलेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन इन्होंने जो अपना रिपोर्ट निकाला उसमें इन्होंने एक यू कर्व के बारे में बात किया है यू कर्व का मतलब ये है कि जब फीमेल शुरू शुरू में यानी कि अगर आप लो इनकम इकोनॉमी में आते हैं तो लो इनकम इकोनॉमी में यहां पर मेनली एग्रीकल्चर ड्रिवन चीजें होती हैं तो यहां पर हमारा जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो रिलेटिवली शुरू में आप देखेंगे तो पहले शुरू में एक तरीके से घट रहा है 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 फिर उसके बाद से जो मिडिल इनकम की कंट्रीज होती हैं ये मिडिल इनकम कंट्रीज में एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन वुमेन का ज्यादा है अब ये इंडस्ट्री में आ गया एक समय के बाद में अब यहां पर धीरे धीरे यहां से फीमेल जो होती है वो उठना ग्रो करना शुरू कर देती हैं यानी कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं हाई इनकम कंट्रीज में हमें फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रिलेटिवली काफी ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप और यही चीज इनफैक्ट यहां पर इस कर्व में इन्होंने बताया भी है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर देखें लो इनकम में एग्रीकल्चर में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा मिडिल इनकम में आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगा और हाई में आएंगे तो फिर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को लेकर के अगर बात किया जाए कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है महिलाओं का तो किस किस चीज़ों पर इन्फ्लुएंस होती है अब देखिए नॉर्मली आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो मान के चलिएगा ऑल ऑफ द एबब करेक्ट का ही ऑप्शन रहेगा कुछ चीज़ें देख लेते हैं जैसे मान लेते हैं सोशल नॉर्म्स होते हैं अब सोशल नॉर्म में जैसे शादी हो गई एक ये दिक्कत कर जाता है दूसरी चीज़ एजुकेशन एजुकेशन भी कही न कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है फर्टिलिटी हो गई बच्चे पैदा होने लगते हैं ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है टेक्नोलॉजी को लेकर के हो जाती हैं चीज़ें इसके अलावा सिक्योरिटी हो गई कि भाई बाहर जाएगी तो सेफ नहीं है इसके अलावा चाइल्ड केयर करना है बच्चों की रखवाली करनी है देखभाल करना है प्लस अर्निंग गैप है आप कितना कमा लोगे जा करके इसके अलावा करियर की एक्सपेक्टेशन महिलाओं से ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता है कि ये क्या कर सकती हैं ज़्यादा कोई यहाँ पर दिक्कत भी नहीं होती है बहुत ही एक्सपेक्टेड सी चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप में काफ़ी गलत है तो आखिर में इस जेंडर गैप को कम करने के लिए क्या किया गया है कई सारी चीजें की गई हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी का एक कोड बिल लाया गया है जहाँ पर मैटरनिटी लीव छब्बीस हफ्ते की दी गई है कि हाँ अगर किसी मतलब मैटरनिटी होती है तो 26 वीक का पेड लीव दिया जाता है इसके अलावा कृषि फैसिलिटी भी रहेगी बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद से उसको कृषि फैसिलिटी यानी जो भी उसको फीडिंग करानी है दुग्धपान वगैरह कराना है वो सब करा दिया जाएगा इसके अलावा कोड ऑफ ऑन एक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को लेकर के भी बनाया गया है कि महिला की वर्किंग कंडीशन किस तरीके से होगी इनफैक्ट आप लोगों ने सुन रखा होगा कि विशाखा गाइडलाइन है और इस विशाखा गाइडलाइन में भी वर्किंग फोर्स मतलब वर्किंग जो एरिया है वहाँ पर जो सेक्शुअल एब्यूज वगैरह होती है उसको लेकर के ये गाइडलाइन बनाई गई है कि कैसे क्या करना है कोड ऑन वेज 2019 नाइनटीन यहाँ पर देखिए जेंडर को लेकर के किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को करना गलत माना गया है इलीगल माना गया है इसके अलावा अगर देखेंगे तो बहुत सारे लॉ भी बनाए गए हैं जैसे कि अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल नंबर no. 39 नाइन सब क्लॉज डी में बात किया गया है कि जेंडर पैरिटी लेकर के आना है इसके अलावा हमारे पास में इक्वल रिमुनरेशन एक्ट भी है और इस इक्वल रिमुनरेशन एक्ट में दोनों की सैलरी इक्वल सैलरी के बारे में बात किया गया है बाकी जितने भी हमारे पास में एक्ट हैं चाहे वो आपका फैक्ट्री एक्ट हो जाए या फिर हमारा लेबर फोर्स का जो एक्ट है लेबर एक्ट हो गया जो अभी रिसेंट में चार बना दिया गया है या मान लेते हैं कि माइन एक्ट हो गया तो जितने भी हमारे पास में एक्ट हैं हर जगह पर फीमेल पार्टिसिपेशन के बारे में बात की जाती है कहा जाता है कि उनको भी लेकर के आना चाहिए नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गिग इकॉनमी को लेकर के गिग इकोनमी क्या चीज़ है अच्छा एक दो टर्म्स यहाँ पर हैं जैसे एक आप लोगों ने सुन रखा होगा ग्लास सीलिंग को लेकर के तो ग्लास सीलिंग का मतलब होता है ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि फीमेल का एक समय के बाद में प्रमोशन रोक देते हैं मतलब प्रमोशन रोक देने का मतलब कि अब उसके ऊपर में केवल और केवल मेल डोमिनेशन देखने को मिलती है इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लास सीलिंग दूसरा इसी तरीके से पिंक जॉब बोलते, है बोलते हैं या फिर रिसेप्शन जॉब बोलते हैं रिसेप्शन जॉब या फिर पिंक जॉब कि आपको एकदम सुंदर बन करके बन ठन करके आना है और रिसेप्शन पर संभालना है तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है केवल ब्यूटी को दिखा करके अट्रैक्ट करने की बात होती है दूसरी चीज एक और चीज होती है जो बोलते हैं फेलियर को लेकर के कई बार क्या होता है महिलाओं को ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह दे दिए जाते हैं जहां पर चांसेस होती है कि वो फेल हो जाए फेल मतलब प्रोजेक्ट ही फेल होता है वो महिला के नाम पर जड़ दिया जाएगा कि भाई इसने लिया है इसके पास इतना कॉम्पिटेंट नहीं है और देखो ये क्या हो गया तो ये सब कुछ टर्म्स है जो आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट गीग इकॉनॉमी आज की डेट में गीघ इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते आ रहा है बहुत सारे एप्लीकेशनस है जैसे ओला हो गया ऊबर हो गया रैपिडो हो गया जोमेटो हो गया और स्विगी हो गया बिग बास्केट हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा कई सारी चीज़ें हैं अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं कि आपके पास में एक वर्क रहेगा उस वर्क को करेंगे एंड दैट सेट यू आर फ्री टू गो नाउ इसी को बोलते हैं गिग इकोनमी अब अभी रिसेंट में कई सारे इशूज देखने को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग कंडीशन जैसे टेन मिनट डिलीवरी हो गई कि हम दस मिनट में डिलीवरी कर देंगे और उसके लिए फिर अल्टीमेटली इन लोगों को इन लोगों को फिर जो होता है काफी कुछ झेलना पड़ जाता है तो इन सब चीजों को लेकर के अब सरकार भी काफी फोकस कर रही है इस पर लॉज वगैरह बनाए जा रहे हैं तो गिग इकॉनमी एक फ्री मार्केट है जहां पर टेंप्ररी पोजीशन पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट वर्कर के साथ में शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करती है यहां पर जो भी वर्क है उस वर्क के खत्म होने के बाद फिर इन दोनों का कोई वास्ता नहीं रहता है दो तरीके के है प्लेटफॉर्म वाले गिग वर्क और दूसरा होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वाले प्लेटफॉर्म वाले जैसे ओला या फिर स्विगी जोमैटो एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं जब काम करना होता है सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और फिर काम कर लेते हैं इसी तरीके से नॉन प्लेटफॉर्म गिग वाले हैं जो कैजुअल वर्कर या फिर अपने खुद के काम करने वाले लोग हैं उसको नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर कह सकते हैं अच्छा यूट्यूब पर जो एजुकेटर पढ़ाते हैं उनको क्या बोल सकते हैं ये भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म गिग वर्कर ही है लेकिन खैर इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है रीजन फॉर इंक्रीज इन गिग इकॉनमी क्या कारण है बहुत सारे कारण है एक तो क्या है इंटरनेट बढ़ते आ रहा है आप ऐसे समझिए ना यूट्यूब पर सभी लोग क्यों आ रहे हैं ज़्यादा इंटरनेट अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा आजकल स्टार्टअप का इको है सब लोग ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं नेम फेम प्लस पैसा दोनों ही चीज़ें हैं इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स की ऐसी कुछ नहीं है मतलब इम इं, इं, इंटरऑपरेबिलिटी है कि इनफैक्ट वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों ताकि आपकी एक चेन बनती जाए चेन बनेगी ज़्यादा चीज़ें आएंगी यूट्यूब की भी सेम पॉलिसी है ज़्यादा लोग आएंगे ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगी ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट होगी और ज़्यादा यूट्यूब को पैसे मिलेंगे वर्क अप्रोच को लेकर के अब है कि लोग अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं कोई किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं और बाकी इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लाईज होती हैं उनकी डिमांड अब मार्केट में बढ़ते जा रही है गिग इकॉनमी की बहुत सारी सिग्निफिकेंसेज हैं एग्जाम में जो भी आएगा आप ऑल ऑफ द एबब मार्क कर दीजिएगा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जैसे कंज्यूमर को लेकर के अगर बात करें तो पर्सनलाइज सर्विसेज मिल जाती हैं एकदम घर पे डोर पे एकदम आपको चीज़ें मिलेंगी टाइम बचेगा पैसे भी बचते हैं इंप्लॉयज़ को लेकर के अब इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन है आपको दिन में मन कर रहा है दिन में करिए रात में मन कर रहा है रात में करिए रिमोट वर्किंग होती है कई बार क्या है आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं घर पे बैठ करके काम कर सकते हैं वर्क और लाइफ के बीच में आप बैलेंस बना सकते हैं जैसा भी आपको जरूरत हो जैसे मान लेते हैं आप काम कर रहे हैं घर में आपके किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत खराब हो गई अब आप वर्क छोड़ करके नहीं जा पाएंगे कि आप हॉस्पिटल में ले करके जाए लेकिन अगर आप गिग वर्कर हैं बंद बंद करके तुरंत आप पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर के लिए भी क्या है सस्ते में मिल जाता है लेबर फोर्स कम्पलाइंट कॉस्ट हो जाती है डाइवर्स पूल ऑफ लेबर हो जाता है स्किल बेस्ड आप चीज़ों को यहाँ पर ले करके आ सकते हैं कंट्री के लिए भी फायदा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है यहाँ से कई सारे सेक्टर में जिस तरीके के सेक्शन की सोसाइटी है वैसे वर्कर वहाँ पर मिल जाते हैं स्टार्टअप आगे बढ़ते आ रहा है और बाकी इकॉनॉमी तो चलते जा रहा है एक बात ध्यान रखिएगा ऐसे ही मन गया तो बात कर ले रहे हैं जैसे इंडिया की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी से बहुत अलग है वर्ल्ड की इकोनॉमी फेडरल बैंक चलाते हैं इंडिया की इकानमी जो चलाती है वो यहाँ की पब्लिक चलाती है और चूँकि पब्लिक का मतलब ये हो गया जैसे हमारे यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और आज से नहीं हमेशा से बढ़ते आ रहा है गांधी जी के ज़माने से ही और इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो गिग इकॉनमी है ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ही मतलब यही एक तरीके से कह लीजिए इकॉनमी इसी पर डिपेंडेंट हो जाएगी ये इतना ज़्यादा आगे जा कर के फोकस में आने वाला है और इसी वजह से कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्कस भी बनाए गए हैं जैसे कोड ऑफ वेज ट्वेंटी यहां पर एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में यानी कि मिनिमम वेज के बारे में बात की गई है चाहे वो ऑर्गेनाइज हो चाहे अन हो इंक्लूडिंग गिग वर्कर दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी अब यहां पर भी गिग वालों को या अनऑर्गेनाइज जो है उनके बारे में भी यहां पर बात की गई है कि कुछ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने चाहिए इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी फंड और जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है इसको भी बोला गया है कि आप भी गिग इकॉनमी के जो वर्कर्स हैं या प्लेटफॉर्म के लोग हैं उनके लिए भी स्कीम्स वगैरह लेकर के आएंगे गिग और गिग वर्कर्स को लेकर के कुछ रीसेंट में की गई हैं जैसे कि लेबर टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है जो कि गिग वर्कर्स को लेकर के बताएगी कि क्या हमें आगे स्कीम्स वगैरह वेलफेयर किस तरीके से लेकर के आनी है जी में भी लेबर इंप्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई थी यहां पर भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किए थे विद रिस्पेक्ट टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स राजस्थान पहला स्टेट बना है जिसने गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स देने के लिए यानी कि वेलफेयर बिल के लिए अपना एक नया बिल पास किया हुआ बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो अब जो हमारे पास में दो तीन टर्म होते हैं जैसे एक होती है जिसको बोलते हैं सी नया टर्म आ गया आई सी या इसके अलावा रिवर्स रेपो रेपो एस इन सारी चीज़ों के बारे में जरा पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं फिर आते हैं अपने मैगजीन के ऊपर बेसिक्स में हम लोग बात कर लेते हैं ज़रा कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सी के बारे में इसको समझने के लिए हम लोग डेटा के थ्रू ही समझते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारा सी है ये काम कैसे करता है क्योंकि कई लोगों को डाउट हो जाता है देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास में होती है बैंक्स कई तरीके की बैंक है जिसे हम लोग नॉर्मली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल सौ रुपये पड़े हुए हैं ठीक <coughs> ये जो सौ रुपए है इसको बोला जाता है एन डी टी एल एन डी टी एल का मतलब होता है नेट डिपॉजिट टर्म लाइबिलिटीज तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में अलग अलग तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं जैसे हमारा रिकरिंग डिपॉजिट होती है जिसे हम आरडी बोलते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट होती है जिसे हम एफ़ uh, डी बोलते हैं तो ये दो तरीके की डा लाइबिलिटीज़ या दो तरीके के डिपॉज़िट्स होते हैं एक होते हैं जो हमारे कैश uh, डिपॉज़िट्स होते हैं जिनको हम डिपॉज़िट्स uh, या सेविंग डिपॉज़िट्स बोल देते हैं और दूसरी होती है जो हमारी टाइम डिपॉज़िट होती है जैसे हमारा जो आर डी या रिकरिंग डिपॉज़िट है वो एक टाइम डिपॉज़िट के फॉर्मेट में होता है खैर ये सब आप लोगों ने एन में बेसिक्स में कर रखा होगा यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये जो सौ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं ये बेसिकली एन है यानी कि ये आ, मतलब जो डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज के फॉर्मेट में होती है अब देखिए ये जो सौ रुपये है बैंक अपने पास नहीं रखता है क्योंकि एक चांस होती है बैंक्स में फेल और इस वजह से जो आर है आर कहता है कि आपको कुछ पैसे यहाँ पर रखने पड़ेंगे और ये जो पैसे रखने होते हैं इसको बुलाता है सी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर रख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड के फॉर्मेट में या फिर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट uh, लाइबिलिटीज़ या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उस फॉर्मेट में नहीं रख सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैश के ही फॉर्मेट में रखना होता है अब ये जो सी आर आर होती है ये अभी करीब साढ़े चार परसेंट के आसपास चल रही है यानी कि सौ रुपया अगर आपने यहां पर रखा है तो यहां पर आपको साढ़े चार रुपए रखने पड़ जाएंगे इन अ फॉर्मेट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एक चीज आपको यह ध्यान रखना है आर जब अपने पास कोई भी पैसा रखवा रही है तो नॉर्मली उस पर इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए लेकिन ये जो सी है इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है ये विदाउट इंटरेस्ट होती है तो सौ रुपए में से साढ़े चार रुपए तो चले गए आरबीआई के पास में कि आर बैंक्स को सेव करके रखेगी दूसरी होती है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होती है ये इसे हम लोग एस बोला जाता है एस नॉर्मली ये अट्ठारह के आसपास होती है तो यहाँ पर आप अट्ठारह रुपये रख सकते हैं या फिर अट्ठारह रुपये तक की चीज़ें रख सकते हैं तो यानी चीज़ों का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर कैश भी रख सकते हैं आप यहाँ पर कोई बॉन्ड रख सकते हैं आप यहाँ पर कोई एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर गोल्ड भी रख सकते हैं क्योंकि चूंकि कैश की जरूरत बैंक को हमेशा पड़ती है बैंक लोन के फॉर्मेट में दे देते हैं इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम एस के फॉर्मेट में हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गोल्ड या फिर बॉन्ड यही सब देखने को मिलता है अब ये जो एस होता है इस पर आर आपको देगी इंटरेस्ट यानी यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट दिया जाता है अब जो पैसा बच जाता है बैंक के बैंक के पास वो अब लोन के फॉर्मेट में आम जनता को दे दिया जाता है ऑब्वियसली इस पर तो इंटरेस्ट ये लोग कमा ही रहे हैं क्योंकि ये तो सीधे मार्केट में जा रही है तो ये लोन टू मार्केट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अब जो लोन टू मार्केट जाती है वो दो जगहों पर जाती है एक होती है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है नॉर्मली ये 40 परसेंट के आसपास होती है और बाकी जो बचा होता है वो मार्केट के पास जा रही होती है तो मार्केट के पास इस तरीके से पैसे पहुँचे अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर साढ़े चार रुपए निकल गए बैंक के कैश रिजर्व रेशियो में अठारह रुपए मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं पूरा कैश के फॉर्मेट में ही चला गया तो यहां पर अट्ठारह रुपए निकल गए बैंक के तो अल्टीमेटली यहां साढ़े बाईस रुपए तो निकल गए साढ़े बाईस रुपए निकल गए तो जितना बचा उसको लोन के फॉर्मेट में अब बैंक दे देगी लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सारा का सारा पैसा बैंक के पास बैंक जो है वो लोन के फॉर्मेट में दे ही दे अगर उतने ग्राहक नहीं आए तो तो जो बचा हुआ पैसा होता है जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो भी पार्क कर दी जाती है आर को लेकिन यहाँ पर पार्क करने का मतलब एक तरीके से बेच दी जाती है बेच दी जाती है जो बचा हुआ अमाउंट होता है और ये जो बेचा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में नॉर्मली बेचा जाता है कि आर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली जाती है और पैसा दे दिया जाता है और ये एक तरीके से कह लीजिए डे टू तो डे बिजनेस ही होती है डे टू तो डे बिजनेस कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जब भी आपको जरूरत रहे आप बेच सकते हैं खरीद सकते हैं और इस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है कुल मिला आपको ध्यान रखना है कि जो सी आर आर होती है इसी पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है बाकी सारी चीजों पर इंटरेस्ट दिया जाता है अब देखिए एक चीज होती है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट दिस इज मनी मल्टीप्लायर अब जैसे मनी मल्टीप्लायर आई थिंक से आप लोग जानते होंगे लेकिन एक बार जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं मान लेते हैं कि कोई एक एस बी बैंक है इसके पास में मान लेते हैं कि सौ किसी एक बंदे से आए ये बंदा है मान लेते हैं कि इसने सौ रुपए यहां पर जमा किया तो टोटल अगर देखेंगे मार्केट में मैं लिख दे रहा हूं मार्केट में पैसा और यहां पर लिख दे रहा हूं कि पैसा तो एक्चुअल पैसा कितना है 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 अभी अभी जमा किया गया गया इस बंदे के द्वारा ये पहुंच गया SBI में साढ़े चार रुपए निकाल करके रख देगी इसमें से सी के फॉर्मेट में अब इसी में से अठारह रुपए निकाल करके रख देगी मान लेते हैं एस के फॉर्मेट में अब मान लेते हैं कि सी और एस इन दोनों को मिलाकर के बीस रखा गया आ, कैश के फॉर्मेट में और ढाई रुपए रखा गया मान लेते हैं गोल्ड या फिर सॉवरिन बॉन्ड कोई भी आ गया उसके फॉर्मेट में तो बैंक के पास कितना रुपए बचा बैंक के पास बचा अस्सी रुपए ठीक अस्सी रुपए अब ये मान लेते हैं किसी तीसरे बंदे को लोन दे दिया गया ठीक लोन देने के बाद में ये बंदा जाकर के कोई सामान खरीदेगा मान लेते हैं कि ये एल के पास चला गया एल के पास चला गया और वहां से अस्सी रुपए का इसने फ्रिज खरीद लाया फ्रिज खरीद लाया अब फ्रिज खरीदेगा तो एल क्या करेगा ऐसा तो है नहीं कि जो अस्सी रुपए इसको आए हैं वो सब अपने पास रखेगा ऑब्वियसली ये जाकर वापस से एसबीआई के पास में पार्क कर देगा तो मान लेते पूरा पैसा पार्क कर दिया गया यानी एक सौ रुपए हो गया बैंक के पास तो मार्केट में टोटल कितना पैसा हो गया मार्केट में टोटल हो गया एक रुपए प्लस खत्म नहीं सौ रुपए जिस बंदे ने जमा किए हैं इस बंदे ने जो जमा किए हैं ऐसा तो है नहीं कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास तो पैसे हैं बाकी सबने खर्च दिए तो यहां पर हो गया दो सौ यानी कि एक्चुअल पैसा था सौ लेकिन अभी बन गया है उसकी वैल्यू दो यानी मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया टू के आसपास पास ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मनी मल्टीप्लायर को लेकर के बस थोड़ी मोड़ी बातें हैं उसको आपको ध्यान रखना है अब देखिए अभी रिसेंट में कुछ नए टर्म्स भी सामने आए हैं उसको जरा समझते हैं अब जैसे मान लेते हैं सेम यही चीज अगर देख लेते हैं एस है ठीक है एस के पास में कहीं से मान लेते हैं कि किसी से किसी बंदे से या कहीं से भी सौ रुपए आए सौ रुपये आने के बाद में इसने अपना सी आर आर रख दिया मान लेते हैं एस एल आर रख दिया बाकी ये लोन पे अपना पैसा दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ये अपना लोन पे मार्केट को पैसा दिया जा रहा है लेकिन तभी अचानक से मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कह लिया जाए कि मार्केट में सरकार ने कुछ नया नियम डाल दिया तो अब जब मार्केट में नया नियम डाल दिया जाएगा तो लोग जैसे यही है दो हजार रुपए वाला नियम डाल दिया गया कि दो हजार रुपए जिसके जिसके पास भी है वो लोग ले आकर के बैंक के पास जमा कर दें या फिर मान लेते हैं कि एक हजार और पांच सौ जब डीवैल्यूएशन किया गया था तो आप जितना भी पैसा पड़ा हुआ है बैंक के पास आप लोग ले आकर के पार्क कर दीजिए अब बैंक के पास अचानक से क्योंकि टाइम लिमिट होती है तो अचानक से बैंक के पास बहुत सारा कैश आने लग जाएगा बहुत सारा कैश आने लग जाएगा तो बैंक अब क्या करेगी ज्यादा कैश आएगी तो ऑब्वियसली अपने पास तो रखेगी नहीं आरबीआई के पास भी नहीं रख सकती है क्योंकि आरबीआई इससे ज्यादा पैसा तो रखेगी नहीं तो अब क्या करेगा एस अब कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे दे लोन का मतलब क्या है कि आरबीआई कोशिश कर रही है सॉरी एस कोशिश कर रही है कि मार्केट में पैसा डाल दिया जाए मार्केट में जब ज्यादा पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई का कर्व क्या कहता है डिमांड एंड सप्लाई का कर्व कहता है कि अगर आप डिमांड यानी लोगों को भी पैसा ज्यादा बांट देंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डिमांड जनरेटेड इन्फ्लेशन यहां पर आ जाएगी अब डिमांड जनरेटेड इन्फ्लेशन ये इतनी ज्यादा आ जाएगी कि यहां पर मार्केट क्रैश करने का डर रहता है तो मार्केट क्रैश ना हो इसके लिए क्या किया जाए एक तरीका यही है कि ये जो लोन अमाउंट है जो सर, मतलब कि एसबीआई के पास में जो इतना सारा कैश पहुंच रहा है इसको किसी तरीके से आर के द्वारा सक किया जाए आर के द्वारा सक किया जाए yeah, मतलब आर इसको किसी तरीके से खींच ले एक तरीका ये हो सकता है कि रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट होती है इस रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को बढ़ाया जाए लेकिन ये दोनों तो एक तरीके से कही क्वार्टर क्वार्टर में बढ़ती है यानी कि हर तीन तीन महीने पे बढ़ेगी क्वार्टर क्वार्टर में बढ़ेगी लेकिन ये जो प्रॉब्लम हुई है तो टेम्प्ररी हुई है तो एक तरीका इसका ये निकाला गया कि देखो ऐसा है सीआरआर एस एल आर यह हम बढ़ा नहीं सकते रेपो रेट रिवर्स रेपो ये भी नहीं सॉरी रिवर्स रेपो जो रेपो रेट है ये भी नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं अभी इंस्टेंट बेसिस के लिए एक नया टर्म निकाल देते हैं आई सी आर आर यह जो आई सी आर आर है ये इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो होता है जो एक टेम्पररी फॉर्मेट में होती है और जो एक्सेस एक्सेस पैसा आया हुआ है ठीक है ये जो एक्सेस पैसा आया हुआ है इसी को केवल और केवल सक करने के लिए ये ICRR निकाला जाएगा इसकी वैल्यू ऑब्वियसली जो सी है उससे काफी ज्यादा होगी अगर मान लो साढ़े चार परसेंट जो है सी चल रहा है तो हो सकता है सात परसेंट आई रखा जाए अब इससे क्या होगा आई सी आर 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 बी आई के पास पहुंचेगा तो और इस पर इंटरेस्ट देना नहीं होता है तो मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा था वो आपने खींच लिया आर बी आई को एक्स्ट्रा यहां पर मतलब इंटरेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ी मार्केट अपना कोई दिक्कत नहीं है मार्केट अपना स्टेबल बना रहा आरबीआई ऐसा क्यों करेगा क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको मार्केट हमेशा रिजिलियंट बना के रखना है कि स्टेबल मार्केट बना करके रखना है ये तो छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है अब यहां पर जो दो एक टर्म आ गए हैं जैसे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट दिस इज रिवर्स रेपो रेट एक और टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एस डी एफ दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये अलग अलग टर्म्स होते हैं रेपो रेट का मतलब क्या होता है रेपो रेट का मतलब होता है जहां पर दो टर्म है बेसिकली एक यहां पर मान लेते हैं कि बैंक्स है और दूसरे तरफ यहां पर मान लेते हैं कि आर है ठीक अब रेपो रेट का मतलब क्या होता है रेपो रेट का मतलब यह होता है कि जहां पर आर बी पैसे देती है बैंक को यहां पर इन लोगों ने पैसे देना शुरू कर दिया है बैंक्स को और उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये परचेज कर लेते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है आरबीआई मार्केट में पैसा डाल रही है क्योंकि मार्केट में पैसा खत्म हो गया है अब मार्केट क्या चीज होती है मार्केट का मतलब होता है जहां पर आपकी गवर्नमेंट आती है जहां पर आपकी पब्लिक आती है और जहां पर अल्टीमेटली बैंक्स आते हैं ये मेन मार्केट होती है यही है हमारी इंडियन इकोनमी तो आरबीआई क्या चीज है आरबीआई बाहर की बस्ती है आरबीआई बाहर से चीजों को रेगुलेट करती है बाहर से चीजों को देखती है तो जब बाहर से देख रही है कि मार्केट में पैसा नहीं रह गया है तो आरबीआई अल्टीमेटली पैसा को पूल करेगी किसके थ्रू रेपो रेट के थ्रू अब जैसे रेपो रेट का मतलब क्या है बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने पैसे कहां गया ठीक है बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने जो पैसे है वो या तो आ, मतलब आम जनता में लोन पे दे दे या फिर उसके पास एक ऑप्शन होता है कि टेम्पररी बेसिस पर वो आरबीआई को दे दे ये देखिए कहां गया ये ऊपर है एक है कि मार्केट में पैसा दे दे और दूसरा ऑप्शन होता है कि आरबीआई को पैसा दे दे अब कहा देगा बैंक बैंक वहां देगा जहां उसको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा होगा अगर मान लेते हैं कि बैंक आरबीआई को देती है तो इसी को तो रेपो रेट बोलते हैं और यहां पर जो जाती है ये आपका आ, मतलब कह सकते हैं कि ये लोन अमाउंट जा रही है यहां पर तो खैर इंटरेस्ट जो बनता है वो अपना अलग तरीके से बनता है इसके लिए भी अलग एक बेंच वगैरह होती है जो आर निकालती है अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट में अगर पैसा हो गया है ज्यादा ठीक है मार्केट में मान लो पैसा बहुत ज्यादा हो गया है पैसा ज्यादा हो गया है ये जनरल केस में आया है ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोगों ने दो हजार रुपए या पंद्रह सौ वाले पांच सौ एक हजार पांच सौ वाली जो केस हुआ है वो नहीं जनरल टर्म में पैसा मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या किया जाएगा आर क्या करेगा कि यहां पर ये जो रिवर्स रेपो रेट है यानी कि पैसा शक कर लेने की जो बात है वो इसको बढ़ा देगा तो अब जो इंटरेस्ट मार्केट से मिलता बैंक को उससे ज्यादा आपको रिवर्स रेपो रेट से मिल जा रहा है तो अब बैंक क्या करेगी सारा पैसा अपना पार करना शुरू कर देगी आरबीआई को इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट मतलब अगर मान लो यहां पर है बैंक और दूसरी तरफ मान लेते हैं कि आरबीआई है तो बैंक का मतलब कि अगर यहां पर बैंक के पास, पास पैसा कम पड़ गया यहां पर पैसा कम पड़ गया तो आरबीआई पैसा देगी रेपो रेट पर और उसके लिए रेपो रेट ऑब्वियसली कम कर दिया जाएगा और अगर मान लेते हैं कि यही चीज बैंक पैसा ले आरबीआई को बैंक पैसा दे आर को इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, रेपो रेट यानी उल्टा हो गया अब यहां पर दो स्टेटमेंट है मान लेते हैं कि मार्केट में मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है पैसा बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या होगा रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी और अगर मान लेते हैं कि रुपए यानी मार्केट में जो पैसा है कम हो गया है तो क्या होगा जो रेपो रेट है वो घटा दिया जाएगा अब जो रिवर्स रेपो और रेपो रेट होती है ये दोनों खुद आपस में एक परसेंट पर रहते हैं यानी कि नॉर्मली जो रेपो रेट होती है ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिवर्स रेपो रेट ये तरीका होता है तो ये सब बेसिकली जो ऑपरेशन होते हैं इनको बोला जाता है ओ एम ओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन और ये किए जाते हैं आर बी आई के द्वारा अब ये जो चीजें होती है आर बी आई के द्वारा नॉर्मली चलती रहती हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक होती है और हमेशा डे टू डे बिजनेस में इसको देते रहना होता है पी वाई क्यूज में कई सारे इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम लोग पीवाई क्यू डिस्कशन जो हम लोग आज से शुरू भी करने वाले हैं उस पीवाई क्यू डिस्कशन में भी हम लोग इसको देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तो रिवर्स रेपो और रेपो क्या है यह बात समझ में आ गई एमएसएफ क्या चीज होती है एमएसएफ और एस डी एफ जरा समझ लेते हैं ये हो गया आपका एम एस एफ और ये हो गया एस डी एफ समझते हैं जैसे मान लेते हैं ये बैंक है हर बैंक का अपना एक कोटा होता है कि इतने पैसे हमें रखने हैं लेकिन मान लो अजैसे ऐसे ही समझिए नॉर्मल भाषा में पहले समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक जनरल स्टोर है किराना की दुकान है किराने की दुकान में इसको पता है कि मेरे पास सौ कोल्ड ड्रिंक सौ कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक जनरल डिमांड की है लेकिन मान लो अचानक से इस जनरल स्टोर को कहीं से आ, मतलब कहीं से मान लेते हैं कि पार्टी का ऑर्डर आ गया कि मेरे को सौ सौ तो मेरे को ही चाहिए और जनरल तो इसकी है ही यानी सौ प्लस सौ यानी दो सौ की डिमांड आ गई है इस जनरल स्टोर के पास में तो सौ तो यह अरेंज कर रखा है लेकिन अगला सौ किसी दोस्त से या कहीं से भी किसी दुकान वाले से ये मांगेगा तो जो मांगेगा वो इस रेट पे तो मिलेगा नहीं जो इसको नॉर्मल सौ पे मिलता है तो ये क्या करेगा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट भी है मार्जिन कम करके वो यहां पर अल्टीमेटली खरीद लेगा अगर मान लेते सौ कोल्ड ड्रिंक नब्बे रुपए की इसको पड़ रही है अगला ये जो सौ दोस्त से मांग रहा है पंचानवे पे पड़ रही है अल्टीमेटली वो कहेगा करके चीजें खरीदनी होती है, इसी को बोलते है जब रात पैसा की जरूरत आ जाती है या फिर कहिए कि जहां पर आरबीआई से पैसा लेना होता है बैंक को एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ता है ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे लेनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्लियर अब जरा एसडीएफ के बारे में देख लेते हैं एसडीएफ क्या चीज होती है एसडीएफ का मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दिस इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिस तरीके से एमएसएफ होती है जिस तरीके से एमएसएफ होती है जहां पर बैंक रातों रात पैसा आरबीआई से लेता है और उसके बदले में उसके बदले में इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज करती है वैसे ही जब बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं तो इसको बोलते हैं आर को पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं एस अब इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देने की जरूरत नहीं पड़ती है ये दोनों का आपसी मैटर हो जाता है बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेपो रेट है रेपो रेट से रिलेटेड एम होती है और दूसरी जो रिवर्स रेपो रेट होती है इससे रिलेटेड होती है एस डी एफ एम एस एफ ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी जो रिवर्स रेपो है सिमिलरली एस डी एफ जो होती है रिवर्स रेपो से ज्यादा रहेगी Uh, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती है अभी भी हाल में देखेंगे तो आरबीआई ने आई यूज uh, किया है ताकि जो सरप्लस लिक्विडिटी हो रखी है सिस्टम में उसको फेज वाइज मैनर में हम स्टेबल इकोनॉमी की ओर में लेकर के जाएं। इसके लिए आईसीआरआर लॉन्च की गई थी सीआरआर क्या चीज होती है यह हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि जो भी बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं उसे आर किस तरीके से मैनेज करता है इसी को हम लोग बोलते हैं सी जो हमारे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बेसिकली जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं चाहे वो आपका डिमांड डिपॉजिट हो या फिर आपका टाइम डिपॉजिट हो जैसे एफडी हो गई वो एक डिमांड डिपॉजिट हो गई और जो आरडी होती है वो एक टाइम डिपॉजिट होती है ये सब किस तरीके से मैनेज किया जाता है या बैंक में जब चीज़ें पहुँच जाती हैं तो उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ यहाँ पर आप लोगों ने मोस्ट ऑली याद रखा होगा या एन में पढ़ रखा होगा एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर ये मोस्ट ऑली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसमें जो एम थ्री होती है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है एक बार आप लोग इसको रिवाइज़ जरूर कर लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं उन सभी को सी मेंटेन करके रखना होता है अब इस शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से आ जाते हैं चाहे वो पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो यानी चाहे एस बी आई पी एन बी हो या फिर आपका आईसीआईसीआई एक्सिस हो सॉरी एक्सिस टू इज द पब्लिक इसके अलावा कोई फॉरेन बैंक हो या रीजनल रूरल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो सबको ही सी आर आर मेंटेन करके रखना होता है और ये बात आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर में लिखी भी हुई है आई सी आर आर ये टेम्प्ररी पीरियड के लिए लगाया जाता है जब भी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन के कारण से तो आर बी आई अल्टीमेटली सी के ऊपर में आई लगाती है ताकि जो भी पैसा रहेगा वो अल्टीमेटली सक कर लिया जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने ये टेबल तो समझ ही ली है कि नॉर्मली सौ रुपए अगर एनडीटीएल है साढ़े चार परसेंट मान लेते हैं सीआरआर है तो साढ़े चार रुपए अल्टीमेटली जमा हो जाते हैं आरबीआई के पास में जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है वहीं दूसरी ओर अगर मान लेते हैं आईसीआरआर भी लग रहा है सी के ऊपर में तो डेढ़ सौ मान लेते हैं साढ़े चार रुपए लग गए इसके छह दशमलव रुपए लग गए ये लग गए आपके सी के फॉर्मेट में अब इसके ऊपर में पचास रुपए मान लेते हैं कि इंक्रीज हुआ है सौ रुपये तो यहां पर है ही सौ रुपये था ही प्लस पचास हुआ है ना पचास रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो जो पचास रुपए एक्स्ट्रा हुए हैं उसके ऊपर में दस परसेंट आई लगा यानी पांच रुपए लग गए टोटल जमा हुआ है ग्यारह दशमलव सात पांच रुपए ये एक्स्ट्रा ये जो एग्जाम्पल है ज्यादा बेटर क्लैरिटी लेकर के आ रहा होगा अब इस आईसीआरआर का इफेक्ट क्या होता है पहली चीज जो भी लिक्विडिटी ये अभी रिसेंट में हो रखी है या फिर टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हो रखी है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से तो उसको स्टेबल बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है जैसे कि कई तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई जैसे सब्सिडीज़ वगैरह दे दी जाती हैं या फिर कई बार हेलीकॉप्टर होवर कर दिया जाता है हालांकि ये किया नहीं जाता है लेकिन अगर इनकेस किया जाता है तो कई सारे कंट्री में वे वेनेजुएला ग्रीस में किया गया था या फिर मान लेते हैं फॉरेन इन्फ्लो आ गया या फिर जैसे 2000 के नोट अभी रिसेंट में विड्रॉ किए गए थे तो इस तरीके की टेम्प्री जो भी कंडीशंस आती है तो वहां पर ये मैनेज करने में काफी आसान हो जाता है अब इस कारण से जो भी इन्फ्लेशन आएगी उसको रोक लिया जाएगा बैंकिंग रिजिलियंस रहते हैं बैंकिंग रिजिलियंस में जैसे बैंक होने का काफी ज्यादा खतरा रहता है तो बैंक रन इसको बुलाता है बैंक रन का मतलब है जब भी कस्टमर बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा विदड्रॉ कर देता है तो एट द सेम टाइम ओवर फ्यूअर अबाउट बैंक सोलवेंसी तो बैंक की इन सॉल्वेंसी कंडीशन हो सकती है कि बैंक के पास पैसा ना बचे डिक्रीज लेंडिंग तो इट ब्रिंग डाउन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस रिड्यूसिंग द एग्रीगेट डिमांड ऑफ़ द इकॉनमी तो कुल मिलाकर के एक टेम्पररी रिलीफ के तौर पर यहाँ पर चीज़ें दी जाती हैं इसके अलावा एक एस होती है और रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होती है ऑपरेशंस होते हैं जिसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं और डब्ल्यू होती है सब बेसिक्स है हम लोगों ने अभी अभी रिसेंट में डिस्कस किया ही है सरप्लस ऑफ आरबीआई टॉपिक का जरा बेसिक्स के पहले बारे में बात कर लेते हैं अब देखिए आरबीआई जो बनाई गई थी वो एक फेडरल बैंक के फॉर्मेट में बनाई गई थी 1935 में और ये बनाई गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत यहाँ पर बाद में हालांकि में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था तो आर एक्ट के सेक्शन फोर्टी में लिखा हुआ है कि जो भी पैसा आर के पास एक्स्ट्रा आएगा वो अल्टीमेटली सेंटर को यानी यूनियन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा लेकिन सारा पैसा कर दिया जाएगा नहीं सारा पैसा नहीं किया जाएगा क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि आरबीआई का, का काम होता है इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट करना हम लोगों ने बात किया हुआ है कि इंडियन इकॉनमी का मतलब क्या चीज होती है इंडियन इकॉनॉमी का मतलब होता है जो आपकी मार्केट होती है इस मार्केट में गवर्नमेंट आती है बैंक आती है और आम पब्लिक आती है आम जनता आती है तो इंडियन पब्लिक को यहां पर आरबीआई अल्टीमेटली रेगुलेट कर रहा है अगर मान लेते हैं सारा पैसा आरबीआई सेंटर को गवर्नमेंट को यानी पार कर दिया तो कल को अगर कोई अनस्टेबिलिटी आती है तो फिर कैसे देखेगा तो इसके लिए आरबीआई ने बोला कि कुछ पैसा हम अपने पास रखेंगे एक तरीके से कह लीजिए कि हम उसको रिजर्व में रखेंगे लेकिन कितना रखेंगे तो कितना रखेंगे इसके लिए पहले कमिटीज बनाई गई जो ये रिकमेंड करेंगी कि कि कितना पैसा रखना है तो कमेटी अलग अलग बनाई गई थी जैसे 1997 में वी सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई थी फिर 19 सॉरी फिर 2004 में एक कमेटी बनाई गई थी उषा थोराट कमेटी फिर अल्टीमेटली 2004 के बाद 2013 में कमेटी बनाई गई थी मालेगांव कमेटी और लास्ट में अभी रिसेंट की 2018 की कमेटी है जो है बीमल जालान कमेटी इस बीमल जालान कमेटी ने अल्टीमेटली ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें सेंटर को दे देना चाहिए दो तरीके के पैसे मतलब दो तरीके के अकाउंट बताए गए आर को जो अपने पास रिजर्व करके रखना है एक है जिसको बोलते हैं रियलाइज्ड इक्विटी दिस इज रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरी बोली गई इकोनॉमिक कैपिटल दिस इज इकोनॉमिक कैपिटल बस आपको नाम नाम ध्यान रखना है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं है लेकिन हाँ जानने की जरूरत भी है जो हमारा रियलाइज्ड इक्विटी होती है ये साढ़े पांच से लेकर के छह परसेंट ऑफ बैलेंस शीट ये आपको अपने पास रखनी है मतलब टोटल पैसा का साढ़े मतलब साढ़े पांच से छह परसेंट तक रखना है इन अ रियलाइज्ड इक्विटी और बाकी बीस से साढ़े चौबीस परसेंट तक का अमाउंट आपको रखना है इकोनॉमिक कैपिटल के नाम पर कि कल को अगर किसी तरीके का दिक्कत होता है तो फिर फाइनली इस पैसे से सब चीजों को देखा जा सके कहने का मतलब अगर देखेंगे तो रफली थर्टी परसेंट के आसपास का पैसा आरबीआई अपने पास रखती है बाकी सत्तर परसेंट जो पैसा है वो आरबीआई सेंटर को दे देती है हालांकि बीच में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उर्जित पटेल जब आरबीआई गवर्नर थे तो बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था लेकिन खैर कुल मिलाकर के कहानी जो है वो यही है सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई आर के पास में जब जितना भी पैसा होता है तो अभी रिसेंट में दिखाया गया है कि दो हज़ार में हमें दो हज़ार से एक का जंप हमें देखने को मिल रहा है दो हज़ार में जब भी आर ने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो ये ग्राफ से आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि 2011-12 के दौरान में जो पैसा दिया गया था 2010-11 में वो पंद्रह हज़ार नौ करोड़ के आसपास में दिया गया था नॉर्मली ये जो पैसा है दो तीन जो कर्व है वो है कि कभी भी ये स्टेबल नहीं रहा है दूसरी चीज़ यहां पर मैं लिखते आ रहा हूं कभी भी ये स्टेबल नहीं रहा है तो स्टेबल नहीं है दूसरी चीज स्टीपनेस नहीं है तीसरी चीज कि यहां पर हमें अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल रहे हैं सबसे बड़ा जो पीक हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 2018-19 के आसपास देखने को मिल रहा है क्यों क्योंकि यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है बिमल जालान कमेटी और इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सेंटर को हमें दे देना चाहिए दो अमाउंट निकाल करके जिसको कि अभी हम लोगों ने बेसिक्स में बात ही किया है और अभी 2020-21 में फिर हमारा ये जो अमाउंट था निन्यानवे हजार था अभी ये एक परसेंट जंप ले लिया है और हमारा काफी ऊपर चला गया है ये भी आप यहां पर देख सकते हैं तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आरबीआई को इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है और ये बात सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिखी भी हुई है टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी हमारा आरबीआई का होता है वो काफी कम होता है नेट टोटल इनकम और अलग अलग सरप्लस लेने देने के बाद भी आर एक मेजर चंक ऑफ देयर सरप्लस कंटीजेंसी फंड में अपने पास बना के रखता है और असल डेवलपमेंट फंड में भी बना करके रखता है बाकी इसके अलावा कितना पैसा रखना है क्या रखना है ये रिकमेंडेशन दी गई थी मालेगांव कमेटी के द्वारा और अभी रिसेंट में दी गई है जो बिमल जालान कमेटी जो कि 2018 में बनाई गई थी आगे अगर देखें तो नेक्स्ट आती है हमारी लीबोर को लेकर के अब जरा इस टर्म को और इस पूरे मसले को जरा समझते हैं कि आखिर में पूरा मैटर क्या है ठीक है जब भी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करना होता है तो इंटरेस्ट चार्ज में हम लोग लिख देते हैं छह परसेंट लेकिन छह परसेंट ये रेट डिसाइड कैसे हुआ किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को देखा अब यहां पर थोड़ा सा समझने की बात है जैसे मान लेते हैं कि हमारी ये इंडियन इकोनॉमी है हम इंडियन इकॉनमी पहले हम लोगों ने इसको कैद करके रखा हुआ था लेकिन 1991 में हम लोगों ने इसमें रिफ़ॉर्म किया और ये रिफ़ॉर्म हो गया एल रिफ़ॉर्म एल रिफॉर्म होने के बाद हमारी इकॉनमी एक ओपन इकॉनमी बन गई ओपन इकॉनमी बनने का मतलब है कि हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी में तब्दील हो गए ग्लोबलाइज इकॉनमी में तब्दील होने का फ़ायदा तो बहुत हुआ लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें अब हमें देखनी पड़ती हैं जैसे फॉरेन मार्केट किस तरीके से चल रही है तो फॉरेन मार्केट हमें देखना होता है प्लस ऑयल क्या प्राइस चल रही है तो ऑयल की प्राइजेस को देखना पड़ता है प्लस कहीं पर वॉर या किसी तरीके की मान लेते हैं कि कोई डिज़ास्टर तो नहीं आई है ये भी हमें देखना पड़ता है प्लस साथ, साथ में जो फॉरेन के फेडरल बैंक्स हैं इन फेडरल बैंक्स को भी हमें देखना पड़ता है प्लस साथ ही साथ में हमें देखना होता है कि जो बाहर के जो भी इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह चल रहे हैं फेडरल बैंक के द्वारा इन फेडरल इन सब चीज़ों को भी देखना होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो यहां पर देखनी होती हैं तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तब अल्टीमेटली यहां पर छः परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाता है कारण क्यों क्योंकि यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो अल्टीमेटली पैसा लगा रहे होते हैं और इनको बैंकिंग भी करनी होती है तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यह बोला गया कि जो सबसे पुराना है नॉर्मली ऐसा बोला गया कि जो सबसे पुराना बैंक है हम एक काम करते हैं उसी के उसी को एक रेफरेंस मान लेते हैं या उसी को एक बेंचमार्क मान लेते हैं और इसी बेंचमार्क के बेसिस पर वी विल डिसाइड द इंटरेस्ट और उसके लिए जो यूके का लंदन बैंक है या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लीबोर जिसको बोला जाता है दिस इज लीबोर जिसको बोला जाता है लंदर इंटर बैंक ऑफर रेट जिसको बोला जाता है इसके थ्रू अल्टीमेटली हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लेकिन केवल और केवल ऐसा नहीं है कि यही होता है लिबोर होती है बहुत सारे और भी हमें यहां पर आ, मतलब टर्म्स देखने को मिलती है जिसके बेसिस पर बेंचमार्क देखने को मिलती है जिसके बेसिस पर हम लोग इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं जैसे अगर हम लोग इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया में चलता है एम एम आई एफ ओ आर एम एम आई एफ ओ आर का मतलब मोडिफाइड मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं इंपॉर्टेंट भी नहीं है बस आपको एक बार सुन लीजिए मोडिफाइड मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउट रेट सिमिलरली इसी तरीके से यूएसए में चलती है सोफर यूएसए में चलती है सोफर सोफर का मतलब है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट इसी तरीके से यूके में एक और चलती है जिसका नाम है सोनिया सोनिया का मतलब है स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज स्विस में चलती है इसी तरीके से स्विट्जरलैंड में स्विस में चलती है क्या चलती है Saron. Saron का मतलब है स्विस एवरेज आउट रेट इंटर मतलब जो भी ओवरनाइट है इसके अलावा यूरोप में इसी तरीके से चलती है यूरोप में चलती है ई यू आर आई बी ओ आर यूरिबोर यूरिबोर का मतलब यूरो इंटरबैंक ऑफर रेट सिमिलरली चाइना में चलती है चाइना में जो चलती है उसका नाम है शिबोर शिबोर का मतलब हो गया शिबोर का मतलब हो गया शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट जापान में इसी तरीके से चलती है जापान में चलती है टीबोर नाम है इसका टीबोर का मतलब हो गया कि यहाँ पर टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास में वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के बेंचमार्क पड़े हुए हैं और ये बेंचमार्क अल्टीमेटली यहां पर अपना अपना इंटरेस्ट रेट निकालते हैं किसी एक को पकड़ करके हम अपना रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं सवाल ये उठता है कि लिबोर को आखिर में हम लोग डिसकंटिन्यू क्यों कर रहे हैं लिबोर को डिसकंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिबोर की जो खुद की कैलकुलेशन है क्योंकि यहाँ पर इनको खुद की भी जो कैलकुलेशन करनी चाहिए वो किसी डेटा ओरिएंटेड पे करनी चाहिए डेटा को देख के करनी चाहिए लेकिन ये सर्वे के बेसिस पर किया जाता था और जो सर्वे होता है वो नॉट साइंटिफिक या नॉट मैथमेटिकल बोल सकते हैं हम इसको और इस वजह से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सारे जो बैंक्स हैं वो सभी धीरे धीरे करके इसको हटाना शुरू कर दिए वो ये कहे कि हम लोग मतलब इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं लिबोर इनफैक्ट दो तक अगर बात किया जाए तो जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं जैसे पाउंड हो गया या यूरो हो गया या स्विस फ्रैंक हो गया या फिर जैपनीज येन हो गया या यूएस डॉलर हो गए इन सब ने धीरे धीरे करके जो लिबोर है उसको हटा दिया फिर उसके बाद से अभी रिसेंट में 2023 में यूएस ने पूरी तरीके से इसको हटा दिया यूएस की जो आ, मतलब डॉलर है लिबोर हैज़ स्टॉप कंप्लीटली तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला कि जब सबने हटा दिया है तो हम लोग क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं वी विल ऑल्सो स्टॉप दिस हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे तो अब हम लिबोर को एंड कर चुके हैं तो लिबोर को हमने जब एंड कर दिया तो हमने किसको लिया कोई तो होना चाहिए ना जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों ने लिबोर और मीफोर को खत्म कर दिया है तो लिबोर हो गया जो लंदन का हो गया इंटर बैंक ऑपरेशन और दूसरा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एम आई एफ ओ आर मुंबई इंटर जो इंटर बैंक है फॉरवर्ड ऑफर रेट जो होती है इन दोनों को हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर, कर दिया है खत्म कर दिया है तो लाए किसको है हम लोग लाए हैं मिबोर को हम लोगों ने लाया है मिबोर को और हम लोगों ने लाया है मोडिफाइड एम आई एफ ओ आर को तो ये दोनों आपको टर्म ध्यान रखनी है साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि जो यूएस की एसओ एफ आर है इसको भी हम लोग बेंच मार्क के तौर पर हम लोग ले सकते हैं तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ये दो पॉइंट्स है मेनली ज्यादा और इनफेक्ट एसओ एफ आर ये मोस्ट एक्यूरेट भी मानी जा रही है तो हो सकता है नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस हम लोग हो सकता है इसको फिर देख लेंगे तो इसके बेसिक समझने के बाद में अभी आप लोगों ने देख लिया कि जो आर है इसने अभी बैंक्स को अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भी बैंक्स हैं वो लोग अब लिबोर को हटा दें लिबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को हटा दें ट्रांजिट कर जाएं यहां से और ये लोग अब जो हमारा दूसरा टर्म है जिसको हम लोग एम बोल रहे हैं या फिर जिसको हम लोग बोल रहे हैं मीबोर अब इसकी ओर में हम लोग ट्रांसफर कर जाएं तो लिबोर एंड जो मीफोर है ये फेज आउट हो गया है मीफोर एक डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है अब ये जो फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड है ये क्या चीज़ है ज़रा इसको समझ लेते हैं और फिर आते हैं अपने ऊपर में डिस्कशन करने के जो बारे में है देखिए फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर 2014 में इस्टाब्लिश की गई थी कंपनी एक्ट दो के अंतर्गत ये अगर देखें तो ये जो है आर एक्ट के द्वारा रेगुलेट की जाती है इसकी पूरी कहानी को समझ लेते हैं कि क्या कहानी है 2013 में हुआ ये कि ये कहा गया कि यार एक बात बताओ कि जो भी हमारे पास में ये सब बेंचमार्क वगैरह बनाने हैं उसके लिए कोई बॉडी नहीं है तो क्या हम कोई बॉडी बना सकते हैं तो इसके लिए विजय भास्कर एक कमेटी बनाई गई दिस इज विजय भास्कर कमेटी बनाई गई विजय भास्कर कमेटी ने अल्टीमेटली रिकमेंड किया कि हमें इस तरीके की एक फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना देना चाहिए लेकिन अल्टीमेटली ये कहा गया कि बनाएंगे तो इसमें मतलब बनाएगा कौन इसके बनाने के लिए अल्टीमेटली दो बॉडीज आई फिमडा और फेडा फिमडा का मतलब है जो फिक्सड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और दूसरा है फॉरन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर के 2014 में फाइनली यहां पर ये जो हमारा फाइनेंशियल बेंच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये बना दिया बाद में एफ यानी यही जो फाइनेंशियल बेंच इंडिया लिमिटेड है इसने तीन बॉडी को ले आया एक तो जो फिम्डा है दिस इज फिमडा फिम्डा के अलावा एक बॉडी आ गई फेडा और तीसरी एक और बॉडी आ गई जिसका नाम है आई इंटर बैंक जो एसोसिएशन होते हैं तो मेन ये इस तरीके से हमारी ये जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये फ्रेम में आई इनका मेन काम क्या होता है इनका मेन काम होता है तीन चीज़ें जो भी डेटाज़ वगैरह हैं उनको ये कलेक्ट करते हैं जो फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं जैसे आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह हो गया इसको ये कैलकुलेट करते हैं प्लस साथ में कैलकुलेशन की जाती है अलग अलग मेथडोलॉजीज़ पे और बाकी जो भी यहाँ पर बेंच मार्क्स है उसको लेकर के ये अपना रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं बताते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है अब ये हमारे पास में जो सिग्निफिकेंट बेंच मार्क्स है ये सिग्निफिकेंट बेंच मार्क्स जैसे कि एम एम आई एफ ओ आर ये इसी के द्वारा रिकमेंड की गई है या जो मीबोर होती है जो हमारी ओवर मुंबई इंटरबैंक आउटरेट रेट रेट है ये भी इसी ने बता रखी है तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके बेसिक्स को जरा आप लोग ध्यान रखिएगा खाली बाकी आई डोंट थिंक इस पर कोई खास ऐसा डिटेल में सवाल बनने की चांसेस है वापस से आते हैं तो अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने भी है इन लोगों ने बोला है कि अब हम लोग लिबोर मिबोर को नहीं यूज़ करेंगे अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो हमारा यू डॉलर है मतलब कि जैसे जो हम लोग सोफर है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं बाकी लिबोर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लिबोर जो थे वो बैंक को ट्रांजैक्ट करने के लिए अपना एक बेंचमार्क प्रोवाइड करते थे ये बेंचमार्क वैल्यूज़ इंडेक्स इन सब फॉर्मेट में होते थे इनको रेगुलेट करने के लिए यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी होती है जो इसको देखती तो ये सब चीज़ें हैं बाकी आई डोंट थिंक इस पर कोई खास सवाल होने वाले हैं अब यहाँ पर इंडिया को बेनिफिट क्या होने वाला है यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है इससे फायदा यह होगा कि जो भी हमारी फाइनेंशियल कॉस्टिंग है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा और एक नया रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इकॉनमी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि जब हमारी बेंचमार्क अच्छी रहेगी तो हमारी इकोनॉमी भी उसी तरीके से हमारी पुश होने के चांसेस होते हैं जो भी बोरोइंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं वो भी सब लोअर होने के चांसेज होते हैं कॉम्पिटिशन और अच्छा हो जाएगा इकॉनमी और बढ़िया हो जाएगी लिबोर के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं हम लोगों ने बात कर ही लिया जैसे सोफर हो गया यूरोपियन यूनियन का यूरिबोर हो गया या जापान का टीबोर हो गया शीबोर हो गया चाइना का इंडिया का जैसे एम एम है तो हमारे पास में दो चीज़ें होती है अल्टरनेट रेफरेंस रेट आर ने अपना एक सिस्टम ऑफ अल्टरनेट रेफरेंस रेट बना करके रखा हुआ है जो कि अलग अलग करेंसीज़ को लेकर के अब अल्टीमेटली अपना रेफरेंस बनाया जाता है आर ने मोडिफाइड एम आई एम भी बना रखा है जो कि ये जो हमारा फाइनेंशियल बेंच मार्क इंडिया लिमिटेड है इसके द्वारा भी बना करके रखा गया है एक फॉल बैक क्लॉज भी बनाया गया आपसे एग्जाम में पूछा सकता है फॉल बैक क्लॉज वॉज रिसेंटली न्यूज ये किससे रिलेटेड है तो आप बता दीजिएगा कि ये रिलेटेड है हमारा आर का जो एक फाइनेंशियल बेंच बनाई जाती है उससे रिलेटेड है ठीक है तो इसमें बारे में बस ये बताया गया है कि इनको भी आ, मतलब एक एग्जिट क्लॉज या फिर बोल सकते हैं कि इसको भी अपना फॉलबैक क्लॉज बना करके रखना है जो कि नई करेंसी को या जो नया बेंच मार्क है इसको एडॉप्ट कर सक्रॉ बॉर्डर पेमेंट सिस्टम अभी आर ने बी के साथ में बी यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनके साथ में जी की ही एक टेक स्प्रिंट 2023 में जो भी इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसको प्रमोशन को मतलब उसकी प्रमोशन किया है अब अगर देखा जाए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब क्या चीज़ होती है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी एक कंट्री में कोई एक बैंक है और दूसरे कंट्री में पैसा उनको भेजना है तो ये जो भी पैसे का ट्रांजेक्शन होगा चाहे बैंक बैंक या फिर पब्लिक पब्लिक इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अब जैसे मान लेते हैं नॉर्मली इंडिया से कई सारे लोग होते हैं जो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं जैसे मान लेते हैं कि कोई यूएस में गया अब यहाँ से पैसा इनको ट्रांसफर करना है तो पैसा ट्रांसफ़र कैसे होगा कई तरीके होते हैं जैसे एक होता है जो स्विफ्ट के फॉर्मेट में होती है स्विफ्ट किस तरीके से काम करती है जैसे मान लेते हैं कि आपका ये इंडिया है इंडिया में अल्टीमेटली आप किसी बैंक में जाएंगे मान लेते हैं कि आपने पीएनबी में आप पीएनबी में गए ठीक है अब आप पता करेंगे क्या यूएस के किसी बैंक का इंडिया के बैंक के साथ में कोई टाई अप है नॉर्मली आपको कोई ना कोई बैंक के साथ में टाईप देखने को मिली जाता है इनकेस अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पी को आप कहेंगे कि मुझे दस लाख रुपये या इतने लाख रुपये मुझे स्विफ्ट करना है तो आपसे कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है आप एक काम करिए स्विफ्ट नंबर मांगिए और जो भी उस बैंक का अकाउंट नंबर है नंबर है ये सारी चीज़ें डिटेल आप दीजिए मैं इसको स्विफ्ट कर दूंगा स्विफ्ट में होता क्या है कि एक बीच में करेस्पॉन्डिंग बैंक होती है स्विफ्ट एक कंपनी के तौर पे होती है जैसे अगर आप देखेंगे वीजा कार्ड होता है ऐसे तो डेबिट कार्ड होता है लेकिन वीजा एक कंपनी है जो कि ये कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सेम वैसे ही एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विफ्ट करने के लिए बीच में कंपनी होती है जो स्विफ्ट का काम करती है तो ये स्विफ्ट का अपना चार्ज काटती है जैसे दस हजार रुपए पर मान लेते हैं कि पचास रुपए तो से ये अपनी कंपनी काम करती है तो स्विफ्ट का क्या फंडा है क्लियर दूसरी होती है जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के थ्रू होती है जैसे आप लोगों ने सुना होगा वेस्टर्न बैंक यूनियन का नाम अब ये जो वेस्टर्न बैंक यूनियन होती है सेम ऐसे ही थर्ड पार्टी के तरीके से काम करती है और जो भी एक्सचेंज रेट होती है उस एक्सचेंज रेट पर अल्टीमेटली पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके अलावा जो भी डिजिटल वॉलेट्स वगैरह होते हैं जैसे कि पेपाल हो गया या जी हो गया या बाकी क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन होती है क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजेक्शन्स वगैरह ले ली जाती है तो ये सब तरीके होते हैं जो क्रॉस बॉर्डर के पेमेंट के तरीके होते हैं जैसे अगर मान लेते हैं आपने डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन किया तो डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन तो हो जाती है लेकिन फिर वही है चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं दो सौ से तीन सौ तक कई बार एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा वो भी अगर आप छोटे कंट्री में बड़ी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ दो तीन हज़ार भी कई बार लग जाते हैं तो यहां पर यही है कहा यह गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मार्केट वैल्यू है वो आने वाले टाइम में दो ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है दो तक बस आपको नंबर थोड़ा ध्यान रखना है कि काफी भारी भरकम सा नंबर है अब क्रॉस बॉर्डर के कई सारे अपने आप में इंपॉर्टेंस हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन अब आज की डेट में सारे वर्ल्ड ग्लोबल ग्लोबली कनेक्टेड है सबको ट्रेड करना है तो ऑटोमेटिकली एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की तरीका या एक हसल फ्री तरीका होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया या फिर रेमिटांस को ईज करने के लिए अब जैसे ध्यान रखना है इंडिया का 2016 से जो रेमिटांस है वो 8 परसेंट सी के थ्रू बढ़ रहा है फिर है जो भी आपके ट्रैवल और टूरिज्म फैसिलिटी है वो भी इन्हेंस करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और अच्छे तरीके से इनहेंस करता है इंडिया ने दो में जो एफ डी इन्फ्लो है वो कुछ सेवेंटी बिलियन यू डॉलर यहाँ गेन किया है ये जो दो नंबर है ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को और बढ़िया करने के लिए इंडिया ने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं जैसे कि आर पेमेंट विजन ट्वेंटी ट्वेंटी ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को ईज आउट करने के लिए ये एक कदम चलाया गया है इसके अलावा जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसने भी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एक बना रखा है जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए यूपीआई में इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट करके रखा है अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर यूएई ई मॉरिशस नेपाल भूटान इन सभी कंट्रीज ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है आरबीआई ने इनफैक्ट जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं या जो एनआरआईज हैं जो इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं उन लोगों को भी यूपीआई एक्सेस दे दिया है यानी कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए अल्टीमेटली यूपीआई कनेक्ट कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल में इंडिया और यूएई के बीच में एक एमओयू हुआ है और एमओयू से सीबीडीसी यानी कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में अब हम लोग यूज कर सकेंगे इंफॉर्मेशन तो ये, ये जो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है सेबी का अगला आर्टिकल है सेबी के कुछ बेसिक्स है जो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं सेबी के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में लेकिन इसकी जो स्टैटूटरी बैकिंग थी वो की गई थी सेबी एक्ट 1992 के तहत और अल्टीमेटली फिर तब से सेबी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सबको रेगुलेट करता है सेबी के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं चेयरपर्सन के अलावा यहाँ पर एक आर का मेंबर होता है प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री से दो लोग आते हैं और साथ ही साथ में पांच और अलग मेंबर भी होते हैं तो हालांकि इतना जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट जानने के लिए कि चेयरपर्सन और एक आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग होते हैं ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एक चीज और ये सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो यहां पर ना तो पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है सेबी के बारे में अगर देखें तो सेबी क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है प्लस लेजिस्लेटिव के अलावा ये क्वासी एग्जीक्यूटिव और साथ ही साथ में क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है यानी कि समन वगैरह भेजने का भी काम सेबी कर सकती है अगर किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ी पाया जाता है तो अब ये जो सेबी है ये बेसिकली सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट एक नया लाया गया है दिस इज सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ये जो एक्ट है ये 2014 का है और यहां पर यह बात बोली गई है कि, कि किसी भी तरीके का फंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक एक्सचेंज अगर ये हंड्रेड करोड़ से ऊपर का है तो फिर से भी इसको रेगुलेट कर सकती है अब एक्चुअल में पूरी कहानी क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आसानी रहेगी आप लोगों को समझने के लिए जैसे मान लेते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर जो एन है यानी कि न्यूडेली जो एन एक्सचेंज है बी और एन में कई सारी कंपनीज लिस्टेड होती है जितनी भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को रजिस्टर कराती है है वो सभी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट लिस्ट करा सकती है। कराने के बाद इनके स्टॉक्स अल्टीमेटली मार्केट में चले जाते हैं और फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कि यहां पर अब शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है अब ये तो हो गई शेयर ट्रेडिंग जहां पर सेबी अल्टीमेटली सारी चीजों को रेगुलेट कर रही है अब यहां पर कुछ लोगों ने एक नया तरीका निकाला नया तरीका हेराफेरी का तो हेराफेरी में यहां पर किया यह गया कि अगर मान लेते हैं कि मुझे सौ करोड़ की जरूरत है तो मैंने लोगों से कहा कि देखो भाई मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूं और मैं बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने जा रहा हूं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग अगर, अगर अभी पैसे दोगे तो कल को मैं पैसे भी दूंगा और साथ ही साथ में आप लोगों को यहां पर नौकरी भी दूंगा और घर भी दे दूंगा चलो ठीक है घर भी यहां पर दे दूंगा मान लेते हैं कई सारे लोग इस तरीके के झांसे में फंस जाते हैं इंक्लूडिंग जैसे कि सहारा की स्कीम तो ये सब इस तरीके से लोग जो झांसे में पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली सभी लोग एक एक हजार करके भी अगर पैसा देते हैं एक एक लाख करके पैसा देते हैं तो यहां पर इनके पास में सौ करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं सौ करोड़ इकट्ठे होने के बाद में ये आदमी फिर गायब हो जाता है कोई कोई ना कोई फ्लाइट पकड़ के विदेश भाग जाएगा इस तरीके की स्कीम को बोला जाता है पौजी स्कीम्स ये सभी पौजी स्कीम्स होती है जहां पर पूलिंग ऑफ मनी किया जाता है तो ये जो पूलिंग ऑफ मनी है कायदे से ये किसी के अंतर्गत नहीं आती थी बाद में हालांकि इसको रेगुलेट किया गया इसके लिए एक चिट फंड एक्ट बनाया गया तो कई सारे रेगुलेशंस बाद में लाए गए लेकिन उससे पहले ये सारी धांधली हो चुकी थी तो इस चीज़ को सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइन ट्वेंटी फोर्टीन के तहत ये बोला गया कि सेबी इस चीज़ को रेगुलेट करेगी अब रिसेंट में एक नया मैटर आया है पहले जरा समझ लेते हैं फिर उसके बाद से मैटर को जरा समझते हैं आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहां पर अल्टीमेटली आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं अब जैसे तमाम आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देख रखा होगा जैसे कि फाइव पैसा का आप लोगों ने देख रखा होगा या फिर ग्रो ऐप आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रही है इसी तरीके से एक बिनोमो करके ऐप है तो कई तरीके की ऐप्स है जीरोधा हो गई जीरोधा सबसे पुरानी सबसे फेमस है तो ये सभी जो ऐप्स होती है ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसपे आप अपनी शेयर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं अब ये सारी जितनी भी चलती है ये तो ऐप्स के फॉर्मेट में चलती है तो ऐप्स तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर है तो हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर भी कई बार फेस कर ले जीरो में नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है कई बार टेक्निकल फेलियर हो जाती है अब अगर मान लेते हैं कि आपने कोई एक स्टॉक खरीद रखा है या बोल दिया है कि मुझे खरीदना है यानी कि आपने इसकी ओपन बिडिंग कर रखी है या फिर मान लेते हैं कि यहां पर आपने ट्रेड कर लिया है अब मान लेते हैं कि आपको ये दोनों ही चीजें क्लोज करनी है मतलब आपको कैंसिल करना है अब आपकी ऐप तो काम कर नहीं रही है और अगर आपकी ऐप काम नहीं कर रही है तो आपको यहां से बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है तो क्या किया जाए इस सिचुएशन को संभालने के लिए ही एक नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसको बोला जा रहा है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस इसके थ्रू इस इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस के थ्रू जो भी ये फेलियर आ रही है आप डायरेक्टली जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वहां से आप जो भी अपना आइटम क्लोज करना चाहते हैं उसको आप क्लोज कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म हालांकि इन प्लेटफॉर्म को किसी भी परचेज करने के लिए कोई भी अगर आप शेयर परचेज करना चाहते हैं उसके लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है लेकिन अगर आप किसी बिड को क्लोज करना चाहते हैं यानी कि कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो आपको इस ब्रोकर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस दे दिया जाएगा बस आपको यह ध्यान रखना है यहां इस पोर्टल से आप परचेज नहीं कर सकते हैं केवल आप सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं या फिर जो ओपन बिडिंग कर रखे हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हैं ये जो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन है ऑब्वियसली ये सेबी के द्वारा ही लॉन्च की गई है लेकिन इसको बनाने का काम जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है इन सब ने स्टॉक एक्सचेंज ने किया है तो बेसिकली हमारे यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंज है एक है बी और दूसरी है एन इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली अपनी पोजीशन को कैंसिल कर सकेंगे इसका जो मेन काम है कि जो भी टेक्निकल फेलियर आती है इस टेक्निकल फेलियर से जो आम इन्वेस्टर है जो पब्लिक है उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं उसी के बारे में यहां पर चीजें बताई गई हैं अब देखिए सेबी ने आई आर आर ए प्लेटफॉर्म यूज किया है प्लेटफॉर्म जो कि रिस्क रिडक्शन को लेकर के है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है सेबी की जो फंक्शनैलिटीज है वो यही है कि जो भी इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है साथ ही साथ में जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करता है जो भी इन ट्रेडिंग करती है उसको प्रोहिबिट करता है प्लस जो भी ट्रांसफर एजेंट्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं उनको भी रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है बाकी इसके अलावा एजुकेशन और ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो तो चलते ही रहते हैं सेबी के पावर्स अगर देखें तो सेबी एक कोसी लेजिस्लेटिव और कोसी जुडिशियल बॉडी है यानी ये अपने कुछ रेगुलेशंस बना सकती है इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है या फिर समन नोटिस वगैरह भी भेज सकती है इसका जो मेन काम होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करने का होता है अब जो भी मनी पुलिंग सौ करोड़ से ऊपर की होती है उसको ये रेगुलेट करते हैं इनफैक्ट इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया है जो भी इंफॉर्मेशन जैसे मान लेते हैं डेटा रिकॉर्ड हो गया या किसी पर्सन को संबंध करना है तो वो सब भी चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए की जा सकती है इट कैन ऑल्सो रेगुलेट एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड कैन इशू डायरेक्शन अगला जो आर्टिकल है वो आईपीओ को लेकर के है अब देखिए एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जोमैटो ही मान लेते हैं जैसे है अब ये जोमैटो पहले अपना काम कर रही थी फिर उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी इसने क्या किया शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट किया तो शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद में कुछ लिस्टिंग फी वगैरह होती है वो दे दिया और पहली बार फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ जोमैटो इन्होंने अपना शेयर लॉन्च किया इन्वेस्टमेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम लॉन्च होती है इसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ अब जैसे मान लेते हैं इन्होंने कहा कि मुझे पचास करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए इन्होंने आईपीओ लॉन्च कर दिया अब आईपीओ लॉन्च करने के बाद में इसकी असेट वैल्यू तमाम चीजें देखने के बाद में तब जा करके इसके शेयर के जो आई प्राइस होती है वो डिसाइड होती है आईपीओ प्राइस डिसाइड होना और आई पी ओ प्राइज लिस्ट होना दो अलग अलग बातें होती है कई बार जो भी प्राइस डिसाइड हुई है उससे काफी बढ़ करके लिस्ट होती है जैसे जोमेटो का हुआ था और कई बार गिर करके भी होती है जैसे पेटीएम का हुआ था तो ये सारी चीज़ें मार्केट पर ही डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड कर जाती है अब जोमैटो ने पहला आईपीओ तो लॉन्च कर दिया अब पहलाटो को लग रहा है कि यार चलो ठीक है पचास करोड़ मैंने रेस कर दिए थे मुझे फिर से पचास करोड़ रेस करने हैं तो इसके लिए फिर से ये अपना शेयर नया मार्केट में डालेंगे तो अब इसको बुलाता है एफ इसको बुलाता है फॉलो ऑन जो भी इसका पब्लिक ऑफरिंग है तो अब आईपीओ जो परचेस कर लेगा वो अब आपस में इस आईपीओ को परचेज करने लगेगा जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर की ट्रेडिंग करना अब ये शेयर ट्रेडिंग कहलाता है पहले आईपीओ परचेज फिर शेयर ट्रेडिंग फर्दर अगर मान लेते हैं कुछ और भी आपको पब्लिक ऑफरिंग डालनी है तो इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग हाल फिलहाल में हुआ यह है कि पहले छह दिन में लिस्टिंग होती थी अब उसको कम करके तीन दिन में कर दिया गया है तो ये कुछ खास है नहीं बस इसका जो बेसिक आइडिया है वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक आइडिया क्या है बी आर एस आर कोर फ्रेमवर्क ये बेसिकली जो ई फ्रेमवर्क है इसके बारे में है तो पहले जरा ई फ्रेमवर्क के बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे के पूरे करंट अफेयर में है क्या चीज ई एस जी रिपोर्टिंग अब ये ई एस जी रिपोर्टिंग का मतलब क्या चीज होता है ई e का मतलब होता है यहां पर इनवायरमेंट इन्वायरमेंट एस का मतलब है सोशल और जी का मतलब है गवर्नेंस इसका मतलब क्या चीज़ है अब देखिएगा समझते हैं जरा इसको कई बार हम लोग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के नाम से भी मतलब फेमस है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या चीज़ है पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद से न्यूज़ आप लोगों को आराम से समझ में आई जाएगी क्या मैटर हुआ है अब देखिए होता क्या है जैसे जो भी कंपनी वगैरह होती है अगर ये कंपनी कोई भी डेवलपमेंट का काम करती है तो डेवलपमेंट का काम करने में मेनली ये लोग फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ही काउंट करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं लेकिन इस कंपनी को मतलब सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी सोशल डेवलपमेंट भी करनी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोशल लाइफ जो होती है वो इस कंपनी को कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन दे रही है जैसे मान लेते हैं कि अगर इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट ने इस कंपनी को उस काबिल बनाया है कि ये कंपनी काम कर पा रही है अगर कोई एग्रीकल्चर की कंपनी है तो सॉइल अगर यहां पर है तब जाकर के ये कंपनी कमा रही है तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी बड़ी कंपनी बन गई है उनकी डेवलपमेंट के साथ साथ सी एस आर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ये लोग सोशल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं तो ये तो हो गई जो नॉर्मल डेवलपमेंट है सेम वैसे ही जितनी भी हमारे पास में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती हैं इनको भी अपनी एक ई रिपोर्टिंग निकालनी होती है और इस चीज को 2012 ने 2012 में सेबी ने सबसे पहले कहा था कि आप लोगों को एक बी आर आर का मतलब हुआ दिस इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट तो बिजनेस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एक रिपोर्ट सब लोगों को निकालनी पड़ेगी इसी चीज को आगे 2021 में सेबी ने एक्सटेंड किया और अब आप लोगों को निकालना होता है बी आर एस आर बी आर एस आर का मतलब हो गया रिपोर्ट मतलब जो भी बिजनेस के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके साथ साथ आपको ई एस जी भी निकालना पड़ेगा यानी इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस को भी लेकर के कि क्या यहां पर चीजें की गई हैं अभी हाल फिलहाल में थाउजेंड थाउजेंड कंपनीज को मैंडेटरी किया गया है कि आप लोगों को यह रिपोर्ट निकालनी है 2023 में इसी चीज को एक्सटेंड किया गया और अब सेबी ने यह कहा है कि धीरे धीरे हमको अब ये जो मार्केट कैप है इसे हमें और बढ़ाना होगा अब यहां पर बी आर एस आर कोर इंट्रोड्यूस किया गया और इस बी आर आर एस आर कोर में नाइन की पॉइंट्स बताए गए हैं और इस ये जो नाइन की पॉइंट्स है बेसिकली ये सोशल डेवलपमेंट को लेकर के हैं जैसे आपका एजुकेशन हो गया ग्रीन हाउस गैस हो गया वाटर एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट जेंडर पैरिटी इंप्लॉय वेलबींग ओपननेस ऑफ मार्केट एटसेट्रा एटसेट्रा तो जितने भी सोशल डेवलपमेंट की चीजें होती है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी यहां पर ये यह बोला गया है कि 2024 से लेकर के 2027 तक में हमें इस मार्केट कैप को और इन्हेंस करना है शुरुआत में हम 150 कंपनी को बोलेंगे फिर यही चीज आगे बढ़ा करके 250 कंपनी हो जाएंगी फिर 500 हो जाएंगी और फिर 1000 कंपनीज हो जाएंगी और इस तरीके से हम अपने मार्केट कैप को 1000 टॉप फर्म तक लेकर के जाएंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल आपको रिपोर्ट नहीं निकालनी है बल्कि आपकी जो भी वैल्यू चेन है इस वैल्यू चेन को भी सेवेंटी फाइव परसेंट आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना करके रखना है तो ये मेन चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ई रिपोर्टिंग आई डोंट थिंक ये इतना कोई डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बस आपको ये ध्यान रखना है कि ई एस रिपोर्टिंग ये क्या है किसके द्वारा गवर्न की जाती है तो ये गवर्न की जाती है सेबी के द्वारा इनफैक्ट यहां पर एक एक्ट है दैट इज सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 का एक्ट है जिसके थ्रू अल्टीमेटली ये जो ई रिपोर्टिंग होती है ये करनी होती है देखिए अभी आ, हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस ही किया कि 2012 में सबसे पहले एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट लाई गई फिर 2021 में इसी चीज को बढ़ा करके बी एस बी आर एस आर कर दिया गया और अभी हाल फिलहाल में बी आर एस आर कोर कर दिया गया है जिसमें जो बी एस जी के डिस्कलोजर्स हैं जो भी उसके वैल्यू चेन है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस को लेकर के भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट आप लोगों को निकालनी है अब ये जो रिपोर्ट है वो की परफॉर्मेंस इंडेक्स पे काम करती है जो नाइन एट्रीब्यूट्स है नाइन एट्रीब्यूट्स में जैसे एजुकेशन फलाना धमाका यही सब चीजें जो है उससे रिलेटेड आ जाती है तो मेन यहां पर जो काम वो यही है कि किस तरीके से कीपिंग इन व्यू रिलिवेंस टू इंडियन एंड इमर्जिंग मार्केट कंटेक्स जो भी नए की परफॉर्मिंग इंडेक्स है इसको आइडेंटिफाई करके जो भी जॉब क्रिएशन इन स्मॉल टाउन हो गया ओपननेस ऑफ बिजनेस हो गई ग्रॉस वेजेस पेड टू द वुमेन इन सारी चीजों को आगे किया जाएगा फॉर वैल्यू चेन वैल्यू चेन के लिए भी यहां चीजें की जा रही है अभी हाल फिलहाल में पहले हंड्रेड मतलब वन फिफ्टी को किया जाएगा फिर टू फिफ्टी हो गई फिर फाइव हंड्रेड फिर थाउजेंड तो इस तरीके से अल्टीमेटली दो हजार सत्ताईस तक हमें टोटल थाउजेंड कंपनी को लेकर के आना है जो कि इस ई एस डी रॉम को लेकर के आएगी अब एक छोटी सी बात यहां पर की गई है डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग को लेकर जैसे एक होता है जहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं जहां पर आप रियल ट्रेडिंग करते हैं दूसरी होती है जहां पर आप ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है मान लेते हैं कि, है, मतलब है कि टीवी है ठीक है ये टीवी है यहां पर चार लोग बैठे हुए हैं इन चार लोगों ने टीवी के ऊपर में चल रहे जो भी स्टॉक प्राइस है इसके ऊपर में अपना सट्टा खेलना शुरू किया सट्टा मतलब यही प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया कि कौन सा शेयर कितने ऊपर जाएगा अब ये लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपस में ट्रेडिंग किए तो पहली बात ना तो रेगुलेशन है कोई बंदा लेकर के भाग जाएगा जो भी बाहुबली होगा दूसरी चीज टैक्स नहीं कट रहा है सरकार का नुकसान हो रहा है तो इस तरीके की चीजों को इलीगल एक्टिविटी बोला जाता है इनफैक्ट गैम्बलिंग हो गया एक तरीके से ये तो अभी हाल फिलहाल में एनएससी ने इस तरीके की जो इलीगल ट्रेडिंग कर रहा है जिसे डब्बा ट्रेडिंग कहा जाता है इसको नोटिस किया और उसके ऊपर में बोला है कि इनके ऊपर में 25 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है तो ये एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग है जहां पर स्टॉक एक्सचेंज के परव्यू के बाहर लोग अल्टीमेटली इस तरीके की ट्रांजेक्शन करते हैं जिसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है और ये अल्टीमेटली एक स्केप टैक्सेशन का तरीका बन रहा है एफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की चीजें होती है एक होती है जिसे एफडीआई बोलाता है दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एफ इसके बेसिक्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं जो एफ होती है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास सपोज पैसा है मैं मान लेता है एनआरआई हूं एनआरआई छोड़िए मैं फॉरन नेशनल का हूं ठीक है मान लेते हैं यूएस सिटीजन हूं मैं अब मेरे पास पैसा है मैं चाहता हूं कि यार इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए तो मैंने देखा इंडिया में बड़ा अच्छा मार्केट है सारी चीजें चल रही हैं मैंने क्या किया कि किसी एक रेलवे की कंपनी को पकड़ा और उसको मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं आपका प्रोजेक्ट लेता हूँ और मैं आपके यहाँ पर पैसे डाल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पैसा डाला किसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर तो ये जो पैसा लगा वो तो पूरा का पूरा पैसा लगेगा लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा एक्टिव इन्वेस्टर के तौर पर लग रहा होगा कंट्रोल ज्यादा हो रहा होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है ही फिजिकल असेट के फॉर्मेट में हो रहा होगा यह अपने आप में काफी कम मतलब डिफिकल्ट भी रहेगा क्योंकि यहां पर तमाम सारे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे तमाम सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स वगैरह लेने पड़ेंगे और अपने आप में एक स्टेबल रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये लॉन्ग टर्म तक लगाना रहेगा लेकिन मुझे नहीं लगाना है मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहता हूं मैं क्या करूंगा किसी एक कंपनी को पकड़ूंगा मैं उसमें पैसा उसको पैसा दूंगा और कहूंगा एक काम करो आप कोई असेट दे दो मेरे को असेट दे दो इसके बदले में तो ये कंपनी को असेट दे दिया गया इस बंदे को और पैसा मिल गया ये कंपनी अल्टीमेटली पैसा लगा रही होगी अब चूंकि इसके पास में असेट है इस बंदे के पास में ही कैन सेल दिस असेट एट एनी टाइम किसी समय पर भी ये असेट को बेच करके निकल सकता है तो ये क्या हुआ ये एक पैसिव इन्वेस्टर के तौर पे हुआ डायरेक्ट इसने नहीं दिया इसने असेट के थ्रू इसने पैसा दिया है दूसरी चीज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई लो कंट्रोल है क्योंकि जो भी रेगुलेशन वगैरह रहेगी वो तो इस कंपनी को फिर अल्टीमेटली देखना पड़ेगा इसके अलावा शॉर्ट टर्म की रहेगी कभी भी ये असेट को बेच करके निकल सकता है फाइनेंशियल ऑफ फॉरेन कंट्री इजी रहेगा और वोलेटाइल तो रहेगा ही क्योंकि कभी भी ये अपना पैसा निकाल करके भाग सकते हैं तो अभी हुआ क्या है सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें जो भी एफ के हाई रिस्क चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है अभी अगर बात किया जाए जो एफ होते हैं सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं इनफैक्ट एफ डी आई हो चाहे एफ पी आई हो दोनों ही सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं रेगुलेशन के लिए एक फेमा एक्ट है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का इसके अलावा पी एम एल ए दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये भी इस एफ पी आई को रेगुलेट करता है कई सारे की इशूज हैं इस एफ पी आई से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो पहला है पी एन थ्री यानी प्रेस नोट थ्री ये रेगुलेशन रिसेंट में ही लगाई गई थी होता क्या था जैसे मान लेते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया है इसके आसपास में जैसे पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया चाइना हो गया नेपाल हो गया भूटान हो गया बांग्लादेश हो गया म्यांमार हो गया श्रीलंका हो गया बोला गया कि जो भी लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यानी श्रीलंका को आप काट दीजिए जो भी लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अगर उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको पी एन थ्री नॉर्म के थ्रू आना पड़ेगा यानी अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप नहीं जा सकते हैं आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के ही आप आ सकते हैं ऐसा क्यों किया गया क्योंकि यहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज्यादा होती है इनलीगल मनी का ट्रांसफर किया जा सकता है जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान इनफैक्ट चाइना इस तरीके के लोग यहां पर बैठे हुए हैं तो इस वजह से पी एम थ्री स्टिपुलेशन की गई लेकिन यहां पर एक लूप होल है लूप होल ये है कि ये सारे प्लेयर्स जो लैंड बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये लोग एफ पी आई के थ्रू जरूर पैसा डाल सकते हैं किसी कंपनी के थ्रू अल्टीमेटली आ सकते हैं तो यहाँ पर एक लूप होल के तौर पर है जो मिस यूज किया जा सकता है दूसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोजर को लेकर के ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है जो भी इंटिटीज आपस में मान लेते हैं कि ट्रेड कर रही है जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है इनके बीच में कोई खास हमें डिस्क्लोजर नहीं हो रही है इसके अलावा सेबी ने कई सारे रेगुलेशंस भी प्रपोज किए हैं जैसे एफ पी आई की यानी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसकी कैटेगराइजेशन है लो रिस्क मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क इसके अलावा जो भी हाई रिस्क एफ पी आई है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए बोला गया है इसके अलावा एडिशनल डिस्क्लोज़र का फंडा लेकर के आया गया है कि जो भी असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ या जो भी चीज़ें हैं उसको आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी अगला टॉपिक है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मार्केट मार्केट को लेकर के तो डेप्ट मार्केट में कॉर्पोरेट डी एफ डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया है तो जरा इसके पहले बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर आते हैं अपने करंट अफेयर्स के ऊपर में अभी हाल में डेप्ट मार्केट में सेबी ने दो नए फंड यहां पर रिलीज किए हैं आखिर में क्या चीज है पूरे मैटर को पहले समझ लेते हैं तब जाकर के चीजों को करते हैं हम लोगों ने इनफैक्ट अभी डिस्कस ही किया था कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा बैंक है बैंक में सारे लोगों ने पब्लिक ने पैसा जमा करके रखा हुआ है क्योंकि उनको बैंक पे ट्रस्ट है तो यहाँ से पैसा है लेकिन कहीं से अफवाह उड़ गई कि इस बैंक में दिक्कत है तो लोग यहाँ से पैसा खींचना शुरू कर देंगे तो पैसा खींचना शुरू कर देंगे बैंक के पास पैसा पड़ा नहीं है क्योंकि सारा पैसा इन लोगों ने लोन पे दे रखा है या बहुत सारा लोन का पैसा एन में बदल चुका है तो यहाँ पर फ्रेम में आती है आर आरबीआई इस बैंक को प्रोटेक्ट करेगी अल्टीमेटली और ये जो जनता का पैसा है उसको बचा बताएगी कि आपका पैसा सेफ हाथ में है आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं और अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इस टाइम फ्रेम में इतना अमाउंट ऑफ मनी आप निकाल सकते हैं एंड योर मनी इज प्रोटेक्टेड तो यहां पर कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस दी जा रही है एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि कोई दिक्कत यहां पर नहीं है सेम वैसे ही यहां पर दूसरा केस भी होता है अब जरा समझते हैं ये सारी चीजें जो चल रही थी वो तो आपकी नॉर्मल केस में चल रही थी अब हम लोग जरा कॉरपोरेट केस में आते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट केस में नॉर्मली आपको ऐसा कोई प्रोटेक्शन आर नहीं देने वाला है क्योंकि कारपोरेट अपने आप में ही सेल्फ सफिशियंट होते हैं अब यहां पर मैटर क्या है मैटर ये है जैसे मान लेते हैं कि ये आम जनता है दिस इज आम जनता आम जनता चूंकि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करती है दिमाग नहीं लगाना चाहती है तो ये लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में अपना एस कर सकते हैं आप या वन टाइम कर सकते हैं खैर म्यूचुअल फंड हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड बेसिकली एन करती हैं ये जो एन होती हैं ये अलग अलग जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखती हैं जैसे रियल इस्टेट में लगा सकती हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा सकती हैं या फिर गोल्ड में लगा सकती हैं या फिर एएमसी एम असेट मैनेजमेंट कंपनी में लगा सकती हैं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां पर अल्टीमेटली ये पैसा लगाया जाता है और कोशिश की जाती है कि पैसे को ज्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जा सके नॉर्मली म्यूचुअल फंड 18 से 20 परसेंट का आपको रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में देते ही देते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ है सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर सेविंग के नाम पे करना भी चाहिए खैर ये तो हो गई जो नॉर्मल जिंदगी है अब हुआ क्या कि किसी भी कारण से इन लोगों को ये पता चला कि यार म्यूचुअल फंड अब सेफ नहीं रह गया है तो ये म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो तो अलग अलग जगहों पर लग रखा है अलग अलग जगहों पर अब जैसे ही लोगों को पता चला कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है तो सबने यहां पर बेचना शुरू कर दिया म्यूचुअल फंड को पैसा बेचना मतलब म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर दिया लेकिन इस एनबीएफसी के पास तो पैसा भी नहीं पड़ा हुआ है क्यों क्योंकि ये पैसा तो सभी इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं और अगर ये इन्वेस्टेड अमाउंट विदड्रॉ करने लगे तो सीधी सी बात है ये तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसे मार्केट में र्यूमर फैली लोगों ने पैसा वापस निकालना शुरू किया वैसे ही इनके दाम भी तो गिरने शुरू हो जाएंगे और दाम गिरेगा तो गिरेगा लेकिन इसको पहले एक टाइम चाहिए इस टाइम में तब जाकर के ये सेलिंग वगैरह हो सकती है अब रियल इस्टेट का मतलब आप एक फ्लैट देखने जाइए और सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी तो भी आपको दस से पंद्रह दिन लग जाएगा सारी चीजों को ऑन पेपर ले आने में तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें टाइम टेकिंग होती है तो टेम्प्ररी तौर पे क्या किया जाए जिससे यहां पर लोगों को पैसा भी मिले और ट्रस्ट भी बिल्डअप रहे इस चीज के लिए बनाया गया है सी डी एम डी एफ सी डी एम डी एफ का मतलब है कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड ये जो सी डी एम डी एफ है ये बेसिकली फंड इस म्यूचुअल फंड को दिया जाता है कि कल को अगर किसी भी तरीके से एन बी एफ सी फेल होते हैं या म्यूचुअल फंड में फेल होते हैं तो जो भी लोगों का पैसा है वो इस फंड से अल्टीमेटली पैसा लोगों को दे दिया जाएगा और इस तरीके से कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड काम करती है अब अगर बात किया जाए इस कॉरपोरेट डेप्ट डेवलपमेंट फंड के बारे में तो ये एक तरीके का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ये ये जो कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट है यह अल्टीमेटली जितने भी म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं उनको पैसे दे देते हैं बॉन्ड के बदले में पैसे दे देते हैं और बाद में हालांकि जो भी एन है वो अल्टीमेटली वापस से इसको रीपरचेज कर सकती है वापस से इसको री परचेज कर सकती है जैसे जो भी इसको बेचा गया है ये सब बेचा गया है इसको ये वापस से रीपरचेज भी किया जा सकता है टेम्पररी रिलीफ के तौर पर इस सी डी एम डी एफ के द्वारा पैसे दे दिए जाते हैं जिससे कि लोगों का ट्रस्ट भी बना रहे हैं और जो जितनी भी सारी चीजें हैं बॉन्ड्स हो गए या फिर जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है ये सब भी असेट के फॉर्मेट में बना रहेगा अब यहाँ पर जो पैसा है सी डी का ये पैसा कहाँ से आता है ये आता है जहाँ से अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का भी पैसा आता है तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का पैसा कहाँ से आता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड ये एक तरीके का प्राइवेट पूल्ड फ़ंड होता है ये एक प्राइवेट पूल्ड फ़ंड होती है जहाँ पर पैसा इंडियन बिजनेस से भी आता है प्लस साथ ही साथ में फ़ॉरेन बिजनेस से भी आता है मतलब इंडियन इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों ही लोग यहां पर पैसे डालते हैं पैसे क्यों डालते हैं जैसे आम जनता म्यूचुअल फंड में पैसे कमाने के लिए डालती है वैसे ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये लोग अपना पैसा ऑल मतलब कि इस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में डालते हैं ताकि अपने पैसे को ये लोग भी मल्टीप्लाई कर सकें सीधी सी बात है तो आम जनता के लिए जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही इन्वेस्टर्स तो बड़े बड़े लोगों के लिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होती है अब क्यों मैं बार बार ये बड़े बड़े बोल रहा हूं ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की मिनिमम अमाउंट ही होती है वो मिनिमम अमाउंट ही हंड्रेड करोड़ से स्टार्ट होती है तो आपका जो अमाउंट होता है वो काफी बड़ा होता है बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को यहाँ से पैसा अल्टीमेटली पैसा यहाँ से उठाया जाता है तो ये मेन चीज़ होती है अब ये जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है ये भी सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा ऑब्वियसली सेबी के लिए यहाँ पर 2012 में ये रेगुलेशन बनाई गई थी और उस रेगुलेशन के थ्रू अल्टीमेटली अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को रेगुलेट किया जाता है यहाँ पर बेसिकली तीन तरीके की कैटेगरी होती है एक होती है जो कैटेगरी वन होती है दूसरी होती है कैटेगरी टू और तीसरी होती है कैटेगरी थ्री जो कैटेगरी वन होती है यहां पर प्राइमरली जो स्टार्टअप वगैरह वाले होते हैं लोग या जो एस के लोग होते हैं या फिर जो भी सोशली और इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं इस सारे लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है ये लोग इन्वेस्ट यहाँ पर करते हैं कैटेगरी थ्री का मतलब है जैसे जो हेज फंड में इंक्लूड करते हैं हेज फंड हो गया या जो भी पब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक इक्विटी में ये सभी होते हैं काफ़ी बड़ी होती है और ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग होती है बाकी जो चीजें भी बच गई वो सब कैटेगरी टू में आ गई जैसे रियल इस्टेट का फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, फंड चीज लिखी गई है, फंड. फंड है? है, है जैसे मान लेते हैं कि आज की डेट में एक डॉलर का पैसा मान लेते हैं कि एट्टी थ्री बन रहा है हो सकता है कि कल को मार्केट जो है शॉर्ट करे और एक डॉलर हो सकता है कि नब्बे रुपए पे क्लोज करे तो अगर आपने आज सौ डॉलर खरीद रखे हैं जिसकी वैल्यू एट्टी थ्री हंड्रेड हो गई कल को अगर आपने सेल किया तो ये वैल्यू हो गई नाइन थाउजेंड सात सौ का फायदा हो गया तो ये जो सात सौ का फायदा है तो काफी छोटे अमाउंट में यहां पर बात करना जब यही चीज करोड़ में लगती है तो यहां पर हो सकता है कि मार्केट रिस्क हो और इस चीज के लिए ही ये हेज फंड बना करके रखा जाता है जिसके तहत अल्टीमेटली जो भी एक्सचेंज मार्केट का डर होता है उसको दूर किया जा सकता है तो ये तो हम लोगों ने बात किया ये जो हमारा कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड है इसके बारे में जिससे जो भी यहां पर आम पब्लिक है जिसका डर है कि कल को म्यूचुअल फंड अगर फेल करता है तो उसको रिलीफ कहां से मिलेगा तो उसको रिलीफ यहां से मिलेगा दूसरी चीज बनाई गई है एएमसी रेपो क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एएमसी का मतलब होता है जो भी असेट मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह होती हैं जैसे मान लो सेम यही सारी चीजें हैं सेम यही म्यूचुअल फंड वाला ही मेन फंडा है अगर यहां पर आम जनता जिसको प्रॉब्लम हुई म्यूचुअल फंड सेल किया लेकिन सेल करने के लिए चूंकि यहां पर कोई बॉन्ड वगैरह जल्दी मार्केट में खरीदेगा नहीं लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड एनबीएफसी सेल करना चाहती है तो टेंपरली करना चाहती है ये ऐसा नहीं कि परमानेंट करना चाहती है चूंकि आज इनके पास कोई पैसे नहीं है इस वजह से टेंपरली करना चाहती है तो इसी वजह से ये जो ए रेपो क्लियरिंग रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ये लोग रीपर्चेजिंग का काम का का करेंगे मतलब अभी क्या है टेंपररी रिलीफ के तौर पर ये लोग इसको बेच देंगे लेकिन ये गारंटी लेंगे कि मुझे फिर अल्टीमेटली इसको वापस रीपरचेज भी करना है तो परचेजिंग या रिपर्चेसिंग ऑब्वियसली यहां पर कुछ ना कुछ जो होता है अमाउंट रहेगा जिससे कि इस जो कंपनी है इसका भी फायदा रहेगा तो ये हो गई एमसी रेपो क्लियरिंग ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों का एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जैसे मान लो कल को आप हैं आपने किसी व्यक्ति को कहा कि ऐसा है आप मुझे आज सौ रुपए दे दो मैं परसों की डेट में आपको ये सौ रुपए लौटाऊंगा और ये मैं कह रहा हूं गारंटी ले रहा हूं कि मैं सौ रुपए लौटाऊंगा इसके बदले में मैं आपको एक बॉन्ड दे रहा हूं यह बॉन्ड मुझे वापस कर देना चलो ठीक है अब इसके बदले में मान लो दस रुपए का इन लोगों ने आपस में कर लिया दस रुपए की वैल्यू रख लेंगे लेकिन यह बंदा था थोड़ा सा मक्कार इसने क्या किया बॉन्ड को लिया इसने देखा बॉन्ड बहुत अच्छा है यह लेकर के गायब हो गया अब चूंकि यहां पर कोई ऐसे रेगुलेटरी एंटिटी तो है नहीं जो इस चीज इस चीज पर अपना जजमेंट दे तो इसी चीज को बनाने के लिए जजमेंट देने के लिए रेगुलेशन के लिए एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड बना दिया गया है। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि जब भी मार्केट स्ट्रेस रहेगी तब ये काम करेगा तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक तरीके का प्राइवेट फूल फंड है जहां पर फॉरेन और इंडियन के इन्वेस्टर्स आएंगे अपना पैसा डालेंगे और अल्टीमेटली यहां से जो भी मुनाफा कमाना है वो कमाएंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या चीज होती है बस आप ये समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी ग्रेडिंग की जाती है यहाँ पर ग्रेडिंग जो भी बीबीवी से हायर होगी उसको अच्छा इन्वेस्टर माना जाता है और उसी को इस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में जगह दी जा रही है ये जो सी डी है इसका मेन फंडा है कि जो भी डेफ्ट मार्केट में जो भी क्राइसिस वगैरह आ रही है उस चीज को उसकी लिक्विडिटी को मैनेज करना है मेन काम इसका यही है जिस तरीके से आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक को वैसे ही ये कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट अल्टीमेटली रेगुलेट कर रहा होगा किसी भी एन को अगर वो किसी तरीके का स्ट्रेस फेल कर रही है तो अब ये म्यूचुअल फंड स्कीम हो गई या असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई इन लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये काम करना है अभी हाल फिलहाल के लिए पंद्रह साल के लिए इसका टेन्योर रखा गया है

एंड एक्सपैंड प्रोडक्ट लाइन एंड ओपन न्यू मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज बाकी देखिए जो डिटेल्स हैं जो बेसिक्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है सेबी इस चीज को पूरे रेगुलेट कर रही है जिस तरीके से आर बी आई करती है अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है से बी और आर बी आई इन दोनों के बीच में बीच में टसल हो गई थी कि आखिर में कौन किसको रेगुलेट करेगा तो अब इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि आर बी आई अल्टीमेटली जो मनी मार्केट है ठीक है और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है केवल इसको रेगुलेट करेगी बाकी जितनी भी चीज़ें वो सब सेबी किया करेगी तो ये चीज यहां पर क्लियर किया गया है कि क्या क्या चीजें यहां पर आ रही है बाकी सिग्निफिकेंस क्या है कई सारे हैं इन्वेस्टमेंट नीड है कि इन्वेस्टमेंट को जिस तरीके से मतलब आज की डेट में जरूरत है क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपनी इकोनॉमी को और एक्सपैंड कराना है और इकोनॉमी एक्सपैंड होगी जब हमारा ज्यादा ट्रेड होगा ज्यादा मार्केट ट्रेड होगी उतना ही ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी इसके अलावा रिसोर्स का एफिशिएंट एलोकेशन होना हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इन सब चीजों के लिए हमें ये कॉर्पोरेट डिप्ट मार्केट की जरूरत है अगला आर्टिकल है इन्वेस्टर सर्विस फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पहले जरा इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं तीन फंड्स हैं बेसिकली एक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड दूसरा है इन्वेस्टर सर्विस फंड और एक नया स्टार्ट किया गया है दैट इज कहा गया यस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड तो इन तीनों के बारे में जरा पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर आते हैं अपने मैगजीन के ऊपर में अभी रिसेंट में ये हमारे तीन फंड्स न्यूज में रहे हैं एक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड दूसरी है इन्वेस्टर सर्विस फंड और तीसरी है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड अब हालांकि ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड है ये अभी नया है 2007 में ही बनाया गया है लेकिन जो प्रोटेक्शन फंड है यह काफी पुराना है ये 1992 का है और ये भी कुछ 2003 के आसपास का ही है तो ये सब फंड्स तो है वैसे बहुत पुराने और तीनों को ही अगर कहा जाए तो सेबी के द्वारा ही यहां पर इसको लॉन्च किया गया था सेबी ने ही सबको लॉन्च किया हुआ है लेकिन इन सबों का काम बड़ा अलग अलग है काम क्या चीज है सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की अब जैसे मान लेते हैं कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं या जो डिपॉजिटरीज होती है इनको एक हमेशा डर रहता है कि अगर मान लेते हैं कि जो भी क्लेम है अगर वो क्लेम फुलफिल नहीं किया जा पाएगा तो फिर क्या होगा जैसे कहने का मतलब ये हो गया एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि बैंक्स हैं ठीक है बैंक में जो भी अपना आ, पब्लिक है ये पब्लिक अल्टीमेटली अपना पैसा जमा करके रखती है और फिर अल्टीमेटली ये लोग लोन वगैरह देने का काम करते हैं लेकिन मान लेते हैं किसी कारण से अब मार्केट में अफवाह उठ गई कि ये जो बैंक है वो बैंक हो रहा है तो सभी लोग पहुंच जाएंगे अपना अपना पैसा वापस निकालने के लिए अब चूंकि सारा पैसा तो लोन में जा चुका है तो बैंक वाले करेंगे क्या तो बैंक वालों को इस चीज को देखने के लिए याद आते हैं इनके जो रेगुलेटर है दैट इज आरबीआई तो आर अल्टीमेटली इन सारे मैटर को देखती है और यहां पर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देती है जैसे हाल ही में बहुत सारी चीजों में आप लोगों ने देखा होगा जैसे पीएनसी बैंक देखा होगा आप लोगों ने इस पर भी कई सारी रेगुलेशन लगाई गई थी यस बैंक पर आप लोगों ने देखा होगा एक्सिस पर देखा होगा तो ये सब रेगुलेशन अल्टीमेटली आर लगाती ही रहती है लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई स्टॉक एक्सचेंज है और इस स्टॉक एक्सचेंज पर अचानक से लोग आ गए जो भी इन्वेस्टर्स हैं अचानक से लोग आ गए और सभी ने अपना वापस से वापस से जितने भी स्टॉक्स लोगों ने खरीद रखे हैं वापस से बेचना शुरू कर दे तो आखिर में ये जो क्लेम है वो कैसे दिया जाए पैस, कैसे पैसा फुलफिल किया जाए तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन फंड बना करके रखा गया है कि कल को अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो पैसा अगर नहीं रहता है तो इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू ही पैसा दे दिया जाएगा तो यहां पर पैसा मेन होता है कि जो भी इन्वेस्टर का क्लेम है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ में कुछ अवेयरनेस और जो एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ये भी इसी फंड के थ्रू अल्टीमेटली चलाए जाते हैं सवाल ये उठता है कि फंड तो बना दिया गया लेकिन इस फंड में खुद पैसा कहाँ से आएगा इस फंड का जो पैसा आता है वो दो जगहों से आता है मान लो कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है ये स्टॉक एक्सचेंज जो भी इंटरेस्ट कमा रही है अपने स्टॉक्स पे या जो भी पेनाल्टी के थ्रू पैसा आ रहा है या फिर जो भी लिस्टिंग के टाइम पर फीस लगाई जाती है इस लिस्टिंग फी का एक परसेंट स्टॉक एक्सचेंज अल्टीमेटली इस फंड में डाल देगा मान लेते हैं कि जो भी डिपॉजिटरीज है डिपॉजिटरीज बेसिकली दो है हमारे यहां पर एक है एन और दूसरी है सी तो हमारे पास में जो भी डिपॉजिटरीज हैं ये लोग भी सेम यही काम करती हैं जो भी इंटरेस्ट का पैसा आया या जो भी पेनाल्टी का पैसा आया या फिर जो भी प्रॉफिट का पैसा आया तो प्रॉफिट के पैसे का ये लोग पांच परसेंट यहां पर इन्वेस्ट करते हैं लगा देते हैं और इस तरीके से फंड बन जाता है अब इस फंड में केवल पैसा ही नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं मतलब ये इन्वेस्टेबल फंड है इस फंड के पैसे को भी इन्वेस्ट किया जा सकता है तो ये थी बेसिक्स अबाउट द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अभी हाल में कुछ नियम में फेरबदल वगैरह किया गया है तो हमारे लिए फेरबदल वगैरह की जरूरत तो नहीं है लेकिन इसका जो बेसिक्स है ये आप लोग जानते रहिएगा स्पेशली ये जो इसका ईयर है क्योंकि ईयर में ही यूपीएससी कई बार खेल देती है दूसरा है हमारा इन्वेस्टर सर्विस फंड अब ये जो इन्वेस्टर सर्विस फंड है ये बेसिकली सर्विसेज के लिए है इसका मतलब क्या चीज होता है देखिए किसी भी तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मार्केट तो चाहिए ही चलो ठीक है लेकिन मार्केट के साथ साथ कुछ आपको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है अब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपके पास में एक डिपॉजिटरी होनी चाहिए जैसे हम लोग जो डीमैट अकाउंट वगैरह खोलते हैं तो यह भी एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके शेयर्स आ करके यहां पर सेव रहते हैं दूसरा कि आपको जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ चाहिए या जो भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं ये आप लोगों को चाहिए यह भी एक तरीके का यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख सकते हैं या फिर जो क्लियरिंग हाउसेज वगैरह भी होते हैं तो जितने भी हमारे इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं इनकी भी हमें उतनी ही ज़रूरत है जितना ज़्यादा मार्केट की ज़रूरत है और इसी चीज़ को बनाने के लिए अल्टीमेटली इन्वेस्टर सर्विस फंड बनाया गया है ये जो इन्वेस्टर सर्विस फ़ंड है ये रेगुलेट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा जैसा नॉर्मली कमेटी वगैरह बना दिया जाता है वैसे ही कमेटी के द्वारा बनाया गया है मतलब रेगुलेट किया जाता है जिसका नाम है रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी दिस इज regulatory oversight कमेटी बस ध्यान रखना है कि दिस इज रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक एक्सचेंज की ही है ये ऐसा कुछ सेबी वगैरह की नहीं है स्टॉक एक्सचेंज की ही है जो अल्टीमेटली देखती है अब यहां पर पैसा कहां से आएगा यहां पर पैसा सेम वही चीज है कि जो भी स्टॉक एक एक्सचेंज है इन लोगों की जो भी लिस्टिंग फीस होती है किसी कंपनी को लिस्ट करने के लिए फीस लगती है तो उसका 20% परसेंट अमाउंट आपको इस इन्वेस्टर सर्विस फंड में जमा कराना होता है अब इसका जो मेन काम है एक तो काम यही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो क्रिएट करना है लेकिन क्रिएट कहाँ करना है क्रिएट करना है आपको टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज़ में ये ध्यान रखना है टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज़ में करना है बाकी इसके अलावा एजुकेशन और अवेयरनेस तो हर कोई फैलाता ही फैलाता है तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये दोनों भी चीज़ें मार्केट रिस्क वाला जो चीज़ें होती हैं वो सब करना ही करना है ये वाली चीज़ें हैं एक और फंड हमारे पास है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ये 2007 में सेबी ने इसको इस्टाब्लिश किया है इसका जो मेन काम है वो है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो यहां पर मेन है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स और साथ साथ में एजुकेशन और अवेयरनेस ये तो खैर हमेशा रहेगी ही रहेगी तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैलाना है प्लस साथ साथ में लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है प्रोटेक्ट किस चीज में करके रखना है प्रोटेक्ट करके रखना है कि अगर मान लो कोई स्टॉक एक्सचेंज है या कोई डिपॉजिटरी है अगर वो शट डाउन हो जा रही है या मान लो कि अगर कोई भी शेयर ब्रोकर है उसने अगर मान लो कि फ्रॉड कर दिया तो किसी भी तरीके का अगर कुछ भी इशू वगैरह रहता है तो वो इसी के थ्रू अल्टीमेटली प्रोटेक्ट किया जाएगा इसी के थ्रू अल्टीमेटली टेम्पररी रिलीफ के फॉर्मेट में चीजें दी जाती हैं तो सेबी ने बेसिकली गाइडलाइन uh, अभी जारी की है जो भी प्रोटेक्शन फंड है और जो सर्विस फंड है इसके बारे में प्रोटेक्शन फंड हम लोग ने देख लिया कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी ब्रोकर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो टेंपररी रिलीफ के तौर पर जो भी इन्वेस्टर है उसको यहां से पैसे दे दिए जाएंगे अब इसका पैसा कहां से आ रहा होगा तो जो भी आईपीएफ का पैसा है वो एक परसेंट जो भी लिस्टिंग फी है वहां से आ रहा होगा इंटरेस्ट से आ रहा होगा या पेनाल्टी से आ रहा होगा या फिर जो भी इंटरेस्ट कमाया गया कंपनी के द्वारा वहां से आ रहा होगा ये सब डेटा वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है इसका काम क्या रहेगा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको लेजिटिमेट क्लेम को देना बाकी इंटरम रिलीफ देना रहेगा इन्वेस्टर्स को जो भी डिफॉल्ट किया गया उसको पहले रिलीफ दे दो बाद में जो ब्रोकर के ऊपर में केस वेस चलेगा जो भी फाइनल चीजें आएंगी वो अल्टीमेटली दिया जाएगा डिपॉजिटरीज के थ्रू फाइव परसेंट देर प्रॉफिट देना होता है बाकी फाइन पेनाल्टीज ये सब चीज़ें होती है सेम वही सारी चीजें यहाँ पर भी है कि इन लोगों को अपना क्लेम देना है प्लस साथ ही साथ में जो भी रिटेल पार्टिसिपेशन है वो सब यहाँ पर दे देना है इन्वेस्टर सर्विस फंड के बारे में भी सेम इसी तरीके से है कि इनको जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली यहाँ से लगाया जाता है प्लस साथ में एजुकेशन प्रमोट करना अवेयरनेस प्रमोट करना ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं पैसा कहाँ से आएगा पैसा आएगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ द लिस्टिंग फी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी के द्वारा अल्टीमेटली इस चीज को रेगुलेट किया जाता है ये सब जरूरत नहीं है जो भी इसकी डिटेल्स है यूटिलाइजेशन यही है कि आप एजुकेट किए जाएंगे बाकी टाइट टू टाइट थ्री थ्रीज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना और जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करना लास्ट में आ जाता है 2007 में जो बनाई गई है सेबी के द्वारा इन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड इसका पैसा भी सेम वही सारी चीजें हैं कि एजुकेशन और अवेयरनेस को अल्टीमेटली बढ़ाएगा लास्ट स्टॉक वहाँ आता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के जिस तरीके से हमारे पास में स्टॉक एक्सचेंज होती है इसी का एक पार्ट होता है जिसको सेबी अगेन रेगुलेट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एस यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली दो लोगों के लिए है. एक है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और दूसरे होते हैं जो एफ uh, पी होते हैं एफ पी का मतलब कि जो लोग भी uh, मतलब प्रॉफिट uh, के लिए भी काम कर रहे हैं तो कंपनीज विच आर विच आर यूजिंग दिस सोशल थिंग फॉर द प्रॉफिट तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा रहे हैं ठीक है लेकिन अल्टीमेटली इससे सोसाइटी का भी अगर फायदा हो रहा है तो ये लोग भी काउंट किए जाते हैं अब जो एनपीओ होते हैं ये लोग अल्टीमेटली अपना एक जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जारी कर सकते हैं ये कहने के लिए बॉन्ड है लेकिन इसका कुछ खास है नहीं मतलब ये एक तरीके का डोनेशन है जैसे जो बड़ी कंपनीज वगैरह होती है उनको अपना सी देना होता है तो सी वो इस बॉन्ड के थ्रू दे सकती है जीरो कूपन मतलब यहाँ पर आपको कुछ एक लाख रुपए से स्टार्ट होती है ये पैसे देने हैं और इसके बदले में आपको एक ये बॉन्ड दे दिया जाएगा इस बॉन्ड के बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा जस्ट एक पर्ची के तौर पर रहेगा जिसको कि आप सी में चाहे तो दिखाना चाहे दिखा सकते हैं तो मेन चीज है कि ये एक तरीके का सोशल इन्वेस्टमेंट ही हो गया तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यही है कि जो भी सोशल इंटरप्राइज होते हैं उनको हेल्प करने के लिए एक तरीका होता है और एलिजिबिलिटी uh, यहाँ पर यही है कि हंगर uh, को दूर करना पॉवर्टी मेल न्यूट्रिशन ये जितने भी सोशल वाली चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है कौन कौन लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट uh, कर सकते हैं जो भी कॉरपोरेट फाउंडेशन हैं या जो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हाउसिंग कंपनीज वगैरह होती है वो सब यहाँ पर एलिजिबल नहीं है बाकी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है ये जो क्राइटेरिया है एक बार रीड कर लेने लायक है जैसे यहां पर जो भी तीन साल का एवरेज रिवेन्यू है उसका सिक्सटी सेवन परसेंट अगर है तो आप लगा सकते हैं अगर तीन साल के एवरेज का एक्सपेंडिचर है तो 67 लगा सकते हैं एक्सपेंडिचर बेनिफिशियरी जो लोग भी बेनिफिटेड हुए हैं इस एनपीओ एफ पी जो भी एफ पी ई है उसके थ्रू उससे टोटल कस्टमर अगर तीन साल में एवरेज है तो उसका भी सिक्सटी सेवन परसेंट आप लगा सकते हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया अभी हाल में अगर बात किया जाए तो इंडिया की जो रूपी है इसकी बाकी करेंसीज़ के रिस्पेक्ट में काफ़ी स्टेबल इकॉनमी बनी हुई है या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी स्टेबल करेंसी बनी हुई है और इनफैक्ट हमें सर्च भी देखने को मिला है इस पूरे आर्टिकल को समझने से पहले जरा एक कहानी पहले समझ लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा इस पूरे आर्टिकल को समझना कई सारी कंट्रीज़ है जैसे अर्जेंटीना है या फिर अफ्रीका हो अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज़ वगैरह हो गई तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ की करेंसी है वो काफ़ी वीक हो चुकी है इसका मतलब क्या है जैसे एक डॉलर में मान लेते हैं कि कभी किसी ज़माने में हंड्रेड पैसोज हुआ करते थे पैसो अर्जेंटीना की करेंसी है मान लेते हैं कि हंड्रेड पैसो हुआ करते थे तो यहाँ की जो फिजकल पॉलिसी है फिजकल डेफिसिट और तमाम तरीके की दिक्कतों के कारण से इसकी वैल्यू आज की डेट में एक डॉलर में एक हज़ार पैसों हो चुकी है यहाँ से एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो मार्केट में पैसों की वैल्यू होगी ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होगी यानी अगर आपको एक ब्रेड खरीदना है और अगर मान लेते हैं कि ब्रेड की वैल्यू दस डॉलर है तो आपको कितने पैसों देने पड़ जाएंगे आपको दस हजार पैसों देने पड़ जाएंगे अगर मान लेते हैं वही अगर सपोज कोई आप हंड्रेड डॉलर की कोई चीज़ खरीदने वाले हैं तो आपको यहां पर एक लाख पैसों देने पड़ जाएंगे और यही चीज एक लाख पैसों कभी किसी जमाने में आपको दस हजार रुपये केवल देने पड़ जाते थे दस हज़ार पैसों देने पड़ जाते थे तो ये जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है दस हजार से सीधे एक लाख रुपये मतलब एक हजार एक लाख पैसों दे देना इस कारण से जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ के लोग अब पैसों की जगह पर डॉलर में डील करना शुरू कर देते हैं उसका कारण दो है पहला पर डे डॉलर के हिसाब से जो पैसों की वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है हो सकता है आज सपोज एक हजार है कल को हो सकता है वो ग्यारह हो जाए तो अगर यहाँ के जो लोकल लोग हैं अगर वो डॉलर में ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पैसों की तो वैल्यू लगातार गिरती आ रही है तो इस वजह से जो यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट भी होती है ये डोमेस्टिक मार्केट भी अब डॉलर में काम करनी शुरू कर देती है ऑब्वियसली यूएस डॉलर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इस कारण से जो भी पैसों होगी उसकी डिमांड भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और ऐसा कई कंट्रीज़ में हमें देखने को मिला है इसके पीछे के कई सारे रीज़न हो सकते हैं एक जो यहाँ की इन्फ्लेशन हो गई दूसरी नॉर्मली ये जो कंट्रीज़ होती है ये इम्पोर्ट बेस्ड होती है नॉर्मली ये इम्पोर्ट बेस्ड हमें देखने को मिल जाती है इसके अलावा हो सकता है यहाँ का फिजकल डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा हो चुका हो अट्ठाईस से तीस परसेंट तक हो जाता है ग्रीस वगैरह में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली ही थी हमें इसके अलावा ये जो कंट्री होगी यहाँ पर हो सकता है कि ऑयल वगैरह का इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा हो रहा हो या हो सकता है कि ये जो कंट्री है वॉर लाइक सिचुएशन से गुजर रही हो कई सारे कारण हो सकते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है तमाम तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है कोविड के कारण से इनफैक्ट कई सारे कंट्री में इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है तो ये सारी जो कहानी है वो दिखाती है एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज रेट अगर किसी करेंसी का इतना ज़्यादा अगर गिर जाए जैसे अर्जेंटीना में हो रखा है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग होंगे दे विल स्टार्ट यूजिंग द डॉलर करेंसी इन स्टेड ऑफ देयर डोमेस्टिक करेंसी अब ये जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो किन किन चीज़ों पर डिसाइड होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड डिस्कस कर ही लिया है यही हमारे आर्टिकल में भी है अब आर्टिकल पे जरा आते हैं करेंसी वैल्यूएशन क्या चीज़ होती है करेंसी वैल्यूएशन का मतलब वही है कि दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में आपकी करेंसी की क्या वैल्यू चल रही है जैसे एक डॉलर में किसी ज़माने में इंडिया में पचास रुपए हुआ करते थे आज की डेट में यही एक डॉलर एट्टी फोर रुपीज़ हो रखे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो करेंसी है वो भी डीवैल्यूएट हुई है डी वैल्यूएट हुई है यानी कि करेंसी की वैल्यू गिर गई है अब इससे क्या है कि मोस्ट कॉमन मेथड जो होती है वो एक्सचेंज रेट होती है एक्सचेंज रेट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस ही कर लिया जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया इन्फ्लेशन हो गया कैपिटल फ़्लो मनी फ्लो इसके अलावा आपने कितना ज़्यादा uh, मतलब फॉरेन uh, करेंसी uh, को उठा रखा है कितना आपने डॉलर अपने कंट्री में रखा हुआ etc, etc, है एटसेकट्रा एटसेकट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं सवाल उठता है कि आखिर में जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है वो इंडिया में किस तरीके से होता है और उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होती है उसको डिटरमाइन करते कैसे हैं तीन तरीके होते हैं एक होता है जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है जहां पर वैल्यू फिक्स की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा जैसे अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का नेपाल के साथ में फ़िक्स रेशियो है कि इंडिया का एक रुपये नेपाल में वन हो जाएगा हालांकि ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में जो हम लोगों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी कर रखी है उसमें एक्सचेंज रेट को फ़िक्स किया गया है कई बार क्या होता है कि ये जैसे अगर हम 1990 से पहले के बारे में बात करें तो इंडिया ने भी अपनी करेंसी को फिक्स करके रखा हुआ था डॉलर के मुकाबले में तो सेंट्रल बैंक जो है जो आर मारी है यही फिक्स करती है दूसरा होता है जो फ्लैक्सीबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है आज के डेट में जैसे इंडियन करेंसी भी पूरी तरीके से फ्लेक्सीबल एंड फ्लोटिंग करेंसी है अब ये पूरी की पूरी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट होती है जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर में एक तीसरी होती है जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट होती है जहाँ पर आपकी कुछ करेंसी तो फिक्स रखी जाती है लेकिन कहीं कहीं पर इसको आर या फिर कह लीजिए कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरफियर भी करते रहता है कन्वर्टिबिलिटी को यहाँ पर चेक करते रहता है तो कई बार क्या होता है कि फुल्ली कन्वर्टिबल और दूसरी पार्शियल कन्वर्टिबल ऐसे टर्म आपको देखने को मिल जाते हैं इनफैक्ट 1990 से 1996 के बीच में हम लोगों ने भी धीरे धीरे पार्शियली कन्वर्ट को फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी में धीरे 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 करके अडॉप्ट किया था अब ये बात तो समझ में आ गई कि हमारे पास में जो डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट का उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे यहाँ पर दो तरीके चलते हैं एक होता है जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होती है और दूसरी होती है जो रियल वैल्यू की होती है जिसे हम लोग रियल एक्सचेंज रेट भी बोल देते हैं जो नॉमिनल होती है इसका मतलब ये होता है कि जो भी करेंसी चल रही है उसका एवरेज ले लिया जाता है तो दिस इज़ नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी अब जैसे यहां पर ये यह हो गया नॉमिनल एक डॉलर में पचास रुपए हो गया एक डॉलर में चौरासी रुपये हो गया सब नॉमिनल हो गया लेकिन यहां पर नॉमिनल और रियल में एक प्रॉब्लम है अगर मान लेते हैं कि कोई एक वैल्यू आपको डॉलर में मिल रही है दस डॉलर की मान लेते हैं ठीक है वही अगर आप इंडियन करेंसी के हिसाब से देखते हैं तो आपको ग्यारह डॉलर पड़ जा रही है या फिर अगर नॉर्मल वैल्यू में बात किया जाए अगर मान लीजिए कि पचास रुपए में कोई चीज है लेकिन आपको वो चीज पचपन रुपए में मिल रही है तो दिस इज नॉट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये रियल हुआ कि आपकी जो वैल्यू है बास्केट है जिसमें आपने सामान गुड़ को खरीदने के लिए जो आपने पैसे देने पड़ रहे हैं वो आपके महंगे पड़ रहे हैं वो है आपका रियल एक्सचेंज रेट एक पॉइंट यहां से जरा समझिएगा जैसे कई बार क्या होता है कि अर्जेंटीना जैसे ही कंट्री में अगर आप जाते हैं जहां पर करेंसी डिवेल्युएशन हो रखी है बहुत ज्यादा तो यहां के लोग कहेंगे कि ऐसा है कि एक डॉलर में अभी जो रेट चल रहा है वो एक हजार रुपये एक हजार पैसों चल रहा है लेकिन मेरे को आप ग्यारह सौ रुपए दो क्यों एक सौ रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो क्योंकि भाई हमारी करेंसी खुद पता नहीं क्या चल रही है कि कल को क्या हो जाए दूसरी चीज मैं आपसे पैसे लूंगा तो मैं भी तो जाके सामान खरीदूंगा और जब खरीदूंगा जिस सामान की वैल्यू में खरीदूंगा वो एक डॉलर मुझे ग्यारह सौ रुपये में पड़ रहे हैं तो ये जो करेंसी का यहां पर डिवेल है दिस तो क्या -क्या कि अगर कोई बैड मनी है कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि यही आपका अर्जेंटीना की ही करेंसी है पैसो अगर इसको नहीं सही किया गया तो इन फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा लोग डॉलर यूज करने लग जाएंगे तो एक समय के बाद में डोमेस्टिक करेंसी ही डॉलर बन जाएगी जैसे ग्रीस में हुआ ग्रीस में ग्रीस की करेंसी को छोड़ करके यहां पर यूरो दे दिया गया तो यही चीज होती है ग्रीषम लॉ यही बोलता है कि बैड मनी इट ड्राइव्स आउट गुड इट कॉज अंडर वैल्यू करेंसी टू गो आउट ऑफ सर्कुलेशन एंड ओवर वैल्यू करेंसी रिमेन्स इन सर्कुलेशन बट इट डज नॉट फाइंड एनअ बायर तो ये मेन चीज हो जाती है अब यहां पर एक्सचेंज रेट के क्या क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं कई सारे इफेक्ट हैं जैसे देखिए मान लेते हैं कि आ, ऐसे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं एक डॉलर में एक जमाना है एक टाइम चल रहा है जहां पर पचास रुपये है ठीक है और दूसरा है जहां पर अस्सी रुपये हो चुके हैं अब जरा ये बताइए इंडिया का कोई गुड इंडिया में जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पैटीज बन रही है ठीक है पैटी बन रही है अब इंडिया में इंडियन रुपी में ये अस्सी रुपये की हो गई और अगर मान लेते हैं कि पैटी को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट मार्केट में ये वैल्यू तो रिलेटिवली चीपर हो गई ये सस्ती पड़ गई तो सस्ती पड़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि अगर आपने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करके रखा है तो इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ जाएगा लेकिन आपका इंपोर्ट महंगा पड़ गया क्यों क्योंकि आपको एक डॉलर जो पचास रुपए की मिल रही थी सामान अब आपको अस्सी रुपए दे करके खरीदनी पड़ेगी तो कल को आप जा रहे थे पचास रुपए लेकर के लेकिन आज वही आपको अस्सी रुपए दाम में मिलेगा तो आपका सामान महंगा हो गया यानी एक्सपोर्ट तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा लेकिन इंपोर्ट उतना ही खराब हो जाएगा तो अगर आपने ओवर वैल्यू करेंसी लेकर के रखी है तो आपका ओवर वैल्यू का मतलब है कि दिस इज़ एप्रिशिएटेड मनी इसको बोलते हैं अप्रिशिएटेड मनी तो अगर आपकी एप्रिशिएटेड मनी है तो आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन तो कम रहेगी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड आपकी इंपोर्टेड गुड की वैल्यू तो कम हो जाएगी सर्विसेज एंड वाइस वर्सा लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं आप अगर आप अप्रिशिएट करके रखे रहेंगे वैल्यू को तो आप अगर आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है देन इट इज़ गुड लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट बेस्ड बनना है तो फिर आपका एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक फिर अल्टीमेटली अपनी जो भी करेंसी है उसको इंटरेस्ट रेट को लोअर करके रखेंगे इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पर अगर बात किया जाए तो यहां पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा क्योंकि आप तो इंपोर्ट बेस्ड बन चुके हो केवल और अगर आपकी इकोनमी को एक्सपेंड करना है देन यू नीड टू बी एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री ट्रेड ट्रेड डेफिसिट में आप जाएंगे सीधी सी बात है इंपोर्ट आपका बढ़ा हुआ है एक्सपोर्ट आपका घटा हुआ है कैपिटल फ्लो यहां पर फिर से एफ जो होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होगी बजाय की आपका करेंसी अप्रिसिएशन तो ये बात थी पूरी की पूरी रिलेटेड विद दिस एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया नेक्स्ट आर्टिकल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर के अब जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये निकाली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब जो अभी 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाली गई है यहां पर क्या बातें हुई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए हमारा 1992 का एक्ट है और इसी में हम कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली हमारा नया ट्रेड पॉलिसी आते रहता है अभी का जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें हम लोगों ने ट्रस्ट पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स इस थीम पर काम करना शुरू किया है इस बार के अगर पॉलिसी के बारे में बात किया जाए तो अभी चूंकि कोविड पैंडमिक हुआ प्लस साथ साथ में इस समय जियो पोलिटिकल भी काफ़ी वॉलटाइल चल रही है जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ फिर इसके बाद से आपका जो ईरान के साथ में आज की डेट में केस देख रहे हैं इसराइल पैलेस्टीन वाला मैटर हुआ तो तमाम मिडिल ईस्ट की जो भी इंस्टेबिलिटीज़ हैं यूक्रेन रशिया वॉर हो गया और इसके अलावा जो भी सुपर पावर की रेस चल रही है इन सब के कारण से कहीं ना कहीं हमें अपनी पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करने थे सो इंडिया हैज़ रीच्ड इट्स अ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट इनफैक्ट अगर हम लोग इस पूरे प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ा है इनफैक्ट अगर हम लोग 2022 में बात करें तो ये लगभग 55.4 परसेंट से बढ़ा है और वही 2023 में बात करें तो चौहत्तर दशमलव सात परसेंट से बढ़ा है ये दोनों डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेड बैलेंस के बारे में बात करें तो मर्चेंडाइज में यानी कि जो रिटेल होती है इस रिटेल में तो हम लोग अभी है ट्रेड डेफिसिट में लेकिन वही अगर सर्विसेज में बारे में बात करें तो सर्विसेज में हमारा सरप्लस है प्लस ओवरऑल में भी बात करें तो ये डेफिसिट ही है डेफिसिट क्योंकि रिटेल ज़्यादा है सर्विसेज रिलेटिवली कम है इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो है दो ट्रिलियन डॉलर का बाई ट्वेंटी इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं उसमें से पेट्रोल आती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आती है चावल आता है केमिकल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडिया के जो टॉप इंपोर्ट नेशंस है वो है चाइना यू यूएस रशिया और जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उसमें यूएस यू नीदरलैंड और चाइना ये पूरा जो हम लोगों ने टेबल डिस्कस किया दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट कुछ यहां पर छोटी मोटी बातें और भी हैं जो हम लोगों ने अपने न्यू फाइनेंस जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको लेकर के हम लोगों ने बनाया है एक तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एफ़ और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स रेमिशंस दिए हैं टैक्स में कुछ ना कुछ कटौती की जाएगी इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन किया जा रहा है अलग अलग तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन और अलग अलग रीअरेंजमेंट करके ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब यही है कि कैसे हम ट्रेड को और आगे बढ़ाएं जिसमें से हम लोगों को टैक्स में रेमिशन देते हैं लाइसेंस के लिए भी हम लोग कन्वीनियंस देते हैं प्लस साथ ही साथ में जो भी टेक्नोलॉजी या नई नई चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए भी बना करके देते हैं इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जा रहा है अलग अलग तरीके से कोलैबोरेट किया जाएगा एक्सपोर्टर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ में इसके अलावा ई कॉमर्स को भी एक्सपोर्ट करने के बारे में फोकस किया जा रहा है इसके लिए एक्सपोर्ट हब बनाए जा रहे हैं बाकी कॉमेट पॉलिसी लेकर के आई गई है ये जो स्कॉमेंट पॉलिसी है ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है जो भी हमारे पास में स्पेशल केमिकल जो हमारे पास में गुड्स होती हैं उनके सेल एंड परचेज को लेकर के उनके ट्रेड को लेकर के यहाँ पर बातें की जा रही है अगला जो टॉपिक है वो ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर के ही है ट्रेड फैसिलिटेशन का सीधा मतलब है कि आप ट्रेड किस तरीके से बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो ट्रेड बात हो रही है वो ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात हो रही है तो अभी ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है दैट इज़ नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन ये बेसिकली जो डब्ल्यू का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है इसी को आगे बढ़ाएगी ट्रेड फैसिलिटेशन बेसिकली ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए होता है कई बार क्या होता है रिट टैपिज्म हो जाती है यानी कि डॉक्यूमेंट में ही लाल कलम चल जाती है तो इस लाल कलम को कम से कम चलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हसल फ्री ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने कमेटी बना के रखी है जो कि जल्दी जल्दी ही चीज़ों को करेगा इसके अलावा जो डी जी एफ टी है दैट इज़ डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेड फॉरन ट्रेड पॉलिसी मतलब फॉरन ट्रेड इसने भी कई सारे इनिशिएटिव्स लेके रखे हैं जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो और ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज़ है ये सभी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना ट्रेड कर सके इसके लिए एक स्कीम निकाली गई है निर्यात बंधु जो कि जो भी एक्सपोर्ट प्रमोटर्स हैं या जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ पर सहयोग प्रोवाइड करेगा इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड दिया जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है ये टेन डिजिट का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जस्ट लाइक like आधार होता है पैन नंबर होती है टैन नंबर होती है वैसे ही ये भी एक ई आई ई सी होगा जो ट्रेड फैसिलिटेट करने यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा हेल्प करेगा एक और यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया जा रहा है इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के थ्रू आप हसल फ्री ट्रेड कर सकेंगे ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ये भी एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा इसके अलावा ट्रेड को और बेहतर और आगे बढ़ाने के लिए जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है वो भी डेवलप किए जा रहे हैं जैसे जहां जहां पर भी जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर ट्रेड के लिए आपको एक हब बनाया जाएगा और उस हब से उसी चीज का ट्रेड किया जाएगा तो जो भी टाउन 750 करोड़ या उससे ज्यादा के जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे उनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाया जा रहा है इसके अलावा स्टेटस इस होल्डर का भी एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा अगर कोई स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट अपने पास रखा है तो उसे एक बिजनेस लीडर के तौर पर रिकोगनाइज किया जाएगा और उसके जो कंट्री में जो भी ट्रेड होगा उसको हसल फ्री जैसे एक होता है ना कि ये इसको रेटिंग दे दी गई है कि बहुत बढ़िया मतलब एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर के नाम पर इसकी रेटिंग हो जाएगी और फिर अल्टीमेटली इनकी चीज़ों को प्रमोट भी किया जाएगा और आगे भी बढ़ाया जाएगा कई सारे प्रिविलेज रहेंगे इस सर्टिफिकेट से पहला इंटरनेशनल मार्केट में इनकी अच्छी खासी ये, पहचान रहेगी क्रेडिबिलिटी रहेगी और प्लस साथ साथ में जो भी कस्टम क्लियरेंस होगी वो इनको प्रायोरिटी हमेशा दी जाएगी एक्सपोर्ट प्रमोशन कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे एक है एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव हम लोगों ने जैसे अभी बात किया यहाँ पर टाउन ऑफ एक्सीलेंस वैसे ही यहाँ पर एक्सपोर्ट हब भी बनाया जाएगा ये जो एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर ही बनाया जाएगा जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स होंगे वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बनाए जा रहे होंगे और ऑनलाइन मॉनिटरिंग इनको किया जाएगा इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन आउटरीच प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है जिससे जो भी एक्सपोर्टर है उसकी ब्रांडिंग उसकी पैकेजिंग उसकी डिज़ाइन और उसकी जो भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं उसको भी देखा जाएगा बहुत सारे और भी इस तरीके के ऑनगोइंग स्कीम्स चल रहे हैं अगर हम लोग बात किया जाए इस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड स्कीम के बारे में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको समझना है कि ये बात हो रही है कैपिटल गुड को लेकर के दो तरीके के गुड होते हैं एक होते हैं जो आपके रिटेल गुड होते हैं रिवेन्यू गुड दूसरे होते हैं जो कैपिटल गुड होते हैं कैपिटल गुड लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देंगे जैसे मान लेते हैं कि आपने सपोज बेकरी की शॉप खोल करके रखी है तो जो भी यहाँ पर आपने मशीनरी लगा करके रखी हुई है वो एक तरीके का कैपिटल गुड हो गया तो आपको जो भी कैपिटल गुड है जो आपको इम्पोर्ट करना है वो इस स्कीम के थ्रू आप इम्पोर्ट कर सकते हैं इससे आपका इम्पोर्ट जीरो कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत आएगा यानी कि आपका जो भी टैक्स लग रहा होगा इंटरनेशनल टैक्स वो कोशिश की जाएगी कि ना लगे या कम से कम लगे तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बात समझ में आ गई एलिजिबल कौन कौन होगा इसमें जितने भी मैनुफैक्चरर हैं जितने भी मर्चेंट हैं जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं ये सभी लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे और इन लोगों को ये फायदा होगा मैनुफैक्चर एक्सपोर्टर कौन होते हैं अब जैसे मान लेते हैं कि आपको सपोज लैपटॉप की मैनुफैक्चरिंग करनी है लैपटॉप आप बनाते हैं तो लैपटॉप बनाने के लिए जो भी आपको मशीन की रिक्वायरमेंट है वो बन जाएगी आपकी मैनुफैक्चर यानी वही मैनुफैक्चर एक्सपोर्टर आप बन जाएंगे मर्चेंट का मतलब लैपटॉप आपने बना करके रखा हुआ है अब आपको रिटेल स्टोर पर बेचना है तो अब आप लैपटॉप को बाहर से मतलब दुबई से मान लेते हैं कि आपने इम्पोर्ट कराया यहाँ पर ले आकर के आप बेच रहे हैं तो आप बन गए मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी कि मर्चेंट जो भी रिटेल पे काम कर रहा होगा मैनुफैक्चर जो इस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा होगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अब यहां पर जैसे एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की एक बात कही जा रही है तो जो लोग भी ये ए, आ, मतलब ए होंगे इनको एग्जेप्ट किया जाएगा किसी भी तरीके की इंपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटी या किसी तरीके का अगर कोई रोक टोक लगेगी तो एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट ये एक तरीके का यूनिट बनाया जा रहा है जिससे आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकेंगे इसके अलावा जो भी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है और जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है इसमें कई सारे यूनिट्स होंगे जैसे कि आप गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी एक्सपोर्ट की जा रही है अलग अलग तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी पार्क हो गया या फिर आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ गया बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो गया या फिर जो आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम मतलब इस तरीके के जितने भी आपके पार्क वगैरह बना करके रखे गए वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं अब एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट को लेकर के लिखा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डीम्ड एक्सपोर्ट का फंडा क्या है जरा इसके बारे में समझ लीजिए डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब ये है सपोज़ मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जो केवल और केवल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम करती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम करती है इसका रिटेल विटेल का कोई काम नहीं है अगर मान लेते हैं सपोज़ ये जो कंपनी है वो मान लेते हैं कि बुक बुक का काम करती है मान लेते हैं बुक जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है अब आपने क्या किया कि आपने एक जोग्रफ़ी की खूब बढ़िया सी किताब लिखी सिविल सर्विसेज वाली और आपने कहा कि यार मेरे को ये ना इंटरनेशनल मार्केट में उतारना है आपने क्या किया इस बुक को बेचा इसी वाले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बंदे को जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है है तो ये डोमेस्टिक ऑब्वियसली इंडिया का ही है लेकिन साथ में इसके पास डॉलर्स भी खूब सारे होंगे क्यों क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में डील करता है तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो आप इसको अपने रुपए में या तो वैल्यू दें या फिर डॉलर में खरीद बेच कर ले इसके लिए तो दोनों इक्वली गुड है दोनों पैसे पड़े हैं इसके पास में तो जब आप इस तरीके का जब ट्रेड करते हैं तो इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट आपने एक्चुअल में यहाँ पर मार्केट में खाली इस बंदे को बेचा है सामान सप्लाई की है लेकिन आपका माना जाएगा कि आप भी एक्सपोर्ट टाइप का ही चीज कर रहे हैं क्योंकि आगे अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होने वाला है सो इसको बोला जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट तो वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो सॉरी केवल और केवल गुड्स के लिए सप्लाई होता है ध्यान रखिएगा सर्विसेज के लिए सप्लाई नहीं होता है इनफैक्ट यहां पर देखिए एक टेबल लगा दी जा रही है और इस टेबल पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर प्रोडक्ट तमाम यहां पर डिटेल्स बताई गई है जो कि अल्टीमेटली डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी डीम्ड एक्सपोर्ट कही जाएगी सुनिए आप तो यहां पर केवल और केवल गुड्स के लिए है तो जो गुड्स कंट्री से लीव नहीं कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली कंट्री के बाहर ही जाएंगे तो इनको या तो आप इंडियन रूपी में या फॉरेन करेंसी किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसको माना जाएगा कि आपने ट्रेड जो किया है वो एक्सपोर्ट टाइप का ट्रेड किया है तो दिस इज कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट बस ऐसे टर्म है ज्यादा कुछ खास है नहीं अब इससे क्या होगा भैया डोमेस्टिक मार्केट जो मैन्युफैक्चरर होगा वो अच्छा खासा मार्केट अपना वर्ल्ड में भी बनाएगा ग्लोबल वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड कर रहा होगा तो ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें की गई हैं कई और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ही अंतर्गत जैसे एक तो हो गया ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया कि हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स बनाएंगे इसके अलावा हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर हम लोग एक कहा गया यार ओके हाँ एक्सपोर्ट हब हम, हम लोग बनाएंगे वैसे ही यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी यही सेम एक्सपोर्ट हब बना रहे होंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक है वो मतलब डिजिटल फॉर्मेट में चीजें की जाएंगी अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर सपोज बैम्बू के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो बैंबू के प्रोडक्ट अब अमेजॉन पर भी लिंक हो जाएंगे और यहां से अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वर्ल्ड में इनका ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो एक तरीके का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये सेंटर फॉर फेवरेबल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट फॉर क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्टिविटीज तो जो भी ई कॉमर्स एक्टिविटीज है उनको क्रॉस बॉर्डर बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है समझना ये है कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट इनिशिएटिव या फिर पीपीपी दोनों ही फॉर्मेट में की जा रही है जैसे अमेजॉन हम लोगों ने देखा अमेजॉन ये ग्लोबल ब्रांड है प्राइवेट ब्रांड है इसके थ्रू भी किया जाएगा प्लस गवर्नमेंट चैनल के थ्रू भी किया जाएगा इसका फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा यह है कि एग्लोम्रेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज धीरे 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 करके एग्लोमरेट करेंगे और हो सकता है ये सभी मिलकर के अल्टीमेटली एक बड़ा बिजनेस बना लें इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के अंतर्गत बाकी इसके अलावा यहाँ पर और बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट को करने के लिए डाक घर निर्यात केंद्र बनाए जा रहे हैं जैसे हमारे पास में पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं वैसे यहाँ पर डाक घर निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है एक हब एंड स्पोक मॉडल के फॉर्मेट में काम करेगा जैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीजें आएंगी और फिर अल्टीमेटली डाकघर में पहुंचेगा और फिर डाकघर जो होता है उठा करके यहां पर सामान भेज देगा पर पर भी जाना है ई ई क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स करा देगा अब यहां पर कई तरीके के ड्यूटी एग्जीबिशन वगैरह भी दिए गए हैं जैसे एडवांस अथोराइजेशन अगर मान लेते हैं कोई एक कंपनी पहले से अपना एक सर्टिफिकेट लेकर के रखी हुई है एडवांस अथोराइजेशन का तो उसके ऊपर में किसी तरीके का ड्यूटी नहीं लगेगा तो जैसे पेमेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया या एडिशनल कस्टम ड्यूटी एजुकेशन सेस एंटी डंपिंग फलाना ढमाका जितने भी तरीके के यहाँ पर सैस टैक्स वगैरह होते हैं ये सब आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन भी होती है तो यहाँ पर केवल और केवल आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं यानी कि कस्टम ड्यूटी आप यहाँ से एग्जाम्ट हो जाएंगे ये बड़ा सर्टिफिकेट है और ये वाला फिर छोटा सर्टिफिकेट है उससे छोटा सर्टिफिकेट ये है स्कीम फॉर रोड टैप टैप का मतलब होता है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट तो यहाँ पर जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा जस्ट लाइक like जैसे जीएसटी में होता है जीएसटी में आप आईटीसी ले ले लेते टैक्स ले लेते हैं हैं टैक्स क्रेडिट या फिर इनकम टैक्स में आप अल्टीमेटली पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड जनरेट कर लेते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप जो भी टैक्स वगैरह पे किए होंगे वो सब अल्टीमेटली वापस आपको मिल जाएगा ये सब नोटिफाई किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो आप लोगों को ध्यान रखना है और बाकी टैक्स वगैरह कलेक्शन का काम कौन करता है रिवेन्यू करता है तो ऑब्वियसली ये जो रिफंड दिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू दिया जाएगा और इसीलिए ये सब एडमिनिस्टर किया जा रहा है किसके द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के द्वारा अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था इस कॉमेट के बारे में कि फॉरन जो भी इस समय फॉरन ट्रेड पॉलिसी आ रखी है उसके इस कॉमेट के बारे में बात की गई है इस कॉमेट मतलब स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज अब देखिए कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका डूल यूज़ होता है जैसे न्यूक्लियर के बारे में ही बात कर लीजिए न्यूक्लियर से आप बम भी बना सकते हैं प्लस साथ ही साथ में आप इससे जो भी हेल्थ वाला काम हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया ये सब काम भी कर सकते हैं तो ये डूअल यूज़ की चीज़ें हो जाती हैं तो जो डुअल यूज़ की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लगता है मल्टी लेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम और अल्टीमेटली इनको काफ़ी कुछ रेगुलेट करके भेजना हो जाता है तो इसके लिए अलग अलग यहाँ पर अथॉरिटीज़ होती है जो कि ये काम करती है जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देखती है इसी तरीके से अगर न्यूक्लियर रिलेटेड कोई इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी नॉट कंट्रोल्ड अंडर कैटेगरी जीरो होती है तो डी देखती है इसके अलावा अगर हम लोग देखें म्यूरिशंस म्यूरिशन का मतलब वही जो गोली बारूद वगैरह होता है अम्यूरिशन टाइप की चीज़ें होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है बाकी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं चाहे टॉक्सिक केमिकल हो गया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या जो भी मटेरियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर एरोस्पेस की चीज़ें या रिजर्व चीज़ें या स्पेशल मटेरियल ये सब डी ही देखता है बस आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड होता है या फिर डिफेंस से रिलेटेड होता है ये सब डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी के द्वारा देखा जाता है बाकी सारी चीज़ें डी अपना देख लेती है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें या तो प्रोहिबिटेड होती है या फिर ऑथराइजेशन जैसे हम लोगों ने बात किया इन ऑथराइजेशन के बाद ही आप सामान को फॉरन ट्रेड में डाल सकते हैं अब ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अल लॉफुल एक्ट 2005 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ये सब एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको जरा ध्यान रखना है कि किस तरीके से इनका ट्रेड किया जाता है बाकी यहाँ पर डीजीएफटी मेन होती है जो अल्टीमेटली देखती है इसको एडमिनिस्टर करती है और फिर ट्रेड करने में आगे काम किया जाता है नेक्स्ट ऑप इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया अब जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं जैसे एक होता है जिसको बोलते हैं पीटीए दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीमेंट दो पार्टी आएंगी आपस में करेंगी और कहेंगी मेरे सच्चे दोस्त हो और इस वजह से मैं तुम्हारे ही साथ ट्रेड करूंगा आपको हमेशा प्रेफरेंस दूंगा अब आप कह सकते हैं ये तो डब्ल्यू के खिलाफ है नहीं डब्लू के खिलाफ नहीं जा रहा है कहा यह जा रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरे पास सपोज एक लड्डू है ठीक है मेरे पास एक लड्डू है और मेरे इसके ए, ब, ब, मतलब कई सारे कंट्री वाले लोग हैं एक यूएसए वाला है एक यूरोप वाला है एक अफ्रीका वाला एक ऑस्ट्रेलिया वाला है एक मान लेते हैं कि आ, सिंगापुर वाला है मैंने कहा सिंगापुर वाले को भाई मैं एक लड्डू मेरे पास रहेगा मेरे पास ऑप्शन है कि आई कैन गिव दिस लड्डू टू यूएस वाला यूके वाला फ्रांस वाला बट आई विल गिव यू टू आई विल गिव दिस टू यू ओनली क्यों दिया क्योंकि मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ देट्स एट मैंने दूसरे के साथ थोड़ी ना ये कहा कि मैं तो आपको दूंगा नहीं मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं लड्डू दूंगा तो केवल और केवल सिंगापुर वाले को केवल और केवल नहीं मैं पहले आपको प्रेफरेंस दूंगा अगर मेरे पास दो रहेगा तो मैं दूसरे को भी दूंगा लेकिन पहला अगर रहा तो मैं पहले आप ही को दूंगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो दोस्त थे इंडिया और मान लेते हैं सिंगापुर वाले इन लोगों ने कहा अब तो मेरे दोस्त के होने के साथ साथ तो मेरे भाई भी हो और भाईओ इस वजह से मैं आपके साथ में जब भी, भी ट्रेड करूंगा तो मैं आपका जो भी टैक्स लूंगा वो कम से कम लूँगा क्योंकि घर की बात हो गई है अब तो तो जो भी टैरिफ होगी वो या तो मिनिमम से मिनिमम लगेगी या फिर कई बार नहीं भी लगेगी एग्जेप्टेड हो जाएंगे अब इसके बाद से ये दोनों कहे यार भाई भाई के साथ साथ अब जो है ना अब कुछ ज्यादा ही बड़ा रिलेशन हो गया है तो इस वजह से आपके जो भी घर वाले होंगे या आपके जो घर वाले होंगे उनको भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसको बोलते हैं कस्टम यूनियन कि also, कि मेंबर मेंबर कैन एक्सटेंड द टैरिफ फॉर नॉन आल्सो आपसे रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनको भी मैं उतना ही प्रेफरेंस दूंगा उतना ही बढ़िया जो भी वगैरह होगी उसको भी देंगे अब और मैटर बड़ा हुआ तो जब मैटर बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि जो आपकी मार्केट है पूरी उस मार्केट को भी हम जो है आपकी लेबर और कैपिटल की सप्लाई करेंगे और बाद में सभी लोग कहेंगे अब ऐसा है इधर उधर छोड़ो एक ही इकोनॉमी हम बना करके रखेंगे जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन जैसे यूरोपियन यूनियन होती है वैसे ही एक साथ एक पूरी की पूरी इकोनमी ही पूरी एक बना देंगे जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी सारी पॉलिसीज एक ही काम कर रही होंगी ऐसा तो देखिए यही इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि इंडिया ने यूएई के साथ में अपना एक बायोलिटरल एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो भी चीजें होती है वो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया बस ध्यान रखना है दिस इज नॉट अगेंस्ट द डब्लू रूल डब्ल्यू के खिलाफ ये नहीं है इंडिया ने एफ टी कंट्री के साथ में साइन करके रखा हुआ है मैं कहूंगा एक बार नाम जरूर देख लीजिएगा जैसे श्रीलंका हो गया नेपाल हो गया भूटान थाईलैंड सिंगापुर साउथ कोरिया जापान और मलेशिया मॉरिशस यूएई ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंट्रीज नहीं है जैसे यूएसए नहीं है इसमें यूके नहीं है ईयू नहीं है ये सब नहीं है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है ट्वेंटी पॉइंट सेवन इज अ गुड थिंग इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है कि इन इस बार के पेपर में जहां पर भी आपको अच्छा अच्छा नंबर लिखा होगा या इम्प्रूवमेंट कहीं पर देखने को मिलेगी आप उसको करेक्ट मार करके चल जाइएगा अब इंडिया ने जो एफ साइन किया हुआ है अलग अलग तरीके से किया हुआ है जैसे इनोवेटिव डिज़ाइन को लेकर किया है जो भी हमारे पास में नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको लेकर के भी किया हुआ है सर्विस सेक्टर को लेकर के किया है ट्रेडिंग पार्टनर को लेकर के किया आसियान के साथ किया हुआ है अब सवाल उठता है ये नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं एक होता है जिसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर टैरिफ का मतलब टैक्स वैक्स लगा करके सामान रोकने की कोशिश की जाती है काउंटर होती है एंटी डंपिंग होती है एटसेट्रा एटसेट्रा नॉन टैरिफ में आप टैक्स नहीं लगाएंगे क्या करेंगे आप यहाँ पर आप अलग अलग टेक्निकल नॉन टेक्निकल मेजर्स लगाते हैं जैसे कि फाइटोसैनिटरी मेजर आपका सामान साफ़ नहीं है आपका सामान जो होता है गड़बड़ आ गया है आपका सामान सड़ा हुआ आ गया है ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉन टैरिफ बैरियर के अंतर्गत आ जाती हैं अब ग्लोबल ट्रेड बैरियर क्या चीज़ होती है ट्रेड बैरियर का सीधा मतलब होता है जहाँ पर आप सामान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो जो भी आप ग्लोबल तरीके से ट्रेड को रोकने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं उसको बुलाता है ग्लोबल ट्रेड बैरियर अगर आप टैरिफ लगा करके कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि डब्ल्यू के खिलाफ हो जाता है डब्ल्यू इस चीज को जैसे इंडिया ने चाइना के सामान पर रोक लगा दी ये डब्ल्यू के खिलाफ है क्यों क्योंकि आपने बोला कि मेरे यहाँ पर सेमीकंडक्टर कंडक्टर के डिवाइसेज आ जा जाएंगी तो सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाएंगे बाहर का सारा सामान ही अल्टीमेटली यूज होते रह जाएगा केवल और केवल हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट कभी बन ही नहीं पाएंगे तो ये बन जाएगा एक तरीके का डब्ल्यू टी के खिलाफ जाकर के होने वाला ट्रेड बैरियर बस ये कहा जाता है कि भैया आपका जो सामान आ रहा है वो गलत प्राइस पर आ रहा है इस प्राइस पर आप नहीं दे पाएंगे और इस प्राइस पर जो चीज़ें की जा रही है वो डंपिंग की जा रही है ये सारा पॉइंट जो होगा वो जिनविन पॉइंट होता है तो ट्रेड बैरियर क्या होता है बात समझ में आ गई ट्रेड बैरियर दो तरीके का है टैरिफ नॉन टैरिफ अभी हम लोगों ने बात कर लिया नॉन टैरिफ में जैसे टेक्निकल बैरियर होते हैं सैनिटरी नॉन सैनिटरी को लेकर के नॉन टेक्निकल में होती है जैसे रूल ऑफ ओरिजिन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों को लेकर के बाकी एक्सपोर्ट रिलेटेड भी मेजर्स होते हैं अगर मान लेते हैं कि ट्रेड बैरियर इंडियन इंडस्ट्री पर लगाया जाता है तो उसका बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है चूंकि इंडिया का जो एट्टी ट्रेड है वो नॉन टैरिफ बैरियर के कारण से ही रुकता है जैसे ई यू वाले कई बार रोक लेते हैं यूएसए वाले तो खैर आए दिन रोकते रहते हैं तो कई सारे यहाँ पर रीजंस होते हैं अभी जैसे कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर रिसेंट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में लगाए गए जैसे चाय के ऊपर में बासमती चावल जो भी एनिमल प्रोडक्ट है केमिकल प्रोडक्ट है ये ई यू के द्वारा लगाया गया जापान ने ऐसे ही कपड़े के ऊपर मेडिसिन श्रिम्प हो गया सीड हो गया शीशम हो गया इन लोगों के ऊपर में लगाया शीशम का सीड होता है बेसिकली तेल निकाला जाता है इससे चाइना ने इसी तरीके से लगाया मीट फिश डेयरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर में यूएसए ने लगाया श्रिम्प और फ्रूट्स को लेकर के तो ऐसे लगातार आए दिन लगते रहते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है बस आप ये ध्यान रखिएगा इसमें से नॉन टैरिफ बैरियर क्या क्या चीज़ होती है अगर आपसे सवाल पूछा गया तो नॉन टैरिफ बैरियर के पॉइंट को लेकर के पूछा जाएगा बजाय कि ये सब जो मैकेनिकल पॉइंट्स हैं अब यहाँ पर अनकटाड दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है इसकी एक रिपोर्ट निकाली गई है दो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और इंडियन इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस डिटेल जानने की जरूरत नहीं है इतना याद भी नहीं कर पाएंगे और जरूरत भी नहीं है बाकी ये सारी ट्रेड रिपोर्ट्स हैं रिपोर्ट्स आप लोग जरा ध्यान रखिएगा रिपोर्ट के बारे में सवाल पहले आता था इधर में तो नहीं आ रहा है बट हाँ कभी भी रिपीट हो सकता है अनकटाड जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया भी इसका मेंबर है. बाकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में ही मेन बात यहाँ पर होती है ग्लोबल ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए डब्लू टी ओ बना दिया गया था ज्यादा बेहतर तरीके से चूकी केवल जो गैट है वो गुड्स को केवल देखता था तो अब सर्विसेज को भी देखने के लिए अल्टीमेटली डब्लू ला दिया गया था नाइनटीन नाइनटी फोर से अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को लेकर के कुछ जीरो नॉन टैरिफ जीरो टैरिफ कमिटमेंट्स थे इंडिया के उसका डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया इस डिस्प्यूट को हार गया है तो यहाँ पर सवाल यही है कि डब्ल्यू में जो डिस्प्यूट वगैरह होती है उसका सेटलमेंट कैसे होता है डब्ल्यू के कई सारे एग्रीमेंट होते हैं जैसे कि ट्रेड एग्रीकल्चर पर हो गया इसके अलावा ट्रिप्स को लेकर के होती है बाकी ट्रेड टेक्निकल बैरियर को लेकर के होती है ट्रेड फैसिलिटेशन हो गया गैट हो गया इसके अलावा जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स को लेकर के होती है फाइटोसेनेटरी और सैनिटरी मेजर्स को लेकर के होती है अब जब डिस्प्यूट होती है तो उसका एक तरीका होता है कि दोनों पार्टी आएगी दोनों पार्टी आपस में पहले आर्बिट्रेशन करने की कोशिश करेगी कि भैया ऐसा है म्यूचुअली एग्रीड कुछ सोल्यूशन निकाल लो अगर नहीं हुआ तो दोनों कहेंगे ऐसा है एक तीसरे बंदे को बुला वो तो, वो मैटर को सुनेगा और अल्टीमेटली फिर अपना जजमेंट देगा लेकिन जो जजमेंट देगा ये पैनल जो जजमेंट देगा जरूरी नहीं है कि ये कंट्री मान ही ले कोई बाइंडिंग नहीं होता है अभी रिसेंट में ये आप लोगों ने देखा होगा चाइना के ऊपर में लगा था चाइना ने कहा मैं नहीं मानता जो करना है कर लो अब ऐसी कंट्रीज हैं मान लेना चाहिए लेकिन नहीं मानती है खैर लेकिन बाइंडिंग नहीं होता है सो so, ये मेन चीज़ होती है अगर मान लेते हैं कि रिजॉल्व करना होता है देन यू कैन रिजोल्व द मैटर डिस्प्यूट लाइक दिस तो इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर यू की ब्लॉकिंग भी लगातार होती रहती है अपॉइंटमेंट को लेकर के तो ये सारे पॉइंट खैर बड़ी चीज़ नहीं है अब यहाँ पर डब्ल्यू के बारे में है डब्ल्यू के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया 1994 में है बेसिकली रूब वे राउंड से बेसिकली ये निकाल करके लेकर के आई गई थी उससे पहले गैट हुआ करता था गैट जो होता है आ, मतलब केवल गुड्स पर डील करता था 164 सिक्सटी फोर मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया भी इसका एक मेंबर है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डब्ल्यू टी ये दो में लॉन्च की गई थी डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के द्वारा और एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जिसमें मल्टी लेटर एग्रीमेंट किया गया था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट दैट विल इंप्रूव इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस बिजनेस क्लाइमेट इन मतलब क्लाइमेट को यह करेगा सवाल यह है क्या इसका मेंबर मेंबर इंडिया इंडिया है नहीं इज 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 नॉट अ एंड दैट दिस इंपॉर्टेंट कई बार क्या होता है सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है उस पर भी एक और सवाल होता है डेवलपिंग कंट्री को लेकर के जैसे अगर आप डब्ल्यू में जाएंगे तो यहां पर तीन कैटेगरी है एक है डेवलपिंग कंट्री एक है डेवलप्ड कंट्री और एक है अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड की डेफिनेशन तो दी गई है लेकिन डेवलपिंग और डेवलप्ड का डेफिनेशन नहीं दिया गया है यहां पर कंट्री आपस में डिसाइड करते हैं कि वेदर विच कंट्री इज डेवलप्ड और विच कंट्री इज अनडेवलप्ड मतलब डेवलपिंग तो चाइना को लेकर के मैटर उठा लोगों ने बोला कि यार ऐसा है चाइना डेवलप्ड है चाइना ने बोला नहीं हम डेवलपिंग है तो यही सारा मैटर उठा इसमें क्या चीज है बस आपको यह जानना है कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है नेक्स्ट इज डी डॉलराइजेशन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि डॉलर में ही सारी ट्रेडें चल रही थी ऊपर में अर्जेंटीना वाला जो केस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था अगर मान लेते हैं कि डॉलर की करेंसी हर जगह अगर मान लेते हैं प्रमोट होती रहेगी तो कहीं ना कहीं यूएस से एक पावर ब्लॉक के तौर पर निकल करके आएगा जैसे कोई भी कंट्री है कहीं पर भी अगर मान लेते हैं कि वॉर हुआ उसके ऊपर में सैंक्शन लगा दिया जाएगा जैसे अभी रिसेंट में देखने को मिला था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ अब सैंक्शन लगा दिया गया सैंक्शन लगा दिया गया तो अब आप जो होता है किसी तरीके का ट्रेड नहीं कर पाएंगे स्विफ्ट वगैरह काम ही नहीं करेगा इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए पेमेंट करने के लिए तो इस वजह से अब कंट्रीज ने निकल करके आया कि ऐसा है अब हम जो है वो डी डॉलराइजेशन करेंगे डी डॉलराइजेशन का मतलब वी आर नॉट गोइंग टू यूज डॉलर फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इसके लिए कई सारी कंट्री निकल करके आई है जैसे ब्रिक्स की ही कंट्री है तो ब्रिक्स वाले कहे हैं कि हम एक नया करेंसी लेकर के आएंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए अब ये कुछ भी हो सकता है इंडिया और मलेशिया ने इसी तरीके से सेटल किया है कि एक काम करो इंडिया और इधर हो गया मलेशिया मलेशिया वाले जब ट्रेड करेंगे तो मलेशियन करेंसी में करेंगे इंडिया वाले करेंगे तो इंडियन ट्रेड करेंगे इंडियन पैसे में करेंगे तो यहां पर इन दोनों कंट्री ने म्यूचुअल कर लिया कि आपस में हम लोग आपस वाली करेंसी यूज कर लिया जाएगा ये भी एक जो होता है डी डॉलराइजेशन का तरीका है डी डॉलराइजेशन से क्या क्या मतलब क्या क्या डिटरमिनेंट होते हैं एक ओपन इकॉनमी कि भैया दूसरी कंट्री के करेंसी को भी एक्सेप्ट करिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दो तरीके की होती है एक होती है जहाँ पर फुल्ली होती है दूसरी होती है पार्शियल जहाँ पर गवर्नमेंट रूट का और ऑटोमेटिक रूट दो तरीके होते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक्सेबिलिटी एंड ट्रस्ट ये सारी चीज़ें भी होती हैं अगला यहाँ पर आता है कि डिजिटोलेशन को क्यों किया जाए एक तो हम लोगों ने बात कर ही लिया सैंक्शन लगा दिया जाता है दूसरा अब नई इकॉनमी इमर्ज कर रही है तो क्यों हम यूएसए को बार बार तवज्जो दें हम अपनी करेंसी को भी करेंगे हम आसपास की करेंसी को भी करेंगे प्लस डाइवर्सिफिकेशन करने से बेनिफिट ही होगा और यूएस जो लगातार ये मैनुफ्लेशन वगैरह करते रहता है उससे जैसे अगर मान लेते किसी की भी इकॉनमी है अगर वो डॉलर पर बेस्ड है तो फेडरल बैंक यू का जो भी निर्णय लेगा उससे इसकी इकॉनमी इम्पैक्ट होगी हमारे यहाँ पर इंडिया में इसलिए इम्पैक्ट नहीं होती है क्योंकि हमारे यहाँ की इकॉनमी बैंक नहीं चलाता है हमारे यहाँ पर पब्लिक चलाती है हमारे यहाँ की इकॉनमी एमएसएमई बेस्ड है मैक्सिमम लोग एमएसएमई का काम करते हैं और इसी वजह से हमारे यहाँ की इकोनॉमी को यूएसए की इकॉनॉमी पर क्या चल रहा है फेडरल बैंक के क्या निर्णय आ रहे हैं सब शेयर मार्केट तक ही देखने को मिलता है नीचे नहीं आता है कई सारे बेनिफिट्स हैं जैसे सिस्टमैटिक रिस्क जो होती है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की जैसे वही हो गया कि फेडरल बैंक ने कुछ निर्णय लिया यूएसए के उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है इंडिया में भी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो गई डेप्ट मैनेजमेंट पर हम कंट्रोल कर सकेंगे रिडक्शन इन कॉस्ट हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा मॉनिटरी पॉलिसी में भी इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाएगी कई और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रुपए को लेकर के जैसे मसाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड यहाँ पर यूके में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था और मसाला इसलिए क्योंकि ये रुपए में ट्रेड करता है जैसे यूके में पाउंड में ट्रेड होनी चाहिए करेंसी लेकिन हम लोगों ने रुपए में किया है कि अगर आपको कोई भी यूके का बंदा रहेगा तो वो अपने पाउंड को पहले रुपए में कन्वर्ट करेगा और फिर ट्रेड करेगा और फिर अल्टीमेटली उसको पाउंड में कन्वर्ट करा करके अपना जो भी पैसा बेनिफिट वगैरह हुआ है वो ले लेगा इसके अलावा जो भी ट्रेड सेटलमेंट है वो भी हम रुपए में करेंगे और इसके लिए एक अलग से स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट भी खोल करके रखा गया है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट आर के द्वारा गवर्न होता है और यहाँ पर हम लोग जो भी पेमेंट सेटलमेंट होती है वो रुपए में करते हैं इसके अलावा हम लोगों ने करेंसी स्वैप भी कर रखा है जैसे मलेशिया के साथ हम लोगों ने किया हुआ है वैसे और भी तेईस कंट्री के साथ में हम लोगों ने करेंसी स्वैप करके रखा हुआ है बाकी और भी कई तरीके के मेजर लेकर के रखे हैं जैसे कि एशियन क्लियरिंग यूनिट हो गया या फिर हमारी ऑफ शोर मार्केट हो गया तो ये सारी चीजें हैं ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें अब जैसे दो हजार में ही चाइना ने अपना एक ग्लोबल सॉफरिन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रपोजल दिया अफ्रीका ने भी अपना जो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए कहा है कि हम लोग अफ्रीकन का मतलब जो भी ट्रेड है उसको यूज़ करेंगे फिर उसके बाद से यूरोपियन बैंक ने भी टारगेट टू सिस्टम बना करके रखा हुआ है तो जो भी मतलब ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करनी है वो अब हम लोग यूरो में करेंगे रेमिटांस वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट निकाली है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बिलीफ लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन के नाम से इतनी भारी भरकम रिपोर्ट है किसी काम की नहीं है अब यहाँ पर देखिए क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं एक फाइंडिंग आई है ग्लोबल रिमिटांस को लेकर के कि जो ग्लोबल रिमिटांस है उसमें तीन परसेंट का हमें इंक्रीज देखने को मिला है इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में रिमिटांस काफ़ी बढ़ा है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने की मिली है लगभग लगभग थ्री से रिमिटांस अब एक प्रीमियर सोर्स के तौर पर जो भी एक्सटर्नल फाइनेंस मतलब कि मतलब फॉरेन में करेंसी को देने के लिए एक प्रीमियर सोर्स के तौर पर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है जो भी ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उनके द्वारा इसके अलावा जो भी साउथ एशिया में रिमिटांस ग्रोथ है वो अभी तक की हाईएस्ट हमें देखने को मिल रही है और स्पेशली ये जो रेमिटांस फ्लो कर रही है वो इंडिया की ओर में रिमिटांस फ्लो कर रही है रेमिटांस क्या चीज़ होती है रेमिटांस का मतलब होता है फॉरेन से अगर करेंसी आपके घर में आए या फिर आपके कंट्री में आए तो जिस फॉर्मेट में आम जनता को मिलती है उसको बोलते हैं रेमिटांस एक एग्जांपल बताते हैं जैसे ही यूट्यूब है यूट्यूब पे आती है एडवर्टाइजमेंट्स और उस एडवर्टाइजमेंट से अल्टीमेटली जो भी क्रिएटर है उस क्रिएटर को आते हैं पैसे ये जो पैसा आता है मेनली वो डॉलर में होता है तो जब डॉलर अल्टीमेटली इकट्ठे हो जाते हैं तो मंथ के एंड में जो भी कलेक्टेड डॉलर होती है वो अल्टीमेटली जो भी क्रिएटर है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं तो ये जो अकाउंट में क्रेडिट किया गया है जो मेल आता है उस मेल में लिखा होता है कि आपको रेमिटांस दी जा रही है अब देखिए एज एक पर्सनल बंदे को कभी भी एफ नहीं आती है एक पर्सनल बंदे को कभी एफ नहीं आती है उसको आती है रेमिटांस बस यही बात है ध्यान रखना है एफ डी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी होती है उन लोगों को आती है आम जनता को रिमिटांस आता है ठीक है टॉप थ्री रिसिपियेंट कौन कौन थे इंडिया फिर मैक्सिको फिर चाइना स्टेट वाइज अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र केरल और तमिलनाडु टॉप थ्री रिसिपियंट कौन कौन थे थे परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अगर बात करते हैं तो एब्सोल्यूट नंबर में था परसेंटेज जीडीपी में तजिकिस्तान टोंगा और लेबनान इनकी इकॉनमी भाई छोटी है तो इनका रिमिटांस वैसे ही ज़्यादा हो जाता है परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है कंट्री वाइज शेयर यूएस का शेयर 23 परसेंट के आसपास है यूएई का शेयर 18 परसेंट है यूके का शेयर 6.8 परसेंट है ये सब इंडिया में आया है पैसा यानी यूएस से ज़्यादा पैसा इंडिया में आया है फिर उसके बाद से यू से पैसा ज़्यादा आया है और फिर यू से पैसा आया है इंडिया में कई तरीके की इंपॉर्टेंस होती है रिमिटांस की पहली चीज़ कि आम जनता को जो पैसे मिलते हैं उससे अल्टीमेटली जीडीपी की ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है लगभग तीन परसेंट हमें इंडिया की जीडीपी में रिमिटांस का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है डिस्पोजेबल इनकम मतलब लोगों की बढ़ती है यानी कि खर्च करने की जो टेंडेंसी होती है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है एक्सटर्नल फाइनेंस का एक मेजर सोर्स के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है वर्ल्ड बैंक uh, uh, मतलब, में एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज आईबीआरडी बी दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये मतलब इसमें 189 मेंबर्स हैं एंड दिस इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह का काम करता है या फिर लोन देने का या इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी बैंक के द्वारा ही मेनली की जाती हैं इसके अलावा आई होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट तो ये कुछ पाँच ऑर्गेनाइजेशन है जो डब्ल्यू के अंतर्गत आती हैं ये खैर बेसिक्स हो गया ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं एक चीज आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे है आपको ध्यान रख आपको ये बताना है कि इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है तो हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट निकाली जाती है जो डुई बिजनेस को लेकर के कम्युनिटी मार्केट को लेकर के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एटसेट्रा 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 अब एक लिबरलाइज्ड रिमिटांस स्कीम निकाली गई है आरबीआई ने अभी ये एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रिमिटांस स्कीम निकाली गई है ये जो रिमिटांस स्कीम निकाली गई है वहाँ मतलब जो भी बाहर में रहने वाले लोग हैं ओवरसीज यानी कि फॉरेन में रहने वाले जो भी लोग हैं जो लोग भी एक इंडियन रेजिडेंट हैं दे कैन यूज देअर क्रेडिट कार्ड अप टू द लिमिट ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव लाख ढाई लाख ना हाँ ढाई लाख डॉलर तक की लिमिट ये लोग यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का यूज जो किया जाता है सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है डॉलर में जाएंगे तो और कम हो जाती है लेकिन ये कहा गया है कि डॉलर में जो लिमिट होगी वो डेढ़ ढाई लाख तक की लिमिट ये दी जा सकती है अभी रिसेंट अभी के बारे में बात करें क्या करेंट स्टेटस है तो करंट स्टेटस फेमा एक्ट के अंतर्गत काम करता है और यहाँ पर जो भी क्रेडिट कार्ड ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उसके लिए अपनी एक कैप होती है डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए ऐसे ही अपनी एक कैप होती है तो ये सब आई डोंट थिंक इस पर कुछ खास बनना चाहिए ऐसा सवाल बस जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्ट यूज़ होता है वो फेमा एक्ट होता है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रूल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जाती हैं अब इससे काफ़ी डेमोग्राफिक इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर जो भी ज़्यादा खर्चे होंगे तो ऑटोमेटिकली उतने ज़्यादा फॉरेन विजिट्स भी हमें देखने को मिलेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी इकॉनमी को एफ के फॉर्मेट में या फिर जो ये हमारा रिमिटांस है उस फॉर्मेट में कलेक्शन भी देखने को मिल जाती है अब एक चीज़ होती है टी टी जैसे टी होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होती है वैसे ही होती है टी सी एस दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बस यही सिंपल है इसमें ज़्यादा कुछ इफ बट नहीं है दिस इज सेम लाइक टी वैसे ही टी होती है जो भी सेलर होता है किसी भी गुड्स और सर्विस को बेचने से पहले जब भी टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग टी सी एस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अब जैसे मान लेते हैं कि टी डी एस वही चीज़ होती है जहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स को काट लेती है और फिर अल्टीमेटली बाद में जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसको रिफंड कर दिया जाता है अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो ये चीज़ आ जाती है अब इनका जो टी सी एस यूज किया जाएगा फाइव परसेंट जो टी सी एस है फॉरन रेमिटांस का वो यूज़ किया जाएगा एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये जो टी सी एस होती है जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया यूट्यूब पे जो भी आ, मतलब पैसे वैसे आते हैं तो जब जितने भी पैसे आते हैं उसका पचास रुपये पर थाउज आई थिंक टेन थाउजेंड रुपीज़ पर टेन थाउजेंड पर पचास रुपये काट लेता है ये रेमिटांस फीस के फॉर्मेट में जाती है दिस कम्स मतलब दिस गोज़ अंडर ये रेमिटांस फीस ये पाँच परसेंट के आसपास बनता है तो पाँच परसेंट जो बना है फॉरन रेमिटांस मतलब ये पैसे यूज होते हैं एजुकेशन और जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उसमें चला जाता है ठीक है तो मेन चीज यही है और आई डोंट थिंक इसी सब पे कोई सवाल बनना नहीं चाहिए सब बड़ा टेक्निकल हो जाता है और इतना सिविल सर्वेंट को जानना मतलब जरूरत नहीं है ये सब मेनली जो काम करते हैं वो सीए वाले लोग करते हैं सीए जो लोग होते हैं उनका ये मेन काम होता है जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं उन लोगों के लिए अगर हम लिबरालाइज रिमिटांस स्कीम के बारे में बात करें तो इंट्रोड्यूस की गई थी टू में दिस इज इंपॉर्टेंट येस बिल्कुल ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं तो यहां पर ये जो है वो 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी दिस वॉज टू लिबलाइज द एग्जिटिंग फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड्रॉड द इंडियन रेजिडेंट बाकी इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल है वो आराम से ढाई लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक का जो यूएस डॉलर है वो रिमिट कर सकता है यानी के फॉर्मेट में भेज सकता है इंडिविजुअल आरबीआई से अपनी प्रायर परमिशन लेगा फिर अल्टीमेटली जाकर के इस रिमिटांस को दे सकता रहेगा डस्किम इज़ नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म्स एंड एच ओ एंड ट्रग्स वगैरह के लिए अलाउड नहीं होता है तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में एक बार ज़रा देख लेना है कई सारी चीज़ें यहाँ पर परमिटेड और कुछ कई सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोहिबिटेड भी हैं पर प्रोहिबिटेड क्या क्या है अगर मान लेते हैं कि कोई भी फेमा एक्ट के अंतर्गत कोई रिस्ट्रिक्टेड काम कर रहा है तो वो चीज़ ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड ही है ट्रेडिंग फॉरेक्स अब्रॉड जा करके फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा है कैपिटल अकाउंट रेमिटांस अगर दिया जा रहा है तो उसको लेकर के है तो ये चीज़ हो जाती है बाकी परमिसिबल बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे प्राइवेट विजिट अगर कोई कंट्री कर रही है एक्सेप्ट भूटान एंड नेपाल एल काम नहीं करता है यहाँ पर गिफ्ट एंड डोनेशन हो गया अब्रॉड अगर मान लेते हैं कोई जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए इमिग्रेशन के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा इसमें कुछ है नहीं और ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकें क्रेडिट एजेंसिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो क्रेडिट बेसिकली देती हैं अगर आप देखेंगे तो आप सभी लोगों का भी अपना एक क्रेडिट स्कोर होता है क्रेडिट स्कोर जिसको हम सिविल रेशियो uh, भी बोलते हैं तो ये बेसिकली होता है जो आपकी क्रेडिट स्कोर uh, देता है जैसे सात साढ़े सात सौ के आसपास होता है तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा माना जाता है और एट हंड्रेड के आसपास है तब तो बहुत ही अच्छा माना जाता है अब ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है अलग अलग होती है जैसे मूडीज़ की रेटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ये रेटिंग इंडिविजुअल को भी दी जाती है ताकि आप अच्छा लोन प्राप्त कर सकें या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कंपनीज होती है उनको भी दी जाती है ताकि वो लोग भी लोन वगैरह आसानी से ले सकें इसके लिए अलग अलग सिंबल होते हैं जैसे डबल ए ए ट्रिपल ए एटसेकट्रा एटसेक्ट्रा ये सब किसी काम का नहीं है बस आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो कि रेटिंग को ही बताते हैं कि रेटिंग क्या करती है अब इस रेटिंग का काफ़ी सारा रोल है जैसे ये इन्वेस्टर को जो भी इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट के समय डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं ताकि आपको पता चल जाता है इस कंपनी का क्रेडिट स्कोर क्या है जैसे मान लेते हैं आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो चुके हैं चार पांच बैंक से आपने लिया लोन लिया लेकिन पैसे नहीं समय पर चुका है तो छठवें बैंक के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि यह डिफॉल्टर है आपको लोन नहीं देगा सेम वैसे ही समय पर पेमेंट करने के लिए इनकरेज करता है ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़े इसके अलावा जो भी बॉरोवर है उसको लोन रिपेमेंट विद इंटरेस्ट के लिए डिपिक्ट करता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी मतलब क्रेडिट का काम होता है या जहाँ पर भी लोन वगैरह का काम किया गया है उसके लिए स्कोर दिया जाता है बेसिकली जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट में अच्छा बेहतर कर सके कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग अगर इंडिया में बात किया जाए तो सेबी के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है नॉर्मली जितने भी जैसे क्रिसल हो गया केयर हो गया ये जितने भी हमारे पास में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं वो सब फ्री काम करती हैं ऐसा नहीं किसी के दबाव में फ्री काम करती हैं अपने हिसाब से चीज़ों को देख लेती हैं तो अपना ओपिनियन बनाती हैं प्लस साथ में जो भी फाइनेंशियल मार्केट है ग्रो और इफिशियंट कराने की कोशिश करती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा अभी हाल फिलहाल में आई में अपना एक कोटा इंक्रीज किया गया है आई कोटा को निकालने के लिए फार्मूला होता है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी पंद्रह इंटरनेशनल रिजर्व पाँच परसेंट जी डी पी पचास परसेंट और ओपेंडस टू द इकॉनमी थर्टी परसेंट ये जो चारों पैरामीटर है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है अभी फिफ्टी परसेंट कोटा इंक्रीज किया गया है आगे जा कर के मेम्बर्स को भी इसी तरीके से प्रोपोर्शन में दिया जाएगा इसके क्या आखिर में फ़ायदे नुकसान क्या है तो इट हेल्प्स इन सेफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेकेंड इट रिड्यूसेज रिजिलियंस ऑन बोरोड रिसोर्सेज आई कोटा के बारे में बाकी आई के बारे में जरा समझ लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इससे अलावा कुछ होगा नहीं इंडिया का कोटा ध्यान रखिएगा 2.75 है वोटिंग राइट 2.63 है दैट्स इट इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बाकी इसके अलावा जो आई है वुड्स ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान में निकल करके आई थी इसको कई बार हम लोग वाशिंगटन डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं वाशिंगटन में इसकी हेडक्वार्टर है इसके अलावा इसके मिशन जो होते हैं वो मॉनिटरी कोपरेशन को लेकर के है ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के है और जो भी आ, मतलब आ, ऐसी पॉलिसीज़ को डिस्करेज करना जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में हार्म हो खराबी हो ये सब चीज़ें हों एक सौ नब्बे मेबर है इंडिया भी इसका एक मेंबर है इसके अलावा यहाँ पर दो रिपोर्ट्स निकाली जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया कैबिनेट कमेटी ने अभी एक इनोवेटिव पैकेज स्कीम बनाई है फर्टिलाइजर को लेकर के सवाल उठता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये क्या चीज़ है देखिए जो कैबिनेट होती है जो मेन हमारी एग्जीक्यूटिव विंग होती है इसको चलाने के लिए कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं ये जो कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं ये ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें कैबिनेट के मेंबर हो इसमें कोई भी मेंबर हो सकते हैं और इसके जो मेंबर होंगे वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी पीएम की कि कौन इसका मेंबर होने वाला है कई तरीके की कमिटीज होती हैं जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर तो इस तरीके की कई सारी कमेटीज़ होती हैं दीज आर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती हैं अब फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर के कई सारी स्कीम बनाई गई हैं जैसे एक स्कीम है पी प्रणाम पी प्रणाम का पूरा नाम है पी प्रोग्राम फॉर री अवेयरनेस जनरेशन नोरिशमेंट एंड अमीलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरीके की सस्टेनेबिलिटी को लेते हुए इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये कोई एक फर्टिलाइज़र की स्कीम है अब जैसे रिस्टोर भी आपको करना है यहाँ पर आपको अवेयरनेस भी जनरेट करनी है नरिशमेंट यानी कि जो आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो भी करना है तो इस, इस स्कीम को अल्टरनेटिव ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र के तौर पर लॉन्च किया गया था अल्टरनेटिव ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब चूंकि केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है जो फर्टिलिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है साथ ही साथ में यहां पर अल्कलाइजेशन भी हो जाता है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो हमारी वाटर लेवल है वो भी पोल्यूट होते जाती है तो इस चीज़ को सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए स्कीम है दैट इज पी एम प्रणाम स्कीम सिमिलरली इसी तरीके से मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लेकर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे जो गाय के उपले होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बने होते हैं जैसे एक स्कीम लाई गई थी गोवर्धन स्कीम गोवर्धन स्कीम में सेम इसी तरीके से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं चाहे वो जानवरों के हों चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हों इनके थ्रू अल्टीमेटली जो भी एनर्जी और वेल्थ बनाया जाएगा उसका प्रमोशन किया जाता है इस गोवर्धन स्कीम में गोवर्धन का पूरा नाम है गेल्वनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन और ये बेसिकली इसी इसी तरीके के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं अब उनको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पर उनका प्रमोशन किया जा रहा है सिमिलरली इसी तरीके से अभी यूरिया दिया जाता था पहले किसानों को अब यूरिया का मतलब क्या होता है एनपी यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश इनकी हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करनी होती है जमीन के अंदर यानी कि जो भूमि है जो सॉयल है वहां पर हमें एनपीके का रेशियो मेंटेन करना होता है नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि नाइट्रोजन की कमी होती थी तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन से जो केमिकल्स होते हैं जैसे यूरिया इसको यहां पर अप्लाई कर दिया जाता था लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो नाइट्रोजन है वो इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ये सब्सिडाइज वाला जो यूरिया है उसको लेकर के अपना इंडस्ट्रियल वर्क करने लग गई थी अब इस चीज़ को इस डाइवर्जन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि यूरिया को नीम कोटेड कर दिया अब ये नीम कोटेड यूरिया बन गया नीम कोटेड यूरिया बनने से दो फायदे हुए एक तो जो डाइवर्जन हो रहा था इलीगल वो रुक गया और साथ ही साथ में नीम के थ्रू जो यूरिया था वो ड्रॉप ड्रॉप करके अल्टीमेटली सॉइल में पहुंच रहा था जो कि काफ़ी अच्छा साबित हुआ अब इसी चीज़ को देखते हुए अल्टीमेटली ये देखा गया है कि चूंकि जमीन में सल्फर की भी कमी हो रही है तो हम क्यों नहीं नीम कोटेड यूरिया के जैसे ही हम लोग यहां पर सल्फर कोटेड यूरिया बनाए अब ये जो सल्फर कोटेड यूरिया है इसका नाम रखा गया है यूरिया गोल्ड ये इकोनॉमिकल रहेगा और कहीं ना कहीं अभी सॉइल के लिए इफिशियंट भी रहेगा सिमिलरली इसी तरीके से यूरिया सब्सिडी स्कीम भी बनाई गई थी ये स्कीम शुरुआत में सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया मार्च ट्वेंटी तक भी जिससे जो भी मतलब सेल्फ इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ यूरिया है उसको अब 2025 के लेवल तक हम सेल्फ सफिशियंट बना देंगे और इसके लिए तमाम आ, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो भी ओपन की जा रही है जैसे गोरखपुर में भी अगर बात करें तो पहले यहां पर जो फर्टिलाइजर थी वो बंद हो गई थी अब ये वापस रिस्टार्ट की जा चुकी है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के द्वारा दैट इज एच यू आर एल के द्वारा इंडिया में अगर बात किया जाए फर्टिलाइजर सेक्टर की तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर का कंज्यूमर है और फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है ये सब फैक्ट हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में बात करें तो ये कोर इंडस्ट्रीज के जो आठ पैरामीटर्स हैं जैसे आई एक चीज होती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें एट कोर इंडस्ट्रीज होती है और इस आठ कोर इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर भी एक कोर इंडस्ट्री के तौर पर निकल करके आता है यूरिया के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजर कंपोनेंट में ये टू थर्ड हिस्सा अपना बना करके रखा हुआ है इसके अलावा जो पोटाश होती है ये पोटाश को हम लोग नॉर्मली इंपोर्ट ही करते हैं तीन तरीके तीन क्या बेसिकली दो ही तरीके के फर्टिलाइजर्स होते हैं एक होता है जिसे प्राइमरी फर्टिलाइजर बोलते हैं दूसरे होते हैं जो सेकेंडरी होती हैं कई बार इसे तीन पार्ट में भी डिवाइड करते हैं जहाँ पर माइक्रोन्यूट्रियट को एज अ थर्ड फर्टिलाइजर टाइप बोला जाता है प्राइमरी का मतलब यही है जो हमारा एन का रेशियो होता है यही हमारी जो फर्टिलाइजर होती है उसको हम लोग प्राइमरी फर्टिलाइजर बोल देते हैं जैसे नाइट्रोजिनस दैट इज यूरिया डाई मतलब फॉस्फेट हो गया जो डाई अमोनियम फॉस्फेट के द्वारा निकल करके आता है और होती है पोटास जो कि पोटैशिक या फिर जो पोटास फर्टिलाइजर्स होते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजर जो सेकेंडरी न्यूट्रियट को लेकर के आते हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर एटसेट्रा एटसेट्रा बाकी माइक्रो न्यूट्रियट के तौर पर आयरन हो गया जिंक हो गई बोरान हो गई क्लोराइड हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा अब देखिए एनपी के रेशियो में अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन के बारे में तो चलो ठीक है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं कि हम लोग यूरिया इसको लेकर के आएंगे अब यूरिया को हम लोग चाहे प्राइमरी मतलब फर्टिलाइजर के तौर पर लेकर के आए या फिर सेकेंडरी फर्टिलाइजर जैसे हम लोगों ने सल्फर कोटेड गोल्ड यूरिया हम लोगों ने देखा फॉस्फोरस के बारे में अब जरा बात कर लेते हैं जो फॉस्फोरस है वो इंडिया फॉस्फोरस में डिफिशियंट है फॉस्फोरस मिलनी निकल करके आता है पहाड़ों से यानी कि जो माउंटेन्स हैं यहाँ से प्राइमरली निकल करके आता है अब अभी हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो इंडिया मैक्सिमम जो फॉस्फोरस है उसे इंपोर्ट करता है यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर के तौर पर है अब अभी जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ से करते हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे कि आपका लियोन हो गया फिर इसी तरीके से नाइजर हो गया घाना हो गया तमाम यहाँ पर आपको वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज मिल जाएंगे कई सारी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ब्रिटिश कॉलोनी रही थी और उसमें से कई सारी फ्रेंच कॉलोनी भी रही थी खैर यहाँ पे जो फास्फोरस निकाल करके या इम्पोर्ट करके लेकर के आया जाता है उसमें कैडमियम की इम्प्योरिटीज़ होती हैं कैडमियम से आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इताई इताई रोग एक डिसीज होती है वो फैल जाती है तो अब हमारे लिए डबल नुकसान एक तो क्या नुकसान क्या एक तरीके से काम बढ़ जाता है एक तो पहले हमें फॉस्फोरस को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं साथ साथ में उसकी हमें प्योरिफिकेशन भी करनी पड़ जाती है जो फास्फेट रॉक अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो स्टेट्स हैं यहाँ के पहाड़ों से निकाल करके लेकर के आया जाता है अभी हाल फिलहाल में कुछ डिपॉजिट्स इंडिया में देखे गए हैं जैसे ललितपुर उत्तर प्रदेश का हो गया जो बेसिकली मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है मसूरी हो गई सिंकलाइन जो कि अगेन हिमाचल के साथ में बात कर सकते हैं हिमाचल से क्या हिमाचल में कड़प्पा बेसिन हो गया जो आंध्र प्रदेश का है यहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स अभी हाल फिलहाल में माने गए हैं कि यहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स हैं अब फास्फोरस जब इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपोर्ट बेस्ड हो गया है तो हमें कुछ ना कुछ इसके लिए ऑल्टरनेटिव लेकर के आना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव का मतलब यही है कि फास्फोरस की जो भी कमी है या फास्फोरस अगर हमारे पास कम है तो हम उसको उसी हिसाब से यूज़ करें और इसके लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं प्रिसीज़न एग्रीकल्चर के ज़रिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है इसके अलावा एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेज़ हम लोग यहाँ पर अपना सकते हैं इसके अलावा माइनिंग अर्बन सीवेज के जो प्रोडक्ट होते हैं इसको भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं इनफैक्ट हम लोगों ने वाटर क्लीनिंग के दौरान में भी हम लोगों ने बात किया था कि अलग अलग तरीके का पानी होता है एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रे वाटर और तीसरी होती है हमारी ब्लैक वाटर जिसमें अलग अलग तरीके की गंदगियाँ होती हैं जैसे इसमें सैनिटेशन घर की कूड़ा सब कुछ ए टू जेड होता है ग्रे वाटर में क्या होता है कि इसमें जो फीकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं ब्लू वाटर तो खैर सबसे प्योर होता है तो इस तरीके से जो भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट्स आए हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट की रिसाइकिलिंग करके भी हम यहाँ पर फॉस्फोरस निकाल सकते हैं तो ये चीज़ हम लोगों को करना है अब कुछ कंसर्नस है हमारे फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को लेकर के एक तो क्या है फॉस्फोरस हमेशा कैडमियम के साथ ही मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम हमें मिलता है और ये इसकी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है क्लीनिंग प्रोसेस होती है और रिलेटिवली थोड़ी सी महंगी हो जाती है बाकी ये कुछ ही कंट्रीज़ में वेस्टर्न सहारा मिलता है जैसे मोरक्को हो गया वेस्टर्न सहारा हो गया चाइना हो गया अल्जीरिया हो गया इन एरियाज में प्राइमरली जो फॉस्फोरस है वो हमें देखने को मिल जाता है कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं है फॉस्फोरस के जैसे अगर मान लेते हैं वाटर बॉडी में अगर ये चला जाता है तो यहाँ पर वही कैडमियम की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसके कारण से यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिचनेस हो जाती है बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि वाटर जो होगा वो पोल्यूट हो गया है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट बैलेंस ख़राब हो जाएगा और जब पॉल्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पर हमें एलगी फॉर्मेशन यानी एलगल ब्लूम भी देखने को मिल जाती है बाकी जो कैडमियम बेस्ड या कैडमियम लेडन जो फर्टिलाइजर्स होती हैं जब ये सॉइल में जाती हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्यूनिफिकेशन के जरिए ये हमारे हर्ट मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में भी आ जाती है और यहाँ से हर्ट डिसीज भी हो जाती है बाकी हम लोगों ने तो बात किया कैडमियम के कारण से इटाई इटाई इत एक डिसीज है वो भी हो जाती है माइनर इरीगेशन अब एग्रीकल्चर में अगर हम लोग देखें तो तीन चार चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक सॉयल दूसरी होती है सीड तीसरी होती है फर्टिलाइज़र और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होती है इरीगेशन अब जो इरीगेशन होती है वो अलग अलग तरीके से होती है जैसे कुछ होती है जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके से जैसे मानसून डिपेंडेंसी हो गया या फिर ट्यूबवेल के ज़रिए हो गया या फिर जो कैनाल के थ्रू हो जाता है एटसेट्रा एटसेट्रा दूसरा होता है जहाँ पर हम लोग माइक्रो इरीगेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं माइक्रो इरिगेशन में जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गई या स्प्रिंकलर के थ्रू इरिगेशन कर दिया जाता है ड्रॉप ड्रॉप के बेसिस पर किया जाता है एटसेट्रा एटसेट्रा इसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अपना छठवां सेंसस रिपोर्ट निकाला है माइनर इरिगेशन स्कीम को लेकर के समझना है पहले कि आखिर में माइनर क्या होती है माइक्रो इरिगेशन इस माइनर इरिगेशन से अलग होती है माइक्रो इरिगेशन ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है जबकि जो माइनर इरिगेशन होती है या फिर मेजर इरिगेशन होती है या फिर मीडियम इरिगेशन होती है ये कवरेज एरिया पर डिपेंड करती है जैसे कैचमेंट एरिया कितना बड़ा आ रहा है जैसे अगर मान लेते हैं कैचमेंट एरिया या जो हमारा ये कल्टिवेबल कमांड एरिया जिसको बोलते हैं अगर वो दस हेक्टेयर से ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर इरिगेशन टेक्निक या प्रोजेक्ट से कवर किया जा रहा है तो उसको बुलाया जाएगा कि वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है सिमिलरली अगर दस हजार से दो हजार के बीच में है तो उसे मीडियम बोला जाएगा और वहीं दो हजार से अगर कम है तो उसे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोल दिया जाता है तो अभी हाल फिलहाल में माँ, माँ, जो माइनर इरिगेशन स्कीम है उसकी छठवीं सेंसस रिपोर्ट निकाली गई है अभी जो माइनर इरिगेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करें तो माइनर इरिगेशन में सरफेस और ग्राउंड दोनों को ही सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर जो वही ट्यूबवेल के थ्रू निकाल दिया जाता है और सरफेस वाटर नदियों से हो गया तालाब से हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा जो मेजर और मीडियम होते हैं ये प्राइमरली सरफेस सोर्सेज होते हैं जिसमें हम वाटर शेड मैनेजमेंट भी करते हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेना या फिर एक जगह पर गड्ढा खोद करके उसमें पानी भर लेना जस्ट लाइक आर्टिफिशियल लेक हो गया एटसेट्रा तो जो माइनर इरीगेशंस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो नॉर्मली ये पॉलिटिक्स का अपना मुद्दा भी बन जाता है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के लिए वोट बैंक के लिए जो माइनर इरीगेशन है उसको सरकारें इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा इसको अलाउ कर देती हैं तो माइनर इरीगेशन में दो तरीके हो गए एक तो जो ग्राउंड वाटर स्कीम हो गई जैसे डगवेल हो गया बोरवेल हो गया शैलो ट्यूब हो गया मीडियम ट्यूब हो गया ये हो गया जो ग्राउंड वाटर है यही लगातार डिप्लीट होते जा रहा है जैसे आप पंजाब के एरिया को देखिए या फिर आप हरियाणा के एरिया को देखिए या जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला इलाका हो गया इन सब एरिया में धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहा है जो सरफेस वाटर है इसी को मेनली यूज़ किया जाता है जैसे टैंक का पानी हो गया या चेक डैम का पानी हो गया रिजर्वायर का पानी हो गया तो इन सब चीज़ों को ये प्राइमरली सोर्स होना चाहिए लेकिन माइनर इरिगेशन में ये दोनों ही सोर्स यहाँ पर लिए जाते हैं माइनर इरिगेशन के कुछ यहाँ पर स्टैट्स के बारे में बात किया गया जैसे जो माइनर इरिगेशन होती है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये 1987-88 के बीच में लॉन्च की गई थी अब ये जो 1987-88 है यही बेंचमार्क भी लिया गया है आगे के ग्रोथ को चेक करने के लिए बाद में ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम बन गई थी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इस नाम को आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्लान है सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाता है मेनली इनफैक्ट अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें ये जो हमारा ऑफ माइनर इरीगेशन स्टैट्स है इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इसका मेन काम होता है कि जो भी माइनर इरीगेशन सेक्टर की जितनी भी स्कीम है उसका हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक रिलायबल डेटा मैनेज करना होता है स्टैट्स है तो सीधी सी बात है डेटा मैनेज करना ही करना है और का मतलब होता है जहां पर एक कॉम्प्रेसिव और एक रिलायबल डेटा सोर्स हमें मिल जाता है अगर इस रिपोर्ट के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात किया जाए तो पहला जो सेंसस रिपोर्ट वाटर बॉडी का निकाला गया था वो निकाला गया था दो मतलब ये जो फर्स्ट सेंसस निकाला गया है इट वॉज कंडक्टेड इन द कन्वर्जेंस विद द विदिक्स माइनर इरीगेशन प्रोग्राम यूज इन ट्वेंटी एज अ रेफरेंस ईयर मतलब ये जो माइनर इरिगेशन की स्कीम्स है इसका सेंसस तो पहले से ही चलता आ रहा है लेकिन अभी जो नया सेंसस निकाला गया है वाटर बॉडी का वाटर बॉडी का मतलब जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हमारे यहां पर अवेलेबल हैं यह सेंसस रिपोर्ट निकाला गया है पहला वाटर बॉडी को लेकर के और ये छठवें माइनर इरिगेशन स्कीम के साथ या फिर कह सकते हैं उसी का यूज करके उसी के डेटा का यूज करके इस्तेमाल करके निकाला गया है इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं कम से कम उसका हमारे पास में एक नेशनल लेवल पर डेटा बेस भी मौजूद रहे कई तरीके के यहां पर हमें रिपोर्ट में हाईलाइट देखने को मिलती हैं जैसे कि माइनर इरिगेशन के लेकर के बहुत सारी स्कीम्स हैं बहुत अच्छा खासा कवरेज इनका पूरे इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है करीब करीब 695 डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिल जा रहा है तो बोल सकते हैं कि ये मेजर मेजर फोकस एरिया गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बना हुआ है अब कभी भी डेटा को जो याद करना है वो एग्जैक्ट देता ना तो आप याद कर सकते हैं ना तो आपसे एग्जामिनेशन आपसे डिमांड करता है कि आप डेटा एग्जैक्ट याद करें आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए जैसे 695 डिस्ट्रिक्ट अगर बात करते हैं तो लगभग लगभग ये इंडिया को अच्छा खासा कवर कर रहा है 695 डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट आई थिंक 700 800 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे इंडिया में ही पड़ जाते हैं तो अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है यहाँ पर कुछ पचहत्तर छिहत्तर जिले हैं तो आप उसी हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि 695 करीब करीब इंडिया के लगभग -लग लगभग डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा होगा मेजर पोर्शन तो एटलीस्ट होगा ही और उस मेजर पोर्शन में माइनर इरिगेशन स्कीम जो होती है ये ज्यादातर रिपोर्ट की जा रही है दूसरी चीज ये स्टेट गवर्नमेंट फंडेड भी है तो सीधी सी बात है स्टेट गवर्नमेंट वाले लोकल वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहीं ना कहीं इस माइनर इरिगेशन स्कीम की तरफ चले ही जाएंगे तो दिस शुड बी द वे टू इंटरप्रेट दीज डेटा ठीक है इनफैक्ट माइनर जो स्कीम्स आ रही हैं उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर चूंकि डिप्लीट हो रहा है तो मेजर पोर्शन किसका होना चाहिए ग्राउंड वाटर का होना चाहिए 94 परसेंट के आसपास जो है 95 परसेंट के आसपास ग्राउंड वाटर का डेटा है और वहीं सरफेस वाटर चूकी इसमें काम करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर है ग्राउंड वाटर का मतलब सरफेस वाटर है तो जैसे वॉटर शेड करना पड़ जाएगा या तालाब बनवाना पड़ जाएगा आसान काम क्या है ग्राउंड वाटर को यूज करो इसमें तो काम पड़ जाएगा तो काम करने के लिए कहीं कही ना कहीं इसी वजह से फोकस एरिया बन जाएगा तो यह चीज रहेगी जो कम रहेगी इस माइनर इरीगेशन के फोकस एरिया में इनफैक्ट अगर माइनर इरीगेशन स्कीम के बारे में बात करें तो मेनली जितने भी एग्री स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया इसके अलावा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तमिलनाडु इन एरियाज में ज्यादा हमें माइनर इरिगेशन स्कीम देखने को मिल जाती हैं और उसमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है इसके अलावा इस माइनर इरिगेशन में सबसे आसान काम क्या है कुआ खुद दो कुए से मिलनी यहां पर पानी निकाला जाता है लार्जेस्ट शेयर में देखने को मिल जाता है इसके अलावा शेलो वाटर ट्यूब हो गया या फिर मीडियम वाटर ट्यूब हो गया डीप वाटर ट्यूब हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब चीजें यूज की जाती है हमारे इस माइनर इरीगेशन स्कीम के अंतर्गत माइनर इरिगेशन स्कीम में अभी इंक्रीज मतलब कि हमें ज्यादा डिप्लीशन देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द फिफ्थ सेंस रिपोर्ट इसके अलावा जो माइनर इरिगेशन स्कीम की जो ओनरशिप है ज्यादातर वो प्राइवेट लैंड पर हमें देखने को मिल रही है बजाय कि पब्लिक ओनरशिप को लेकर के इनफैक्ट इस इंडिविजुअल ओनरशिप में भी जो वुमेन का परसेंटेज है वो काफी कम है मतलब बोल सकते हैं कि वन फिफ्थ के आसपास हमें वुमेन का परसेंटेज देखने को मिल रहा है बीस परसेंट रफ आइडिया आप यहां पर याद करना चाहें तो कर सकते हैं यूसेज ऑफ स्कीम अगर देखते हैं तो नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ द इरीगेशन स्कीम जो होती है वो अभी यूज में है और आप अगेन ध्यान रख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो माइनर स्कीम्स है दे आर स्टेट फंडेड तो ऑटोमेटिकली स्टेट विल अलाउ दिस स्टेट कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान दे देता है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड अब जैसे हम लोगों ने पॉलिटी का जब पीटी 365 डिस्कस किया था यहां पर हम लोगों ने कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर के डिस्कशन किया था अब कोऑपरेटिव सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि तीन नए कोऑपरेटिव हमें देखने को मिले थे एक था जो ऑर्गेनिक फूड है उनको मतलब बेचने के लिए उसके लिए एक मार्केट बनाई गई थी वो एक कोऑपरेटिव थी दूसरी कोऑपरेटिव अभी बीज को लेकर के बीज सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव तो सीड को लेकर के ये सहकारी समिति बनाई गई है अब इस बीज से होगा क्या सहकारी समिति क्या होती है सहकारी समिति में लोगों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल जाता है लोग आपस में पार्टिसिपेट करके अल्टीमेटली दे विल क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट एंड अल्टीमेटली दिस इंस्टीट्यूट विल सेल द प्रोडक्ट तो ये बीज भारतीय बीज को बेसिकली ये बेच रही होगी फायदा क्या इससे इसे एक तो पहली बात सर्टिफाइड जो भी चीजें होंगी वो सर्टिफाइड तरीके से निकलेंगी दूसरा अब ये ग्राउंड लेवल पे इसकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी कोऑपरेटिव्स नॉर्मली गांव में या फिर बोल सकते हैं कि जो भी वहां का लोकल एरिया होगा उससे निकल करके आता है इनफैक्ट इस सहकारी समिति या जो कोऑपरेटिव है उसके कुछ बेसिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट टू के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया है यानी इसको देखेगा कौन इसको मॉनिटर कौन करेगा तो ये मॉनिटर की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूंकि यहां पर मल्टी स्टेट है एंड आप लोगों को पता होगा कि 2011 में जो हम लोगों ने नाइनटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया है इसमें नलीफाई किया गया है लेकिन ये मल्टी स्टेट वाली चीजों को रखा गया है कि दिस शुड बी द गवर्न बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा फायदा क्या होगा इससे हमें जो ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन की फील्ड है उसको प्रमोशन मिलेगा जो ट्रेडिशनल तरीके हमारे हैं जो कही कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्निक के कारण से दबे रह जा रहे हैं हट जा रहे हैं उनको हम प्रमोट कर पाएंगे ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो हेल्दी ग्रेन फ्रूट और जो वेजिटेबल है इसको जान पाए इसको देख पाए और साथ ही साथ में कंजर्वेशन की जो टेक्निक है वो भी समझ पाएगी इसके अलावा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये प्रमोट किया जा रहा है एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो कॉपरेटिव होती हैं वो कहीं ना कहीं फार्मर के वेलफेयर के लिए काफी कुछ काम कर रही हैं अब हम लोगों ने एग्रीकल्चर को लेकर के इनफैक्ट अभी डिस्कशन किया ही था कि एग्रीकल्चर के लिए जितना ज्यादा इरीगेशन इंपॉर्टेंट होती है उतना ही ज्यादा सीड भी इंपॉर्टेंट होता है अब सीड इंपॉर्टेंट है कई तरीके के हमें लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इस तरीके की दिक्कतें दिक्कतों में हमें इस तमाम चीज़ें देखनी पड़ रही हैं तो जो फार्मर है आखिर में उसको कैसे पता चलेगा कि जो वो सीड जो वो बीज खरीद के लेकर के जा रहा है वो सही तरीके वो सही बीज है कि नहीं है क्या उससे पैदावार अच्छी होगी कि नहीं होगी तो इसके लिए एक सर्टिफाइड तरीका होना चाहिए और इसीलिए एक सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा और इस स्कीम का नाम है साथी साथी का मतलब है सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल अब सीड सर्टिफिकेशन को लेकर के कई सारे इश्यूज हो रहे थे सर्टिफिकेशन तो समझ में आ गया है मेन काम इसका क्या होगा इसमें जो भी सीड का प्रोडक्शन है या जो सीड की क्वालिटी है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ में उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर अल्टीमेटली एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा एक क्यू कोड दिया जाएगा जिसको आप स्कैन करके उसकी जो भी ऑथेंटिसिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं देख सकते हैं ये जो पोर्टल होगा एन के द्वारा इसे मैनेज किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मेन इसको देखेगी एनआईसी का मतलब होता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वो सब एन के द्वारा ही देखी जाती है मिट्टी के अंतर्गत आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है इसकी स्कीम है जो थीम है बेसिकली उत्तम बीज एंड समृद्ध किसान ये मेन आप आ, मतलब स्लोगन के साथ में या थीम के साथ में अल्टीमेटली ये क्यू कोड पूरा जनरेट किया जाएगा अब इससे तमाम दिक्कतें भी आ रही हैं सर्टिफिकेशन को लेकर के पहली बात कि जो सर्टिफाइड सीड है हमें नहीं पता उसकी प्रिडिक्टिबिलिटी मतलब उसकी डिमांड कितनी होने वाली है होगी नहीं होगी क्या होगा क्योंकि कई बार क्या होता है जो फार्मर होता है वो चीप टाइप चीपर साइड जाना चाहता है वो देखना चाहता है कि भाई ठीक है पैदावार होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ में वो सस्ता भी होना चाहिए दूसरी चीज़ दो जो सर्टिफाइड सीड आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सीज़न मतलब उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी कम होती है इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी को लेकर के एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आ, मतलब ज़्यादा लोगों को एक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या होगा इसके अलावा कही कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में एक दिक्कत आ सकती है कई बार इसकी फजिंग की जा सकती है मतलब गलत तरीके से सर्टिफिकेशन से वही चिपका देते हैं ऐसा पता नहीं चल पाता है कि सही सीड है या नहीं है तो वैलिडेशन जो होती है एक इंपॉर्टेंट होती है अब वैलिडेशन या जो सर्टिफिकेशन है वो केवल वही यूज़ कर पाएगा जो लाइसेंस लिया होगा सेंट्रल जो मतलब रजिस्टर्ड है वही केवल और केवल जो लाइसेंस लिया वही सर्टिफिकेशन ये दे सकता है लेकिन अब ये सर्टिफिकेशन तो चलिए ठीक है लेकिन अभी हाल फिलहाल में कंपल्सरी नहीं किया गया है इसको अगर आप मतलब वॉलंटियर बेसिस पर है अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको मंत्रालय या फिर बोल सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है वो सर्टिफिकेशन देगी और वो सर्टिफिकेशन देगी इनैक्टमेंट ऑफ सीड एक्ट नाइनटीन के तहत इस एक्ट में प्रोविजन कर दिया गया अमेंडमेंट करके कि आपको सीड सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी जो है ये स्टाब्लिश की गई है जिससे जो भी सीड है उसकी क्वालिटी को और जो भी प्लांटिंग मटेरियल है उसको ये ऑथेंटिकेट करेगी देखेगी कि क्या सिस्टम चल रहा है ऑन द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम हो सकता है आगे जा करके इस सीड सर्टिफिकेशन को कंपलसरी बना दिया जाए अब देखिए कंपलसरी इसलिए भी नहीं बना जा सकता है पहली चीज हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने अभी इशूज़ के बारे में बात किया कि अभी हमें डिमांड नहीं पता है अभी हमें उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में ज़्यादा मतलब कम शेल्फ लाइफ है दूसरी एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हमें देखने को मिल रहा है प्लस मॉनिटरिंग अभी हमें नहीं पता है कि हमारी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूट हम लगा रहे हैं क्या वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी नेक्स्ट वन इज़ फूड स्टोरेज इन इंडिया अब देखिए अभी फूड स्टोरेज के बारे में अगर देखा जाए अब जैसे क्या होता है एपीएमसी एक्ट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा इनफैक्ट बीच में तीन किसान के जो बिल आए गए थे उसमें एपीएमसी को ही अमेंड किया गया था इसी को लेकर के मेन मैटर उठा था अभी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं अपने फसल को उगाते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपना मार्केट में सेल कर दें दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इस एपीएमसी मंडी में ले जा कर के सेल कर दें जब मंडी में सेल हो जाता है इसकी हालांकि अपने आप में कई सारी दिक्कतें हैं मंडी में सेल होने के बाद में यह चला जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में यहां पर स्टोर कर लिया जाता है स्टोर करने के बाद में अब यह पीडीएस यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो, जो दुकानें खोल करके रखी गई हैं उस पीडीएस के थ्रू अल्टीमेटली इस मंडी के द्वारा उठाया हुआ प्रोडक्ट यहां पर सेल कर दिया जाता है वही जो पीडीएस स्कीम के तहत स्कीम है उसके तहत दे दिया जाता है अभी हुआ क्या है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर ये लॉन्च की गई है इन द नेम ऑफ फूड स्टोरेज इन इंडिया अभी इसके लिए एक मतलब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित कर दिया गया है और यह अल्टीमेटली इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत ये जो प्लान बनाया जा रहा है एक बार ये बन जाएगा तो फिर अल्टीमेटली चीजें जो होंगी हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी आखिर में क्या है क्या चीज़ है जो इस पूरे के पूरे प्लान में किया जा रहा है यहाँ पर एम जो इसका है कि फूड सिक्योरिटी को आपको स्ट्रेंदन करना है जो भी वेस्टेज हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर चूहे वगैरह बहुत लग जाते हैं तो उसको रिड्यूस करना है प्लस साथ में जो फार्मर्स हैं उनको हम एम्पावर करेंगे कैसे नए गोदाम बना करके एग्रीकल्चर इंफ्रामेशन को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ा करके इसके अलावा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है इसको भी हम लोग अब बूस्ट करेंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर एड क्रेडिट सोसाइटी का मतलब कि एक सोसाइटी बनाई जाएगी जो फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है ये जो मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर यानी फार्मर यानी विलेज लेवल पर ही सीधे सीधे आपको आ, मतलब पैसे या जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा अब चूंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है सिंगल स्टेट है तो ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा बेसिकली गवर्न किया जा रहा है इसके अलावा जो ये क्रेडिट सिस्टम होगा या जो क्रेडिट सोसाइटी है जो शॉर्ट टर्म की भी लेंडिंग प्रोवाइड करेगी जो भी क्रॉप लोन है उसको लेकर के भी ये किया जाएगा इसके लिए जो इंप्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ध्यान देगी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बेसिकली देखेगी कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल स्कीम इसको रख दिया जाएगा ताकि जो पचहत्तर तरीके की स्कीम चल रही है उनको एक साथ एक जगह पर वन प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाएगा आखिर में वो पचहत्तर तरीके की स्कीमें क्या हैं कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च की गई हैं कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा है कुछ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एग्रीकल्चर वाली क्या है एग्रीकल्चर के लिए अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना करके रखा गया है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन है इसको लेकर के स्कीम बनाई गई है जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है ये मेनली माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज बना करके रखी है प्लस किसान संपदा योजना बना करके रखा गया है कंज्यूमर अफेयर वाले जैसे क्या करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन्होंने अपना फूड ग्रेन एलोकेशन बना रखा है प्लस साथ में जो एमएसपी के तहत प्रोक्योरमेंट है वो किया जाता है अब फूड ग्रेन मैनेजमेंट फिलहाल इंडिया में जो किया जाता है उसके बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि पहले जो फार्मर होता है वो अपना मंडी में ले जाकर के सामान बेचता है मंडी से फिर अल्टीमेटली सामान जितने भी होते हैं वो पहुंच जाते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में और यहाँ से जो पी की दुकानें होती हैं वहां पर ये सभी पहुंचा दिए जाते हैं तो जो अभी फिलहाल में टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो 310 मिलियन टन का पर ईयर हो रहा है लास्ट दो ईयर से अगर देखते हैं तो डेटा हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अब ये सिस्टम जो देखेंगे वो एक सेंट्रल सेंट्रल प्रोक्योरमेंट स्कीम हम लोगों को देखने को मिल रहा है वही अगर मान लेते हैं कि हम इसे डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी दूसरा ग्राउंड लेवल पर यह चीजें रूट लेवल पर कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है वही एफ लेगा फिर अल्टीमेटली एफ प्रोक्योर करेगा स्टोर करेगा और फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट की मदद से पीडीएस स्कीम में पहुंचा दिया जाता है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जो एलोकेशन की है वो स्टेट गवर्नमेंट की है और बाकी जो प्रोक्योर करने की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाती है डेटा के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहां पर जो ऑयल सीड है इसका हमें एक मिक्स मिक्स रूप देखने को मिल रहा है पल्सेस का भी सेम वही है कभी अप्स एंड कभी डाउन इस तरीके से देखने को मिल रहा है लेकिन अगर टोटल फूड ग्रेन को देखें तो ये लगातार लगभग लगभग हमेशा से ये ग्रोथ बनती बनती आ रही है तो टोटल फूड ग्रेन ये हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है लेकिन पल्सेस और जो ऑयल सीड है यह हमें मिक्स रूप देखने को मिल रहा है मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया अब देखिए अब जैसे मान लेते हैं कई सारे फूड के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं सीरियल्स ऐसे होते हैं अनाज ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेशन का शिकार हो जा रहे हैं कारण क्या है दो एक तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है और दूसरी मार्केट है हमारी इंटरनेशनल नॉर्मली क्या होता है डोमेस्टिक चूंकि डिमांड बढ़ती जाती है बट सप्लाई इज नॉट सेम ऑल द टाइम कभी कभी क्रॉप लॉस होती है कभी कभी शॉर्टेज होती है तो नॉर्मली इंटरनेशनल वाला जो होता है वो पूरी की पूरी जितना कोटा है वो भेज दिया जाता है मार्केट डोमेस्टिक में स्ट्रांग है यहां पर अगर सप्लाई मान लेते हैं कि कम हो जाएगी तो उतनी ही ज़्यादा इन्फ्लेशन में देखने को मिल जाएगी तो अब क्या किया जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनल वाला है कुछ प्रोडक्ट की जो इंटरनेशनल है उसको बैन कर दिया गया है कि अब आप सीरियल या जो भी चीज़ें रहेंगी उसको अब इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेजा जाएगा इससे क्या होगा जो डोमेस्टिक की प्राइस है जो इन्फ्लेशन है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी उससे हमारा फ़ायदा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो फूड है वो अवेलेबल हो पाएगा क्योंकि इंडिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा गरीबी है और लोग जो है अभी भी फूड ग्रेन को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो इंटरनेशनली अगर हम भेज देंगे तो डोमेस्टिक मार्केट हमारा कोलेप्स कर जाएगा तो इस वजह से अभी फिलहाल में ये एक स्टेप लिया गया है आखिर में फूड इन्फ्लेशन ये मैनेज कौन करता है फूड इन्फ्लेशन का मैनेज करने का काम होता है मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सारी चीजों को देखती है क्योंकि इंटरनेशनली सारी चीजें जो देखने का काम है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं आता है तो ये मेन काम होता है अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास में अलग अलग इंडेक्स होते हैं जैसे एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरी होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिमिलरली इसी तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो मेनली ये गुड्स को केवल देखती है जबकि सीपीआई जो होती है गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही देखती है तो आई थिंक ये आपने बेसिक्स कवर किए होंगे वहां पर आप डब्ल्यू और सी के बारे में देख रखा होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं फूड इन्फ्लेशन के बारे में अगर देखा जाए तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमारा सिक्स अभी हाइक किया है और वही फूड इन्फ्लेशन नाइन है जबकि वही उर्जित पटेल में देखें उर्जित पटेल की जो रिकमेंडेशन आई थी तो फोर प्लस माइनस टू परसेंट तक केवल और केवल इन्होंने कहा था कि अलाउ होना चाहिए यानी कि टू टू सिक्स परसेंट तक का इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं रिटेल इज ओके बट फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो चुका है और जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगी उतना ज्यादा हमारी फिजिकल पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत पड़ती है फिजिकल पॉलिसी उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है फिजिकल पॉलिसी को सारी चीजों को आप लोगों ने मोस्टली देख रखा होगा अब मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो टमाटर प्याज सीरियल यही सब मेन आते हैं वीट इन्फ्लेशन अभी हाल फिलहाल में क्यों हुआ क्योंकि तमाम रीजन थे पहली चीज़ क्रॉप लॉस हुआ हीट वेव के कारण से दूसरा पानी नहीं बरसा और तीसरा जो रशिया वाली वॉर चल रही है मेन यहीं से गेहूं आता था सनफ्लावर गेहूं यही सब चीज़ें यहां से आती थी अब क्या क्या है बात कर ही लिए जैसे मौस, मौसम की वेरिएबिलिटी हो गई या फिर ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस जो हो गए क्रूड ऑयल की प्राइस हो गई इस कारण से भी इन्फ्लेशन क्योंकि कही कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ट्रांसपोर्ट के कारण से अब ऑयल अगर ये पेट्रोल महंगा हुआ सारी चीजें महंगी हो गवर्नमेंट की अगर फूड इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में कौन कौन अफेक्ट करता है तो आप ऑल करेक्ट मार्क करके आएंगे अगर यही लॉन्ग टर्म की जगह पर शॉर्ट टर्म करता है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा

मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत कुछ टेम्पररी रिलीव प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके की स्कीम या फिर सरकार अपने खुद से प्रोवाइड करती है बता देती है इसी प्राइस पर ही सिर्फ और सिर्फ बिकेगा सभी लोगों को इसी प्राइस पे खरीदना है तो इसके लिए अलग से 750 जो प्राइस मॉनिटरिंग डिविजन्स हैं ये बना करके रखे गए हैं जो कि चीज़ों को देखती है अब यहाँ पर इन सभी जो कंट्रोलेबल या फिर बोल सकते हैं मॉनिटर करने वाले जो कमोडिटीज़ हैं उनको बोलाता है इसेंशियल कमोडिटीज़ शियल कमोडिटी इसल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली सारी चीजों को देखती है अब आप यह नहीं बोल सकते हैं कि मैं तो बेचूंगा कोई मुझे रोक नहीं सकता है। सरकार आपको रोक सकती है थ्रू दिस एक्ट कि यू कैन नॉट सेल बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू आपको सरकार के द्वारा तय किए गए दाम पर ही चीजों को बेचना होगा अब इसमें बेसिक चीजें ही होती हैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है फूड ग्रेन है चावल हो गया गेहूं हो गया आटा हो गया ध्यान रखना है गेहूं और आटा अलग अलग प्राइस पे मतलब अलग अलग तरीके से इसमें कंसीडर किया गया है दाल के बारे में ग्राम हो गया तुर हो गया उरद हो गया मूंग हो गया या मसूर की दाल हो गई एडिबल ऑयल में ग्राउंड नट हो गया मस्टर्ड हो गया वनस्पति सोया सनफ्लावर पाम ऑयल तो ऑयल अच्छे खासे हैं मतलब अच्छा खासा कवरेज है ऑयल का बाकी आलू हो गया प्याज हो गया टमाटर हो गया वेजिटेबल में काउंट होता है अब ऐसा नहीं कि हरी सब्जियों का दाम जो होता है सरकार डिसाइड करेगी यही तीन बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप अपना आलू कचालू बना सकते हैं बाकी के आइटम में जैसे चीनी हो गया गुड़ हो गया दूध हो गया चाय हो गई सॉल्ट हो गई ये सब भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते हैं टोटल बाईस हैं ये आपको ध्यान रखना है ये नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाकी अभी हम लोगों ने बात किया इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पावर्ड होती है कि जितनी भी चीज़ें हैं प्रोडक्शन सप्लाई ट्रेड फलाना धमाका इन सब चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है सारी चीज़ों को देखती है मार्केट अवेलेबिलिटी और प्राइस ये दो चीज़ें यहाँ से इंश्योर की जाती हैं बाकी और भी तमाम तरीके हैं जो कि फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए लिए गए हैं जैसे ऑपरेशन ग्रीन हो गया इस ऑपरेशन ग्रीन में मतलब जिस तरीके से ऑपरेशन फ्लड के थ्रू मिल्क का प्रोडक्शन किया गया था वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन के थ्रू जितनी भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी फैसिलिटी प्राइस स्टेबलाइजेशन इन सब चीज़ों को यहाँ पर आ, मतलब मैनेज किया जाता है बाकी प्राइस स्टेबिलाईजेशन एक फंड बना करके रखा गया है कि अगर मान लेते हैं कि पैसे जैसे मान लेते हैं दस रुपए की कोई चीज है पंद्रह रुपए हो गई तो पांच रुपए सरकार देगी अपने इस प्राइस प्रोक्योरमेंट प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड के थ्रू इसके अलावा एक्सपोर्ट को रोक दिया जाता है डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स दिया जाता है एमएसपी के थ्रू इनकम सपोर्ट या फिर सब्सिडी के जरिए और बाकी सप्लाई साइड मेजर्स लिए जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या फिर डाइवर्सिफिकेशन के जरिए अगला है हमारा एक्वाकल्चर सेक्टर एक्वाकल्चर सेक्टर में मिली, जो फिशरीज हो गई उनको देखा जाता है अलग अलग तरीके की फिशरीज होती हैं इनलैंड होती हैं मरीन होती हैं अब यहाँ पर कुछ डेटा है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एक कि इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन इनलैंड वाला है मतलब नदियों से तालाब से वो नंबर वन है दूसरी चीज फिश प्रोडक्शन एक्वाकल्चर पूरे मतलब कि इनलैंड और ओशियन दोनों को लेकर के सेकंड नंबर पे है फिश प्रोडक्शन थर्ड है ओवरऑल अगर देखते हैं तो पूरे फिश प्रोडक्शन को देखते हैं तो चौथा मतलब कि बाकी जो होता है एक्सपोर्ट जो फिश का या फिशरी प्रोडक्ट का हम लोग करते हैं वो चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं अभी हाल फिलहाल में कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का पार्लियामेंट ने अभी इनेक्ट किया है इसमें किया क्या गया है इसमें कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी एक मतलब अथॉरिटी बनाई गई है जो कि मतलब थोड़ी प्रोसेस को लीनियंट कर दिया गया है जैसे पहले क्या होता था मान लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के आपने कोई इलीगल तरीके से काम कर दिया या फिर ज़्यादा आपने एक्वा कल्चर कर लिया ज़्यादा ही आपने आ, मतलब एक्सट्रैक्टन कर लिया तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर्स वगैरह भी हुआ करते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा बेटर ऑपरेशनल फैसिलिटी ज़्यादा बेटर कन्वीनियंस के लिए अब ये जो आ, मतलब आ, जो पहले क्रिमिनल ऑफेंसेज हुआ करते थे उसको अभी डी कर दिया गया है मेन जो काम है वो यही है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ये कोस्टल एक्वाकल्चर को देखेगी इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है ये जो डायग्राम दिया गया है कि एक्वाकल्चर क्या होता है एक्वाकल्चर का मतलब होता है जहां पर आप मछलियां या जो सी वीड होते हैं घास वगैरह जो होती है समुद्री घास जिसको बोल सकते हैं या, है, है, या फिर जो क्रस्टेशियंस होते हैं जैसे केकड़े वगैरह हो गए या फिर जो झींगा होता है इन सब चीज़ों जितने भी मरीन प्रोडक्ट होते हैं इनको बुलाता है एक्वाकल्चर इसको अगर आप उगाते हैं यानी इसकी ब्रीडिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वा कल्चर अब ये अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे एक होता है जो आप तालाब या फिर टैंक में बना रहे होते हैं तो आपने यहां पर शिमप हो गया जैसे घोघा होता है या फिर फिनफिश हो गया इन सब चीजों को अगर मान लेते हैं आपने आर्टिफिशियल तरीके से एक फ्रेश वाटर में या कोस्टल वाटर में जहां पर भी है वहां पर आपने अगर मान लेते हैं उगाना शुरू किया तो ये बन जाता है उगाना मतलब कि वहां पर ब्रीडिंग कर रहे हैं आप दूसरा होता है बॉटम कल्चर बॉटम कल्चर जो होती है वो आप जैसे मान लेते हैं कि ये ओशन स्टार्ट हो रही है यहीं पर एक बैग बना करके यहीं पर रख दिया जाता है तो शैलो कोस्टल वाटर में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है मेनली वहां पर इसको बनाया जाता है फिर होती है लाइन्स लाइन के फॉर्मेट में होती है जहां पर जैसे सी वीड हो गया या फिर मसल्स वगैरह हो गए इन सब चीजों को यहाँ पर ब्रीड कर लिया जाता है बाकी थोड़े डीप ओशन में जब हम लोग जाते हैं तो यहां पर सम्म केज वगैरह होती हैं जिनके थ्रू अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों को किया जाता है अब इस एक्ट के कुछ की प्रोविजन है हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है थोड़े मोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं जैसे कोस्टल एक्वाकल्चर का मतलब क्या है कोस्टल का मतलब हो गया जो समुद्री हो गया एक्वाकल्चर का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कोस्टल एक्वाकल्चर में जितनी भी कोस्टल चीजें आती हैं मरीन आती हैं उसमें अगर मान लेते हैं कि फिश रिलेटेड या फिश के जो बाय प्रोडक्ट हैं क्रस्टेशियंस मॉलस्कस फिनफिश सीवीड या किसी भी तरीके का एक्वाकल्चर अगर है सैलाइन वाटर में है कोस्टल एरिया में है तो उसको हम लोग बोल देंगे कोस्टल एक्वाकल्चर यहां पर फ्रेश वाटर नहीं इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि कोस्टल में हमेशा सलाइन वाटर ही प्राइमरली हमें देखने को मिल जाता है दूसरी चीज इसका स्कोप क्या है हर तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की गई है बस आप ऐसे समझिए ध्यान रखना है कि जो भी काम करना है वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए रेगुलेशन क्या है अब यहां पर आपका पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है हम लोगों ने अलग अलग तरीके के कोस्टल रेगुलेशन जोन बना के रखे हैं जोन वन जोन टू जोन थ्री जोन फोर एटसेट्रा एटसेट्रा ये जो कोस्टल एक्वाकल्चर है आप कुछ जगहों पर नहीं कर सकते हैं जैसे कोई एरिया जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है जैसे इकोटोन वगैरह है या कोई नो डेवलपमेंट जोन हो गया या फिर कोस्टल सी के अंतर्गत अगर कोई प्रोहिबिटेड रूट है कोई प्रोहिबिटेड एरिया है वहां पर आप ये हमारा एक्वाकल्चर नहीं कर सकते हैं फिर होती है कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी में चेंजेस किए हैं चेंजेस को गोली मारिए चेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस अथॉरिटी में मेंबर कौन कौन होते हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं एक होते हैं इसके जो चेयरमैन मेनली होते हैं वो रहेंगे आपके जज कहाँ के हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज रहते हैं बाकी इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं इसके अलावा मंत्रालय के रोग होते हैं जैसे फिशरी के हो गए एनिमल हस्बेंड्री के हो गए एग्रीकल्चर के भी हो गए ये सभी लोग यहां पर इसके मेंबर के तौर पर रहते हैं बाकी इसके अलावा डीक्रमलाइज वगैरह किया गया ये सब आई डोंट थिंक कभी भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए कंपोजिशन इज इंपॉर्टेंट बाकी इसके अलावा जो यहां पर ये सब चीजें मतलब दी गई हैं आर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल इज इनलैंड फिशरी को लेकर के इनलैंड फिशरी अभी इंडिया ने चाइना को ओवरटेक करके हम लोग अब लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गए हैं फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं इनलैंड कैप्च मतलब कि फिशरी में इनफैक्ट ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है यहां पर कि हम लोग इनलैंड कैप्चरिंग में एक नंबर पर आ गए हैं बाकी फिश प्रोडक्शन में एक्वाकल्चर में हम लोग सेकेंड नंबर पर हैं तो डेटा इज इंपॉर्टेंट बाकी हम लोग फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं चाइना को हम लोगों ने पीछे किया है ये भी आपको ध्यान रखना है अगर इनलैंड फिशरी के बारे में अगर बात करें तो ये लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है जबकि मरीन प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं स्टैगनेशन है बहुत हल्की फुल्की ग्रोथ है ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है इन लाइन फिशरीज जो होती हैं वो नदियों में या फ्रेश वाटर में या फिर रिजर्वायर में या फिर तालाब में इन सब जगहों पर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है मेनली दो तरीके से की जाती है या तो मछली को पकड़ करके या फिर मछली को कल्चर करके यानी मछली की यहाँ पर ब्रीडिंग की जाती है प्राइमरली अलग अलग तरीके से जैसे कि टैंक और पॉन्ड हो गया या फिर ठंडे वाटर में हो गया केज कल्चर होती है रिजर्वायर में केज बना दिया जाता है ब्रैकेज वाटर और सलाइन एक्वा कल्चर ऑर्नामेंटल फिशरीज़ होती हैं और लास्ट में होती है जो रिवराइन होती है रिवर के वो मतलब कह सकते हैं कि चीज़ों में क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइव स्टॉक सेक्टर लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में आप लोगों को पता है कि लाइव स्टॉक सेक्टर प्राइमरली जितनी भी हमारी आ, मतलब जानवरों से रिलेटेड चीजें होती हैं भेड़ बकरी वगैरह हो गई या फिर कैटल्स हो गए ये सभी चीजें आ जाती हैं हमारी हमारी आ जाती हैं लाइव स्टॉक सेक्टर के अंतर्गत अभी क्या हुआ है अब हम लोग लाइव स्टॉक सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर को और प्रमोट कर रहे हैं हमें एमएसएमई uh, सेक्टर को इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व कराना है तो अभी किया यही गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बैंड्री एंड डेयरी है या जो मिनिस्ट्री ऑफ़ फिशरी है एनिमल हस्बैंडी एंड डेयरी इन सब लोगों ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया इस लाइव स्टॉक सेक्टर को लेकर के क्रेडिट गारंटी यानी क्रेडिट दिया जाएगा लोन पे एक तरीके से पैसा समझिए दिया जाएगा किसके द्वारा दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर के द्वारा दिया जाएगा कि एमएसएमई सेक्टर अब ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व होगी और दूसरा क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन लाइव स्टॉक सेक्टर के जितने भी प्रमोटर्स हैं उन लोगों को अब मिल जाएगा ये जो स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू इनका पैसा आएगा अब इस फंड के बारे में अगर बात किया जाए तो ये सेंटर सेक्टर की स्कीम है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम पैकेज के अंतर्गत इस चीज को बनाया गया है हर तरीके से है क्या क्या डेयरी को लेकर के इनफैक्ट कैटल अगर आपने पाल रखे हैं तो क्या मिलेगा दूध मिलेगा सीधी सी बात है इसके अलावा मीट प्रोसेसिंग हो गया एनिमल फीड हो गया ब्रीड इन्वॉल्वमेंट इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी हो गई वेटनरी और जो ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज है इनको भी प्रमोट किया जा रहा है बाकी गोधन के बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा गोधन का मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्ट आइटम है या जो एनिमल वेस्ट है उससे हमें एनर्जी बनाना वेल्थ बनाना इन सब चीजों को लेकर के किया जा रहा है अब इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दिया जा रहा है एक तो तीन परसेंट का आपको पहले ही इंटरेस्ट सन्वेंशन मिल जाएगा दूसरा नाइनटी परसेंट टोटल जो कॉस्ट प्रोडक्ट है उसकी आपको लोन मिल जाएगी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या फिर जो हमारी एनसीए डी है एटसेट्रा एटसेट्रा एक्चुअली होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं मान लेते हैं आपको कोई भी लोन लेना है ठीक है लाइव स्टॉक कह लीजिए या किसी भी तरीके का तो आपको होता क्या है कोई उसकी एक संस्था होती है जैसे नॉर्मली इंडस्ट्री को लेकर के डी होती है आप करेंगे ये जो भी स्कीम है उस स्कीम के तहत आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है फ्री होती है रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है जैसे अलग अलग तरीके जैसे उद्यम हो गया उद्यम रिपोर्ट आपको मतलब उद्यम सर्टिफिकेट आपको देना होता है फ्री होती है वो भी रजिस्ट्रेशन होती है एमएसएमई में ही सिमिलरली इसी तरीके से एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है कि आपको लोन कितना चाहिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको सब कुछ लिखना होता है कि आप क्या करते हैं क्या करना चाहते हैं जो काम आप करना चाहते हैं उसमें कितना टोटल पैसा लगेगा अलग अलग तरीके जैसे एक होती है डब्ल्यू वर्किंग कैपिटल बोलते हैं और एक होती है टी जिसको टर्म लोन बोला जाता है तो आप क्या कितना लेना चाहते हैं तो जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उतना आपको लोन नॉर्मली 60 70 परसेंट आपको मिल जाता है तो अभी इसमें यही बोला गया कि 90 परसेंट टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है डब्ल्यू सी प्लस टी दोनों मिला करके जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगा बाकी लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में आप लोगों को पता है एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो अभी ट्वेंटियथ लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ है उसमें लाइव स्टॉक का हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है बाकी डेयरी हो गया पोल्ट्री हो गया फिशरी हो गया बी कीपिंग हो गया आई थिंक ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं कुछ यहाँ पर छोटे मोटे फैक्ट दिए गए हैं जैसे फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन तो ये हो गया आपका वर्गीज कुरियन हो गया ऑपरेशन फ्लड इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था एक तरीके से कह सकते हैं और बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर अब इंडिया में बना दिया गया है बाकी कुछ कमोडिटीज यहाँ कुछ सर्वे दिया गया है सर्वे के कुछ की हाईलाइट्स हैं जैसे कमोडिटी के बारे में देखते हैं यहाँ पर ग्रोथ है यहाँ पर उसके मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जैसे दूध के बारे में बात करें व्हाइट रिवोल्यूशन इंक्रीज हुआ है कितना 22 परसेंट उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है बाकी राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एग प्रोडक्शन हो गया सिल्वर रिवोल्यूशन बोलते हैं यह भी 33 परसेंट से बढ़ा है आंध्र प्रदेश सबसे आगे है बाकी ये सब स्टेट्स हैं मीट प्रोडक्शन पिंक कल्चर बोलते हैं इसको यह भी बढ़ा है उत्तर प्रदेश बाकी सारे स्टेट ये जो डेटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन याद रखना है इनफैक्ट रट्टा मार लीजिए ज्यादा बेटर होगा आज नहीं तो कल यूज हो जाएगा चाहे वो प्रॉब्लम्स में यूज हो चाहे आपके मेन्स एग्जामिनेशन में यूज हो जाए कई तरीके के इशूज हैं जैसे पहला प्रोडक्टिविटी काफी कम है इंडिया में बहुत सारे कैटल हैं लेकिन उसका केवल पचास परसेंट ही केवल हम लोग ग्लोबल एवरेज का कंट्रीब्यूट कर पाते हैं क्यों कई कारण है उसके एक तो प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता जो न्यूट्रिशियस फूड है दूसरी चीज बीमारी वगैरह हो जाती है हेल्थ वगैरह हम देख नहीं पाते हैं फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है दूसरा स्टेट सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है उतना ज्यादा है नहीं कारण फंड्स नहीं है पूरे पैसे नहीं मिल पाते हैं उतना ज्यादा हमें इनफैक्ट जीडीपी में भी उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है इसके अलावा बहुत अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल तरीके से होती है कोई मार्केटिंग नहीं कोई इसकी फूड प्रोसेसिंग नहीं है वैल्यू एडिशन कुछ खास हो नहीं पाता है तो बहुत ही बेसिक लेवल पर ही चीज़ें चली जाती हैं इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से भी कई तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं जो जैसे आप खुद सोच सकते हैं इतनी गर्मी है हम लोग परेशान हो जा रहे हैं सभी लोग परेशान मतलब ह्यूमन परेशान हो जा रहा है जानवरों की तो बात ही नहीं है इनफैक्ट आप देखिए कुत्ता देखे, देखे होंगे नॉर्मली इन लोगों को मतलब वाटर फोबिया होता है लेकिन आप कुत्ते देखेंगे अब पानी में पड़े हुए मिल रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बेचारे वो भी अपना फोबिया छोड़ करके पानी में घुस जा रहे हैं सब नेक्स्ट वन इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड टर्मरिक मतलब हल्दी अभी ये लगाया गया है तेलंगाना में सेटअप किया गया है काम क्या है इसका टर्मरिक यानी हल्दी को प्रमोशन मिलना चाहिए कैसे मिलेगा लोगों को अवेयर करके प्लस साथ में उसकी कंजम्पन को और ज़्यादा बढ़ा करके ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत इस बोर्ड को बनाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब प्रमोशन हो लोगों में इसका अवेयरनेस आए क्योंकि ये मेडिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेल्थ वाइज इंपॉर्टेंट है और बाकी आ, जो ये आ, मतलब प्लांट है उस प्लांट का भी प्रमोशन हो जाएगा बोर्ड के बारे में बात करें तो इसमें चेयरमैन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं बाकी हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या डिमांड जनरेट करना है आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जिससे कि जो वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर दें इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें इंप्रूव करना है लॉजिस्टिक्स को हमें इंप्रूव करना है ताकि हम जो टर्मरिक है या जो टर्मरिक बेस्ड प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट को हम लोग बढ़ा सकें इसके अलावा गुड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी हमें बढ़ाना है ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें डॉक्यूमेंट करना है जिससे कि जो भी इसकी यूज हो सकते हैं जैसे कई तरीके के यूज होते हैं मतलब कई तरीके के कॉस्मेटिक्स में भी इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है ये भी किया जा सके बाकी इसको रिसर्च की जाए क्लिनिकल ट्रायल वगैरह किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चूज में इसका इस्तेमाल किया जा सके नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विद नाबार्ड नाबार्ड क्या है नाबार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं जो कि 1982 में बनाई गई थी बनाई गई थी बी शिवाराम कमेटी के रिकमेंडेशन पर अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है और जिस तरीके से आरबीआई बैंक्स को देखती है वैसे ही नाबार्ड नाबार्ड जितने भी हमारे गांव के जो आ, कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह करते हैं उनको ये देखती है उनको ये फंड्स प्रोवाइड करती है इसका काम बहुत सारा है जैसे एक तो हो गया जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है जैसे आरबीआई करता है वैसे ये भी काम करता है कि अपना री कर देना आर जो होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं और दूसरे होते हैं जो क्रेडिट फ्लो को फैसिलिटेट करना कुछ यहां पर नॉन क्रेडिट भी होते हैं जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के आना ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना लाइवलीहुड का प्रमोशन करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट रूरल इनोवेशन इन सब चीजों को भी प्रमोट कराना ये सब चीजें इसका मेन काम होता है अभी आ, हुआ क्या है कि जो नाबार्ड है इसने कुछ सोशल इंपैक्ट एक बॉन्ड होता है उसके थ्रू पैसा रेज किया है सोशल इंपैक्ट क्या होता है सोशल इंपैक्ट का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि सपोज मैं हूं मैंने अपना एक एनजीओ खोला मैंने कहा कि मुझे जो होता है एजुकेशन में काम करना है तो एजुकेशन में काम करने के लिए अब क्या होगा ये जो नाबार्ड है नाबार्ड से मुझे पैसे चाहिए और मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप मुझे पैसे दो उसके बदले में मैं एजुकेशन में आपको काम करके दूंगा तो ये किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए मैंने चीजें स्टार्ट की तो मैं इस कॉज के थ्रू सोशल इंपैक्ट लेकर के आऊंगा और इस सोशल इंपैक्ट के जरिए हमारा समाज सुधरेगा और अल्टीमेटली यही तो मेन काम है इसका नाबार्ड का तो इसको बोला गया सोशल इंपैक्ट बॉन्ड तो एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग का तरीका है जिससे गवर्नमेंट किसी एक सर्विस प्रोवाइडर एन या किसी भी मतलब कोई भी बंदा होगा उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा ये काम शुरू किया गया था महाराष्ट्र में ही एक म्यूनिसिपल थी दैट इज पिंपरी छिंदवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें स्टार्ट किया गया था इसने स्टार्ट किया था मेनली यूएनडीपी के अंतर्गत और बड़ा अच्छा हुआ था बड़ा अच्छा फेमस हुआ था तो इस चीज़ को और आगे बढ़ाया गया है कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हमारे नाबार्ड के द्वारा जैसे प्रमोशन किया जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए इसके अलावा वाटर डेवलपमेंट वाटर शेड्यूल डेवलपमेंट है वो भी किया जा रहा है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड किया जा रहा है वादी मॉडल एक निकाल करके लाया गया था ट्राइबल पॉपुलेशन की ही लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए बाकी रीफाइनेंसिंग का काम करता है रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को तो खैर देता ही देता है नेक्स्ट वन इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसी का नाम आपको तमाम जगह सुनने को मिलेगा कहीं पर भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई क्रॉप आ रही है तो यही उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और यही इनफैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करती है हुआ क्या है कि ये जो आई है ये एक कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ में मिल करके एक रिपोर्ट निकाली है मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें रिपोर्ट निकाली है कॉन्फ्रेंस का नाम है फ्रॉम रिसर्च टू इंपैक्ट टूवर्ड जस्ट एंड एग्री फूड सिस्टम जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लीजिए ये जो आईसीएर है ये सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री के अंडर है दैट इज एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर काम क्या है इसका काम बड़ा ही सिंपल है इसे एक आ, मतलब रिसर्च के तौर पर यूज करना है बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है यहां पर चेयरमैन होते हैं रिसर्चर्स वगैरह होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा मेन काम इनका क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाकी जीएम को जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्टिफिकेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं अब ये अलग अलग तरीके की क्रॉप वैरायटी को इन्होंने ग्रीन रेवल्यूशन में इन लोगों ने सर्टिफिकेशन दिया है जैसे कि जीएम वैरायटी जो आपकी राइस की हो गई या वीट की हो गई या फ्रूट की हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा बाकी इन्होंने सीड प्रोग्राम भी चवा मतलब बना करके रखा है जैसे सवाल बाड़ वाला है जहाँ पर सारे जितने भी प्लांट है पौधे हैं सब कुछ सबकी बीज ले आकर के सवाल बाड़ में रख दिया गया है जो कि क्रायोजेनिक कंडीशन में रहता है बहुत ठंडा है नॉर्वे में पड़ता है इसके अलावा नेशनल जीन बैंक एक बना करके रखा गया है जस्ट लाइक दिस सवाल बाड़ ग्लोबल सीड वर्ल्ड हम लोगों ने अपना खुद का एक जीन बैंक बना करके रखा हुआ है न्यू डेली में जीनोम सिक्वेंसिंग की जाती है जैसे राइस की गेहूं की टमाटर पोटैटो इन सब चीज़ों की भी जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है बाकी बायोटेक्नोलॉजी सोल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, का काम करना सर्टिफिकेशन का काम करना और बाकी अवेयरनेस ये सब चीज़ें इनका मेन काम होता है दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल वाली दैट इज कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ये 1971 में इस्टेब्लिश की गई थी बाकी ये एक एनजीओ के टाइप से काम करती है इंटरनेशनल जितने भी रिसर्चर्स हैं वो इसमें आते हैं कोलैबोरेट करते हैं बाकी इनका जो मेन काम है वो इन फाइव सोशल इम्पैक्ट एरिया पर आता है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी बाकी पॉवर्टी रिडक्शन लाइवलीहुड जेंडर इक्वालिटी क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट तो क्लाइमेट इन्वायरमेंट ये तो आराम से आप पकड़ ही लेंगे बाकी न्यूट्रिशन पॉवर्टी और जेंडर ये तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी उन्नीस में माइंस एंड मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए एक एक्ट लाया गया था दैट इज माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एम एम डी आर एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेवन अब समय के साथ में उस उन्नीस सौ संतावन का जो एक्ट है इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं जैसे दो हजार में किया गया 2020 में 2021 में और इन अमेंडमेंट्स के दौरान में एक बड़ा अमेंडमेंट किया गया था 2015 में और इस अमेंडमेंट में एक डी एम एफ दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ये बनाया गया था अभी फिर से एक नया अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2023 में अब देखिए इन अमेंडमेंट्स की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि समय के साथ में जो लॉ होता है वो रिडंडेंट हो जाती है और इसलिए समय के साथ में धीरे धीरे चीजों को बदलना भी पड़ता है दूसरी चीज अब ये सारे जो मिनरल्स वाली चीजें हैं जो माइनिंग या एक्सप्लोरेशन करने की चीजें होती हैं दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा इस्ट्रांग करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करने ज़रूरी होते हैं अब जैसे अभी वाला जो एक्ट है अभी हाल फिलहाल में जो चेंजेस किए गए हैं पहले क्या होता था कि कैप्टिव और मर्चेंट माइनिंग के लिए अलग अलग लाइसेंसिंग और डिफरेंसेस होते थे कैप्टिव का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी है उसने कैप्टिव लाइसेंसेस ले लिए अब वो जो लाइसेंस है या वो जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए माइनिंग करेगी और उसको डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं कर सकती है वो जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना एक इंटरमीडियरी के तौर पर यह मिनरल यूज करती है केवल वही कर सकती है और मर्चेंट माइनर्स तो सीधी सी बात है यह अपना डायरेक्ट टू कस्टमर डी यानी कि जो आपका डायरेक्टली मिनरल सेल किया जाता है वो कर लेंगे अब इन दोनों चीज़ों को हटा दिया गया है कि अब यहाँ पर कैप्टिव या मर्चेंट माइनिंग नाम की चीज नहीं रहेगी अब सिंगल लाइसेंसिंग रहेगा दूसरी चीज माइनर जो मिनरल्स है मिनरल कंसेशन के ट्रांसफर को लेकर के अब जैसे यहां पर भी आप लोग देख रहे होंगे जो रियल एक्ट है उसका एक छोटा सा यहां पर कटिंग लिया गया है ट्रांसफर ऑफ मिनरल जो लाइसेंसेज है उसको लेकर के अब जैसे इसमें दे दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट को सारे पावर दे दिए गए हैं कि जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड है से मान लेते हैं किसी एक कंपनी ने अपना ये लाइसेंस लिया लेकिन वह कंपनी काम नहीं कर पा रही है चाहे बैंक हो गई है या फिर ज़्यादा काम बढ़ गया है उसका जो भी करना है तो अब ये किसी दूसरे कंपनी को अपना जो भी लाइसेंस है वो ट्रांसफर कर सकती है अब इसके लिए स्टेट इस गवर्नमेंट को जो भी इसके आ, इसके बदले में जो भी पैसा वैसा या जो भी फीस चाहिए होगी वो फीस लग जाएगी ना अल्टीमेटली ये चेंजेस हो जाएंगे तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हुए थे कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर करने के लिए कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स थे जहाँ पर रोक लगाई गई थी तो उन सब चीजों को अब लगा दिया गया है इससे अब कंपनी में कंपनी दूसरे कंपनी को अपना ट्रांसफर लाइसेंसिंग कर सकेगी ईज डूइंग भी यहाँ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये काफ़ी अच्छा यहाँ से बढ़ेगा तो एक अच्छा कदम माना जा रहा है इस माइन्स एंड मिनरल सेक्टर के अंतर्गत हालांकि ये जो एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं आगे अभी बात करेंगे प्राइवेट इंटरप्राइज भी पार्टिसिपेट कर रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो बूस्ट देगा लेकिन कही न कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो नोकझोंक हो सकती है ये कई सारे ऐसे होते हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में होते हैं तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक हमें बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हमें देखने को मिल सकता है तो ये कुछ इकोलॉजिस्ट जितने भी लोग हैं इकोलॉजिकल साइंस वाले लोग हैं इन लोगों का थोड़ा सा ये कंसर्न जरूर है कुछ अगर हम लोग की फीचर्स के बारे में बात करें इस एक्ट को लेकर के तो अभी क्या है कि जो एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस दिया जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ हैं जो डीप सीटेड मिनरल्स होते हैं कुछ होते हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड एक टॉपिक ही है तो अभी क्या हुआ है कि अब पहले अलग अलग लाइसेंसेस हुआ करते थे क्रिटिकल के लिए डीप सीटेड के लिए अब क्या हो गया है कि एक लाइसेंस दिया जाएगा जो प्री एक्सप्लोरेशन यानी एक्सप्लोरेशन करने से पहले या फिर जो भी ऑपरेशन करने हैं उन सब चीजों के लिए अब एक लाइसेंस दे दिया जाएगा दूसरी चीज ऑक्शनिंग करने के बारे में बात की गई है अब ऑक्शनिंग करने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी जिम्मेदारी लिया करता था अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में है सारी ऑक्शन करने की प्रोसेस तो ऑक्शन करने की प्रोसेस बिडिंग करने की प्रोसेस जितना भी है वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी लेकिन ऑक्शनिंग करने के बाद में ये सारी डिटेल भेज दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये एक कोऑपरेटिव गवर्नेंस का भी एक अच्छा कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी का भी एक अच्छा तरीका माना जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शनिंग करा करके सारी डिटेल स्टेट के पास भेज दे रही है अब स्टेट जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है जो भी लाइसेंस हैं जो भी फीस है ये सब कुछ अब स्टेट गवर्नमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को फ्री हैंड यहां पर दिया गया है अब इसमें जो ऑक्शनिंग करने के लिए मिनरल्स दिए गए हैं उसमें 29 मिनरल्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि सारे मिनरल यहां पर इंक्लूड नहीं किए गए हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे लिथियम के हो गए या फिर कॉपर के हो गए पोटाश का हो गया जिंक का हो गया ये सब यहां पर इंक्लूड किया गया है अब यहां पर पहले क्या होता था कि फाइव ईयर की लाइसेंसिंग दे दी जाती थी अब क्या है फाइव प्लस टू ईयर की एक्सटेंशन होती है अब सीधे तौर पे सात साल की लाइसेंसिंग दे दी जाएगी कि चलो ठीक है सात साल का आपको लाइसेंस दे दिया गया है नाउ यू कैन एक्सप्लोर फॉर नेक्स्ट सेवन ईयर कोई भी अलग से लाइसेंस या फिर परमिशन वापस लेने की जरूरत नहीं है माइनिंग लीज को लेकर के है लाइसेंस जो होती माइनिंग लीज को लेकर के पहले दी जाती थी उसके लिए जो भी रिवेन्यू फेच करना होता था स्टेट गवर्नमेंट अपना कर लेती थी अब क्या किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी चीजों को करेगा कुछ यहाँ पर मिनरल्स को ऑमिट भी किया गया है जैसे जो बारह पहले अटोमिक मिनरल्स की लिस्ट हुआ करती थी इस एक्ट में जो चीज दी गई है उसमें से छह मिनरल को हटा दिया गया है ये मिनरल्स जैसे बेरिल एंड बेरिलियम के हो गए लिथियम के हो गए नियोबियम के हो गए टाइटेनियम के हो गए टैनिनियम के हो गए जिरकोनियम के हो गए ये सब मिनरल्स हैं जो इससे हटा दिए गए हैं मैं कहूँगा कि एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा हो सकता है कि क्वेश्चन uh, पूछ लिया जाए ठीक है तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा लेंथनाइट सीरीज की ये सारी चीज़ें हैं मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर जो मिनरल को यहाँ पर अमिट किया गया है दीज हैव वेरियस एप्लीकेशंस स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इस वजह से इसको ले लिया गया है कि ठीक है इनकेस अगर जितना भी जीरो एमिशन को लेकर के नॉर्म वगैरह है वो इन पर नहीं आएगी इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की अब एंटर एंट्री कर दी गई है प्राइवेट सेक्टर भी अब यहाँ पर आकर के अपना लाइसेंसिंग वगैरह लेकर के इन सारी चीज़ों को कर सकता है आपको पहले पता होगा कि जो एटॉमिक मिनरल्स हुआ करते थे उस पर केवल और केवल गवर्नमेंट एंटिटी ही मतलब रिजर्व रहती थी गवर्नमेंट एंटिटी ही केवल और केवल देख सकती है यह एटोमिक मिनरल डायरेक्टली पीएमओ के द्वारा गवर्न होती है अब यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं तो यहीं से इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव एरियाज हैं या जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं थोड़ा सा उनको कंसर्न जरूर हो गया है कि क्या चीजें हैं बाकी ऑक्शनिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शनिंग का सारा काम करेगी और काम करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो भी यहां पर डॉक्यूमेंटेशन uh, का, का काम करना है वो अपना डॉक्यूमेंटेशन का, का काम कर लेगी तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली अब अगला टॉपिक है क्रिटिकल मिनरल को लेकर के डीप सिटेड मिनरल जो डीप होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ होते हैं क्रिटिकल मिनरल होते हैं जिनकी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है साथ में उनकी सप्लाई काफ़ी कम होती है तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में सप्लाई उतनी है नहीं ऑटोमेटिकली ये बन जाते हैं क्रिटिकल मिनरल्स अब जिस क्रिटिकल मिनरल में कई सारे मिनरल्स आ जा जाते हैं स्पेशली जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए या फिर हमारे प्लेटिनम ग्रुप हो गए कई सारे इसमें से लेंथनाइट एक्टनाइट सीरीज के भी होते हैं जैसे यहाँ पर कुछ मिनरल्स के नाम दिए गए हैं जैसे स्कैंडियम वगैरह हो गई आई डोंट थिंक कि इस पर रिलेटेड कोई ऐसा सवाल आएगा लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि आखिर में जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं या जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं तो एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं दूसरे हो सकते हैं कि ये जो लेंथेनाइट सीरीज या एक्टेनाइट सीरीज होती हैं ये क्या हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दीज आर रेडियो एक्टिव मिनरल्स बेसिकली और इसको नया खोजा गया है पीरियोडिक टेबल में नए आए हैं अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसकी पहली एक रिपोर्ट निकाली है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया के नाम से जहां पर इस क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है बोला जा सकता है कि इसके बारे में बताया गया है आखिर में इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है जैसे जितने भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं मैक्सिमम का यूज़ किया जाता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर होते हैं इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का ही जो पोल्यूशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो वेस्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ई वेस्ट और जो लार्जेस्ट ई वेस्ट साइट है वो साइट है वो अफ्रीका में पाई जाती है और ये पाई जाती है घाना में घाना एक कंट्री है यहाँ पर यहाँ पर लार्जेस्ट ई वेस्ट डंपिंग होती है अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है चलो कहीं ना कहीं जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक uh, सेक्टर में यूज़ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चूंकि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें हो गई हैं तो इसका इस्तेमाल तो काफ़ी होने वाला है तो एक तो डिसरप्टेड पोटेंशियल को लेकर के है इसके अलावा सब स्यूटेबिलिटी इंडेक्स हो गया जीवीए मल्टा अप्लायर स्कोर हो गया और क्रॉस कटिंग इंडेक्स हो गया ये कोई खास है नहीं इसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं हालांकि हम लोग एक सेपरेट सेशन में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या चीज़ होती है थोड़ी सी इसकी डेफिनीशन uh, डेफिनीशन देख लेंगे इज अ चांस हो सकता है कि इस पर कुछ डेफिनीशन को लेकर के सवाल बन जाए सप्लाई साइड की रिस्क होती है जैसे गवर्नमेंट ने जो भी मिनरल कंस्ट्रक्शन किया है उसकी क्या वेटेज निकल के आ रही है एंड ऑफ लाइफ रिसाइकिलिंग रेट हो गया इम्पोर्ट रिजिलियस एंड सेल्फ सफिशियंसी हो गई बाकी सब स्यूटेबिलिटी इंडेक्स हो गया ये भी ऐसे आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन आएगा लेकिन अगेन यहां पर भी डेफिनेशन डेफिनेशन हम लोग देख लिया जाएगा एक सेपरेट सेशन में देख लेंगे इन्हीं सब चीजों के एक डाउट वाले क्लास बना करके देख लिया जाएगा द लिस्ट विल बी सर्विंग एज द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिससे कि हम पहले एक प्लानिंग कर सकेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं प्लानिंग हम किस एरिया में करें किस सेक्टर में करें ये भी हमें पता चलेगा प्लस साथ ही साथ में इस प्लानिंग के कारण से हम जो भी फंड रेजिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं वो सब हम लोग कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल अभी हम लोगों ने बात किया कि जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई साइड में इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है जैसे एंटीमनी हो गया बेरीलियम बिस्मत कॉपर कोबाल्ट एटसेट्रा एटसेकट्रा अब जैसे कोबाल्ट हम लोग इम्पोर्ट जो करते हैं वो मेनली चाइना यूएस एंड जापान से करते हैं लिथियम जो करते हैं चिली रशिया और चाइना से करते हैं निकेल स्वीडन और चाइना से करते हैं यह फैक्ट आप लोग जरा गांठ बांध लीजिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट अब इन सब चीज़ों का यूज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेमी में या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में किया जाता है जैसे मोबाइल फोन हो गया कंप्यूटर हो गया लिथियम की बैटरीज आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए वहां पर भी लिथियम पैनल्स या लिथियम बैटरीज होती हैं सोलर पैनल में भी लिथियम बैटरीज होती हैं विंड टर्बाइन हो गया तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है क्रिटिकल मिनरल को लेकर के कई सारे हम लोगों ने इंटरनेशनल इनिशियेटिव भी ले रखे हैं जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने अपना क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बना रखा है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये यूएसए के साथ में आ, मतलब कोलेबरेट करके रखा गया है बाकी इसके अलावा सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव ये इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया का तीनों का एक ट्राई बोल सकते हैं कि एक स्कीम बना करके रखा गया है तो इन इनिशिएटिव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि, कि किस किस कंट्री के साथ में क्या क्या हम लोगों ने कर रखा है नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑफ शोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट अब एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन शोर ऑन शोर का मतलब जो बीच वगैरह पे पाया जाता है मिनरल उसको बोल देते हैं ऑन शोर नॉर्मली जैसे uh, केरला के कोस्ट पर थोरियम पाया जाता है वहाँ की जो भी सैंड होती है तो इस सैंड में मिल जाता है तो ये एक ऑन शोर हो गया ऑफ शोर हो गया जो बीच से काफ़ी दूर होती है या फिर समुंदर में पाई जाती है नॉर्मली जो ऑन शोर की डिफिनीशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि डीप सीटेड होना चाहिए दूसरा जिसकी डेप्थ पानी के अंदर में 200 मीटर से अगर ज्यादा रहेगी तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑफ शोर माइनिंग सो दिस डेफिनीशन इज इंपॉर्टेंट एंड सौ दो सौ मीटर का जो डेप्थ है ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या एरिया आ जाएंगे इसमें टेरिटोरियल वाटर आ जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाएगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाएगा और बाकी जो मेरीटाइम जोन वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे क्या अमेंडमेंट किया गया है तो ओरिजिनल एक्ट 2002 का है अमेंडमेंट एक्ट अभी 2023 में किया गया है ऑब्वियसली जितने भी चीजें की जा रही होंगी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए ये सब किया जा रहा है अब यहां पर क्या क्या किया गया एक तो लाइसेंसिंग को लेकर के हो गया पहले क्या होता था कि एक्सप्लोर करना या प्री एक्सप्लोरेशन करना प्रोडक्शन करना इन सब के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था अब एक कंपोजिट लाइसेंस कर दिया गया है मतलब एक सिंगल लाइसेंस बोल सकते हैं जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों ने देख रखा है ड्राइविंग लाइसेंस हालांकि ये स्टेट लिस्ट में आता है लेकिन आपने देखा होगा ड्राइविंग लाइसेंस जब भी आप लोग एप्लीकेशन करते होंगे उसमें लिखा होता है कि क्या क्या आप व्हीकल के लिए लाइसेंस ले सकते हैं जैसे टू व्हीलर हो गया एल हो गया या फिर जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं इन सब चीज़ों के लिए तो ये एक सिंगल लाइसेंस होता है कंपोजिट होती है मतलब जिस जिस चीज़ के लिए आपको अलाउ किया जाएगा वो आपका लाइसेंस लिख दिया जाएगा इस इस चीज़ के लिए अलाउड है तो सिंगल लाइसेंस है यहां पर भी वही है कंपोजिट है सिंगल लाइसेंस है बट आप पर यह बताया जाएगा एक्सप्लोरेशन के लिए प्रोडक्शन के लिए रिकनाइजेंस के लिए किस चीज के लिए यह लाइसेंस दिया जा रहा है दूसरा वैलिडिटी यह वैलिडिटी तीस साल के लिए है बाद में बीस साल और आप एक्सटेंड कर सकते थे थर्टी प्लस ट्वेंटी जैसे पहले था ना जो हम लोगों ने अभी मिनरल माइन एंड मिनरल एक्ट में बात किया था कि फाइव प्लस टू था यहां पर सीधे वही चीज कर दिया गया पचास साल के लिए आप एकदम बढ़िया कंपोजिट लाइसेंस है बेफिक्र होकर के अपना जो भी एक्सप्लोरेशन करना है वो करिए ऑक्शनिंग प्रोसेस पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन के हिसाब से कर देती थी यानी कि सरकार अपने हिसाब से जिसको देना चाहे दे सकती थी लेकिन अब कॉम्पिटिटिव ब्रीडिंग कर दिया गया है कि कॉम्पिटिटिव तरीके से किया जाएगा माइनिंग इन रिजर्व एरिया पहले क्या था गवर्नमेंट रिजर्व एरिया थी गवर्नमेंट ही केवल और केवल करती थी अभी क्या है कि गवर्नमेंट अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो अब अलाउ करेगा कि, कि किसको हम प्रोडक्शन लीज देंगे किसको हम कंपोजिट लाइसेंस देंगे गवर्नमेंट एजेंसी किसकी रहेगी तो ये इन सब चीजों को अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बेसिकली देखेगी नॉट अंडर एनी यू कैन से गवर्नमेंट पूरी तरीके से नहीं आ जाती है कुछ और भी चीजें हैं जैसे माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स को लेकर के अब ये केवल और केवल ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट कंपनीज अभी भी ये केवल और केवल गवर्नमेंट कंपनीज को ही दी जा रही है प्राइवेट एक्सप्लोरेशन यहां पर ऑफ शोर नहीं है ध्यान रखना है दिस इज ऑफ शोर हमारा किसी भी तरीके का मतलब प्राइवेट प्लेयर की अभी फिलहाल में एंट्री नहीं हुई है लेकिन वही ऑन शोर अगर बात किया जाए क्योंकि ये माइंस एंड मिनरल एक्ट में चला गया तो यहां पर प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो चुकी है ठीक है ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट एक बनाया गया जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली फंडेड होगा नॉन लैपसेबल होगा यानी इसका पैसा ऐसा नहीं होगा कि पांच साल बाद लैप्स हो जाए या साल भर के लिए दिया गया तो साल भर के लिए लैप्स हो जाए किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए अल्टीमेटली ये यूज किया जा सकता है नेक्स्ट इज नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोर्टिटरी पोर्टल अब ये एक नाम से पता चल रहा है जियो साइंस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा दूसरा डेटा डिपॉजिटरी यानी कि डेटा कलेक्शन का काम किया जा रहा होगा ठीक है तो मेनली ये माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के द्वारा किया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के ही अंतर्गत ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ जाती है करती क्या है मेनली इनका जो काम है वो जियोलॉजिकल जियो केमिकल जियो फिजिकल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा जो भी मिनरल को लेकर के डेटा वगैरह है उसको पब्लिक डोमेन में लेकर के आया ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक देख सके और उस पब्लिक में मेनली जो फोकस एरिया है वो है जो कंपनीज का है कंपनीज देखेंगी तो उनको अट्रैक्शन होगा इन्वेस्टमेंट करेगी लाइसेंसिंग लेंगी और अल्टीमेटली आकर के जो भी एक्सप्लोरेशन करना है वो करेंगी और इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा ये सभी गवर्न होते हैं नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 से कुछ यहां पर अगर पॉलिसी के बारे में बात करें तो ये एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द कंट्री को ये देखती है रेगुलेट करती है और साथ ही साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहां पर ये पार्टिसिपेट करने के लिए अट्रैक्शन देती है अब यहां पर जो ऑक्शनिंग होती है ये रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के हिसाब से होती है इसके अलावा बेसलाइन लाइन जियो साइंटिफिक डेटा पब्लिक गुड के हिसाब से क्रिएट किया गया है और बाकी जितने भी हमारे पास में डीप सीटेड मिनरल्स वगैरह होते हैं उन जो लो एल्टीट्यूड एंड क्लोज स्पेस फ्लाइट में होते हैं उनको लोकेट करने का मेन काम यहाँ पर किया जाता है ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंतर्गत है 1951 में इस चीज को बनाया गया था इसके रीजनल ऑफिसेस कई जगहों पर है लखनऊ जयपुर नागपुर हैदराबाद शिलोंग कोलकाता एटसेट्रा एटसेट्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब जरा ध्यान से समझना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है जैसे मान लेते हैं कंट्री के अंदर में ही मान लेते हैं कि सपोज दिस इज आवर इंडिया या हमारा इंडिया है अब इस इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ऐसे यहां पर हमें एक्सप्लोरेशन साइट्स वगैरह होती है जहां पर हमें थोड़ा सा टैक्स फ्री करना होता है जैसे आप लोग अगर एयरपोर्ट वगैरह पे गए होंगे इंटरनेशनल जो होता है वो ड्यूटी फ्री होती है ड्यूटी फ्री का मतलब होता है कि यहां पर आपका टैक्स नहीं जुड़ रहा होता है सेम वैसे ही हम लोग अले लैंड पर भी ड्यूटी फ्री या बोल सकते हैं टैक्स फ्री एरियाज बना करके रखे हैं जिससे कि फॉरन प्लेयर भी आए देखें सामान खरीदें और अपना चलता बने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल फाइनेडिंग मतलब फाइनेंसिंग आएगी एफ आएगी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है और हर एक कंट्री ये करने लगी है अब हो क्या रहा था सरकार टैक्स फ्री तो कर रही है सरकार का इसमें तो नुकसान है लेकिन जो बाकी के प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं अब इसमें प्राइवेट प्लेयर ने मतलब कोशिश क्या की है या नुकसान क्या हो रहा था अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आई फर्म है ठीक है आई फर्म है अब ये जो आई फर्म है आई फर्म को आप लोगों ने देख रहा होगा बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बना करके रखते हैं ठीक है उसमें पचहत्तर तरीके की चीजें होती हैं कहीं पर जिम रहेगा फिर यहां पर कैफेटेरिया रहेगा फिर यहां पर कुछ अम्यूजमेंट रहेगा फिर यहां पर सोने के लिए रहेगा इस तरीके के और इतना एरिया केवल वर्किंग स्पेस रहेगा दिस इस इज वर्किंग स्पेस कायदे से अगर ये एसईजी आई कंपनी एसईजी में अगर बना करके रखी गई है तो ये क्या करेंगे पूरे एरिया को क्लेम कर देंगे अब सरकार देख रही है खाली 20 परसेंट एरिया में इन्होंने अपना वर्किंग स्पेस बना रखा है बाकी 70 परसेंट में अखड़म बखड़म है तो इससे प्राइवेट कंपनी तो मजा ले रही है कि सत्तर परसेंट एरिया इन्होंने अपना बना रखा और टैक्स फ्री है कोई दिक्कत नहीं है लैंड पे या फिर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है सर ने सरकार ने कहा देखो ऐसा है जो वर्किंग स्पेस है स्पेशली इन द आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज हैं तो जितना वर्किंग स्पेस है केवल वही एस ई जेड में काउंट किया जाएगा बाकी जितना आपने ये अकड़म बकड़म फैला रखा है ये सब एसईड में काउंट नहीं होगा ये टैक्सेबल होंगे अब से ये टैक्सेबल हो जाएंगे और यही चीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल फिलहाल में लोकेट किया है तो एस में ये एस रूल को अमेंडमेंट किया गया है पांचवा अमेंडमेंट है और इसमें जो आई टी इनेबल्ड एरियाज हैं जो नॉन प्रोसेसिंग एरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अब टैक्सेबल मतलब ये टैक्स कंसेशन वगैरह नहीं दी जाएंगी साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी इसका नॉन प्रोसेसिंग एरिया होगा ये मतलब जो प्रोसेसिंग एरिया होगा दैट शुड नॉट बी लेसर देन 50 परसेंट ऑफ द टोटल वर्किंग एरिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए 50 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए तो मेन चीज क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर काम क्या किया जा रहा है आई डोंट थिंक इस पर कोई सवाल आएगा लेकिन एस के जो बेसिक्स हैं इस पर एक सवाल आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस क्या होते हैं ये ड्यूटी फ्री इंक्लेवस होते हैं जो फॉरिन टेरिटरी कंसिडर की जाती है ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया बल्कि बहुत सारे कंट्रीज कर रहे हैं चाइना इंडिया जापान सॉरी जॉर्डन पोलैंड कजाकिस्तान फिलिपींस रशिया एटसेट्रा एटसेट्रा इंडिया ने भी अपना बहुत सारा बना के रखा है दो सौ छिहत्तर एस बना करके रखे हुए हैं इसमें टोटल एक्सपोर्ट जो जा रहा है वन बिलियन यूएस डॉलर का जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा है मतलब ये बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर काम किया गया है अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं तो ऑब्जेक्टिव एक तो यही हो गए कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज्यादा हो इसके अलावा एफ वगैरह आए फॉरन रिसोर्स डोमेस्टिक करेंसी का इन्वेस्टमेंट हो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट होता जाएगा कई सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं इस एस में जैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रहती है यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगती यानी कि जो आपका कस्टम वगैरह लगता है वो नहीं लगता है इसके अलावा सेंट्रल टैक्स सर्विस टैक्स स्टेट टैक्स फलाना टैक्स धमाका टैक्स इन सबसे भी एग्जम्पन रहती है इसके अलावा कुछ और लेवीज वगैरह भी लगती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो यहां पर नहीं लगती है एसीजीज आर जीरो रेटेड अंडर आई जी एस टी मतलब इंटर स्टेट जो जीएसटी लगती है वो भी एग्जेपेड होती है सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है सेंट्रल और स्टेट लेवल अप्रूवल के लिए तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हमारी इकोनमी में तीन सेक्टर प्राइमरली होते हैं एक होता है जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है दूसरा है जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है तीसरा है जो सर्विसेज का सेक्टर है अगर इसमें देखेंगे तो मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का होता है सेकेंड नंबर पर हमें मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है और एग्रीकल्चर लास्ट ऑप्शन पे आ जाता है हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें इसको ज्यादा आगे बढ़ाना है कारण क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं वो डेवलप्ड स्टेट बन गए हैं चाइना देखिए मैन्युफैक्चरिंग है हॉन्गकॉग अगेन हालांकि ये वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आ जाती है जापान को देखिए यूके को देखिए यूएसए को देखिए कनाडा को देखिए यूरोप को देखिए जितने भी कंट्रीज हैं दे ऑल आर दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड दे ऑल हैव एक्सप्लोर्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्राइमरली तो सर्विसेज के साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे देखना है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत क्या है आप खुद ही देखिए जितने स्टार्टअप्स आप आपको तो देखने को मिल रहे हैं कितने स्टार्टअप हैं जो मैनुफैक्चरिंग वाले हैं मैक्सिमम सर्विसेज बेस्ड हैं जोमैटो सर्विस देती है फ्लिपकार्ट अमेजन या फिर जो भी ये बाकी है जो बिग बास्केट हो गया या जितने भी हैं दे ऑल आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज सब के सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्यों क्योंकि खर्चा लगना नहीं है वेबसाइट तैयार करनी है चार लोगों को हायर करना है उसके बाद से बिजनेस रन करना शुरू कर दिया लेकिन मैनुफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है प्लांट इस्टेब्लिश करनी होती है मशीनरीज लेनी होती है बहुत सारा वर्क फोर्स हायर करना पड़ता है तो इस वजह से सरकार ने कहा कि देखो ऐसा है यहाँ पर मैं आपको कुछ इंसेंटिव दे सकता हूँ ये इंसेंटिव कई सारी चीज़ों में दिया गया है जैसे ड्रोन में ड्रोन के कंपोनेंट में मेडिकल डिवाइसेस में ऑटो और ऑटो के कंपोनेंट में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में फार्मा ड्रग में फूड टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल स्पेशल जो स्टील होती हैं वाइट गुड्स वाइट गुड का मतलब वही जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया या इसके कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं वो वाइट गुड कंसिडर किए जाते हैं फार्मा जो एपीआईज होती हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेलीकॉम हो गया बैटरीज हो गई इन सब के इन सब के मैनुफैक्चरिंग में यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं मेन काम क्या है एक काम तो यही रहेगा कि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करेंगे यानी कि इंडिया को हम आगे जाकर के मैनुफैक्चरिंग हब इन द ग्लोबल चैम्पियंस बनाएं दूसरा इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ेगी इनोवेशनस और बढ़िया होगी और सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे ऐसा नहीं कि हम लोग इम्पोर्ट करते रहेंगे अभी तो हम लोग काफी कुछ इम्पोर्ट बेस्ड हैं तो अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे हम चीज़ों को खुद से ही प्रोड्यूस करने लगेंगे तो एक फायदा होने वाला है तो लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब हम आगे किसी भी तरीके की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव नई स्कीम के लिए नए सेक्टर के लिए नहीं देने वाले हैं क्या है ये क्या चीज़ है देख लिया हम लोगों ने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में मल्टीपल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका है जहाँ पर सब्सिडी देते हैं सब्सिडी इन द सेंस वही इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि बेहतर तरीके से काम किया जा सके इंक्रीमेंटल सेल वगैरह हो चुके तो ये सब मिल ली यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं इंसेंटिव क्या हैं अब देख लिया हम लोगों ने कि जो हमारा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है वो पच्चीस अब कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है जी में बाकी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ते जाएगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी जैसे मशीनरी वगैरह हो गई इसका हमारा परसेंटेज लगातार बढ़ते आ रहा है जैसे टू पॉइंट फाइव टू थ्री लाख करोड़ ओवर द स्कीम पीरियड ये स्टार्ट ये हो गया है जो कि टोटल तेरह से पंद्रह परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल स्पेंडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया बाकी ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं जैसे जितने भी हमारे ग्रीन सेक्टर यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं जैसे ई हो गई या फोटो हो गया पचपन इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें निकल करके आएँ हार्डवेयर सेक्टर में भी हमारा ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है वो किया गया है मेती ने इस पी एल को लॉन्च किया है किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जो हार्डवेयर यानी सेमीकंडक्टर्स वगैरह प्राइमरली हुए उन लोगों के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या फायदा है फायदा यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को और ज्यादा हम आगे बढ़ा पाएंगे बूस्ट कर पाएंगे दूसरा यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी अच्छा खासा काम होगा अब इंडिया का शेयर अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो 2014 में 1.2 परसेंट था वो बढ़ करके सीधे 3.75 परसेंट हो गया है जो कि एक अच्छा जंप माना जा रहा है अब यहां से क्या होगा बाकी सारी तो इंप्लायमेंट वगैरह तो ठीक है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना है बाहर से चीजों को तो हम मंगा ले रहे हैं इंडिया में प्राइमरली चीजें होती हैं असेंबलिंग की असेंबल का, का काम हो रहा है असेंबल नहीं करना है हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है सेमीकंडक्टर यहां पर इंडिया में बनाना है नहीं बनेगा तो फिर वही है गाड़ियों के दाम बढ़ते आएंगे इनफैक्ट आज की डेट में हर एक एरिया हर एक जो आइटम है गुड है सब में इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज हो रही है सेमी यूज हो रहा है चाहे वो आपका टैबलेट हो लैपटॉप हो मोबाइल हो पीसी हो सर्वर हो कुछ भी हो सब चीज में यूज हो रहा है ये जो अभी हार्डवेयर पे जितना भी प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी दी जा रही है फिर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है छह साल के लिए रहेगा बाकी बजट वगैरह दिया गया है आई डोंट थिंक इस पर कोई खास सवाल बनने वाला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया अब हम लोगों ने देखा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए तमाम स्कीम वगैरह चलाई गई हैं जैसे अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स वगैरह हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा तो एक तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लगा दिया कि ठीक है इन्वेस्टमेंट आए ठीक फाइनेंस की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से कुछ होगा क्या नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा उसके लिए टेस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी तो पहले तो लाइसेंस के लिए हो गया चलो ठीक है लाइसेंसिंग ले लिया इंसेंटिवस हो गए अब आर करना है तो टेस्टिंग करने के लिए सरकार ने कहा कि देखो ऐसा है मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ दैट इज मॉडिफाइड सेमीकॉन सेमीकंडक्टर हो गया ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम इसके अंतर्गत हम लोग सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब बनाएंगे जैसे एक होता है लैब जहां पर चीजें बनाई जाती हैं फैब का मतलब होता है जहां पर चीजों को एक तरीके से फर्निश किया जाएगा मतलब है सेमी की ही फिनिशिंग चीजों को ही बनाया जाएगा बट यहां पर बना करके साथ साथ उसका फंक्शनिंग भी किया जाएगा चेक किया जाएगा कि क्या चीज है ये जो मॉडिफाइड सेमी कंडक्ट सेमी कंडक्टर इंडिया प्रोग्राम है ये मेथी के द्वारा लॉन्च किया गया है 2021 में ही मेन काम क्या है यार मेन काम इसका यही है कि जितने भी हमारे टेस्टिंग लैब्स वगैरह हैं उनको हमें बनाना है जैसे सिलिकॉन सेमी कंडक्टर फैब डिस्प्ले फैब फलाना फैब एडसेक्ट्रा एडसेक्ट्रा बस आप ये समझिए कि यहाँ पर टेस्टिंग करने का मेन काम यहां पर करना है छे साल के लिए यह स्कीम स्टार्ट की गई है इंडियन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत है एंड यहां पर मेती जो है वो एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है और ये 2026 तक थ्री टाइम्स और ज्यादा ग्रो कर जाएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह होती हैं इसकी भी डिजाइनिंग हम लोग बोल रहे हैं कि पर ईयर टू थाउजेंड चिप्स हम लोग बनाना शुरू करें शुरू करेंगे तो फिर अल्टीमेटली इंडिया में ग्रोथ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत तेजी से हो जाता है फिर बाकी इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हमें करना ही करना है उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही है कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जैसे सेमी कंडक्टर फैब को लेकर के मोडिफाइड स्कीम सेटअप की गई है इसके अलावा डिस्प्ले फैब हो गया सेमी कंडक्टर फैब हो गया इसके अलावा कंपाउंड सेमी कंडक्टर सिलीकॉन फोटोनिक सेंसर फैब डिस्क्रीट सेमी कंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो ये सब चीजें ये सारी स्कीम जो होती है सेमी को बनाने के लिए मिलनी की जा रही हैं इंडिया ने कई सारे इंटरनेशनल कदम भी उठाए हैं कई सारी कंट्रीज के साथ में भी कोलेब्रेशन किया है जैसे ताइवान अभी सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है माइक्रोचिप को बनाने के लिए हमने इनके साथ में भी अगेन एग्रीमेंट्स किए हैं 60 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर, कंडक्टर नाइनटी परसेंट ऑफ द मोस्ट एडवांस वन इस ताइवान में ही मेनली बनते हैं इंडिया भी हाल फिलहाल में क्रिटिकल सेमी टेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्लेयर बनते हुए देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं हम अगर इस चीज को आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर देखने को मिलेगा और इसीलिए इंडिया ने यूएस के साथ में अपना एक इनिशिएटिव भी साइन किया है जो कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के अपना डील किया गया है जिसमें प्राइमरली सेमीकंडक्टर वगैरह को ही मेन फोकस किया जा रहा है अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं फार्मेसी को लेकर के फार्मेसी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इनफैक्ट मेडिस मेडिकल सेक्टर में फार्मेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए अपना फार्मास्यूटिकल्स वाले लोग होते हैं जो अपना डी फार्मा या बी फार्मा किए रहते हैं तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं इन्हीं को गवर्न करने के लिए अल्टीमेटली एक नया ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लेकर के आया गया है जो फार्मेसी एक 1948 को रिप्लेस करेगा ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा तो चलिए फिर फटाफट बात कर लेते हैं इस आखिर में बिल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं अब इसमें देखिए एक तो हेल्थ गोल को हमें प्रमोट करना है कि भाई हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उसके लिए हमारा फार्मास्यूटिकल एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए तो एजुकेशन बढ़ना करने के लिए क्या करना है एक तो आपको जो करिकुलम है उसको वापस से रिडिजाइन करने की ज़रूरत है लेकिन ये बढ़िया है हमारा करिकुलम में कोई दिक्कत नहीं है तो दिक्कत कहाँ है दिक्कत है इसके इम्प्लीमेंटेशन में और इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए तो अब चेकिंग पर फोकस किया जाएगा इंस्टेंट चेकिंग होगी देखा जाएगा क्या सही तरीके से चल रहा है प्रॉपर लैब फैसिलिटीज़ वगैरह हैं कि नहीं है इससे हमारे हाई क्वालिटी फार्मेसी प्रोफेशनल्स तैयार होंगे और हेल्थ केयर हमारा और बेहतर होते जाएगा इसके अलावा ग्रीवान्स रिटर्सल मेकनिज़म भी बनाया जाएगा अगर किसी तरीके का कोई मैटर हो जाता है तो यहाँ पर वो सॉर्ट आउट किया जा सके बाकी फार्मेसी रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिससे कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस वगैरह के असेसमेंट की जा सके जैसे नैक रेटिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की वैसे इस फार्मेसी की भी होने लगेगी अब फार्मेसी की अभी नहीं होती है तो अब फार्मेसी की भी होने लगेगी तो इससे जो भी इधर उधर के कॉलेजेस वगैरह खुल रखे हैं जैसे कोई भी आज की डेट में कॉलेज खोल के बैठा हुआ है फार्मेसी का तो कम से कम उस पर एक रोक लगेगी एक बेहतर जो एक कह सकते हैं कि बेहतर एजुकेशन क्वालिटी होनी चाहिए वो दी जा सकेगी फार्मेसी सेक्टर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है इंडिया का सिक्सटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया में ही होते हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ द डब्ल्यू एच ओ की जो वैक्सीन होती है वो अगेन इंडिया में ही होती है

और यही लाइसेंस देती थी लाइसेंस मिलता है बेसिकली स्टेट वालों के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है जैसे मेडिकल वालों के लिए होता है कि आपका स्टेट का अपना लाइसेंस होता है यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल हो गया या फिर डेली मेडिकल काउंसिल हो गया डीएमसी सिमिलरली इसी तरीके से आपका सेंट्रल का अलग होता है इस तरीके से स्टेट वाले अपना अपना hmm. मेनली प्राइमरी ले लेते हैं बाकी अभी हाल फिलहाल में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया गया है नए वाले एक्ट से यह फार्मेसी एक नाइनटीन के ही तहत एक स्टूटरी बॉडी बनाई जाएगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करेगी काम उसका भी वही है एजुकेशन और जो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस वगैरह उसको देखेगा करेगा ये जो स्टैंडर्ड है वो उसको और बेहतर बनाया जाएगा फार्मेसी के जो इंस्टीट्यूशन है उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा लैब वगैरह को देखा जाएगा कि क्या वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है बाकी जो फार्मासिस्ट हैं उनका अपना एक रजिस्ट्रेशन भी रहेगा उनकी एक लिस्टिंग भी कर दी जाएगी बिल में यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि नेशनल फार्मेसी कमीशन जो है मेनली रेगुलेट करेगा गवर्न करेगा जो भी फॉरन फार्मेसी एजुकेशन है बाकी इंडस्ट्रीज के साथ में लिंक रहेगा जिससे कि कटेज टेक्नोलॉजी पर ये कोलैबोरेट कर लेंगे इसके अलावा अगर कोई दिक्कत रहेगी तो उसके लिए एक अपिलेट जुरिस्ट्रिक्शन बोर्ड भी रहेगा तीन तरीके का बोर्ड यहां पर दिया गया है एक फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड जो एजुकेशन को देखेगा दूसरा है फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड जैसे नैक की रेटिंग होती है वैसे ही अब कॉलेजेस की रेटिंग होगी और एक रहेगा फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो रजिस्ट्रेशन का एथिक्स वगैरह का यानी कि प्रोफेशन के दौरान में चीजों को देखेगा नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या चीजें हैं इसमें इसमें मेनली जो भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग और उनके इनोवेशन को प्रमोट करना और हमें ग्लोबल लीडर बनना है अब हम लोग देखें तो मेडिकल डिवाइसेज के सेक्टर जो होती है हम लोग काफी ग्रो कर गए हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि फिफ्टी बिलियन डॉलर हमें दो तक बन जाना है इसके अलावा जो भी डिवाइसेज जो पब्लिक हेल्थ केयर को फोकस कर रही हैं उनको एक्सेसिबल बनाना है अफोर्डेबल बनाना है क्वालिटी होनी चाहिए इनोवेशन आना चाहिए तो इन सब चीज़ों को लेकर के आना है प्राइमरली यहाँ पर टेक ड्रिवन करना है टेक्नोलॉजी बेस्ड कर देना है कई सारे स्टार्टअप आप लोगों ने देखे होंगे जैसे शुगर वगैरह कंट्रोल करना हीमोग्लोबिन को चेक करना अब बहुत आसान हो गया ऐसा नहीं है ब्लड लेंगे फिर लैब में टेस्ट करेंगे अब क्या है हल्का सा पिन करेंगे आपके उंगलियों में हल्का सा ब्लड निकालेंगे आपका बता देगा जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि आपका मतलब शुगर कितना चल रहा है इसके अलावा आपका जो हीमोग्लोबिन वगैरह कितना है ये सब चीज़ें इंस्टेंट बताई जाती हैं और ये सब कहीं ना कहीं मेडिकल डिवाइसेस के ही कारण से हुआ है इनफैक्ट बीपी की मशीन हो गई देखा होगा आप लोगों ने बीपी की मशीन होती है तमाम इंस्टेंट बेसिस पर चीज़ों को बता देती है मेडिकल सेक्टर के बारे में बात करें तो मेडिकल सेक्टर इंडिया चौथा लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस बनाता है जापान चाइना और साउथ कोरिया के बाद में तो ये काफ़ी अच्छा इंडिया बहुत कंपिटिटिव है फार्मेसी के सेक्टर में अगर बात करते हैं तो इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज 75 टू 80 परसेंट ऑफ द सेल कहीं ना कहीं इस मेडिकल डिवाइस से ही जनरेट होता है इसके पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो रेगुलेशन क्या रेगुलेशन है तो अब सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया गया है कि कोई भी लाइसेंस वगैरह आपको लेना है देन यू कैन टेक द लाइसेंस फ्रॉम अ सिंगल विंडो क्लियरेंस एक ही जगह से सारी चीजें हो जाएंगी ऐसा नहीं है कि आपको डोर टू डोर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूमना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करना है जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क बनाना है क्लस्टर्स वगैरह बनाने हैं जिससे कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट लेकर के आया जाए जो कि अल्टीमेटली चीज़ों को फैसिलिटेट करें बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को भी आगे बढ़ाना इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन वगैरह खोले जाएंगे बाकी प्लग एंड प्ले सिस्टम पर सारे चीज़ों को लगाया जाएगा जैसे मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है बन बना करके रखी हुई है अब इसको फार्मेसी इंस्टीट्यूट मतलब मेडिकल डिवाइस इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया जाएगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा दैट इज प्लग एंड प्ले कि सिस्टम है बना हुआ है बस उसको नाम देकर लाइसेंस दे करके स्टार्ट कर दिया गया यू डोंट नीड टू क्रिएट द बिल्डिंग फॉर दैट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें वी वगैरह को लेकर के आनी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब इसमें स्किल करना है री स्किल करना अब स्किल करना है ये सब चीज़ें तो खैर बेसिक है इसमें आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए बाकी इसके अलावा असिस्टेंस दिया जा रहा है मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटेशन स्कीम को लेकर के इस स्कीम में मेडिकल डिवाइस के क्लस्टर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं इसमें दो तरीके का फोकस किया जाएगा एक फाइनेंशियल और दूसरा टेस्टिंग को लेकर के तो लैब खोले जाएंगे प्लस फाइनेंस के लिए जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन के फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में हो सकती है वो सब दी जाएगी यह सब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत रहेगी दिस इज इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉमन फैसिलिटी के लिए असिस्टेंस दिया जाएगा जिसमें मेडिकल डिवाइस के जो क्लस्टर्स वगैरह हैं उनको बनाई जाएगी दूसरा है टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी जहां पर मेडिकल डिवाइस की जो भी टेस्टिंग लैब्स वगैरह है उसको बनाया जाएगा अब इसको बनाने में जरा देखिएगा सेवेंटी परसेंट जो अप्रूव्ड कॉस्ट रहेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट उसको सपोर्ट किया जाएगा लेकिन मैक्सिमम बीस करोड़ तक का ही होना चाहिए अब मान लेते हैं कहीं पर किसी ने सौ करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया तो सत्तर करोड़ हो गए नहीं इतना नहीं देंगे बीस करोड़ ही मैक्सिमम लिमिट है बीस करोड़ तक ही केवल दे सकते हैं अगर वही हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट है यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले अगर हैं तो 90 परसेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का दिया जाएगा अप अपटू तो 20 करोड़ रुपीज अगेन सेम या मान लेते हैं टेस्टिंग लैब बनाना है तो 70 परसेंट दिया जाएगा लेकिन अप अपटू पांच करोड़ ओनली और वही अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो पांच करोड़ लेकिन नाइन्टी तक का ये अपना फोकस देंगे मतलब कि पैसा यहां पर दिया जाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉर्मली हम लोग जो मतलब निकालते हैं जितने भी हमारे फिजिकल असेट्स होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बिल्डिंग बनाना स्कूल बनाना ब्रिजेस बनाना ठीक है ये सभी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं या फिर लेक वगैरह बनाना लेक के साइड में जो ब्यूटिफिकेशन किया जाता है वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो सरकारी होते हैं जिसका पब्लिक यूज़ हो जा सकता है लेकिन ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सामने से देख सकते हैं फील कर सकते हैं टच कर सकते हैं लेकिन कुछ होते हैं जो डिजिटल बेसिस पर बनाया जाता है अब जैसे हम लोगों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है जो हमारी चीज़ों को आसान बना रहा हो लाइट है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की गई जिससे कि लोगों को रोशनी मिले दिखे सड़क पर चलने में आराम रहे ब्यूटिफिकेशन और सुंदर लगेगा या फिर ब्रिज बना दिया गया कंजेशन को कम करेगा जो वहीकिल है जिसको मार्केट में नहीं जाना है वो मार्केट में ना जा करके के बाईपास यूज़ करेगा कन्वीनियंट हो जाएगा कम टाइम लगेगा और हमारा जो मोड है वो और फास्ट हो जाएगा तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब यही होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ होती है जो आपको डिजिटल अवेल करे और आपके काम को आसान बना दे जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं या फिर मान लेते हैं स्कूल का अपना मार्कशीट है तो ये सब चीजें तितर बितर आपको फैली हुई हैं उसको आपने एक जगह पर एक फाइल में बना करके रखा बार बार आपको फाइल लेके घूमना पड़ेगा इनकेस अगर मान लेते हैं कि कहीं पर फाइल गुम वगैरह हो जाए तो फिर अलग तरीके का प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसके लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है इन द नेम ऑफ डिजी लॉकर डिजी लॉकर आप सारी चीजें यहां पर आप रख दीजिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है कहीं पर यूज़ करना है इस डिजी लॉगर को आप लिंक करिए सारे सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया पैन कार्ड हो गया आधार कार्ड हो गया सब कुछ आप इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं या फिर आधार हो गया आधार भी एक तरीके का टूल है जिसके थ्रू आप सोशल बेनिफिट्स को अवेल करते हैं तो ये यूडाई के थ्रू अल्टीमेटली एक यहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है आपको एक कार्ड दे दिया गया है जिसके बेसिस पर यू कैन अवेल डिफरेंट सर्विसेज जो कि सोशल सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं तो आई थिंक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज है इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम है जिसके थ्रू हम चीजों को आसान बना देते हैं इट बिल्ड ऑन स्टैंडर्ड ओपन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन टू डिलीवर एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेस एट अ सोसाइटल लेवल अब जो हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है डिजिटल क्या है इसमें कि ये पेपरलेस प्रजेंसलेस सर्विस डिलीवरी होती है प्लस एक्सेस जो होती है वो कम पैसे में अच्छा एक्सेस मिल जाता है बाकी डिजिटल रोड वगैरह होती हैं पब्लिक में क्या चीज़ है अकाउंटेबल होती है प्लस साथ में गवर्न होती है पब्लिक इंटरेस्ट की होती है और गवर्नमेंट की ऑर्केस्ट्रक्शन होती है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है जो नेशनल लेवल के इनोवेटेड रहती है बड़े स्केल छोटे लेवल कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है बाकी इंप्लीमेंटेशन एकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होती है पब्लिक सेक्टर भी होती है पी 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 भी होती है तो ये सब चीज़ें हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चली जाती हैं हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि इस पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जी की जो न्यू डेली लीडर मीटिंग हो रही थी यहाँ पर भी इसके बारे में बताया गया है दो चीजों के बारे में प्राइमरली यहां पर फोकस किया गया है एक है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और दूसरा है सोशल इम्पैक्ट फंड अब यहां पर ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी एक रिपोजिटरी यानी कि इसका एक डेटा बैंक बनाया जाएगा जो ग्लोबल लेवल पे होगा यानी दुनिया भर की जितनी भी इस तरीके की चीज़ें यूज की जाती हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दे विल शेयर देयर टेक्नोलॉजी दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसिस एंड दे विल शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर अब ये इंडिया में मेती के द्वारा किया जा रहा है जिससे कि एक जो हमारा नॉलेज गैप है वो फुलफिल होगा चाहे डिजाइनिंग में चाहे कंस्ट्रक्शन में डिप्लॉयमेंट में या फिर गवर्नेंस में तो दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब अपने अपने लेवल पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं चाहे सोर्स कोड हो या केवल गवर्नेंस फ्रेमवर्क हो या मैचोरिटी स्केल हो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा सारी कंट्रीज नहीं लेकिन 16 कंट्रीज यहां पर अपना हामी भर दिए कि हां ठीक है मैं करूंगा सोशल इंपैक्ट इसी तरीके से होती है कि एक फंड बना दिया गया है जो सोशल इंपैक्ट कर सके इनफैक्ट अभी रिसेंट में ही आर ने भी इस तरीके का सोशल इंपैक्ट फंड निकाला था तो गवर्नमेंट या मल्टी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्होंने इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन के लिए सोशल इंपैक्ट फंड भी जनरेट किया है इससे क्या होगा कि जो भी सोशल लेवल पर चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ये लोग अपना आएंगे आगे और अल्टीमेटली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो भी यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बेसिस पर कवर करना है उस चीज़ को किया जाएगा सो दिस इज द मेन थिंग यहाँ पर जो मेन आपको फोकस करना है वो है कि वॉट इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब इसके की पिलर्स क्या क्या हो सकते हैं पहली चीज़ इसकी जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए इंटरऑपरेबल होना चाहिए एक्सटेंसिव होनी चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए दूसरी गवर्नेंस को लेकर के है कि इसकी जो गवर्नेंस होनी चाहिए चूंकि डेटा बहुत तेज़ी से लीक हो सकता है इसलिए आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टेड मैनर में गवर्नेंस करना है इसके अलावा जो इको होना चाहिए वो रिजिलियंट होना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक एक टेक्निकल सोशल बैरियर या किसी भी तरीके का अगर कोई रोक टोक लग रही हो कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो तो उसको तुरंत के तुरंत हटाया भी जा सके कुछ यहाँ पर फाउंडेशनल एलिमेंट्स भी हैं जैसे आइडेंटिटी पेमेंट and data exchange these are the main you can say foundational element for this digital public infrastructure अगला है लॉजिस्टिक्स को लेकर के न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अब जैसे लॉजिस्टिक्स इंडेक्स uh, निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है लॉजिस्टिक्स का मतलब यही होता है कि जो सामान है उसकी ट्रांसपोर्ट किस तरीके से की जा रही है तो अभी हाल फिलहाल में पहली एनिवर्सरी मनाई गई है इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की लॉजिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो दिस इज अगेन द सेम ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन द टू पॉइंट वो टू पॉइंट प्रोडक्शन के हो सकते हैं कंजम्पशन के हो सकते हैं स्टोरेज के हो सकते हैं किसी भी तरीके से हो सकते हैं अलग अलग तरीके होते हैं चाहे पोर्ट के थ्रू हो सकता है स्टेशन से हो सकता है मल्टी मॉडल हो सकता है रेलवे रोडवेज पाइपलाइन वाटरवेज कुछ भी यूज़ किया जा सकता है वेयर हाउसेज हो सकते हैं रोड के द्वारा कनेक्टिविटी रेल शिपिंग इनलैंड वाटरवे एयर रूट पाइपलाइन कुछ भी हो सकता है एनी ट्रांसपोर्ट मोड कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो मोड रहेगा वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट ऑफ द जी डी पी ये कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में इसकी रैंक थर्टी एट आती है अभी इनफैक्ट जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया उसमें अड़तीसवीं रैंक इंडिया की है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट आई वुड से बाकी इसके अलावा सेक्टर का, का काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमें जी डी पी में भी, भी देखने को मिल जाता है अगर इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में बात किया जाए तो 2022 में अनाउंस किया गया था 2023 में अब इसको एक साल हो गया है काम इसका क्या है लॉजिस्टिक्स की चीज़ों को जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना बेहतर आपको करना है मतलब जो फ्लो होना चाहिए वो सीमलेस होना चाहिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता रहे जो भी गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस है वो डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो हर जगह पर इम्प्रूव हमें करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना है ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर लॉजिस्टिक्स बढ़िया होगी ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉम्पिटिटिव बनेगा इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए इंटीग्रेटेड सीमलेस इफ़िशियंट रिलायबल ग्रीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव नेटवर्क होना चाहिए कई सारे टारगेट यहाँ पर बनाए गए हैं और ये जो टारगेट्स होते हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए जैसे 2030 तक ये बोला गया है कि हम जो भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आ रही है उसको कोशिश करेंगे कम से कम करने की इसके अलावा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमें इम्प्रूव करना है टॉप 25 में आना है अड़तीस पर तो आ चुके हैं 25 में आना है बाई ट्वेंटी थर्टी तक लेकर के आना है इसके अलावा हमें एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म भी बनाना है जिसके थ्रू सारा डेटा बेस इकट्ठा होगा हमें पता चलेगा और हम अकॉर्डिंगली उसे इम्प्रूव भी कर सकेंगे नेशनल लॉजिस्टिक्स दिस पॉलिसी के अंतर्गत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान भी बनाया गया है जो कि अल्टीमेटली इन आठ एक्शंस को फोकस करता है इस आठ एक्शन में मैक्सिमम चीज़ें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बिजनेस ओरिएंटेड ही होंगी जैसे लॉजिस्टिक्स के लिए डिजिटल लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाया जाएगा जिसके थ्रू टायर टू टायर सिस्टम को इवेल्युएट किया जाएगा जो भी फिजिकल असेट या बेंच है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स की जो लॉजिस्टिक्स है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है स्टेट को इंगेज करना है जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी भी लॉजिस्टिक्स को देखनी है सर्विस इंप्रूवमेंट करनी है सेक्टोरल प्लान करना है इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स पार्क वगैरह हैं उनको भी फैसिलिटेट करना है जहाँ और बेहतर तरीके से यहाँ पर स्टोरेज वगैरह की जा सके क्या प्रोग्रेस किया गया है कई सारे प्रोग्रेस हैं जैसे डिजिटाइजेशन की जा रही है इसके लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डिजिटल सिस्टम इंटीग्रेट किए जा रहे हैं स्टेट का इंगेजमेंट किया जा रहा है जैसे जो 22 स्टेट्स हैं उन्होंने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को ऑलरेडी नोटिफाई किया जा चुका है जो भी रिड्रेसल प्रोग्राम्स हैं, उन्हें भी लॉन्च किया जा रहा है e Portal के ये सब चीजें की जा रही हैं। पर कुछ बात है जो आप लोग मतलब ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है लीड रिपोर्ट 2023 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और ये एक इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है अब यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री है इसने वर्ल्ड बैंक का जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है वैसे ही लॉजिस्टिक्स अलग अलग स्टेट में किस तरीके का चल रहा है उसको लेकर के फोकस किया गया है यहाँ पर छः पैरामीटर लिए गए हैं एनालाइज करने के लिए क्या क्या कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड टाइमलीनेस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीड्स में अल्टीमेटली जो भी स्टेट या यूटी है उनको लॉजिस्टिक्स के इको सिस्टम के हिसाब से रैंक दिया जाता है अब यहाँ पर जो पिलर्स लिए गए हैं दो तरीके के हैं एक है जो ऑब्जेक्टिव है और दूसरे हैं जो परसेप्शन बेस्ड हैं ऑब्जेक्टिव में जैसे जो भी स्टेट पॉलिसी है उसकी लॉजिस्टिक्स इको में इन लोगों ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं या फिर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इनेबल हुआ है परसेप्शन में लॉजिस्टिक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज और इन ऑपरेशन एंड रेगुलेटरी इन्वामेंट इनको देखा गया है क्या क्या यहाँ पर हमें रिपोर्ट में निकल करके आया इनफैक्ट ये पूरी न्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया की है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है निकल के ये आया है कि कुछ स्टेट्स हैं मतलब कि ट्वेंटी वन स्टेट एंड टू यूटी इन लोगों ने स्टेट की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है कि चलो ठीक है क्या क्या है इसमें से जो पंद्रह स्टेट और एक यूटी है इन लोगों ने इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है इस लॉजिस्टिक्स के सेक्टर को जो कि एक अच्छी बात है टोटल लेंथ रोड की और रेलवे ट्रैक की ये बढ़ चुकी है रोड की बढ़ी है 21 परसेंट से लगातार हाईवेज वगैरह जो बनाए जा रहे हैं और रेलवे भी बढ़ी है 9 परसेंट से और ये जो बेंच मार्क है वो 2014-15 यानी कि जो एनडीए सरकार नई निकल करके आई थी वहाँ से ये निकल करके आया है ये पूरी न्यूज़ अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव अब जैसे जो हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर है इस लॉजिस्टिक्स सेक्टर को देखिए या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखिए या फिर कोई नया बिजनेस ओपन करने की ही बात है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस लॉजिस्टिक्स पर ही डिपेंड करती हैं क्योंकि बिजनेस नॉर्मली इस लॉजिस्टिक्स पर ही टिका होता है डिपेंडेंट होता है तो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम इसी तरीके से निकाला गया था कि हम करेंगे ये कि जो अलग अलग विंडो पे जाकर के क्लियरेंसेज लेने होते हैं उसको एक जगह पर कर देंगे और ये गतिशक्ति के फॉर्मेट में ही एक जो फाइल department department है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा और उसकी ट्रैकिंग भी की जा सकेगी अब ये जो पीएम गतिशक्ति है इसको दो साल हो चुके हैं और ये काफी अच्छा काम किया है इसने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट किया है प्लस साथ में जो भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती थी उसको भी कम किया है बिकॉज सिंगल विंडो हो गया ऑटोमेटिकली फाइल आगे बढ़ती रहती है कई सारे और भी मतलब कि यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं गतिशक्ति के कारण से पहली चीज जो काम करवाने में तीन चार महीने का टाइम लग जाता था प्रोसेसिंग में वो अब एक महीने पर आ गया है दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल जो एक भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा बनाई गई है इसमें अब हम अच्छा मतलब कि जी का यूज़ करके यहाँ पर इस डेटा को पब्लिकली अवेलेबल भी करा देते हैं प्लस साथ में हम इसकी मास्टर प्लानिंग भी कर पाते हैं इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा पीएम गति शक्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बूस्ट करती है जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हमारे किसी एरिया में की जा रही है तो उस चीज़ को वो और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा इनका जो मेन काम है वो यही है कि हम इकोनॉमिक जोन को इनकॉर्पोरेट करें जिससे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स ये सब बेसिक वे में कनेक्टेड रहते हैं ये एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा जहां पर अलग अलग मंत्रालय हैं और ये मंत्रालय अल्टीमेटली एक साथ जहाँ पर जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके की है वो अल्टीमेटली अपना अपना काम कर लेगा जिसको कि आप ट्रैक भी कर सकेंगे इनका मेन फोकस है प्लानिंग होनी चाहिए इनोवेटिव फाइनेंशिंग मेथड होने चाहिए टेक्नोलॉजी लेवरेज होनी चाहिए और बाकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में तेज़ी होनी चाहिए स्कोप क्या है स्कोप यही है कि हम हर तरीके से जितना फास्टर मोड ले सकते हैं चाहे रोड हो चाहे रेल हो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे आपकी पोर्ट्स हो या फिर मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो वाटरवेज हो लॉजिस्टिक्स हो और आपका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है छह पिलर्स हैं इसके और ये छह पिलर ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली चीज है जैसे कॉम्प्रिहेंसिवनेस है इंटीग्रेटेड मैनर में सारी चीजों को रखा गया है प्रायोरिटाइजेशन है हमें पता रहेगा कि किस पॉइंट पर कौन सी चीज़ प्रायोरिटी बना करके रखनी है ऑप्टिमाइजेशन टाइम ऑप्टिमाइजेशन और साथ साथ में जो वर्क ऑप्टिमाइजेशन है वो भी लेकर के आना है सिंक्रनाइजेशन सिंक्रनाइज करके रखना है मतलब जिस डिपार्टमेंट की जो भी चीज़ रहेगी उस चीज़ को सिंकरनाइज करके रखनी है यानी कि सिंक में रखनी है एनालिटिकल हो गई और डायनामिक हो गई आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट वन इज़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरस अब जैसे रेलवे की लाइन उतनी ही है रेलवे के पैसेंजर्स भी काफ़ी हैं अब रेलवे के पैसेंजर की वजह से सेम लाइन पर जाने के कारण से जो मालगाड़ियाँ होती हैं जो फ्रेट ट्रेन होती हैं उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता था फॉरेन में अगर बात करेंगे चाहे यूरोप हो यूएस हो यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेट्स होती हैं यानी कि मालगाड़ियाँ होती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो पैसा ज़्यादा अर्न करती हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है कि हम लोग पैसेंजर फॉर फोकस करते हैं पैसेंजर ट्रेन की ओर में तो अब पैसेंजर ट्रेन पर तो काफ़ी सारे रिफॉर्म किए ही गए हैं लेकिन इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर्स पर भी यानी कि फ्रेट पर भी फोकस किया जा रहा है और इसके लिए अलग से जो पटरियां होती हैं वो बिछाई जा रही हैं इन द नेम ऑफ डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर लिख जाएगा जहां पर भी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर बना रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर है ये तो बेसिकली यहां पर चार डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर बनाए गए एक है ईस्ट कोस्ट ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर टू और नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर ये एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है इसको आपको ध्यान रखना रहेगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ स्टार्ट हो रही है कहाँ को जा रही है तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अभी जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसको कंप्लीट कर दिया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर केवल और केवल फ्रेट के लिए गुड्स एंड कमोनिटीज़ के लिए ही प्राइमरली एक हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी के लिए कॉरिडोर बनाया गया है रेलवे लाइन्स बिछाई गई हैं इसका मेन काम यही है कि फ्रेट को हम अलग करेंगे पैसेंजर को अलग करेंगे जिससे कि हमारा फ्रेट और पैसेंजर दोनों ही चलता रहे पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ही अंतर्गत है डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर भी इसी तरीके से बनाया जा रहा है इन द लाइन ऑफ डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर यहाँ पर जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन है वो उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ से अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएगा अब जैसे ये मेन कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं हमारे छोटा नागपुर का पठार यहीं पर आता है अगला है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट अब जैसे हम लोग लोकल कनेक्टिविटी करने के लिए अलग अलग तरीके बना करके रखे हैं जैसे डेमू ट्रेन होती है मेमू होती है बसेस होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक वाली बसेस होती हैं या फिर मेट्रो होती है सेम वैसे ही और फास्टर मोड में रखने के लिए और थोड़ी लंबी दूरी को तय करने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है ये नमो भारत रैपिड ट्रेन रैपिड एक्स ट्रेन के नाम से चलेगी साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो उत्तर प्रदेश में यहाँ तक ये शुरू किया गया है ये डेडिकेटेड रहेगा मतलब डिस्टेंस रहेगी पता रहेगा कहाँ तक है हाई स्पीड रहेगी हाई कैपेसिटी है प्लस कंप्यूटर सर्विस के लिए कंफर्टेबल रहेगा इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी 160 किलोमीटर पर आवर रहेगी और ये मतलब 180 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है लेकिन 160 इसकी रहेगी बाकी दिल्ली मेट्रो और रेलवे से ये अलग रहेगा दिल्ली मेट्रो से अलग ये रहेगा कि ये ज़्यादा दूरी तक रहेगा कम स्टेशन रहेंगे इसमें और ज़्यादा स्पीड रहेगी रिलेटिवली और बाकी रेलवे से अलग इसलिए रहेगा क्योंकि रेलवेज़ की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और बाकी स्पीड जो होती है रिलेटिवली काफ़ी कम होती है मतलब 110 किलोमीटर पर आवर ये हमारी नॉर्मल स्पीड एवरेज स्पीड देखने को मिल जाती है अभी ये जो रैपिड सिस्टम बनाई जा रही है ये एन के रीजन में बनाई जा रही है अब एन सी आर कहाँ कहाँ पर है एन में दिल्ली होता है हरियाणा होता है राजस्थान होता है यूपी होता है और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो इन चारों को मिलाकर के अल्टीमेटली एक नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन uh, एक जे बनाया गया दैट इज ज्वाइंट वेंचर काम क्या है काम यही है जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसको एन में चलाना है बाकी इसके कम्पोजिशन है जो हमारे किसी काम के लायक नहीं है काम क्या है इनका काम यही है कि जो आर आर टी एस है इसकी डेवलपमेंट डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीज़ें करनी है हमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसकी मिनिस्ट्री ये गवर्नर ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ना तो ये रेलवेज में है ना तो ये किसी ट्रांसपोर्ट में है ये अलग से हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट नेक्स्ट आर्टिकल है कोची वाटर मेट्रो इंडिया की पहली वाटर बेस्ड मेट्रो कोची वाटर मेट्रो के नाम से इनाइग्रेट की जा चुकी है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है ये तो चलिए ठीक है कोची में है इसका मेन जो फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा इस एरिया में यहाँ पर जो मेट्रो ये चलाई जा रही है ये लिथियम टाइटनेट ऑक्साइड के बैटरी पर चलाई जा रही है जिसको हम लिथियम आयन सेल भी बोल देते हैं तो लिथियम टाइटनेट ऑक्साइड बैटरी पर चल रही है ये पंद्रह मिनट में चार्ज होती है और अल्टीमेटली ये मतलब कि दिस बैटरी आर नॉट ओनली द सेफेस्ट कॉमर्शियल एक्सेसिबल बैटरी इन द वर्ल्ड बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग विद अ साइकिल ऑफ सात से दस ईयर तक के चलती है ऐसा नहीं चार्ज नहीं करना पड़ेगा चार्ज करना पड़ेगा पंद्रह मिनट में चार्ज हो रही है डिस्चार्ज भी होगी लेकिन इसकी जो एज है सात से दस साल तक ये चलती है जैसे लैपटॉप की बैटरी ही आप देखिए कितना होता है मुश्किल से आप आधे घंटे एक घंटे में आपका लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है आपकी जो भी लैपटॉप है उस हिसाब से आपकी बैटरी बैकअप होती है और वो जो बैटरी बैकअप होती है वो दो साल तीन साल तक आपकी बैटरी चलती है उसके बाद आपको बैटरी रिप्लेस करनी होती है यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बैटरी लगाई जा रही है एल टी ओ दैट इज लिटियम टाइटेनियम ऑक्साइड ये सात से दस साल तक चलेगा फिर इस बैटरी को फेंक देंगे फिर दूसरी बैटरी लेकर के आएंगे अब ये जो कोची वाला दिल्ली में मतलब कि कोची वाला जो वाटर मेट्रो है इसे एक अवार्ड भी मिला था फ्रांस की तरफ से दैट इज़ गसीज़ अवार्ड ये भी इम्पॉर्टेंट है बाकी इसके लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो इसकी बैटरी वाला ही सवाल है इस पर सवाल बन सकते हैं तो बनेंगे इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रोल ऑन रो ऑफ एक फेरी सर्विस चलती है इसके अलावा रो पैक्स होती है रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर होती है रिवर क्रूज सर्विसेज होती हैं ठीक है तो है तो लेकिन ज़्यादा कुछ खास है नहीं तो आई डोंट थिंक इस पर भी कुछ सवाल वाल बनना चाहिए नेशनल कॉमन मेबिलिटी कार्ड अब जैसे फॉरेन में ये चीज़ मेन होती है एक कार्ड आपके पास रहेगा जैसे दिल्ली मेट्रो का कार्ड आपने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो का कार्ड आप रिचार्ज कर सकते हैं चाहे तो आप अपने पेटीएम से कर सकते हैं या जो भी मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर वहाँ जा कर के आपके पास वेंडिंग मशीन्स लगी होती है वहाँ पर कर सकते हैं या फिर अपने रिचार्ज के लिए दे सकते हैं मैनुअल करता क्या है एक पैसा होता है इसमें ठीक है इसके पास इस कार्ड के नंबर के हिसाब से एक अकाउंट होता है और वहाँ पर पैसे आप जमा कर देते हैं आप ले करके आते हैं दिल्ली मेट्रो के पास टच कराते हैं जो कि नियर फील्ड फ्रीक्वेंसी पर काम करती है टच करने पर पैसे कट जाते हैं और अल्टीमेटली आप एंटर कर जाते हैं अब हुआ यह है कि आपके पास में अलग अलग मोड है जैसे बस चलती है रेलवे चलती है मेट्रो चल रही है पोर्ट चल रही है तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास में हैं अब पचहत्तर तरीके का कार्ड लेके घूमने से ज़्यादा बेहतर है कि एक कार्ड बनवा लो सरकारी भी रहेगा और आराम से आप ट्रैक भी कर सकेंगे और इन सब चीज़ों से देखिए मेन बात यह है ना कि आपका डेटा निकल जा रहा है डेटा मतलब कौन व्यक्ति कहाँ पर ज़्यादा कम्यूट कर रहा है उस हिसाब से उसकी मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगानी है वैसी लगाई जा सकती है अभी क्या हुआ है कि जो एस है इसने अपना एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड निकाला है ये जो मोबिलिटी कार्ड है ये 2019 में ही लॉन्च किया गया था वन नेशन वन कार्ड के नाम पर किया गया था जो कि मेट्रो बस सब अर्बन रेलवे टोल पार्किंग फलाना ढिमाका हर जगह पर एक ही काम कर जाएगा इसके दो इंटरफेस हैं एक है कॉन्टैक्ट और दूसरा है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी सेविंग या करेंट अकाउंट है उसके थ्रू ये लिंक रहेगा पिन नंबर रहेगा ऑथेंटिकेट करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट मतलब टच करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पर यह नियर फील्ड के हिसाब से काम करता है बस ऊपर से छुआएंगे मतलब द मनी इज स्टोर्ड सेपरेटली इन ऑफलाइन वॉलेट और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के फॉर्मेट में चीज़ें चली जाती हैं ऑब्वियसली यहाँ पर लिमिट रहेगी पर डे के बेसिस पर कहीं आपका पैसा कोई दूसरा खाली ना कर दे इस चीज़ को लेकर के तो एक चिप बेस्ड बैंक इशूड कार्ड होता है जो क्रेडिट डेबिट अलग अलग तरीके से हो सकता है यहाँ पर जो चीज़ें रहती हैं वो कॉन्टेक्ट और कॉन्टैक्ट दोनों ही तरीके के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मतलब ऐसे समझिए एक पी के बेसिस पर भी आप कर सकते हैं और दूसरा मोबाइल से भी आप कर सकते हैं कौन कौन डेवलप किया है कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसमें एक मिनिस्ट्री है दूसरी है एन आई सी दैट इज़ एन पी सी आई एल सॉरी एन पी सी आई एल है नेशनल पेमेंट क्योंकि पैसे की बात है तो एन पी सी आई एल तो आना ही आना है दूसरा है सीडेक मेथी की तरफ से जो टेक्नोलॉजी को देगा इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बी ई एल भी यहाँ पर है अलग अलग जो मंत्रालय अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे एन कार्ड ये प्रोवाइड किया जा रहा है एन के द्वारा कि चलो ठीक है यहाँ पर जो भी पेमेंट गेट रहेगा स्वीकार दैट इज़ स्वचलित किराया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम ये सीडैक के द्वारा है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है बाकी स्वागत स्वचलित गेट जो होगी वो बेल के द्वारा यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके द्वारा देखा जा रहा है यहाँ पर ये काम करेगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन वही जो दिल्ली मेट्रो जिस तरीके से काम करता है सेम वैसे ही यहाँ पर भी काम करेगा ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी होती है मतलब जब उसके रेंज में आएंगे बहुत कम रेंज होती है इसकी उस रेंज में जब आएंगे तभी जा करके ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होती है और फिर अल्टीमेटली आपका जो पैसा होता है वो कट जाता है मैरी टाइम अमृतकाल विज़न ट्वेंटी फोर्टी सेवन है मैरी मैरी टाइम अमृतकाल ये तीसरा ग्लोबल मैरी टाइम अभी समिट हुआ है तीसरा हुआ है मुंबई में हुआ है ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हुआ है ये ध्यान रखना है बाकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वॉटर के द्वारा ये चीज़ की जाती है पहली दो में की गई थी वो भी मुंबई में ही की गई थी और दूसरी वाली दो में की गई है ठीक है तो मतलब कह सकते हैं कि पहला वाला पाँच साल पर हुआ था और फिर उसके बाद से ये दो साल पर ही हुआ है यहाँ पर काम क्या है दो तक हमें कई सारी चीज़ों को अचीव करना है स्पेशली ग्रीन ग्रीन पोर्ट बनानी है ग्रीन पोर्ट का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें चीज़ों को करना है तो यहाँ पर मेन काम यही है कि चूंकि ये जी मतलब कि एस डी गोल के अंतर्गत भी आता है जो हमारा मेरी सेक्टर है तो हमें इस पर इलेवन थीम पर हम लोगों ने काम किया है नंबर याद रखना है इलेवन थीम एक काम करना है सस्टेनेबल और ग्रीन मेरी सेक्टर बनाना है जो भी हमारे फोर्टीन मेजर पोर्ट्स हैं उनको हमें कार्बन न्यूट्रल करना है हमें ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करना है और हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी हमें इसके लिए बढ़ाना है हमें इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स में तीन पोर्ट यहाँ पर इस्टैब्लिश किए गए हैं तीन पोर्ट में मतलब बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन बनाया गया है पारादीप पोर्ट दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है और इसके अलावा वी ओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए वन लाइनर बन जाता है इसके अलावा हमें पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना है ऑटोमेटेड करना है टेक्नोलॉजी प्रोन करना है इसके लिए जो वर्ल्ड के टॉप ट्वेंटी फाइव पोर्ट्स हैं हमें उसके अंदर भी लेकर के आना है बाकी इसके अलावा ग्लोबल प्लेयर इन शिप बिल्डिंग रिपेयर एंड रिसाइकलिंग भी करना है जो भी हमारी टनेज है यानी जो कैपेसिटी है पोर्ट की उसको भी हमें और बढ़ाना है टेन थाउजेंड मिलियन टन तक हमें बढ़ा करके ले करके जाना है जो भी हमारा ओशियन कोस्टल या रिवर क्रूज सेक्टर है हमें उसको भी आगे बढ़ाना है ताकि टूरिज्म हमारा आगे बढ़े लॉजिस्टिक्स को हमें और बढ़ाना है छः से लेकर के बारह तक तो जो हमारा ऑपरेशनल वाटरवे है उसको लगभग लगभग टू टाइम्स हमें आगे बढ़ा देना है कई सारी हमारी थीम है जैसे ऑफर मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मेरी क्लस्टर डेवलपमेंट डेडिकेटेड आई एम ओ सेल इन इंडिया फॉर ग्लोबल मेरी टाइम प्रजेंस इफ़िशेंट एनहेंसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन सिस्टम इसमें देखिए कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें है नहीं बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये सब जो मीटिंग वगैरह हुई है वो कौन सी हुई है और कब कब हुई है और थीम क्या क्या है इसमें इलेवन याद रखना है Green Port 2023 Green Port ये हरित सागर के नाम से निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वे के द्वारा हरित सागर में मेनली जो हमारे पास में पोर्ट्स हैं उनको इन्वायरमेंटली प्रोन तरीके से डेवलप करना है ऑपरेशनल करना है मतलब नेचुरल तरीके से करना है जो भी हमारे पास में एनर्जी यूज़ होनी चाहिए वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज़ होनी चाहिए इसके लिए जो हाईलाइट्स बताए गए हैं वो ये बोला गया है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट पे यूज कर रहे हैं 60 परसेंट दो तक हम रिन्यूएबल कर लेंगे ठीक है 60 परसेंट एनर्जी जो होनी चाहिए 2030 तक और बाकी अगले 15 साल में हम लोग इसको 90 परसेंट तक रिन्यूएबल पर कर देंगे जो भी एलएनजी बंकर बनाए जा रहे हैं 2030 तक हम लोग एटलीस्ट वन एलएनजी बंकर बना लेंगे इसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन भी हमें लेकर के आना है 2025 तक ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशियटिव स्टैंडर्ड लेकर के आना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू द पोर्ट भी लेकर के आना है तो ये सब चीज़ें हैं बाकी इसमें कुछ खास है नहीं ग्रीन पोर्ट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दो चीज़ें हैं एक है ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट के अंतर्गत दिस इज इंपॉर्टेंट इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग को लेकर के रिसर्च वगैरह बढ़िया हो पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जा रहे हैं आ, जो हमारा ग्रीन वॉयज ट्वेंटी फिफ्टी प्रोजेक्ट है और बाकी ग्रीन पोर्ट पॉलिसी भी लेकर के आई जा रही है रेलवे सेफ्टी अब रेलवे सेफ्टी में देखिए कई सारे रेलवे के एक्सीडेंट्स अभी रिसेंट में हो गए थे हालांकि अब जैसे रिसेंट वाला जो एक्सीडेंट है बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को लेकर के बोला गया है तो ये अब अगर हम रेलवेज के बारे में बात करें तो रेलवेज वर्ल्ड में चौथे नंबर के लार्जेस्ट नेटवर्क चलाती है आफ्टर यूएस चाइना एंड रशिया बहुत ज्यादा बड़ा लेंथ है इनफैक्ट ये तक कहा जाता है कि इंडिया में रोज ऑस्ट्रेलिया के बराबर की पॉपुलेशन रोज ट्रैवल कर रही होती है अब हमारे पास अलग अलग तरीके का ऑपरेशनल लेवल्स होते हैं जैसे फायर एक्सटिंशन ट्रैक मैनेजमेंट कवच सिस्टम हॉट थ्री रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्डिंग कार ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रा सोनिक फ्लॉड डिटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है एक तो आर हो गई आपकी जो पुलिस प्रोटेक्शन देगी रेल सन सनरक्षा कोश हो गया रेलवे डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड हो गया और रेलवे सेफ्टी के लिए अपना कमीशन होती है अब रेलवे में देखिए कई सारे इश्यूज हैं एक तो इशू ये है इसके ऑपरेशनल रेशियो को लेकर के मतलब रेलवे को चलाने में और रेलवे के खर्चा में मतलब कि जो मतलब एक्सपेंडिचर अब मतलब ऐसे समझिए इनकम आउटकम ठीक है इनकम और आउटगोइंग आउटगोइंग जितना पैसा लग रहा है चलाने में क्या उतना रिटर्न आ रहा है कि नहीं तो नहीं आ रहा है दूसरी चीज़ डी रेलमेंट के बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिले हैं बाकी ट्रैक कमज़ोर है कंजेशन बहुत देखने को मिल रहा है बहुत सारी ट्रेनें हो गई हैं ज़्यादा हो गई हैं अब कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी एक बनाई गई थी ध्यान से समझिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी ये रेलवे के इंस्पेक्शन करने के लिए बनाई गई थी अब अगर रेलवे के इंस्पेक्शन रेलवे को ही इंस्पेक्ट करने के लिए अगर रेलवे मिनिस्ट्री के ही अंडर में रहेगा तो मामला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आ जाएगा वो बताएंगे ही नहीं इसलिए इसको रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में कि ये चीज़ अलग रहेगी ताकि जो भी इसकी इंस्पेक्शन के बाद में चीज़ें निकल कर करके आएँ सही तरीके से निकल के आएँ हेडक्वाटर इसका लखनऊ में है बाकी इसका मेन मैटर यही है कि रेलवे ट्रैवल और ऑपरेशन की सेफ्टी को देखे जो भी स्टैटूटरी फंक्शंस हैं इंस्पेक्शन को लेकर के वो भी चीज़ों को करे और जो भी ट्रेन एक्सीडेंट हो उसको बड़े ही सीरियस तरीके से देखे रेलवे सेफ्टी को लेकर के हालांकि ऐसा नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हम लोग हमेशा से कुछ ना कुछ इसमें किया गया है जैसे एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया है ये फंड है जो किसी भी तरीके की मतलब सेफ्टी रिलेटेड अगर वर्क होता है तो वहाँ पर ये पैसा यहाँ से चला जाएगा इसके लिए ऐसा नहीं है कि बजट के लिए हमें देखना पड़ेगा जो भी रिलेटेड वर्क रहेगा सेफ्टी से वो यहाँ से पैसा चला जाएगा एल एच पी कोचेज़ लगाए गए हैं जिससे कि एक दूसरे के ऊपर में अब कोच कभी चढ़ते नहीं हैं ऐसा नहीं होता है पीछे वाला कोच जो है वो आगे वाले कोच के ऊपर में चढ़ जाए दोनों अलग अलग हो जाएंगे चढ़ेंगे नहीं काफ़ी इससे फ़ायदा हो जाता है ठीक है इनफैक्ट अभी गोरखधाम एक्सप्रेस एक ट्रेन है और गोरखपुर से लेकर के दिल्ली तक पहले जाती थी अब तो काफ़ी बढ़ा दी गई है तो इसका 2013 में एक्सीडेंट हुआ था और कहा जाता है कि ऐसा एक्सीडेंट शायद ही कभी हुआ हो एक दूसरे के ऊपर में बोगियां चढ़ गई थी और उसके बाद से ही एल कोचेस को मतलब लगाया गया था ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है आई एप्लीकेशन बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती है वो मैनुअल वाला नहीं रह गया है बाकी कवच सिस्टम है कवच सिस्टम में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग लग जाती है ट्रेन के अंदर में इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा कि यूट्यूब पर कवच सिस्टम को लेकर के जो पहले मिनिस्टर थे आई थिंक अश्विनी वैष्णो ही हैं तो इन्होंने कवच सिस्टम को टेस्ट किया है तो यूट्यूब पर जाकर के इनफैक्ट सर आप देख भी सकते हैं वीडियो बड़ा अच्छे से अवेलेबल है बाकी कवच सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कवच सिस्टम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर बेस्ड है ये इसे कवच या फिर आर्मर भी बोला जाता है इसका काम यही है कि दो ट्रेन आपस में जब पास करती हैं तो ये आपस में लड़ेंगी नहीं कभी इनको एक रेड सिग्नल पास होता है जब रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ब्रेक लग जाती है अब ब्रेक लगने के कारण अगर मान लेते हैं ड्राइवर सो गया या फिर पायलट को कुछ दिक्कत हो गई है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक यहाँ पर ब्रेक लग जाता है तो इससे कोलिजन बच जाएगी जो भी दो लोकोमोटिव आपस में दो ट्रेन जा रही है उसका कोलिजन बच जाएगा बाकी इसके अलावा एस मैसेजेस भी हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन तो ये चीज़ है काफ़ी मतलब प्रोसिबिलिटी को ये काफ़ी हद तक ये बचा लेता है अगला है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम समझते हैं जैसे हो क्या रहा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं कार को लेकर के तो कार को लेकर के जो एक्सीडेंट्स होते हैं अब जैसे मारुति वगैरह की जो कार होती है उसको देखेंगे तो उसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ख़राब होती है सेफ्टी रेटिंग क्या होती है सेफ्टी रेटिंग का मतलब ये होती है कि गाड़ियां जब आपस में लड़ गईं तो लड़ने के बाद क्या उसके अंदर का पैसेंजर बचेगा नहीं बचेगा क्या होगा क्या डैमेज होगा इस चीज़ को लेकर के टेस्टिंग होती है तो इसके लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक बनाया गया है भारत एंड कैप इसको बोला जाता है अब जैसे कार वगैरह की कई तरीके की टेस्टिंग होती है जैसे फ्रंटल इम्पैक्ट सामने से मारा जाता है साइड से मारा जाता है पोल इम्पैक्ट होती है विप लैश होती है ए एक चीज़ होती है इसके अलावा सी चाइल्ड को लेकर के होती है सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी होती है पिडेस्ट्रियट अकुपेंट सेफ़्टी होती है और वनरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन होती है अब हमारे यहां पर क्या होता है हमारे यहां पर विप्लैश नहीं होता है तो भूल जाइए इसका कोई टेस्ट है दूसरा को को लेकर लेकर के के और रोड भी नहीं होती है, तो यह भी आप भूल जाइए ठीक है मेन चीज हमारे यहाँ पर फ्रंटल है साइड है पोल है इसके अलावा एओपी और सीओपी सीओपी मतलब जो चाइल्ड को लेकर के है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में सेफ्टी रेटिंग को लेकर के यही जो भारत एनकैप है इसको लॉन्च किया है इसके बेसिस पर अल्टीमेटली फ़ाइव स्टार अलग अलग तरीके से रेटिंग दी जाएगी ये जो रेटिंग दी जाएगी वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के तहत दिया जाएगा हालांकि ये ग्लोबल लेवल पर बनाया गया है काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं बट इंडिया में जो चीज़ नहीं काम की है तो हम लोग इसको क्यों ही ज़बरदस्ती का टेस्ट करवाया जाए अब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो रहेगी हर पैसेंजर व्हीकल पर नॉट मोर देन एट सीट इन एडिशन टू ड्राइवर सीट अब जैसे बड़ी वाली जो इनोवा वगैरह होती है वो गाड़ियाँ तक ली जा सकती हैं जो वेट होना चाहिए पैंतीस किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या तो आप मैन्यूफेक्चर कर रहे हो या फुस कर रहे हो मतलब कुछ भी कर रहे हो इंडिया में तो ये सारी चीज़ें आप पर लागू होती हैं ये सारी चीज़ें सी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी लागू होती हैं जो टेस्ट है ए ओ पी ए का मतलब होता है एडल्ट बैठा हुआ, हुआ है उसके अंदर में और चाइल्ड बैठा हुआ है उसके अंदर में दैट इज सी और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं तीन टेस्ट मेन है फ्रंटल साइड और साइड पोल ये तीन टेस्ट है दो अलग से और टेस्ट होगा एक तो एडल्ट और चाइल्ड जो अंदर बैठा हुआ है उसको लेकर के पोल इम्पैक्ट टेस्ट उसी गाड़ियों का किया जाएगा केवल जो थ्री स्टार या उससे एब की रेटिंग लेकर के रखी हुई हैं ये जो टेस्टिंग है अभी तो वॉलेंटियर बेसिस पर है आगे जा कर के हो सकता है इसको कंपलसरी वगैरह बना दिया जाए तो ये मेन चीज़ है बाकी आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई खास इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि क्या चीज़ें हैं ब्लैक स्पॉट क्या होता है ब्लैक स्पॉट का मतलब यही होता है कि एक एरिया जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत सारा हो रहा हो बहुत सारा का मतलब या तो पाँच रोड एक्सीडेंट हो गया हो आ, अ, अ, मतलब लास्ट थ्री ईयर में या फिर दस्ट फैटिलिटीज़ हो रही हो लास्ट थ्री ईयर्स में ये 500 मीटर तक का एरिया होता है जिसको ब्लैक स्पॉट बोला जाता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक मिरर टाइप का लगा होता है जो बड़ा अजीब सा होता है मेनली वो चारों ओर में दिखा देता है तो ब्लैक स्पॉट एरिया होता है वो एन ने एक्सीडेंट से बचने के लिए यही ब्लैक स्पॉट को लेकर के कुछ गाइडलाइन वगैरह दी है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं तो जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है उसको रेक्टिफिकेशन के लिए दस लाख ,00 पर स्पॉट दिया जाएगा कि यहाँ पर चीज़ें देखी जाएँ क्या क्या हो सकती है तमाम उसके बोर्ड वगैरह लगा दिए जाते हैं फिर वो मिरर लगा दिया जाता है जो भी रिस्पेक्टिव पुलिस चीफ या डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है वो भी यहाँ जा कर के आइडेंटिफाई करेगा कौन सा एरिया ब्लैक स्पॉट एरिया बन रहे हैं ठीक है तो बाकी इसके अलावा रीजनल ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट टर्म मेज़र भी दिए जाएंगे दस लाख से लेकर कर पच्चीस लाख तक के लिए बाकी इसमें कुछ खास है नहीं एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है डकार डिक्लेरेशन को लेकर के डकार बेसिकली सेनेगल की राजधानी है और यहाँ पर बेसिकली जो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें उसको लेकर के बोली गई है इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन इज़ ऑलसो रिलेटेड विद द रोड सेफ्टी सो ये दो डिक्लेरेशन के बारे में ध्यान रखना है डकार डिक्लेरेशन एंड ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया अब मेजर पोर्ट इन इंडिया अभी तेरह हैं और वाधवन एक नया बनने वाला है बन रहा है बेसिकली छः इसमें इस, इस साइड में है और छः इस साइड में भी हैं ठीक है एक हो गया कांडला मुंबई जवाहरलाल नेहरू मरमा गांव न्यू बेंगलोर कोचिन तूती और एक और है चिदम्बरम इन्नौर ठीक है और विशाखापटनम वाइजैक भी बोलते हैं उसको पारादीप हो गया कोलकाता हो गया जो मेजर पोर्ट होते हैं वो प्राइमरली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं और जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं अभी हाल फिलहाल में हुआ यही है कि मेजर पोर्ट की फंक्शनिंग को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ खास है नहीं बस मेन चीज़ आपको यही जानना है कि कौन किस तरीके से यहाँ पर गवर्न किया जाता है अभी जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं अच्छा यहाँ पर कुछ यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं सबसे पुराना कौन सा है कोलकाता का पोर्ट है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोला जाता है एकमात्र रिवराइन पोर्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे आप बोल सकते हैं मुंबई का पोर्ट नेचुरल पोर्ट है और लार्जेस्ट सबसे बड़ा है कामराज पोर्ट ये इंदौर पोर्ट को भी बोला जाता है तमिलनाडु में है ओनली ये कॉरपोरेटाइज पोल है मतलब पोर्ट है जो कि कंपनी के रूप में यहाँ पर रजिस्टर्ड है बाकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है हम लोगों ने मतलब कोई शिप आया और फिर उसके बाद से गया तो इस दौरान में जितना समय लगा पहले 94 फोर आवर के आसपास में लग जाता था ठीक है अब वो चीज़ घट करके 52 टू आवर पर हो गई है इसके अलावा ट्रैफिक हमारा अच्छा खासा बढ़ा है ठीक ठाक यहाँ पर मतलब लोडिंग हो रही है कार्गो भी देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ा है ऑपरेशनल रेशियो जो पहले मतलब तिरपन रुपये हुआ करता था वो अब घट करके अड़तालीस रुपये पर आ गया है जो कि मतलब काफ़ी इफेक्टिव बोला जा सकता है कई सारे एफर्ट लिए गए हैं जैसे मॉनिटर करने के लिए सागर मंथम डैशबोर्ड बनाया गया है ट्रैकिंग करने के लिए सागर सेतु ऐप बनाया गया है ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल बना करके रखा गया है इसके अलावा सागर उन्नति बनाया गया है ताकि आप पोर्ट के परफॉर्मेंस को भी देख सकें इंश्योरेंस सेक्टर आई आर डी ए आई दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीमा ट्रिनिटी का एक नया प्लान लेकर के आई है ट्रिनिटी का सीधा मतलब है कि इसमें तीन चीजें होंगी एक बीमा सुगम है दूसरा बीमा विस्तार है और तीसरा बीमा वाहक है यानी कैरियर्स बीमा सुगम का मतलब यह है आसानी हो जाना कन्वीनियंस हो जाना अब जैसे एक ही प्लेटफॉर्म पर जो इंश्योरर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो दोनों के दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे जिससे कंपेयर करना आसान हो जाएगा जैसे होटल वगैरह के लिए होता है गोवाई बीवो है मेक माई ट्रिप है जहां पर आप जाकर के कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा होटल कितने में मिल रहा है बीमा विस्तार का मतलब यह है कि जहां पर रिस्क कवर लाइफ का हेल्थ का प्रॉपर्टी का कैजुअलिटी का एक्सीडेंट का मतलब जिस जिस चीज पर भी इंश्योरेंस हो सकता है उनका एक बंडल बना करके फिर अल्टीमेटली जो भी बीमा है इंश्योरेंस है वो बेचा जाएगा बीमा वाहक का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन करना इंश्योरेंस सेक्टर में इसमें वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स बनाया जाएगा यानी कि वुमेन को लेकर के आया जाएगा अब ये वुमेन अल्टीमेटली घर घर जाएंगी लोगों को इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स है उसके फायदे के बारे में बताएंगी कोशिश करेंगे कि जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है और ज़्यादा बढ़े अभी कुछ डेटा के बारे में अगर बात किया जाए तो टोटल प्रीमियम अभी इंडिया इंडिया का जो टोटल प्रीमियम है वो टेंथ लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मार्केट है उसके पीछे सीधा कारण है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन होती है वो काफी ज़्यादा है और चूंकि डेवलपिंग है इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया भी है और ज्योग्राफिकल एरिया होने के कारण से यहाँ पर काफी ज़्यादा हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंट्स इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ ही जाती है इंश्योरेंस डेंसिटी क्या चीज़ होती है इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जितना भी इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है और टोटल पॉपुलेशन इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का मतलब होता है कि जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जा रही है उसका जीडीपी के साथ में क्या रेशियो है इसको हम लोग बोल देते हैं इंश्योरेंस इंश्योरेंस डेंसिटी हो या इंश्योरेंस पेनेट्रेशन हो दोनों के दोनों ही बढ़े हैं अगर आप देखेंगे डेटा तो दोनों के ही बढ़े हैं स्पेशली अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में अगर देखें तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर लगभग लगभग दुगना बढ़ चुकी है अगर हम 2021 के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो एनआईए दैट इज नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है इंडियन इंश्योरेंस लैंडस्केप को लेकर के इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जैसे एक बताया गया है हेल्थ गैप हेल्थ प्रोटेक्शन गैप को लेकर के हेल्थ प्रोटेक्शन गैप का मतलब ये होता है कि जो भी हेल्थ कॉस्ट एक आम जनता वहन कर रही है और जितना उसे ज़रूरत है जितना रिक्वायर्ड है जैसे मान लेते हैं कि सौ रुपये की रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल में जो वहन कर रही है वो सत्तर रुपये कर पा रही है तो ये जो तीस परसेंट है या जो तीस रुपए है इसको बोलते हैं हम लोग हेल्थ प्रोटेक्शन गैप कि ये जो प्रोटेक्शन है जो हंड्रेड में पूरी होनी थी वो पूरी नहीं हो पा रही है इसको बोलते हैं हेल्थ प्रोटेक्शन गैप अब इसी तरीके से होती है हमारी प्रोटेक्शन गैप प्रोटेक्शन गैप में एक होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप दूसरी होती है मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन अब मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन का भी सेम वही मतलब है कि जहां पर भी एक फैमिली या रिसोर्स जिसको जरूरत है मतलब लाइफ uh, के लिए ज़रूरत है और वो अगर नहीं कवर कर पा रहा है तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी तो ये बन जाएगा मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप दैट मीन्स मोर्टेलिसी से बचने के लिए जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप है वो एट्टी और मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप नाइन्टी मेनली छब्बीस से पैंतीस साल के एज ग्रुप में ही हमें देखने को मिल रही है इसके अलावा जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस है यानी कि जो डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं वो 90 परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैव नेचुरल कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा जरूरी हो गया है इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस भी है जहां पर जो भी क्रॉप है उस उसका इंश्योरेंस ले लिया जाता है लेकिन हाल फिलहाल में ये डेटा बता रहा है कि ये डिक्रीज हुआ है इसके पीछे अपने कई सारे कारण हैं स्पेशली बैंक से रिलेटेड कई सारे यहाँ पर कारण हैं सो दैट मीन्स दैट इज द मेन थिंग अगला इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जरा बेसिक्स देख लेते हैं आई ने अभी एक श्योरिटी बॉन्ड को लेकर के कुछ नॉर्म निकाला है अभी तक क्या होता है जैसे मान लेते हैं कि दिस इज यू मान लेते हैं ये आप हैं और आप जाएंगे बैंक के पास में तो बैंक के पास में जब भी आप जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको एक कुछ कोलेटरल देना होता है यानी कुछ गिरवी रखनी होती है या मान लेते हैं कि दो बड़ी पार्टीज हैं बड़ी बड़ी पार्टीज हैं ये दोनों पार्टी आपस में कोई भी ट्रेड कर रही है तो उसके लिए बैंक कई बार गारंटर बन जाता है कि ठीक है कुछ भी हुआ तो मैं आपको चीजें दूंगा और इसके बदले में इस बंदे से कोलेटरल कुछ रखवा लेते हैं ऐसा कुछ होता है अब हुआ क्या है थ्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है मतलब बैंक को हटा करके एक और पार्टी यहां पर ले आई जा रही है इन द नेम ऑफ श्योरिटी बॉन्ड अब ये कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी जो रहेगी वो अल्टीमेटली इन दोनों की चीजों को सेटल करवाएगी तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक तरीका है बैंक्स पर एक्स्ट्रा बर्डन करने की जगह पर एन वगैरह या फिर दूसरी चीजों को भी अब लेकर के आएंगे ये so सो एक तरीके का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो प्रिंसिपल है दोनों को ही मतलब फायदा रहेगा श्योरिटी बाउंड अब ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने दो में ही इस चीज को अलाउ कर दिया था और ये बैंक गारंटी के रिप्लेसमेंट के तौर पर काम कर रहा है आई आर ये एक स्टैटूटरी बॉडी है आई एक्ट 1999 से ये बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत होती है इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है दिस इज इंपॉर्टेंट कई सारे इसके काम है इंश्योरेंस रिलेटेड लाइसेंस देना इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना रेगुलेट करना जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज हैं उनके जो भी कंसर्न्स हैं और साथ ही साथ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको इंस्पेक्ट भी करना इसके कई सारे अंडर में कंपनीज आ जाती हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस की हो गई जनरल इंश्योरेंस की हो गई री इंश्योरेंस की हो गई एजेंट चैनल्स हो गए इंटरमीडियरीज हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा जरूरत नहीं है सब तो खैर ऐसे ही है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म अब जैसे देखिए वीजा जो दिया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए दिया जाता है ये होता है पर्पस ड्रिवन अब जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है यानी कि एजुकेशन पर हो सकता है वर्क वीजा हो सकता है ऐसे ही मेडिकल वीजा भी होते हैं मेडिकल वीज़ा मेडिकल वीज़ा का मतलब ये है जहां पर कोई व्यक्ति बीमार है तो ये मेडिकल वीजा लेकर के अल्टीमेटली इंडिया में आकर के जो भी अपना बीमारी है या जो कुछ भी करवाना है वो सही करवा लेता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया के लिए ये मेडिकल वीजा काफ़ी ज़्यादा फेमस है सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी रिसेंट में एक नया आयुष वीज़ा निकाला है फॉरेनर्स के लिए जिससे जो आयुष की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं आयुष का मतलब हो गया आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी इन सबको लेकर के अल्टीमेटली आ सकते हैं ध्यान आपको देना है कि जो वीजा होती है वीजा देने का काम किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ठीक है अगर बात करें या ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म में तो इंडिया सेवेंथ रैंक पे है और सत्तर बिलियन यूएस डॉलर का अल्टीमेटली यहां पर आ, कह सकते हैं कि एस्टिमेशन है कि आयुष बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम ये ग्रो कर जाएगा तो ये मेन चीज़ है बाकी अगर वेलनेस टूरिज्म वगैरह के बारे में बात करें तो मेडिकल टूरिज्म नॉर्मली इस चीज़ के लिए यूज़ करता है कि कोई बंदा इंटरनेशनली हेल्थ केयर सर्विसेज को अगर अवेल करना चाहता है तो आकर के वो देख सकता है सिमिलरली वेलनेस टूरिज्म भी होती है जहां पर वेलबींग के लिए या फिर मतलब कह सकते हैं कि स्वस्थ बने रहने के लिए जो ट्रैवल है टूरिज्म अभी एक नया मतलब फॉर्मुलेट किया है दैट इज नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म इसका मेन काम यही है कि मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के नाम पर एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया जाए इसके अलग अलग पिलर्स रहेंगे जैसे कि डिजिटाइजेशन को लेकर के ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल एक बनाया जाएगा दूसरा रहेगा एक्सेसिबिलिटी ताकि लोग आसानी से एक्सेस कर सकें इस चीज़ को देखने के लिए एक नया बोर्ड बनाया जाएगा दैट इज़ नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड अब देखिए बोर्ड और जो होता है ना ये आप एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इसके लिए एक नया बोर्ड बना दिया जाएगा तो आप टिक कर दिया करिए क्योंकि नॉर्मली किसी भी चीज़ को सेटल करने के लिए कोई ना कोई एक अथॉरिटी बनाई ही जाती है और ये अथॉरिटी अल्टीमेटली इन सारी चीजों को देखती है रिसेंट में अभी डब्ल्यू के साथ मिलकर के एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक मीटिंग हुई है और ये हुई है गांधीनगर गुजरात में और उसके लिए अल्टीमेटली ये गुजरात डिक्लेरेशन निकल करके आया है अगला है ओ एनडीसी दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिस तरीके से फ्लिपकार्ट होती है अमेजोन होती है वैसे ही हमारे इंडिया का भी ओ एनडीसी है दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसके वेबसाइट भी आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट जो होती है वो चल रही है अब इस वेबसाइट या फिर ये जो ओ है इससे आप सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इससे चीज़ों को प्रोक्योर करती है अगर मान लेते हैं कहीं पर कोई फंक्शन है कोई इवेंट है तो यहाँ से चीज़ें निकाल ली जाती हैं जैसा जेम पोर्टल होता है वैसे ही ओ भी होती है जेम पोर्टल जो मर्चेंट है वो यहाँ पर देखता है ओ पर भी मर्चेंट्स होती है बट ये ओ ई कॉमर्स वेबसाइट है जबकि यहाँ पर प्रॉपर आपकी बिडिंग वगैरह होती है तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो ओ है ये भारत बिल पे uh, लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है जिससे जो भी सेटलमेंट uh, हो रही है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके सेटलमेंट बढ़िया से किया जा सके जो एन है दैट इज नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंपाइलेशन सिस्टम या आर के द्वारा गाइड की जाती है स्मूथ बनाई जाती है सिक्योर रहती है ताकि फंड्स का जो नेटवर्क रहे वो चैनलाइज रहे सही तरीके से रहे इसको बैंक्स फिनटेक एजेंसीज और जो ई e कॉमर्स प्लेयर उनके साथ में मिलकर के इंटीग्रेट कर दिया गया है बाकी इसके बारे में डिस्कस कर ही लिए कि ओ एन डी सी एक कम्युनिटी लेड मार्केट है ओपन नेटवर्क है जहाँ पर सेंट्रल इंटरमीडियरी की मतलब ये इलिमिनेट कर देता है तो ये चीज़ है वॉट इज ओ एन डी सी नॉट गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म सेंट्रल मीडियरी ये सब चीज़ें हैं ज़्यादा कुछ खास है नहीं चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं ओ एन डी सी जो लॉन्च किया गया था दिस इज इंपॉर्टेंट ओ एन डी सी जो लॉन्च किया गया था वो डी पी आई आई टी यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ओपन नेटवर्क है जहां पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जा सकता है यह ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है उनको इंटीग्रेट करता है और यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है जिससे कि क्वालिटी भी इंश्योर की जा सके सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान अभी रिसेंट में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान दो से दो के बीच का नोटिफाई किया गया है अब देखिए ये जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है ये पहली बार 2007 में बनाई गई थी ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है और हर पाँच साल में इसी तरीके से नोटिफाई करते आते रहते हैं अब देखिए नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बनाई जाती है वो दो तरीके के सोर्सेस से बनाई जाती है एक जिसे हम रीनएबल एनर्जी बोलते हैं और दूसरी होती है जो हमारी नॉन रीनबल एनर्जी है अब नॉन रिनल एनर्जी में जैसे फॉसिल्स आ जाते हैं या फिर जो हमारे कोल बेस्ड हो जाती हैं या इसी तरीके से जो न्यूक्लियर बेस्ड हो जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा जो हमारे पास में रूनीबल होती है जैसे सोलर हो गया या फिर विंड हो गया या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में रूनीबल हो जाती हैं कई सारी चीज़ें हैं इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से ही रिलेटेड जैसे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं तो चूंकि ये नॉन रूनीबल सोर्सेज मेनली हमारा कोल बेस्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट के बेसिस पर तो इस थर्मल पावर प्लांट के कारण से बहुत ज्यादा यहां पर कार्बन का एमिशन होता है और कार्बन एमिशन का मतलब है कि कही न कहीं ना कहीं एन्वायरमेंट में पॉल्यूशन तो जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी सी ओ पी ट्वेंटी वन में यहां पर हम लोगों ने अपना एनडीसी बनाया था नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और हम लोगों ने बोला था कि थर्टी थ्री परसेंट से हम लोग जो कार्बन रिडक्शन है वो कम करेंगे तो इसी के कारण से हम लोगों ने फोकस करना शुरू किया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर में लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है सारी इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक वर्क सब कुछ हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड है तो हम अचानक से ना तो शिफ्ट कर सकते हैं ना तो हमारे पास में ऐसा कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो धीरे धीरे हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर में शिफ्ट होना पड़ता है और इसीलिए इनफैक्ट ये जो पाँच साल का प्रोग्राम है हर पाँच साल पर निकालते रहते हैं जिससे हम एक टारगेट भी अपना फिक्स कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना शिफ्ट करेंगे और दूसरा एक सस्टेनेबिलिटी भी बना करके रखते हैं कि जो भी चेंजेस हम लोग करें दैट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर सस्टेनेबल होना चाहिए कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से हम लोग ड्रास्टिक शिफ्ट करें और उस ड्रास्टिक शिफ्ट के कारण से सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए और इसी कारण से हर पाँच साल पर ये नोटिफिकेशन आती रहती है अगर बात किया जाए कि अभी रिसेंट में मतलब कि 31 मार्च 2022 तक अगर टोटल कैपेसिटी के बारे में बात करें कि किस तरीके से हमारी टोटल कैपेसिटी है तो टोटल हमारी है पंद्रह हजार छः मतलब पंद्रह हज़ार नहीं एक लाख छप्पन हज़ार छः सौ सात मेगा की इसको आप लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स के आसपास ये गीगा में कन्वर्ट हो जाएगी आपको डेटा याद रखना है कि लगभग लगभग एक सौ पचास गीगा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे इंडिया में है ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें से चौंतीस परसेंट जो सेक्शन है वो सोलर का है जो कि अपने आप में मतलब काफ़ी ज़्यादा है ज़्यादा ही माना जाएगा फिर उसके बाद से हमारे पास विंड का है छब्बीस परसेंट फिर लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं थर्टी परसेंट स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक तीन परसेंट और बायोमास है सात परसेंट के आसपास तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो हुआ आपका वो सोलार है जिसका डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर पर हमारे पास लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं फिर उसके बाद से आपका विंड हो जाता है और उसके बाद से बाकी सारी दो दो चीजें हैं मतलब इन तीनों को मिला दिया जाए तो 90% परसेंट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो इसी के थ्रू मीट हो रहा है अब अगर बात किया जाए कि टोटल वैल्यूज के हिसाब से बात किया जाए मेगावाट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अभी भी कोयले का ही है इक्यावन अभी भी थर्मल पावर प्लांट से ही निकल करके आता है फिर इसके बाद से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से निकल करके आता है थर्टी नाइन परसेंट इस थर्टी नाइन परसेंट का ये डिवीजन है बात समझ में आई क्या चीज है तो इक्यावन प्रतिशत हमारा कोल हो गया फिर थर्टी नाइन परसेंट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया यानी कि इन दोनों को भी अगर मिला दिया जाए तो लगभग लगभग नाइन्टी परसेंट के आसपास नाइन्टी हो गया ना हाँ नाइन्टी परसेंट के आसपास हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आ जाती है बाकी छोटे मोटे में आ जाती है जैसे गैस का हो गया पाँच छः परसेंट है डीजल हो गया डीजल तो कुछ है ही नहीं न्यूक्लियर दो परसेंट पे है लिगनाइट जो है वो दो परसेंट पे है तो ये दोनों जो डेटा यहाँ पर दिए गए हैं ये दोनों डेटा जरा आप लोग रट्टा मार करके रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट होगा अब इस बार के अगर जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है इसके अगर की हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो एनर्जी डिमांड काफी राइज पे है मतलब लगातार बढ़ते जा रही है चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इलेक्ट्रिसिटी uh, यूज़ करने लगे हैं ऑब्वियसली तो इस वजह से डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा हो गई है 4.1 परसेंट के आसपास इसकी डिमांड हो रही है बढ़ी है हमें डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस आप ये ध्यान रखिएगा कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है मतलब ये चार uh, पाँच के आसपास का ही डेटा है देखिए कभी भी जो डेटा होता है जो याद रखने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिले ठीक है जैसे मान लेते हैं कि अचानक से यहां पर लिखा होता कि पंद्रह परसेंट से इंक्रीज देखने को मिला है तो अब आप ये समझिए कि हमारे यहां पर टी एफ आर टू पॉइंट वन परसेंट के आसपास है मान लेते हैं कि लेस देन थ्री परसेंट है तो जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी इसी के आसपास होनी चाहिए तीन चार परसेंट के आसपास ही होनी चाहिए ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आपका फैमिली जो मतलब पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है दो परसेंट से और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है पंद्रह परसेंट से तो ये बहुत ही ड्रास्टिक है और ये ड्रास्टिक केवल डोमेस्टिक के कारण से नहीं हो सकता है हो सकता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल वर्क बहुत ज्यादा हो गया हो हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा हो लेकिन ऐसा कुछ तो देखने को हमें मिल नहीं रहा है तो बस जहां पर भी डेटा इस तरीके का आए तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ये रिक्वायर मतलब कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में अगर बात किया जाए तो अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दो हजार तक करीब करीब 610 गीगावाट तक हो जाएगी जो कि सत्तावन परसेंट हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी से करेंगे अभी कितना है अभी चालीस परसेंट है देखिए है रिन्यूएबल एनर्जी हम इसको बढ़ा करके और सत्तावन के आसपास ले जाने वाले हैं ठीक है ये जो हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी का देखा है ये कितना है हैीगा गीगावाट है ठीक है वन गीगावाट केवल 40 परसेंट ही कवर कर रहा है तो अगला जो 50 परसेंट होगा क्या हम मान सकते हैं कि करीब करीब तीन सौ के आसपास होगा तीन सौ तो हम लोग इस तीन सौ मतलब आज की डेट में करीब करीब अगर साढ़े चार सौ गीगावाट है तो इसको हम लोग बढ़ा करके छः सौ दस गीगा वाट तक ले जाने वाले हैं जो कि एक मतलब एक जिनविन नंबर लग रहा है कार्बन एमिशन के बारे में बात करें तो अभी चूंकि फिफ्टी परसेंट कोल बेस्ड ही चीज़ें निकल करके आ रही हैं तो कार्बन एमिशन तो हो रहा है लेकिन वो अब लगातार डिक्लाइनिंग फेज में है मतलब अब ये 51 वन परसेंट पर है जो कि कभी 70-80 परसेंट के आसपास हुआ करता था तो हम लोगों ने इसको इक्यावन प्रतिशत पर ला करके खड़ा कर दिया है यानी कोयले का लगातार जो एमिशन है वो कम होते आ रहा है और इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एमिशन है वो भी कम होते आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ते आ रहा है अभी ये मतलब थर्टी नाइन फोर्टी परसेंट के आसपास है आने वाले टाइम में हम इसको और इन्हेंस करेंगे एनर्जी इफिशियंसी एंड एन कंजर्वेशन एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी में अभी रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है और एंड इज नाउ कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 45 परसेंट इन 2030 अगेंस्ट द लेवल ऑफ 2005 तो हम एनर्जी जो इफिशियंसी है वो हमारी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है जो भी एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम लोग रिड्यूस भी करते जा रहे हैं अब एमिशन इंटेंसिटी होती क्या है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डेफिनेशन के नाम पर एमिशन इंटेंसिटी इज द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उस हिसाब से कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग एमिशन इंटेंसिटी ऑब्वियसली एमिशन से मतलब आप तुरंत समझ लीजिए कार्बन एमिशन से ही रिलेटेड है अब जितना ज्यादा आप डेवलपमेंटल वर्क करेंगे अगर कार्बन एमिशन को गिराएंगे नहीं कम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो एनडीसी है उसको एक तरीके से कह लीजिए कि प्रभाव पड़ेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड थ्री से यह अथॉरिटी निकल करके आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है और एक स्टैट्री ऑर्गेनाइजेशन है बाकी इसके अलावा ये सब किसी काम का नहीं है आप स्किप कर सकते हैं इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस अब जैसे देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में गया गया कि इलेक्ट्रिसिटी किस लिस्ट का सब्जेक्ट है क्या ये यूनियन लिस्ट का है क्या ये स्टेट लिस्ट का है या फिर ये कंकरेंट लिस्ट का है ये इंपॉर्टेंट रहेगा अब बताइए किस लिस्ट में यह आता है अब देखिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब क्या चीज है जीएसटी से समझिएगा जीएसटी आप लोग पढ़ रखे हैं जीएसटी तीन तरीके की होती है एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सी दूसरी होती है जो हमारी एस होती है और तीसरी होती है इंटर स्टेट आई जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है इंटर स्टेट में वो चीजें होती हैं जो जिस जिस गुड या सर्विसेज का इंटर स्टेट ट्रांसफर होता है अब जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी भी एक गुड है इलेक्ट्रिसिटी भी एक गुड है इसका ट्रांसफर इंटर स्टेट अगर किया जाएगा तो ऑब्वियसली इंटर स्टेट जी चार्जेस लग जाएंगे सेम वैसे ही अगर मान लेते हैं कि कोई एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बना के दिया है दूसरे स्टेट को दिया है तो वहाँ पर चार्जेस लग जाते हैं इंटर स्टेट के नाम पर तो जो भी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यह कहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के कारण से हुआ है जैसे विंड हो गया ग्रीन हाइड्रोजन हो गया या ग्रीन अमोनिया हो गया अगले 25 साल के लिए ये जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का जो टैक्स होता है या फिर बोलिए चार्जेस होते हैं वो अभी नहीं लगेगा उसको वेव ऑफ़ कर दिया गया है उसको अभी हटा दिया गया है अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के थ्रू उसका भी जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन है वो नहीं लगेगा जो हमारे ऑफशोर विंड पावर होती हैं जो विंड फॉर्म्स के थ्रू लगाई जाती हैं ये भी इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी उसका भी पैसा नहीं लिया जाएगा तो मेनली आप ऐसे समझिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो पैसा मतलब इंटर स्टेट में लगता वो नहीं लिया जा रहा है बाकी इसमें कुछ खास है नहीं आगे की जो डिटेल्स है दीज आर नॉट रिक्वायर्ड आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसमें बस कहा यही गया है कि 25 साल के लिए अभी अभी हाल फिलहाल में जो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है उनके लिए 25 साल का डेट दिया गया है और बाकी जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया है इसके लिए मतलब ये 2030 तक का प्रोजेक्ट रहेगा 2030 तक के लिए ये फ्री में दिया जाने वाला है बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ये एकदम से आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम के लिए देखिए जब भी आपके पास में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको एलिमिनेशन ही यूज करना होता है कई बार एलिमिनेशन एलिमिनेट कर देता है कई बार नहीं भी कर पाता है लेकिन एलिमिनेशन में हमेशा अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना होता है ना कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं इनको तो ये सब ऐसे स्टेटमेंट है जो मतलब हमारे काम के नहीं होते हैं उतने इसके अलावा फाइनेंशियल इंसेंटिव टू स्टेट फॉर रिफॉर्म इन पावर सेक्टर पावर सेक्टर में जिन जिन लोगों ने रिफॉर्म किया है तो उसके लिए सेंटर स्टेट को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है अभी हाल फिलहाल में क्या क्या इन मतलब मैंडेटरी रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं पहला किया गया है कि जो भी डिस्कॉम है तो प्रोग्रेसिव अजम्पन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम बाई द स्टेट गवर्नमेंट जो भी मतलब प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है और उस दौरान में जो भी डिस्कॉम को लॉसेज हुए हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को भरपाई दी जा रही है जैसे यहाँ पर एक उदय स्कीम निकाल करके लाई गई थी उज्जवल डिस्कॉम को लेकर के यहाँ पर सब्सिडी स्कीम थी कि स्टेट को जो भी नुकसान हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ भरपाई करेगी बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को सही करेगी इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है जो भी पावर सेक्टर में फाइनेंसेज हैं उनकी रिपोर्ट करने के लिए टाइमली रेंडिशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एनर्जी अकाउंट एंड टाइमली ऑडिट करना है बाकी कंप्लाइंस करने हैं जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास ऐसा है नहीं नॉर्मली आपको पावर सेक्टर में जो रिफ़ॉर्म करने चाहिए रिफॉर्म किस तरीके के रिफॉर्म करने चाहिए अकाउंटेबिलिटी को लेकर के रिफॉर्म करने चाहिए ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक्सेसिबिलिटी को लेकर के प्लस चार्जेस को लेकर के तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं तो इसमें ऐसा कुछ ख़ास है नहीं अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट को एडिशनल बोरोइंग का मतलब एडिशनल एक तरीके से कह लीजिए कि पैसा दे दिया है एस जी के नाम पर यह भी हमारे लिए कुछ ख़ास है नहीं बस आपको ये रिफॉर्म जो है वो थोड़े से ध्यान रखने हैं अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस जो किए गए हैं ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सब चेंजेस आखिर किए क्या गए हैं अब पहला चेंज किया गया है मार्केट कपलिंग के नाम पर मार्केट कपलिंग का मतलब क्या चीज होता है मार्केट कपलिंग होती है जैसे मान लेते हैं कोई ये कंपनी ए है कोई ये कंपनी बी है सी है डी है अब सबके चार्जेस अलग अलग हैं सबके चार्जेस अलग अलग हैं सरकार ने ये कहा है इनको आपस में कपल कर लेते हैं यानी कि जो चार्जेस होने चाहिए दैट शुड बी सेम चार्जेस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए मार्केट को कपल करना इसी को बोलते हैं तो अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है इसको मार्केट कपलिंग के लिए बोला है कि यूनिफॉर्म प्राइस लेकर के आइए अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेस जो अलग अलग एक्सचेंज है ए बी सी डी उनको यूनिफॉर्म प्राइस पर लेकर के हमें आना है जैसे इनफैक्ट स्टेट में ही देखे होंगे कहीं रिलायंस की बिजली है कहीं पर टॉरेंट की बिजली है कहीं यूपी पी है तो कहीं इस तरीके से है मार्केट कपलिंग का मतलब यही है जहाँ पर सिंगल पावर ट्रेडिंग इंटिटी होगी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट मतलब कि एक तरीके से जो चार्जेस होने चाहिए वो सेम सेम से ही रहने चाहिए जो भी बिडिंग की बाई या सेल हो रही है सारे ही पावर एक्सचेंज के थ्रू कंट्री में ये सब एक यूनिफॉर्म पावर प्राइस को लेकर के ही रहेंगे जिसे हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस बोलेंगे जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होंगी ये सब अलग अलग एक्सचेंज के लिए मतलब अलग अलग अभी प्रेजेंट में सबकी अलग अलग है जैसे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है या फिर पावर एक्सचेंज इंडिया है हिंदुस्तान पावर है ये सब अलग अलग करके रखे हुए हैं और ये सब मोनोपोलाई करके रखे हुए हैं मतलब जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है ये 90 परसेंट मोनोपोली करके रखा हुआ है तो ये सब तो काम का नहीं है लेकिन आप जो डेफिनेशन है मार्केट कपलिंग की इसको जरूर ध्यान रखिएगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन को लेकर के और इसके सिग्निफिकेंस को लेकर के ही क्वेश्चन बनना चाहिए ठीक है बस यही मेन चीज है मार्केट कंपलिंग आगे जाकर के वन नेशन वन ग्रेड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन प्राइज को ही आगे लेकर के मेनली आने वाला है यह एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मेकेनिज्म के थ्रू काम करेगा अगला है इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2023 अब जरा पहले समझ लेते हैं कि क्या केस है फिर हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे जैसे अब देखिए मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है लेकिन अब हम लोगों ने देखा कोयले के अलावा हमें शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है इन द नेम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द नेम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू भी चीजें आ रही हैं तो कोयले के कारण से मान लेते हैं कि खर्चा आ रहा है नब्बे रुपया मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड अमाउंट है नब्बे रुपया न्यूक्लियर से मान लेते हैं कि आ रहा है सत्तर रुपए और रिन्यूएबल एनर्जी से मान लीजिए पैसा आ रहा है तीस रुपया ठीक है तो जो एक्सचेंज है मान लेते हैं कि ये ए एक्सचेंज है ये नब्बे पे सत्तर पे और तीस पे तीनों पर ही बिजली खरीद रहा है लेकिन ये ए अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को दे रहा है वो मान लेते हैं कि सौ रुपए पर दे रहा है हैंडलिंग वगैरह सब चार्जेस ले दे करके सौ रुपए पर दे रहा है तो कायदे से सौ रुपए का जो चार्ज पड़ा था वो तो केवल और केवल कोयले को देख के पड़ा था अब तो ये न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है जो कि इस ए, ए एक्सचेंज को सस्ता पड़ रहा है तो कायदे से ये सस्ती वाली चीज़ आगे कंज्यूमर को भी तो डिलीवर होनी चाहिए और इसी चीज को लेते हुए अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल 2023 का लाया गया है यहां पर सरकार ने यही बोला है कि जो भी नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जाएंगे उसके लिए टाइम बाउंड मैनर में चीजें की जाएंगी चाहे उसका रिफंड हो या फिर किसी तरीके की कोई सर्विस हो सब चीज को टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टर चार्टर होती है जो बताती है किसी भी ऑफिस की टाइम लाइन क्या है मतलब कितने टाइम में कौन सा वर्क हो जाता है और ये चार्टर ही कहीं ना कहीं एक तरीके से समझिए कि जो लोकपाल है वो इस चार्टर की ही बात करता था और दूसरी चीज अन्ना हजारे या जो मोमेंट हुआ था बेसिकली वो इसी चीज को लेकर के हुआ था कि एक टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज डिसाइडेड होनी चाहिए दूसरी चीज अगर मान लेते हैं कि कोई भी कंज्यूमर राइट का विलफुल डिसरिगार्ड कर रहा है मतलब उस चीज को मान नहीं रहा है तो उसके ऊपर में पेनाल्टी पड़ेगी उसके ऊपर में कुछ ना कुछ चार्जेस पड़ेंगे अब देखिए टाइम ऑफ द डे टैरिफ एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है इसी चीज को लेकर ले के किस चीज को लेकर ये वाली चीज को लेकर के कि जिस समय रिन्यूएबल एनर्जी का मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लोगों को दिया जा रहा होगा तो पहले से डिसाइड करके रखा जाएगा एक टाइम ऑफ द डे आठ घंटे का यह रहेगा अब इस आठ घंटे में जो पावर टैरिफ होगी वो नॉर्मल टैरिफ से बीस परसेंट कम रहेगी मतलब कि सौ रुपए है तो इस समय अस्सी रुपये ही सिर्फ लगेगा रिन्यूएबल एनर्जी से क्योंकि चीजें चाह रही हैं और अगर कोई पीक आवर है उसमें दस से बीस परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्योंकि वो हो सकता है कोयले से निकल करके आ रही होगी इसके अलावा जो भी स्मार्ट मीटरिंग का प्रोविजन किया गया है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं यानी कि स्मार्ट मीटरिंग अब नया लगाने पर जो पुराने बिल वगैरह हैं उसमें कोई पेनाल्टी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा अब ये सब इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन यह जो पूरी फंडा है इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा दिस मे क्रिएट वन क्वेश्चन यह हो सकता है आपके लिए एक सवाल बनाए एक नया बनाया गया जिसको बोलते हैं पुष्प पोर्टल पुष्प पोर्टल का मतलब क्या है समझते हैं जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है दूसरा मान लेते हैं मध्य प्रदेश है और मान लेते हैं पास में ही बिहार है ठीक है अब इलेक्ट्रिसिटी तीनों के पास जरूरी तो है नहीं कि बराबर हो क्योंकि हो सकता है यूपी में कभी ज्यादा हो जाए कभी हो सकता है कमी पड़ जाए सिमिलरली मध्य प्रदेश और बिहार तो अगर हम एक डैशबोर्ड बना लें तीनों के पास ही जिससे हमें हर टाइम मतलब कि रियल टाइम पता चलता रहे कि किसके पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में है या किसके पास शॉर्टेज पड़ रही है तो हम आपस में इसको लिंक कर सकते हैं हम आपस में इसको लिंक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी वो कम वाले को दे देगा और कम वाला ज़्यादा वाले को दे देगा तो ये जो डैशबोर्ड बनाया गया है इसी को बोलते हैं पुष्प पोर्टल तो पुष्प पोर्टल अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च की गई है जिससे कि जो पावर इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो पाए जब भी डिमांड रहे तो जो भी डिस्कॉम कंपनीज हैं ये लोग अपने सरप्लस पावर को अल्टीमेटली दिखाएंगे अलग अलग समय दिन महीने पोर्टल के ऊपर में यानी यही डैशबोर्ड बना देंगे कि कितना हमारे पास में क्या चीजें चल रही हैं तो जहां पर भी रिक्वायर्ड होगी सरप्लस होगी वो डिफिजिट वाले को दे देगा और जहां पर डिफिजिट रहेगी वो सरप्लस वाले को दे देगा नेशनल गैस ग्रिड बिहार की जो बरौनी गौहाटी पाइपलाइन है ये अब नेशनल ग्रिड वाली जो चीज है वो कनेक्ट हो गई है नेचुरल गैस के बारे में समझ लीजिए ये साइंस एंड टेक के हिसाब का मतलब कह सकते हैं कि दिस वुड इज द बेसिक क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस जो होती है ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन के एरियाज से निकलती है हर जगह से मतलब कई जगहों से निकल सकती है ये जो माउंटेन्स हैं उनकी दरारों से निकल सकती है सेडिमेंट्री माउंटेन के ये जहाँ कहीं पर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता है वहाँ पर भी निकल सकती है या गैस अलग से भी निकल सकती है जो भूमिगत होती है इसमें कंपोजिशन क्या होती है इसमें मीथेन होती है नाइट्रोजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटसेट्रा एटसेट्रा लेकिन मेन जो कंटेंट होता है वो मीथेन का होता है इसी पर सवाल बनते हैं कि नेचुरल गैस में मेन क्या चीज़ होती है अच्छा मान लेते हैं नेचुरल गैस तो पूछ दिया गया अगर मान लेते हैं पीएनजी है इसमें मेन कंटेंट क्या होगा इसमें भी मेन कंटेंट मीथेन ही है क्यों क्योंकि ये पीएनजी का मतलब क्या हुआ पाइपलाइन नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस ही अगर मान लेते हैं सीएनजी है तो इसमें क्या होगा इसमें भी मीथेन होगा बस आपने क्या किया है कंप्रेस कर दिया है ठीक है तो मेन चीज ये है नेचुरल गैस का मतलब है मीथेन इसमें ज्यादा रहेगी अब ये कहां कहां पाया जा रहा है ये हम लोगों ने देख ही लिया है नॉर्मली हम लोग इसको पहले क्लीन करते हैं और फ्यूल के रूप में कन्वर्ट करते हैं तब जा कर के इसका कंजम्पशन हम लोग कर पाते हैं प्राइमरी मिक्स के रूप में है साढ़े छः परसेंट अभी कंजम्पशन है लेकिन आने वाले टाइम में पंद्रह परसेंट तक इसका शेयर बढ़ जाएगा बाकी ये यूनियन लिस्ट में आती है जो हमारी पेट्रोल एंड नेचुरल गैस है तो गैस ग्रिड जो नेशनल गैस ग्रिड है ये तैंतीस किलोमीटर लंबा है नेशनल गैस पाइपलाइन नेटवर्क के बारे में है और ये पूरी कंट्री की जो भी पाइपलाइन है उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा गवर्न किया जाता है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के थ्रू स्टैटूटरी बॉडी के फॉर्मेट में बना करके रखा गया और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई कंपनी अच्छा बिजनेस कर पा रही है तो उसके पीछे कारण है एक समाज जो अल्टीमेटली इस कंपनी को इस समाज में स्थापित होने और बिजनेस करने के सहयोग दे रहा है और इसी कारण से इस कंपनी की एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस समाज के लिए भी करे अपने प्रॉफिट में से और इसी को लेते हुए अल्टीमेटली सी एस आर दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया क्लॉज बनाया गया है कंपनी एक्ट दो हज़ार तेरह में कंपनी एक्ट दो हज़ार तेरह में सी एस आर के प्रोविज़न किए गए थे अलग अलग सेक्शन में जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो सी एस आर है आखिर में कौन सी कंपनी है जो जिन पर यह क्लॉज अप्लाई होगा अगर किसी कंपनी की जो नेट प्रॉफ़िट है अगर पाँच करोड़ या पाँच करोड़ से ज़्यादा है तो वो सी के लिए एलिजिबल है या फिर उस कंपनी की टोटल वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो कंपनी एलिजिबल है या टर्नओवर ओवर इनका एक हज़ार करोड़ या उससे ज़्यादा है तो भी ये सी के कम्प्लायंसेस में आ जाते हैं तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी या कम्प्लायंस तो आखिर में इनको कितना अपना पैसा देना होता है इनको अपना पैसा जो भी इनका नेट प्रॉफिट होता है तीन साल का एवरेज उसका दो परसेंट आपको सी एस आर में देना पड़ता है अब सी एस आर में आप कहाँ कहाँ पैसा दे सकते हैं सी एस आर में या तो स्वच्छ भारत कोष में दे दीजिए या फिर क्लीन गंगा में दे दीजिए या जो प्रधानमंत्री की नेशनल रिलीफ फंड है या फिर पी एम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन दैट इज पी एम केयर फंड हो गया या फिर किसी तरीके के सोशल वर्क में जैसे हेल्थ हो गया या फिर आपका एजुकेशन हो गई स्कूल हो गया तो जितनी भी चीज़ें होती हैं सब आप कहीं पर भी अपना फंड लगा सकते हैं पैसे दे सकते हैं ये तो हो गया कहाँ कहाँ पर आपको पैसा देना होता है अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो तो फिर वो एक सिविल रॉन्ग के तौर पर या बोल सकते हैं कि सिविल नॉन कंप्लायंस के तौर पर आएगा और उसके ऊपर में पेनल्टी लगती है जो भी कंपनी है सीएसआर अपना देती है उनको एमसीए 21 में अल्टीमेटली बताना भी होता है कि मैंने इतना पैसा सीएसआर में दे रखा है अगर सीएसआर के ट्रेंड के बारे में अगर बात किया जाए तो सीएसआर का जो ट्रेंड है वो 150% से बढ़ गया है लगभग 26000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं बाय मोर देन 18000 कंपनी 29.5% एंड 24.5% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग वाज डन इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर तो एक देख सकते हैं लगभग लगभग तीस परसेंट लगभग लग पच्चीस लग परसेंट के आसपास हेल्थ और एजुकेशन में भी डेवलपमेंट किया जा सका है इसके अलावा डबलिंग ऑफ इस स्पेंडिंग इन, इन इन्वायरमेंट सेक्टर ड्यू टू इंडियाज ग्लोबल क्लाइमेटिक कॉम्पिटिटिवनेस या कमिटमेंट्स इसके अलावा सैनिटेशन में क्लीन गंगा फंड में ड्रिंकिंग वाटर में भी जो स्पेंडिंग है वो काफी बढ़ गई है और जो इंक्यूबेटर्स वगैरह है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन है वहां पर काफी कम पैसा खर्च हुआ है लेस देन पॉइंट पैसा खर्च हुआ है ये तो हो गया जो ऊपर ऊपर से चीजें हैं सी की अब जैसे कोई भी देखिए कंपनी होती है वो अपने आप में काफ़ी मतलब पैसा नहीं देना चाहती है वो कहीं ना कहीं से पैसे को रूट करने की कोशिश करती है जैसे टैक्स बचाते हैं वैसे ही सी बचाने की कोशिश करते हैं ये लोग क्या करते हैं कोई एक एन अपना या तो बना लेते हैं या एन को सेट कर लेते हैं अब एन में देखिए कई तरीके के काम होते हैं या तो आप सीधे पैसा अपना सी का एन में दे दीजिए हो सकता है एन बच्चों के लिए काम कर रही हो हो सकता है कि जो सीनियर एनजीओ तो के भी अपने अलग -अलग खर्चे होते हैं जैसे में खर्चे होते हैं, जो भी है, या इनके द्वारा जो भी वर्क किया गया उसमें भी खर्चे होते हैं तो अगर मान लीजिए आपने एनजीओ को सेट किया है तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है यहाँ पर तो आप पैसा बढ़ा करके दिखा सकते हैं तो कंपनी क्या करती थी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इसी में अपना अपना पैसा पैसा दिखा दिखा करके अपने CSR के पैसे को दिखा देती थी और तो कहीं ना कहीं सी एस की भी एक तरीके से चोरी हो रही थी इसी चीज को लेते हुए 2021 में फाइनली एक नया अमेंडमेंट लाया गया कंपनी सीएसआर पॉलिसी अमेंडमेंट रूल ट्वेंटी ट्वेंटी यहां पर बोला गया कि जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वाली जो स्पेंडिंग आप कर रहे हैं वो अपने टोटल सीएसआर केवल पांच ही परसेंट कर सकते हैं जैसे कहने का मतलब आपकी मान एक हजार रुपए बनती है टोटल के टोटल सीएसआर की स्पेंडिंग तो पचास सकते हैं लिमिट लगाई गई ऐसा नहीं कि एक हजार एडमिनिस्ट्रेटिव में ही दिखा दिया एनजीओ को पैसा दे दिया था अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा था तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तीन साल से ज्यादा उस प्रोजेक्ट में आप पैसे नहीं लगा सकते ऐसा नहीं है कि लगातार उसी प्रोजेक्ट पे पैसे दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं इसके अलावा जो भी अन सीएसआर अमाउंट हुआ मान लेते हैं पैसा नहीं दे पाए तो उसको आप मैंडेटरी ट्रांसफर करेंगे इसके अलावा जो भी आपने इस सीएसआर के थ्रू जो भी बदलाव लेकर के आए हैं यानी जो भी आपने इंपैक्ट लेकर के आए हैं उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराना पड़ेगा यानी असेसमेंट करानी पड़ेगी तो जो भी कंपनी 10 करोड़ या उससे ऊपर का सीएसआर दे रखी है उसको एक इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा हर मोर देन थ्री इमीडिएट प्रोसीडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कि आपने आखिर में क्या बदलाव लेकर के आए हैं ये दिखा दिया गया 2021 में ऐसा नहीं है कि बस पैसे दिए जा रहे हैं उसका कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा है ग्राउंड पे तो ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा सीएसआर का जो रियल मीनिंग है वो निकल ही नहीं पाएगा अब इसी चीज को थोड़ा सा और 2022 हजार बाईस में इसमें अमेंडमेंट किया गया कहा यह गया कि जो भी अन सी अमाउंट है उसके लिए आपको एक कमेटी बना करके रखनी पड़ेगी दैट इज सी कमेटी और ये कमेटी अल्टीमेटली देखेगी मतलब जितने भी सी वाले लोग हैं उन सभी को यह सी वाली जो स्पेंडिंग के लिए अपनी कमेटी है वो बना करके रखनी पड़ेगी इसके अलावा जो आपने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर जो भी आपने पैसे दे रखे हैं वो पैसा आपका टोटल सी एक्सपेंडिचर का दो परसेंट होना चाहिए या मैक्सिमम अमाउंट आपकी पचास लाख रुपए तक जा सकती है हालांकि यह पहले पांच परसेंट था इसको अब घटा करके दो परसेंट कर दिया गया है तो अब सी एस आर में ऐसा कर दिया गया है आपको ताकि डाइवर्सिफाइड फॉर्मेट में तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में पैसा जाए ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में ही पैसा जाए ऐसा नहीं है कि किसी केवल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के तौर पर ही जाए आपको इन्वायरमेंट में भी काम करने को पैसा मतलब इन्वायरमेंट uh, में भी काम करने को मौका मिले या फिर जो हमारे डिसेबल्ड uh, लोग हैं उनमें भी का काम करने को मौका मिले तो जो सी का रियल मीनिंग है जहाँ पर हर तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाए उस चीज़ को फोकस यहाँ पर किया जा रहा है और इस अमेंडमेंट के थ्रू अल्टीमेटली इसी चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है अगर बात किया जाए कॉरपोरेट गवर्नेंस को कौन कौन लोग हमारे यहाँ पर गवर्न करते हैं तो कंपनी एक्ट दो मतलब दो जो है उसके थ्रू तो होता ही होता है इसके अलावा से भी कॉरपोरेट गवर्नेंस करती है इसके अलावा जो आई सी ए आई है दैट इज अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये भी कंट्रोल करती है जो कंपनी सेक्रेटेरिएट के लिए आई सी एस आई है ये भी करती है और बाकी जो मंत्रालय है वो तो करता ही करता है अगली जो न्यूज़ है वो इंडियन कंपनी ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को लेकर के है अब ये जो आई है ये गिफ्ट सिटी में लगाई गई है समझते हैं पूरा मैटर क्या है तो आसानी से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी जैसे हमारे पास में एसी -E वगैरह होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोला जाता है जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं ड्यूटी फ्री मतलब यहाँ पर कस्टम वगैरह नहीं लगेगा सिमिलरली एसी जेड -E यहाँ पर भी कस्टम वगैरह आपका नहीं लगेगा तो इससे क्या होता है कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये काफ़ी बढ़ता है प्लस साथ ही साथ में यहां पर चूंकि टैक्स फ्री सिस्टम होता है और इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है एफ के फॉर्मेट में आती है और यहां पर डॉलराइजेशन होती है मतलब कि डॉलर ज़्यादा हमें पैसे मिलते रहते हैं तो इस वजह से फायदेमंद होता है गिफ्ट सिटी इसी तरीके से एक एसीजड के तौर पर बनाई गई है अब देखिए गिफ्ट सिटी में मेनली यहां पर इंडस्ट्रीज लगाई गई है और इंडस्ट्रीज अपना पैसा रेज करने के लिए कहीं ना कहीं अपना बॉन्ड या फिर कह सकते हैं शेयर्स वगैरह निकालते ही रहते हैं इन इंडस्ट्रीज़ को अपना डोमेस्टिक मार्केट में पैसा तो रेस करना ही करना है प्लस साथ ही साथ में इन लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना पैसा रेस करना होता है और इसके लिए अभी लोग क्या करते थे जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया की कंपनी ए है इसको पैसा रेस करना है मान लेते हैं कि यू में तो चूंकि ये ए कंपनी कैन नॉट रजिस्टर मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज यू का है वहाँ पर नहीं जा सकती है तो ये लोग क्या करते थे यूएस की किसी कंपनी से टाई अप करते थे और ये लोग इसको अपना पैसा देते थे पैसा देते थे इसके बदले में ये कंपनी एक डिपॉजिटरी देती थी और जो भी पैसा है वो लिस्ट कर दिया जाता था इस कंपनी के द्वारा इस कंपनी के नाम पर यू में तो कायदे से पैसा गया है इस ए कंपनी का लेकिन सारा नाव गाव जा रहा है इस वाले कंपनी का जो यू एस है और ये वाली कंपनी ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए और एग्रीमेंट के लिए अपना एक कोई नोट दे देती थी डिपॉजिटरी दे देती थी तो अब इस बीच वाले चैनल को यहां पर गिफ्ट सिटी में हटा दिया गया है अब यह नहीं है कि यहां पर जो है आपको किसी एक कंपनी के थ्रू आकर के आपको लिस्ट करना पड़ेगा यह सब चीजें हटा दी गई है तो अभी हाल फिलहाल में जो वित्त मंत्रालय है इसने इंडियन कंपनी को बोला है कि आप डायरेक्टली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पर आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो यानी डायरेक्टली आप लिस्ट कर सकते हैं अभी प्रेजेंट में अगर बात किया जाए तो कोई कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को बिना डोमेस्टिक मार्केट में लिस्ट हुए नहीं जा सकती थी 2020 में कम में सेंटर ने अमेंड किया था इस कंपनी एक्ट को और इन्होंने कहा डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनी ऑन फॉरेन स्टॉक एक एक्सचेंज अलाउड है कोई दिक्कत नहीं है अभी क्या है कि जब भी इंडियन कंपनी को किसी तरीके से अगर पैसा रेज करना होता है इंटरनेशनल मार्केट में तो इनको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी यहां पर इस केस में देखा जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे एक तरीके का एग्रीमेंट बोल सकते हैं जो कि डोमेस्टिक करेंसी में होता है यानी एक कंपनी के द्वारा दिए गए पैसे के द्वारा होगा और ये जो डोमेस्टिक कंपनी होगी ये पैसा रेज करेगी आउटसाइड द कंट्री यानी कि फॉरेन मार्केट से और फॉरेन बैंक अल्टीमेटली इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को कंपनी के नाम पर रख करके शेयर जारी कर दिए दे, देते हैं इसके बदले में और इस तरीके से इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है यूएसए में जितने भी हमारे ये जी या ए डी आर यानी कि जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है या जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ये फॉरेन मार्केट से पैसा उठाने के काम में लेकर करके आए जाते हैं अब ये जो हमारा आई एफ एस सी क्या चीज़ है हम लोगों ने हालांकि डिस्कस कर ही लिया कि आई एफ एस सी जो होता है कि एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऐसी टाइप का बना करके रखा रहा जाता है जो कि फॉरेन मार्केट के जो भी चीज़ें हैं फॉरेन करेंसी है फॉरेन प्लेयर्स हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बना करके रखा गया है इंडिया में ये गुजरात में बनाया गया है इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज जैसे फंड रेजिंग का भी काम करते हैं असेट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी होती है वेल्थ मैनेजमेंट भी होती है एटसेट्रा एटसेट्रा अब ये जो हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अभी हम लोगों ने बात किया 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के द्वारा इसका रोल क्या है यही चीज़ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडिया में लेकर के आना है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रेगुलेट करना है और साथ ही साथ में जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उसको लेकर के इंडिया में आना है कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट टू अब देखिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे अच्छे से करेंगे और थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे पहले जरा समझते हैं अभी हाल फिलहाल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना या फिर कंपटीशन ये जो एक्ट है इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है ये जो अमेंडमेंट है ये 2002 का ओरिजिनल एक्ट है और इस ओरिजिनल एक्ट में बेसिकली किया गया था समझते हैं कंपटीशन पहले क्या चीज़ है जैसे मान लेते हैं कि कोई भी दो कंपनीज हैं दो कंपनीज हैं या कई सारी कंपनीज़ मान लीजिए हैं जिसमें से दो डोमिनेटिंग पोजिशन में है अब ये जो दो डोमिनेटिंग पोजीशंस में है ये छोटी छोटी कंपनियों को लगातार दबाव देकर के खरीदते जा रही हैं खरीदते जा रही हैं तो इससे क्या हुआ मार्केट में अल्टीमेटली दो ही बड़े प्लेयर बचेंगे या फिर हो सकता है कि ये केवल और केवल एक ही बड़ा प्लेयर बाद में बचे तो इसने क्या किया इसने कॉम्पिटिशन को मार्केट से ख़त्म कर दिया जस्ट बिकॉज कि इनके पास में अच्छा खासा पैसा था इससे जो आम जनता है इसको चूज करने का ऑप्शन खत्म हो गया है तो अभी क्या है इस कंपनी के पास में पैसा है तो इसने अपनी कंपटीशन को खत्म करने की नीति को ले आकर के अल्टीमेटली सभी को अपने अंडर में कर लिया अब अल्टीमेटली आगे जाकर के मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज वगैरह लेकर के आएगा मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी को रोकने के लिए हालांकि 1969 में ही मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी लेकर के आया गया था लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम जनता को एक ऑप्शन दिया जाए जिसके बदले में वो अल्टीमेटली अपनी चॉइसेस देख सके अलग अलग चॉइस को फुलफिल कर सके और इसीलिए अल्टीमेटली इस एक्ट के थ्रू एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया जो कि मार्केट के इस कंपटीशन को देखेगा ये देखेगा कि कहीं कोई भी डोमिनेटिंग पोजीशन का अपने मिसयूज तो नहीं कर रहा है तो अगर ये मिस यूज़ कर रहा है तो उसको फिर अल्टीमेटली यहाँ पर इन लोगों को पनिश किया जाएगा अब इस एक्ट में कई सारी चीज़ों को फॉरबिड किया गया है यानी कि रोका गया है क्या क्या चीज़ें हैं एक है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब यही है जहाँ पर बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में या तो कार्टल बना लेंगे या एक दूसरे को आपस में मिला लेंगे कहने का मतलब क्या चीज़ है मूवी आप लोगों ने देखी होगी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई उसमें क्या था उसमें जितने भी लोग थे उन लोगों ने एरिया को डिवाइड करके रखा था और इन लोगों ने क्या किया था कि एरिया डिवाइड करके बता दिया कि चलो हम यहाँ यहाँ पर इस इस तरीके की वसूली करेंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में ऐड तो किए ही एरिया तो डिवाइड किए ही प्लस साथ में इन लोगों ने अपना अपना रेट भी डिसाइड कर लिया कि मैं इतने रेट पर वसूली करूँगा तो ये जो वसूली करने का एक मिनिमम रेट इन लोगों ने डिसाइड किया है इसी को बोलते हैं कार्टल बना करके रखना ये कार्टल कई जगहों पर हमें देखने को मिल जाता है जैसे ड्रग्स वाले लोग अपना कार्टल बना के रख लेते हैं या फिर जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ये लोग भी अपना कार्टल बना के रखे हैं ये तो चलो ठीक है प्राइस को बना के रखने के लिए काटल बनाया गया है लेकिन कई बार ये एंटी कॉम्पिटिटिव भी हो जाते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव जैसे अब जैसे मान लेते हैं कि मार्केट में जो दाम चल रहा है किसी वस्तु का दस रुपए चल रहा है लेकिन सबने डिसाइड कर लिया कि ग्यारह रुपए में ही बेचेंगे अब एम से ऊपर ये लोग बेच रहे हैं एम जो है वो अभी भी दस रुपए है लेकिन सब लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ग्यारह ही रुपए बेचेंगे कंपटीशन तो खत्म हो गया दूसरा ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के फॉर्मेट में लेकर के आ रहा है और ये एक तरीके का इलीगल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं या फिर इलीगल एग्रीमेंट ये हुआ दूसरा है कॉरपोरेट एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट डोमिनेंट अब ये जो पोजीशन है वो हमें कई तरीके से देखने को मिल जाता है अब ये platform, अगर कोई भी मोबाइल एंड्रॉयड लेने आ रहा है जैसे मोटरोला का मोबाइल हो गया या फिर लावा का मोबाइल हो गया या फिर माइक्रोमैक्स uh, का मोबाइल हो गया कोई भी अगर लेने आ रहा है तो एंड्रॉयड ऑप्शन इन्होंने चूज करा लिया चलो ठीक है एंड्रॉय का पैसा इन्होंने दे दिया लेकिन अब एंड्रॉयड पोजीशन देने के बावजूद अब जो भी कंपनीज़ है उनके पास तो ऑप्शन है ना कि कौन सा सर्च इंजन लगाना है तो सर्च इंजन लगाने के लिए बहुत सारे इंजनस है जैसे एमेसन होती है या फिर आपकी गूगल की खुद की क्रोम हो गई या फिर अलग अलग तरीके के इस तरीके से सर्च इंजन है लेकिन जिस जिस को भी एंड्रॉयड गूगल ने बेचा सबको एक कंपल्सन लगा दिया गया कि आप गूगल के ऐड मतलब जो गूगल के ऐप्स है केवल उसी को रखोगे जैसे गूगल मैप हो गया गूगल पे हो गया या गूगल का सर्च इंजन हो गया गूगल का फोटो हो गया तो आप नॉर्मली फ़ोन में देखेंगे कि ये गूगल वाली जो चीज़ है वो डोमिनेटिंग एक पूरा का पूरा फोल्डर बन के होता है उसमें सारी गूगल की ऐप्स होती ही होती है आपको किसी और की ऐप नहीं मिलेगी आपको फोन पे वगैरह नहीं मिलेगा लेकिन जी पे ज़रूर मिलेगा तो ये तो एक तरीके से ज़बरदस्ती किसी के ऊपर में लाद दिया जा रहा है कि आपको यही वाली चीज़ें यूज़ करनी है ये हो जाता है डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करना या फिर अब्यूज करना कई जगहों पर हमें देखने को मिल जाती है ये चीज़ें इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन हैं जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को खरीदने पर आ गई तो छोटी कंपनी को खरीदने के लिए एक होता है ऑप्शन कि आपको एक आ, प्रपोजल दिया जा रहा है कि भैया ऐसा है आप अपनी कंपनी बेच दो दूसरा होता है दबाव डाल करके जैसे मान लेते हैं कंपनी थी हमर कंपनी आई थिंक हमर भी थी जो स्पीकर वगैरह बनाती थी इसको बोट ने एक्वायर कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं ये बोट को एक्वायर किया या अपनी मर्जी से किया या फिर जो है दबाव में आके किया या फिर एक फ्यूचर को देख करके किया ये भी कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट पोजीशन का ही रोल देखने को मिल जाता है या फिर कह सकते हैं कि जो भी एक्यूजिशन या जो टेक ओवर वगैरह की जा रही है वो हमें फॉर्मेट देखने को मिल जाता है अब ये जो एक्विजीशन हो गई या फिर टेक ओवर हो गया या फिर मर्जर हो गई ये सब दो कंपनी आपस में जब जुड़ती है उसके फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाती है और यहाँ पर अगर किसी तरीके का निगेटिव कॉम्पिटिशन है यानी दबाव डाल करके अगर किया गया है तो फिर वो कॉम्पिटिशन कमीशन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंतर्गत आती थी और ये एक पेनाल्टी वाला ऑफेंस माना जाता था ये सारी चीजें तो चलो ठीक है आज की डेट में क्या हो रहा है कि स्टार्टअप कल्चर चल रहा है और स्टार्टअप कल्चर में आप लोगों को पता है कि जो आइडियाज़ हैं वो नए नए तरीके के लाए जा रहे हैं इन आइडियाज को बड़ी कंपनी खरीद ले रही है या फिर उनके ऊपर में दबाव बना करके अपने कंट्रोल में ले ले रही है और इसी कारण से आज की डेट में ये जो बढ़ता मार्केट चल रहा है इसको देखते हुए कुछ नए अमेंडमेंट किए गए हैं इसी कंपटीशन अमेंडमेंट कंपटीशन एक्ट 2002 में क्या क्या चीज़ें की गई हैं पहले ये था कि जो भी मर्जर एक्विजिशन या फिर अम, अमल यानी दो कंपनी जब आपस में मिल रही थी अगर उनका अगर उनका दोनों कंपनी की जो वर्थ थी अगर वो एक हज़ार करोड़ से ऊपर हुआ करती थी या फिर इनका टर्नओवर ओवर तीन हज़ार करोड़ से ऊपर हुआ करता था तब इन दोनों कंपनीज़ को मर्जर से पहले जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इससे परमिशन लेना पड़ता था कि हम दोनों आपस में जा कर के मर्ज कर रहे हैं और इसमें किसी तरीके का कंपटीशन हम नहीं खराब कर रहे हैं या फिर हम लोग एक दूसरे कंपनी के ऊपर में कोई दबाव नहीं दे रहे हैं तो ये पहले था लेकिन अब एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 करोड़ से ऊपर है यानी इन दोनों की आपस में खरीदने बेचने की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है अगर वो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की है तो फिर आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए इन दोनों कंपनी की वर्थ जो है सो है वो अलग बात है लेकिन कंपनी ही जब आपस में बिक रही है खरीदा जा रहा है और खरीदने की वैल्यू अगर 2000 करोड़ से ऊपर की है तब इसको बोला जाएगा कि आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से जाकर के परमिशन लेनी पड़ेगी ये तो पहला हो गया जो अमेंडमेंट किया गया है दूसरा अमेंडमेंट किया गया है कि अब जैसे मान लेते हैं कि दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है लेकिन इन दोनों कंपनी के मर्ज के कारण से तीसरे को दिक्कत है अब ये तीसरा बंदा चला गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में सीसीआई में और ये कहा कि देखो ये दोनों कंपनी जो होती है मर्ज हो रही है जिसमें ए कंपनी जो है वो बी के ऊपर में दबाव डाला है सीसीआई के पास में मान लो एक एफ रजिस्टर हो गया लेकिन एफ रजिस्टर होने से पहले इनको देखना भी तो होगा कि क्या केस ये सच में वेरीफाइड केस है भी कि नहीं या हो सकता है ये तीसरे बंदे ने जलन के कारण से आकर के केस फाइल कर दिया

अब इसको घटा करके 150 दिन के अंदर अंदर में हमें अप्रूवल दे देना है इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और ज़्यादातर लोग जो होता है इंडिया में आकर के अपना मार्केट बनाएंगे तीसरा जो अमेंडमेंट किया गया है वो है कार्टल को लेकर के अभी हम लोगों ने इस कार्टल के बारे में बात किया कि जो कार्टल्स आपस में रेट डिसाइड करा देते हैं और एम से ऊपर डिस रेट डिसाइड कर देते हैं तो अब यहाँ पर पहले क्या था कि जो लोग भी कार्टल बना करके रखे हुए हैं केवल और केवल उस काटल के लोगों के ऊपर में पेनाल्टी प्रोविजन लगते थे उनको ही माना जाता था कि इन लोगों ने गुनाह किया हुआ है लेकिन अब जरा ये समझिए मान लेते हैं कि यहाँ पर वो काटल के मेंबर्स हैं ये काटल के मेंबर्स हैं जिन लोगों ने कार्टलाइजेशन करके रखा हुआ है लेकिन हो सकता है इन सभी का जो गुरु हो वो गुरु तो कोई और ही हो तीसरा बंदा निकल करके आ जाए तो ये तो चूंकि काटल का पार्ट नहीं है ये तो इनडायरेक्टली सारी चीजों को मतलब डील करवा रहा था तो कायदे से पहले वाले जो एक्ट था कंपटीशन एक्ट उसमें 2002 वाले में केवल और केवल यही लोग पेनालाइज हो रहे थे लेकिन गुरु तो बच जा रहा है तो अब कहा यह गया है कि जो लोग भी कार्टल के मेंबर हैं या कार्टल के मेंबर को बनाए जाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है या जो लोग भी कार्टल में आने के लिए सोच भी रहे हैं यानी इंटेंशन भी रख रहे हैं ये सब लोग पेनालाइज किए जाएंगे थोड़ा सा गड़बड़ जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सही करने के लिए तरीका भी लाया गया है इस पूरे केस को बुलाया था हब एंड स्पोक अरेंजमेंट अब जैसे हब एंड स्पोक का मतलब क्या होता है ये अलग अलग तरीके के हब बने हुए हैं इन सब को कंट्रोल करने के लिए स्पोक जोड़ दिया गया है और बीच में एक सेंट्रल बंदा है और ये वही गुरु वाला सेंट्रल बंदा है तो पहले गुरु जो था वो बच जा रहा था और ये लोग खाली और खाली जो है यही लोग केवल और केवल जेल में जा रहे थे तो अब बोला गया है कि जो लोग भी इस पूरे के पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे चाहे वो गुरु हो चाहे गुरु सोचने की कोशिश कर रहा हो या काटल के मेंबर हो ये सभी लोग अल्टीमेटली अंदर जाएंगे सबके ऊपर में पेनाल्टी प्रोविजन लगेगा ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा था तो जो भी पार्टिसिपेट कर रही है या इंटेंडेड टू पार्टिसिपेट कर रही है ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे कुछ और भी यहां पर पेनाल्टी प्रोविजंस वगैरह किया गया है जरा इसके बारे में समझते हैं पहला है लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग इंफॉर्मेशन अगर कोई कंप्लेनेंट है अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव यही जो कार्टलाइजेशन वाली जो चीज़ है अगर उसको लेकर के कोई भी कंप्लेंट फाइल किया गया है तो पहली बात उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में तीन साल के अंदर अंदर में उसको केस फाइल करना पड़ेगा कि हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है और दूसरा फिर सीसीआई इस चीज को तीस दिन के अंदर में देखेगा कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है और फिर अल्टीमेटली एक दिन में यह अपना निर्णय देगा हो सकता है तीस दिन का एक्सटेंशन पीरियड ले ले तो मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम एक 180 दिन यानी छह महीने के अंदर में इनको अपना निर्णय देना पड़ेगा दूसरा है पहले क्या था कि जो भी पेनाल्टी लगती थी वो एक करोड़ तक की थी अब जो पेनाल्टी है वो पांच करोड़ कर दी गई है यानी कि बहुत हैवी पेनाल्टी लगने वाली है इसके अलावा अब जरा और समझिएगा कि पेनाल्टी अब ग्लोबल टर्न को लेकर के मिलेगी अब यह ग्लोबल टर्न क्या चीज है समझते हैं पहले देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक कंपनी है ठीक है इस कंपनी के कई सारे यहां पर मान लेते हैं कि बिजनेस चल रहे हैं एक बिजनेस मान लेते हैं कि बड़ा बाजार चल रहा है मान लेते हैं बड़ा बाजार चल रहा है बड़ा बाजार मतलब कि ऐसे ही कंसल्टिंग फर्म चल रही है चलो ठीक है एक कंसल्टिंग फर्म चल रही है ठीक है दूसरा इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल करके रखा हुआ है तीसरा मान लेते हैं कि इन्होंने अपना एक सपोज क्या बना दिया जाए चलिए ठीक है यहाँ पर बना दिया जाता है कि ये अपना कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं मान लेते हैं कि अपना कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं ठीक है जैसे डॉक्टर कोई ले लेते हैं ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल मिल जाएगा डॉक्टर आजकल ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो इन्होंने क्या किया प्रोडक्ट के नाम पर अपनी कोई एक मेडिसिन निकाल दी ठीक है यूट्यूब पर ये अपना प्रमोशन कर ही रहे हैं बीमारियों के बारे में बता बता करके और कंसल्टेशन तो कर ही रहे हैं अब कोई एक मरीज आया ठीक है मरीज आया और जो मरीज आया उसको यहाँ पर इन्होंने कंसल्ट किया अब डॉक्टर ने इस डॉक्टर ने बाकी और डॉक्टर के साथ मिलकर के ये कह दिया कि कल को कोई भी अगर आपको दवा लिखनी होगी तो मेरी वाली दवा लिखना और इसके लिए जो भी आपको मतलब जो भी शेयर चाहिए जो भी प्रॉफिट चाहिए वो आपको दे दिया जाएगा सारे डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये वाली दवा लिखनी शुरू कर दिए अब ये मरीज आया अब जो दवा दस रुपए की थी इन्होंने जबरदस्ती एक हजार रुपए की दवा बना रखी है मरीज आया कंसल्टेशन हुआ और अल्टीमेटली एक हजार रुपये की दवा जो होती है चिपका के दिया गया तो ये कार्टिलाइजेशन बन गया दूसरा जबरदस्ती की कंपटीशन खत्म की गई मेडिसिन सेक्टर में एक हजार रुपए वाली दवाई इन्होंने लिखना शुरू कर दिया तो ये काटिलाईजेशन का केस तो साफ साफ बनता हुआ नजर में आ रहा है इसमें पेनाल्टी प्रोविजन किस पे लगेगा इन सभी डॉक्टर्स पर इंक्लूडिंग दिस गुरु वाला डॉक्टर ठीक लेकिन जो पेनाल्टी लगेगी वो किस बेसिस पर लगेगी क्या वो इस डॉक्टर के सारे जितने भी नेटवर्थ है क्या उस पर लगेगी या जो केवल और केवल कंसल्टेशन चार्ज है इस पर लगेगी या जो मेडिसिन इन लोगों ने बेचा है इस पर लगेगी सरकार ने पहले कहा कि यार सब पर लगेगी सारा ही पैसा इन्होंने नेट वर्थ की जो है उस पर लगेगी कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया कोर्ट ने यह कहा कि भैया ऐसा है कंसल्टेशन के कारण से सारी चीजें हुई है तो कंसल्टेशन के कारण से आने वाला जो पैसा है केवल उसी पर ही यहां पर पेनाल्टी लगनी चाहिए तो अब सरकार ने कहा कि रुको समझाते हैं तो यहां पर इन्होंने कहा कि जितने भी तरीके का टर्न आया है चाहे वो यूट्यूब चैनल से आ रहा हो या फिर दवा से आ रहा हो या कंसल्टेशन से आ रहा हो हर जगह के पैसे को जोड़ करके दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल टर्न ग्लोबल टर्न को जिसके ऑल प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को काउंट करने के बाद में तब जाकर उसके ऊपर में पेनाल्टी इंपोज की जाएगी बात समझ में आ गई अब यहां पर कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट जहां पर एक ही क्राइम को बार बार अगर किसी चीज को किया जाता है दैट इज बिंग एस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट डीक्रिमलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अब यहां पर कहा यह गया है कि चलो ठीक है अगर मान लो कुछ ऑफेंसेज होंगे जिसको डीक्रिमिनलाइज करके रखा जाएगा तो जो भी डोमिनेट पोजिशन में अगर है या फिर एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट करके रखा हुआ है तो अगर मान लेते हैं किसी तरीके का फेलियर होता है जहां पर सीसीआई का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है तो उसके लिए कुछ ऑर्डर्स रहेंगे जिसको कि डीक्रिमलाइज कर दिया गया ऑफेंसेस, यानी पेनाल्टी पेनाल्टी ही लगेगी ठीक है फिर इसके अलावा प्रोविजन वेर अ पार्टी इंप्लीकेटेड कार्टेल इन्वेस्टिगेशन मेक्स अ ट्रू एंड वाइटल डिस्कलोजर ऑफ एंड वायलेशन और अनदर कार्टेल इज टू ग्रांट एडिशनल लेसर फॉर कार्टल ऑलरेडी बींग इन्वेस्टिगेटेड तो जिस कार्टल ने दूसरे कार्टल के बारे में बताया है और अगर कार्टल पहले से ही पेनाल्टी दे रखा है तो उसको थोड़ी मोड़ी छूट मिल जाएगी लीनियंसी मिल जाएगी अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सब चीजें हैं ये सब चीजें पॉइंट उतना खास नहीं है जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया ये थोड़ा सा खास पॉइंट था जिसके बारे में आप सभी लोगों को समझना था। कुछ और भी छोटे -मोटे है, जैसे कि को के, अब चूंकि देखिए मैटर में नॉर्मली अगर आप किसी को जेल भी डाल दोगे तो क्या फायदा है तो यहां पर चीजों को मार्केट को चलाना ज्यादा जरूरी होता है और इसके लिए कॉम्पिटिशन इस अमेंडमेंट uh, एक्ट में ये कहा गया है कि अगर मान लो पेनाल्टी प्रोविजन की जगह पर अगर ये लोग आपस में सेटलमेंट करने को तैयार हो जाते हैं आर्बिट्रेशन करने को तैयार हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सी सी आई विल बी द फाइनल अथॉरिटी जो इस पूरे सेटलमेंट को कराएगी इसके अलावा एक और चीज कहा गया है कि जो डीजी है यानी डायरेक्टर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है पहले वो इकोनॉमिक्स और इस तरीके से जो भी पंद्रह साल की यहां पर जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता था अब उसको बढ़ा करके बोल दिया गया कि टेक्नोलॉजी में भी इनको एक्सपीरियंस लेना होगा उसी को केवल और केवल डीजी के पद पर बनाया जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन एक्ट 2002 से लाई गई है स्टेटुटरी बॉडी है बाकी ये कंपटीशन मार्केट की जो सस्टेनेबिलिटी है इन सारी चीजों को देखती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत आती है इसमें चेयरमैन होते हैं दो और एटलीस्ट जो है दो से छ मेंबर के बीच में होते हैं जो जरूरत नहीं, नहीं है हमारे लिए उतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क भी एक चीज होती है जो कि सी सी आई बिकेम द में ग्रुप ऑफ आई सी एन फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज इंपॉर्टेंट लाइन ये जो सीसीआई मेंबरशिप होती है वो दो साल के लिए रहेगी ये जो आई सी एन अथॉरिटीज का है बाकी ये मेंबर अठारह पर जो होती है वो स्टेयरिंग ग्रुप ऑफ एटीन है जो कि गाइड की जाती है खैर ये बस आप समझ के रखिएगा ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क ये वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन को देखता है और सीसीआई जो अपना इंडिया वाला है ये भी इसका मेंबर में जनविश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 अब देखिए जनविश्वास का सीधा मतलब है कि जो भी लोग टैक्स पेयर हैं उन लोगों को और कन्वीनियंट देना प्लस साथ ही साथ में लोगों के बीच में एक विश्वास लेकर के आना है ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर के चीजें बनाई गई हैं तो अभी हाल फिलहाल में ये एक नया विधेयक यानी बिल लेकर के आया गया है और ये बिल अब प्रेसिडेंट की असेंट पा लिया और तो एक्ट में बदल गया है क्या क्या इसमें की हाईलाइट्स हैं केवल की हाईलाइट्स आप लोग समझ लीजिए क्या क्या है इसमें कई सारे लॉ के जो प्रोविजन है उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है यानी कि अब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं रहेंगी उनको पेनाल्टी दे करके अब छोड़ा जा सकता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां से आपका बढ़ता जाएगा दूसरा है कई सारे पेनाल्टीज को इन लोगों ने फाइन में तब्दील किया यानी पैसा दो और कोई दिक्कत नहीं है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट आपको नहीं दी जाएगी जो भी ऑफेंसेस या पेनाल्टीज इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में दिए गए थे उन सभी को हटा दिया गया है बाकी पीरियॉडिक रिवीजन वगैरह किया गया है ग्रीवास रिड्रसल और अपलेट मेकेनिज्म का भी यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म किया गया है तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें बस आप ऊपर ऊपर से देखना चाहें तो देख सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद द ट्रांसफर प्राइजिंग अब आप लोगों ने नाम सुन रहा होगा बेप्स का बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का एक फंडा होता है यहाँ पर जो कंपनीज होती है वो आपस में शेल कंपनी बना करके टैक्स की चोरी करने से मतलब टैक्स की चोरी करते हैं जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी कंपनी है मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी कंपनी ए है यह मान लेते हैं इंडिया में इस समय है और यही इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो मान लेते हैं कि यूएसए में है बी के नाम से ये यूएसए में है ठीक है अब ये जो कंपनी है जैसे आप खुद ही सोच सकते हैं गूगल हो गई या फिर अल्फानेट हो गई अब ए को अगर कोई भी चीज बी से खरीदनी है तो इंडिया में ये एक तरीके से असेट मतलब असेट असेट बाइंग को लेकर के आप बोल सकते हैं कि ये जो एक कंपनी है बी के एसेट को खरीदा है या फिर बेचा है जो भी किया है तो जो भी आपने यहाँ पर कैपिटल गेन किए हैं या फिर आपने किसी तरीके का कोई भी चीज़ बेचा खरीदा है तो उस पर यहाँ पर लगता है टैक्स तो टैक्स किस पर लगेगा जितना अमाउंट की प्रॉफिट होगी उस पर लगेगा तो अब ये लोग क्या करते हैं प्रॉफिट को कोशिश करते हैं कम से कम करने की क्योंकि ये दोनों कंपनी तो एक ही है बस अलग अलग जगहों पर है तो ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट को कम करने के लिए बी का जो प्राइस है जैसे मान लेते हैं सौ रुपए में कोई चीज अगर बिक रही थी तो उस प्राइस को ये लोग घटा करके जबरदस्ती चालीस रुपए पे लेके आ जाते हैं और जो चीज चालीस रुपए मतलब यहां पर सौ रुपए बिकती वो यहां पर इन लोगों ने दिखा दिया कि हाँ ठीक है मैंने चालीस रुपए का खरीद लिया और इसकी रियल कॉस्ट यहां पर पैंतीस रुपए थी यानी पांच परसेंट का मुझे पांच रुपए का मुझे यहां पर प्रॉफिट हुआ है पांच रुपए का प्रॉफिट तो पांच रुपए पर टैक्स दे दीजिए सरकार ने कहा यार ये तो सब आपस में कार्टिलाईजेशन कर ले रहे हैं आपस में ही जो होता है टैक्स की चोरी को बचाने के लिए कर लिया है तो अल्टीमेटली ये केस आता है और केस आने के बाद में यहां पर एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब ये है ये जो कंपनीज आपस में ट्रांजेक्ट कर ले रही हैं और फेयर वैल्यू की जगह पर ये लोग अपना डिस्काउंटेड वैल्यू यूज़ कर ले रही है तो अब किसी भी तरीके का अगर असेट यहाँ पर परचेज या फिर असेट सेल किया जाएगा इंडिया में तो फिर उसकी मतलब जो भी कंपनीज है इन दोनों को अपने आप को इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और जो रियल प्राइस वगैरह होगी उसी प्राइस पर ही केवल कर सकते हैं इन केस अगर इस तरीके का कोई भी टैक्स चोरी किया जाता है तो वहां पर आम सिल ट्रांजेक्शन यानी कि उसके बदले में इतने पैसे का आपको एक्स्ट्रा टैक्स के फॉर्मेट में तो या फिर बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा सरचार्ज के फॉर्मेट में तो आपका पैसा देना पड़ जाएगा और इसी को बोलते हैं हम लोग जो है आर्म्स ट्रांसफर ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी को लेकर के बात किया है सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका कोर्ट का जो भी रूलिंग आया था उसको लेकर के यह बोला गया है कि जो भी आर्म्स आर्मसलैंड की ट्रांसफर प्राइजिंग है जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता था और वो अपने आप में फाइनल बोला जाता था नॉट बी सब्जेक्ट स्क्रूटनी जो जुडिशियल स्क्रूटनी उसके अंदर में जो हुआ करता था उसको अभी रोक दिया है ट्रांसफर प्राइजिंग और जो आर्म्स लेंथ प्राइजिंग है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखी गई है बताई गई है ये भी बताया गया है जो आर्म्स लेंथ की प्राइस डिसाइड की जाएगी वो एक असेसमेंट ऑफिसर रहेगा आई आर एस बेसिकली होते हैं ये इसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितना पैसा इनको देना है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये भी कहा कि जो भी आर्म्स लेंथ प्राइस की डिटर्मिनेशन होगी ये ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कि जो भी कंपनीज है उन दोनों को आपस में इंडिपेंडेंट दिखा करके तब डिसाइड की जाएगी और दूसरी चीज इस केस का जो भी डिसीजन आएगा ट्रिब्यूनल का वो फाइनल नहीं होगा यानी इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ये लोग हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आना चाहे तो भी आ सकते हैं तो जो भी यहां पर चीज़ें हैं वो इस तरीके से आई अब यहां पर जो भी ये ट्रिब्यूनल है उसके बारे में बोला गया है कि ये कोसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है नाइनटीन फोर्टी वन में इसको स्टेब्लिश किया गया था जो भी डायरेक्ट टैक्स के केसेस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग क्या चीज़ होती है ट्रांसफर प्राइसिंग एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जहाँ पर दो कंपनी या फिर गुड्स या सर्विसेज जो भी एक्सचेंज कर रही है उसके बदले मतलब कि उसकी जो भी प्राइस होती है उसकी रियल प्राइस को देख करके जो भी कमी होती है उसी को एक्स्ट्रा एड करना वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइजिंग आर्म्स भी प्रिंसिपल इसी का बेसिस पे होता है कि जो भी प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी पे करने के लिए किसी भी गुड या सर्विस को परचेस करने के लिए तो जो भी कंपनी है उसको आपस में इंडिपेंडेंट या अनरिलेटेड दिखाना पड़ेगा और फिर अल्टीमेटली जितना भी पैसा निकल करके आता है उसी को बोला जाता है आम प्राइस प्राइज देअर शुड बी नो प्राइस एडजस्टमेंट और स्पेशल कंडीशन फॉर द ट्रांजेक्शन सिंपली बिकॉज द पार्टीज आर रिलेटेड लीगल एंटिटीजिव इज टू अवॉइड इरोजन ऑफ टैक्स बेस जिसको हम लोग बोलते हैं बेप्स और इस तरीके से जो भी प्रॉफिट होगी मतलब कि इस तरीके से जो भी टैक्स जो रिस्ट्रिक्शन है वो पाया जाएगा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर के जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये बेसिकली वीपो के द्वारा निकाला जाता है इंडिया ने अपनी 40वीं रैंक यहां पर स्थापित की है यहाँ पर कई सारे मेजरमेंट के लिए पैरामीटर्स होते हैं जैसे इनपुट पैरामीटर और आउटपुट इनपुट में इंस्टीट्यूशन ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट सोफिस्टिकेशन बिजनेस सोफिस्टिकेशन आउटपुट आउटपुट में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिव आउटलुक ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट आजकल हो गए हैं बाकी इसके अलावा ये सब जरूरत नहीं है और आई डोंट थिंक इस पर कोई सवाल ऐसे बनना चाहिए वीपो के बारे में देख लीजिए वीपो बस ये है कि एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में स्टैब्लिश की गई थी यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी के, के तौर पर होती है 193 इसके मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया भी इसका मेंबर है बाकी इसने कई सारी ट्रीटीज़ करा करके रखी है जैसे पेरिस कन्वेंशन हो गया बर्न कन्वेंशन हो गया पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क और जो पेटेंट है वो इसी से रिलेटेड होता है नेक्स्ट आर्टिकल है स्टार्टअप इन इंडिया को लेकर के अभी हाल फिलहाल में स्टार्टअप को बहुत ज्यादा पूछ दिया गया है स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग जनरेट करना स्टार्टअप को uh, कैसे प्रमोट करना इन सारी चीजों के बारे में यहां पर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है इसमें क्या क्या, -क्या चीजें बोली गई इसमें यह बोला गया है कि अब जो भी स्टार्टअप्स है उनको एक्सेस टू फंडिंग हो गई यानी कि उनको पैसे अब जो है ज्यादा आसानी से और ज्यादा बेहतर फॉर्मेट में मिल जा रहे हैं दूसरा सिंगल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बन गई है ऐसा नहीं है कि अब अलग अलग जगहों पर लाइसेंस और फलाना धमाके के लिए विंडो टू विंडो घूमना पड़ता है उनको सिंगल विंडो पर सारी चीजें हो जाती है इसके अलावा रेगुलेटरी सपोर्ट भी अब प्रोवाइड किया जा रहा है अब अगर स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो स्टार्टअप को डिफाइन किया गया है डी पी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इन्होंने कहा है अगर कोई कंपनी 10 साल से कम की है तो उसको बोला जाएगा कि वो एक स्टार्टअप कंपनी है अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अगर पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी में यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको भी स्टार्टअप बोला जाएगा अगर किसी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो उसको स्टार्टअप कहा जाएगा अगर कोई एंटिटी, अगर कोई कंपनी अपने मतलब कि हैव इन फॉर्म बाई स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्टिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस तो उसको हम नहीं मानेंगे वो कोई किसी से अलग होकर के बन रही है जैसे अल्फानेट से गूगल निकल के आ रही है तो हम लोग उसको ये नहीं कहेंगे कि वो एक स्टार्टअप है इनोवेटिव एंड स्केलेबल होनी चाहिए जो भी नया आइडिया पर निकल करके आता है तो वो बन जाता है हमारा स्टार्टअप अब स्टार्टअप को रेगुलेट करना भी ज़रूरी है तो उसके लिए हमारे पास में एम है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर इन लोगों ने कंपनी एक्ट के तहत में कई सारी चीज़ें की गई है जिसके थ्रू स्टार्टअप कंपनी को डिफाइन भी किया गया प्लस साथ ही साथ में इनको कई तरीके के बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं सेबी ने भी ये बोला है कि जो भी स्टार्टअप कंपनी है उनको हम लोग लिस्ट भी कर सकते हैं उसके लिए कुछ बेनिफिट्स वगैरह भी दिए जाएंगे आरबीआई ने भी इसी तरीके से स्टार्टअप को लेकर के कई सारे असिस्टेंस और गाइडलाइन प्रोग्राम भी जारी किए हुए हैं अब कई सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में जैसे एग्रीकल्चर में उतना फोकस हमको देखने को नहीं मिल रहा है केवल लगभग लगभग पांच परसेंट के लोग ही एग्रीकल्चर सेक्टर में नया स्टार्टअप खोल रहे हैं बाकी आईपीआर के, के केस में भी हमें काफी कम देखने को मिल रहा है बहुत कमी ऐसे स्टार्टअप्स है जो कि आईपीआर में काम कर रहे हैं इसके अलावा ये लोग फ्लिपिंग कर रहे हैं यानी कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन न करके ये बाहर की कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिससे कि उनको जो भी टैक्स है वो टैक्स बचता है और मतलब वही सारी चीजें हैं कि आपको टैक्स की बच, बचत करनी मेन यहाँ पर केस हो जाता है नेक्स्ट वन इज बी आई एस बी आई एस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अब जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अपलायंसेस होते हैं उसमें स्टार रेटिंग होती है स्टार रेटिंग फाइव स्टार थ्री स्टार टू स्टार तो पहले कई सारे प्रोडक्ट पर ये वॉलेंटियर हुआ करता था और धीरे धीरे 560 प्रोडक्ट पर यह कर दिया गया है कंपलसरी जैसे सीमेंट हो गया हाउस इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया ऑटोमोबाइल हो गया, गया मेडिकल हो गया स्टील हो गया एयर कंडीशन हो गया डोमेस्टिक गैस स्टोव हो गया तो इस तरीके के कई सारे प्रोडक्ट हैं लगभग लगभग पाँच प्रोडक्ट पर यह कम्पल्सरी कर दिया गया है अब कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी और भी जो चीज़ें जैसे सीलिंग फैन स्टेनलेस स्टील कुकवेयर या एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स इन सब चीजों पर भी अब हम मैंडेटरी करेंगे कि आप बी आई एस की हॉल मार्किंग या बी आई एस की रेटिंग करेंगे बी आई एस एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया के अंतर्गत बी आई एस एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स के तहत बनाया गया है जो कि

कई सारे अचीवमेंट इन लोगों ने किए हैं जैसे कि इन्होंने सर्टिफिकेशन दिया हुआ है हजार से ऊपर के प्रोडक्ट कैटेगरी को इसके अलावा ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल यानी कि मानक ऑनलाइन भी बनाया गया है जो कि फॉरेन लाइसेंसी के लिए भी यहां पर ये लोग अपना मानक यानी कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा नेशनल स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन को बताता है बाकी इसके अलावा ऐसा मार्क वगैरह भी बताया गया है अब ये अलग अलग तरीके की यहाँ पर चीजें बताई गई है जैसे कि आई एस आई मार्क किसके लिए होता है ये जितने भी हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं किचन होते हैं उनको लेकर के बनाया जाता है एगमार्क किसके लिए होता है जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसको एगमार्क दिया जाता है बी आई एस हॉल गोल्ड ज्वेलरी के लिए दिया जाता है वूल मार्क दिया जाता है जो भी हंड्रेड परसेंट प्योर वूल होता है इको मार्क किसको दिया जाता है जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं एफ पी ओ मार्क किसको दिया जाता है जो भी फूड प्रोडक्ट यानी एफ एस आई के द्वारा जो भी आ, मतलब फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको एफ पी ओ मार्क दिया जाता है इंडिया ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये दिया जाता है